हेलो एवरीवन वेलकम ऑन केमकेट अकेडमी यूट्यूब चैनल सो गाइज यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मास ट्रांसफर सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन क्विक रिवीजन सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट फॉर्मूले एंड मास ट्रांसफर के जितने भी कंसेप्ट है वो हम फार्मूले के साथ में डिस्कस करेंगे ओके okay गाइज तो ये यह कंप्लीट यहाँ पर लेक्चर रहेगा इस सब्जेक्ट पे तो इसमें मतलब हर एक फार्मूला इस सब्जेक्ट के जितने भी फॉर्मुलेज है वो मैं डिस्कस करूंगा और उनके रिगार्डिंग जो भी स्पेशल कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए है ना जिसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो आप सोल्व कर सकते हो तो हर एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके गाइस, सो देखिए, मतलब ऑलरेडी आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसके बट हो स्टिल कि नहीं किया तो मैं यहां पर हर एक फॉर्मूला हर एक टाइम जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर मैं डिस्कस करूंगा तो गाइस कंप्लीट देखिए इस लेक्चर सीरीज को और अगर हो सकता है तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो जिससे आपकी रिविजन भी हो जाएगी ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं तो dekhe, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन तो देखिए डिफ्यूजन आपको पता है कि दो टाइप का डिफ्यूजन हम लोग डिफाइन करते हैं फर्स्ट जो है वो है मोलिकुलर डिफ्यूजन तो फर्स्ट जो मोलिकुलर डिफ्यूजन हम यहां पर डिस्कस करते हैं मास ट्रांसफर में उसके अलावा सेकंड जो है वो रहता है टर्बुलेंट डिफ्यूजन तो हमारे कोर्स में तो हमने देखा है कि मोस्टली हम मोलिकुलर डिफ्यूजन ही डिस्कस करते हैं टर्बुलेंट डिफ्यूजन को हम लोग लास्ट में थोड़ा देखेंगे तो अभी देखिए डिफ्यूजन टाइम को पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मास ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है देखिए मास ट्रांसफर का मीनिंग क्या है मास ट्रांसफर मीन्स देखिए द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर द ट्रांसफर ऑफ मास और मोल्स मास और मोल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ड्यू टू सम्राइविंग फोर्स ड्यू टू सम ड्राइविंग फोर्स अगर हम यहां पर ड्राइविंग फोर्स की बात करें मास ट्रांसफर के लिए तो कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स हो सकता है ड्यू टू सम्राइविंग फोर्स नोन एज द मास ट्रांसफर तो इसे बेसिकली हम बोलते हैं मास ट्रांसफर अब यहां पर हमने जो टर्म यूज किया ड्राइविंग फोर्स तो देखिए लाइक कंसंट्रेशन डिफरेंस आपका ड्राइविंग फोर्स हो सकता है प्रेशर डिफरेंस आपका ड्राइविंग फोर्स हो सकता है है ना उसके अलावा मोल फ्रैक्शन डिफरेंस आपका ड्राइविंग फोर्स हो सकता है तो मास ट्रांसफर में यह सब ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं लेकिन अगर हम लोग ट्रू ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं ट्रू ड्राइविंग फोर्स ट्रू ड्राइविंग फोर्स हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल को तो केमिकल पोटेंशियल जो है वो ट्रू ड्राइविंग फोर्स होता है मास ट्रांसफर के लिए क्लियर है उ अब गाइस देखिए हम यहाँ पर मोलिकुलर डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं कि मोलिकुलर डिफ्यूजन किस टाइप का होता मतलब कि इसको मतलब किस किस टाइप का मोलिकुलर डिफ्यूजन होता है उसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाइम मोलिकुलर डिफ्यूजन को पढ़ने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोलिकुलर डिफ्यूजन सो देखिये मोलिकुलर डिफ्यूजन में हम ये देखते हैं कि मतलब कोई बल्क फ्लूड है या तो वो स्टेशनरी कंडीशन में है, या फिर वो फ्लोविंग मतलब कंडीशन में मतलब मूविंग कंडीशन में बट कंडीशन ये है कि जो आपका फ्लूड जो बेसिकली है वो या तो स्टेशनरी कंडीशन में अगर वो uh, मतलब कि फ्लो कंडीशन में देन उस केस में जो फ्लो आपका होगा वो क्या होगा लेमिनार फ्लो होगा तो ये मतलब कंडीशन है यहां पर लेमिनार फ्लो लेमिनार मोशन होगा बेसिकली इन ए डायरेक्शन और डायरेक्शन बेसिकली क्या रहेगी जो आपका जो फ्लो बेसिकली फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन बेसिकली रहेगी पर नॉर्मल नॉर्मल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाइक ये डायरेक्शन है तो यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली जो इस इसमें रहेगा मतलब ये इसके नॉर्मल रहने वाला है है क्लियर अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं uh, मतलब मोलिकुलर uh, डिफ्यूजन का तो इवोपरेशन ऑफ द नेशन ऑफ नेफ्तलिन बोल सो ने बोल को अगर आप एटमोस्फेयर में रखोगे तो बेसिकली वो क्या होगी इवोपरेट हो जाएगी क्लियर है इवोपरेशन ऑफ नेपथलिन बोल इन स्टेशनरी एयर मीडियम स्टेशनरी एयर मीडियम नाउ अब देखिए इंपॉर्टेंट टाइम हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट टाइम है मास कंसट्रेशन सेकेंड रहेगी मोलार कंसंट्रेशन क्लियर है तो देखिये मास कंसट्रेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी स्पीसीज के लिए मतलब आपके मिक्सर में सोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है तो पर्टिकुलर आपको यहां पर

मोल ऑफ टोटल सोल्यूशन मोल ऑफ टोटल सोल्यूशन तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं मास कंसंट्रेशन एंड मोलार कंसंट्रेशन इसके अलावा देखिए हम लोग मास फ्रैक्शन लिखते हैं अगर मास फ्रैक्शन आपको लिखने के लिए कोई बोले तो कैसे लिखोगे मास फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन डब्ल्यू आई इज इक्वल टू रो आई अपॉन रो है ना रो आई बेसिकली क्या डेंसिटी उस पर्टिकुलर स्पीसीज आई की और यहां पर रो जो है वो टोटल डेंसिटी है सिमिलरली अगर आपको बोले कोई मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए

डेंसिटी मतलब मतलब रो आई अपॉन रो है तो यहां पर आ, आप लिख सकते हो समेशन ऑफ रो आई अपॉन ऑफ रो इज इक्वल टू वन तो यहां से आपको मिल जाएगा कि जितने भी मतलब स्पीसीज है उनकी डेंसिटी का अगर हम लोग सम करें तो हमको क्या मिलेगा टोटल डेंसिटी मिल जाएगा सिमिलरली देखिए मोल फ्रैक्शन हमने लिखा है पर एक्स आई इक्वल टू सी आई अपोनसी तो मोल फ्रैक्शन देखिए मोल फ्रैक्शन का जब आप सम करोगे मतलब समिशन ऑफ जितने भी स्पीसीज है प्रेजेंट वहां पर तो कंप्लीट मतलब स्पीसीज का अगर हम लोग मोल मोल फ्रैक्शन जो उसको एड करें तो वन मिलेगा आपको तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि यह क्या हो गया समिशन ऑफ द कंसनट्रेशन सी आई अपोनसी इक्वल टू वन तो यहां से आपको मिल जाता है कि जितने भी मतलब जितने भी स्पीसीज है उनकी कंसंट्रेशन उनकी इंडिविजुअल कंसंटेशन को अगर एड करे तो आपको टोटल कंसंट्रेशन मिल जाएगी ओके okay? अब एक टाइम में डिफाइन कर रहा हूं यहां पर वेलोसिटी तो वेलोसिटी को देखिए हम लोग दो टाइम में डिवाइड करते मतलब कि पहली जो टाइप की वेलोसिटी है वो है मास एवरेज वेलोसिटी मास मास एवरेज एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी एंड सेकेंड हम यहां पर डिफाइन करते हैं मोलार एवरेज वेलोसिटी तो गाइस देखिए यहां पर ये यह जो हम पढ़ रहे देखिए मास एवरेज वेलोसिटी एंड मोलार एवरेज वेलोसिटी की क्यों हमको रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज हमने देखा कि जो मोलिकुलर डिफ्यूजन होता है डिफ्यूजन लाइक like कोई भी बल्क फ्लूड है बल्क तो स्टेशनरी बट हमने ये भी मूविंग कंडीशन वो, वो, मतलब में हो सकता है कोई भी चेंजेस देखेंगे लाइक like डिफ्यूजन मतलब उसमें हो रहा है तो जो ऑब्जर्वर होता है बेसिकली वो लाइक स्टेशनरी मोड में है या फिर वो मासजोसिटी से मूव कर रहा है या फिर मोलार एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यह टाइम हम वहां पर यूज करेंगे जस्ट हम आगे फ्लक्स एक टर्म डिफाइन करेंगे तो फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स के लिए हम लोग वहां पर ये टर्म भी यूज करेंगे वेलोसिटी वाली मास, मास एवरेज वेलोसिटी मोलर एवरेज वेलोसिटी तो गाइज देखिए हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मास एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो मास एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको याद रखना है देखिए मास एवरेज वेलोसिटी तो मास एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल यू से

सेकेंड हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर मोलार एवरेज वेलोसिटी मोलार एवरेज वेलोसिटी तो मोलार एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा C Ci Vi, ये हो गया मोलार एवरेज वेलोसिटी नाउ अब देखिए इनको हम लोग अगर और सोल्व करें इनको तो यहां पर ये जो मोलार एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाता है समिशन ऑफ वाई आई इन यू आई

तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं मास एवरेज वेलोसिटी एंड मोलर एवरेज वेलोसिटी उसके बाद गाइज देखिए हम लोग लिखते हैं फॉर आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए हम लोग लिखते हैं देखिए कि जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा वाई आई इन टू पी वेर पी इज द टोटल प्रेशर एंड पी आई इज द पार्शियल प्रेशर यहां पर पी आई क्या है पार्शियल प्रेशर है पार्शियल प्रेशर एंड कैपिटल पी इज द टोटल प्रेशर एंड यहां से हम लिख सकते हैं कि जो ये जो वाई आई बेसिकली मिल रहा है ये क्या है मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन जो बेसिकली हमको यहां से क्या मिलता है कि पार्शियल प्रेशर इज डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर यहां से हम लोग लिखते हैं बेस्ड ऑन आइडियल क्लियर गाइस अब नेक्स्ट दल डिफाइन कर रहे हैं फ्लक्स तो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स होता है मतलब कोई कॉम्पोनेट है बेसिकली किसी एक uh, मतलब की नेट uh, रेट से बेसिकली कोई कॉम्पोनेंट है जो मतलब की सोल्यूशन uh, में पास हो रहा है थ्रू द यूनिट एरिया मतलब कि लाइक like, हम बोल सकते हैं कि लाइक like कोई अमाउंट हम बोल रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ कोई स्पीसीज मूव कर रहा है है ना डिफ्यूज हो रहा है मतलब तो वहां पर हम लिखते हैं कि द नेट रेट द नेट रेट इट विज द कॉम्पोनेट इन ए सोल्यूशन पासिस थ्रू द यूनिट एरिया विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन इन यूनिट तो सिंपली देखिए हम लोग लिखते हैं फ्लक्स जो है मतलब फ्लक्स को हम लिख सकते हैं कि मास हो गया के जी के जी पर मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड उसके अलावा हम लोग फ्लक्स को किलोमोल मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड से भी डिफाइन करते हैं नाउ अब यहां पर ये जो केजी पर मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड है इसको हम लिखते हैं मास फ्लक्स ये मास फ्लक्स हो जाता है और जो किलोमोल पर मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड है ये हो जाता है मोलार फ्लक्स इसके बाद देखिए जो जो मास फ्लक्स है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और जो मोलर फ्लक्स है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे है ना ये मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके बाद गाइस देखिए हम इंपॉर्टेंट मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लक्स डिफाइन करते हैं लाइक like, यहां पर okay, इधर हम लोग मोलर फ्लक्स डिस्कस कर रहे हैं देखिए लाइक like, हम लोग एक टाइम हमने डिफाइन किया स्मॉल एन आई तो ये मास फ्लक्स को डिनोट करेगा लेकिन यहां पर कंडीशन है कि जो ऑब्जर्वर है बेसिकली वो स्टेशनरी है देखिए uh, मतलब रो आई इनटू यू आई

ई माइनस ऑफ स्मॉल यू अब ये स्मॉल यू किसको डिनोट कर रहा है जस्ट हमने लास्ट में भी डिफाइन किया मास एवरेज वेलोसिटी तो यहां पर ऑब्जर्वर जो है वो मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है ओके okay? तो यहां पर हमने ये मास फ्लक्स डिफाइन कर दिया इस टाइम में नाउ कैपिटल आई इज इक्वल टू सी आई इन टू यू आई माइनस ऑफ स्मॉल यू ना अब सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर आपका मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे यहां पर हम डिफाइन करते हैं स्मॉल जे स्मॉल जे हम लोग यहां पर मास फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं देखिए स्मॉल जे तो ये हो जाएगा यहां पर स्मॉल सॉरी यहां पर देखिए देखिए स्मॉल जे आई मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं तो स्मॉल जे आई क्या है मास फ्लक्स है तो ये हो गया रो आई इंटू यू आई माइनस ऑफ ये कैपिटल यू ये मोलार एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है कैपिटल यू सिमिलरली फ्लक्स हम डिफाइन कर सकते हैं कैपिटल जे आई इज इक्वल टू सी आई इन टू यू आई माइनस ऑफ कैपिटल यू क्लियर है तो ये मतलब हमने तीन टाइप के मास फ्लक्स डिस्कस किए और तीन टाइप के हमने मोलार फ्लक्स डिस्कस किए नाउ गाइस देखिए अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास में बाइनरी मिक्सचर है हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर ए बाइनरी मिक्सचर तो बाइनरी मिक्सचर में देखिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे फ्लक्स मास फ्लक्स और मोलार फ्लक्स तो बाइनरी मिक्सचर में देखिए मतलब लाइक like मैंने कंसिडर कर लिया कि कोई स्पीसीज दो स्पीसीज है एक स्पीसीज वन एंड एक स्पीसीज टू या फिर इसको आप ए और बी कंसिडर कर सकते हो तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि जो मास फ्लक्स हमने जो मास फ्लक्स पढ़ा था आई जिसमें ऑब्जर्वर आपका मास एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है उसके लिए हम जो स्मॉल आई लिखते हैं मतलब स्पीसीज वन प्लस स्पीसीज टू ये दोनों का जो समीशन है बेसिकली वो जीरो होगा ये किसमें मास फ्लक्स में देन अगर मोलार फ्लक्स में हम बात करें तो वहां पर जब ऑब्जर्वर बेसिकली मोलार एवरेज वेलोसिटी से जब मूव करता है तब आप बिकॉज देखिए जीरो मतलब इनका समीशन जीरो क्यों हो रहा है बिकॉज हम यहां पर मास फ्लक्स, मास मास फ्लक्स 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 जो बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं ये आपका मास फ्लक्स है और यहां पर हम लोग फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं तो देखिए हमने जो आ, मतलब इसमें मैं लिख देता हूं J1 वन प्लस जे टू इज इक्वल टू जीरो मिलने वाला है आपको ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट देखिए यहां पर हमने देखा कि मास फ्लक्स और जो आपका ऑब्जर्वर है वो भी यहां पर देखिए मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसलिए ये वाली जो टैम है मतलब आई वन प्लस आई टू अगर आपका बाइनरी मिक्सचर है तो ये इनका समीशन जीरो होगा लेकिन मोलार फ्लक्स में क्या हो रहा है

पर सेकेंड यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आप यहां पर आपको यूनिट मिलेगी और यहां पर जो माइनस साइन है ये डिनोट करता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिक्रीज होता है है ना जेड डिस्टेंस जेड डायरेक्शन में बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज होगा इसलिए डीसी सी अपॉन डीजेड आपको नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव बेसिकली साइन जो है ये कैंसिल हो जाएगा सो गाइस देखिए हम सिंपल फॉर्म में अगर बात करें तो हमने क्या किया हमने यहां पर लिखा फ्लक्स ये फ्लक्स बेसिकली जो है मतलब एक हमारे क्वांटिटी हो गया जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसके अलावा यहां पर ए डी बेसिकली क्या है डिफ्यूजिविटी ऑफ दैट क्वांटिटी देन मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं एक क्वांटिटी मतलब ग्रेडियंट से डी सी अपॉन डी जेड से तो हम किसी भी मतलब प्रोसेस के लिए लाइक लाइक मास ट्रांसफर हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा लाइक हीट ट्रांसफर आपको लिखना है या फिर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में लिखना है तो आपको सिंपली क्या करना है फ्लक्स ऑफ ए क्वांटिटी फ्लक्स ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू डिफ्यूजिविटी diffusivity of that quantity is multiplied by d upon d, dz into quantity quantity per meter cube इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं आप यहाँ पर आ, मतलब फोर ईयर लो का स्टेटमेंट और न्यूटन लो का स्टेटमेंट लेके आओगे तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो लाइक मैं यहाँ पर बता देता हूँ फोर ईर लो का स्टेटमेंट क्या होता है क्यू इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी अपन डी एक्स अब यहाँ पर फ्लक्स क्वांटिटी तो क्यू हो गया लेकिन यहाँ पर माइनस के इसका डिफ्यूजिविटी नहीं है ना डिफ्यूजिविटी नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं रो सीपी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं राइट हैंड साइड में तो ये मिल जाता है क्यू इक्वल टू माइनस के अपोन ऑफ रो इंटू सी पी इन डी टी इंटू रो इंट सी पी इज डिवाइडेड बाई एक्स तो ये जो टाइम है बेसिकली के अपॉन रो सीपी ये टाइम क्या हो जाता है हीट डिफिजिविटी इसको हम लिखते हैं एल्फा इसको हम लोग एल्फा लिखते हैं इसकी यूनिट भी आप जब देखोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब डिफिजिविटी की टाइम में आपको यूनिट मिलेगी इसकी तो यहां से और ये जो टी इंटू रो इंटू सी पी को डिनोट करता है

डी वी इंटू रो अपोन ऑफ डी वाई ये मोमेंटम को डिनोट कर रहा है यहां पर और यहां पर ये जो म्यू अपॉन रो है सॉरी न्यू हां म्यू अपॉन रो जो है बेसिकली ये क्या किसको डिनोट करेगा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को ये डिनोट करेगा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया ये लेकिन इसको लिखते है, momentum, तो इसी से, मतलब, मतलब सेम हम लिखते हैं स्टेटमेंट हम लोग यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं तो ओके ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गए अब हम स्टार्ट करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टाइम वो है फंडामेंटल इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मास ट्रांसफर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मास ट्रांसफर तो फंडामेंटल देखिए इक्वेशन कौन सा है हमारा मतलब हम कंसिडर करके चल रहे हैं बाइनरी मिक्सर ओके तो बाइनरी मिक्सर के लिए हम लोग मिक्सर में तो हम लोग अगर जे ए प्लस सी ए अपोन ऑफ सी इन टू ऑफ एन ए प्लस एन बी इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर वन देन इसके बाद में अगर हम लोग बी की टर्म में लिखे फ्लक्स तो एन बी इक्वल टू क्या होगा जेबी प्लस ऑफ सी बी अपोन ऑफ सी इंटू एन ए प्लस एन बी ये दो इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये दोनों बिकॉज फंडामेंटल इक्वेशन है यहीं से आगे हम लोग जितने भी इक्वेशन फ्लक्स के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे वो फंडामेंटल इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं उसके अलावा देखिए हम यहां पर बाइनरी मिक्सर कंसिडर कर रखा है हमने बाइनरी मिक्सर सो फॉर बाइनरी मिक्सर वी ऑल्सो राइट द एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू कैपिटल एन ये स्टेटमेंट लिख लिया लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं सी ए प्लस सी बी देन मैं यहां पर ये जब सी लिख रहा हूं मतलब मैं ये कंडीशन में लिख रहा हूं कि जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है कंसंट्रेशन जो है वो हमने कंसिडर कर लिया कि कांस्टेंट है इंपोर्टेंट जो, तो. जो मैंने बोला था लास्ट स्लाइड्स में जो हमने डिस्कस किया कि जे ए प्लस जेबी जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा ये फंडामेंटल इक्वेशन के साथ ही मतलब ऑलवेज यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये ऑलवेज ट्रू होगी है ना फॉर बोथ केसेस फॉर बोथ केसेस जो मैं लिख रहा हूं वो डिफ्यूजन के टाइप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर बोथ केसेस तो बोथ केसेस कौन से हैं मतलब ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन ओके गाइस यहां तक ऑल क्लियर नाउ no. नेक्स्ट देखिए अब हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं डिफ्यूजिविटी डिफ्यूजिविटी को लाइक डी ए बी हम बोल रहे हैं तो डिफ्यूजिविटी किस मतलब क्या डिनोट कर रहा है मतलब ए का बी में डिफ्यूजन इसके लिए कोफिशिएंट हमको मिल रहा है है ना मतलब लाइक आपको रेट देगा कि कितना जल्दी ए बी में डिफ्यूज हो रहा है सिमिलरली आपको जो मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो डी ऑफ बी ए मतलब डिफ्यूजिविटी ऑफ बी इन ए इस तरीके से आप लिख सकते हो तो क्या डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी जो है वो डिफ्यूजिविटी ऑफ बी इन ए के इक्वल होगी क्या नहीं ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब हम लिखते हैं CA ए प्लस सी बी सी ए प्लस सी बी मतलब ओरल कंसेंट्रेशन को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तब आपका जो डिफ्यूजिविटी है डी ए बी इक्वल टू आपको मिलता है अदरवाइज देखिए गाइस ये आपको क्या मिलेगा डी सी ए अपॉन ऑफ डी सी ए अपॉन ऑफ डी जेड इक्वल टू माइनस ऑफ डी सी अपॉन ऑफ डी मिलता है यहां से हम लिखते हैं डिफ्यूजिविटी ऑफ AB बी इज इक्वल टू ऑफ डीशन यहां पर क्या है इफ टोटल कंसंट्रेशन इफ टोटल कंसंट्रेशन आर कॉन्स्टेंट इफ टोटल कंसंट्रेशन आर कॉन्स्टेंट अदरवाइज आप लिखोगे जर्नरली मतलब आपको स्टेटमेंट अगर पूछा जाता है वन मार्क्स का तो जर्नरली आप क्या लिखोगे कि डिफ्यूजिविटी ऑफ आई मतलब स्पीसीज आई इंटू जे इज नॉट इक्वल टू डिफ्यूजिविटी ऑफ जे इंटू आई अगर है ऐसा तो कंडीशन ये वाला एप्लीकेबल वहां पर होगा तो अब नेक्स्ट देखिए मोलिकुलर डिफ्यूजन का टाइप मोलिकुलर डिफ्यूजन के टाइप अगर हम देखें तो मोलिकुलर डिफ्यूजन टू टाइप्स का होता है पहला है डिफ्यूजन ऑफ ए डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी एंड सेकेंड है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन इक्विमोलर काउंटर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन इसको हम लोग ई एमसीडी लिख रहे थे इक्वी मोलर काउंटर डिफ्यूजन और इसको हम लिख रहे थे फर्स्ट टाइप को ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी ये हो गया शॉर्ट फॉर्म यहां पर तो गाइड देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी तो देखिए इसमें मतलब सिंपली स्टेटमेंट ये है यहां पर कि जो ए है वो बी में डिफ्यूज हो रहा है मतलब वो बी में डिफ्यूज हो रहा है बट जो बी है वो ए में डिफ्यूज नहीं हो रहा है तो मतलब ए का बी में फ्लक्स होगा बट बी का ए में फ्लक्स नहीं होगा मतलब कि NA जो है वो नॉट इक्वल टू 0 यहां पर होगा बट NB जो है वो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा ओके okay? उसके बाद गाइस देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं मतलब लाइक आपके पास बाइनरी मिक्सचर है है ना बाइनरी मिक्सचर में मतलब कंसंट्रेशन में डिफाइन कर रहा हूं XA1 plus XB1 जो है वो वन है मतलब लाइक आपके पास बाइनरी मिक्सचर है हमें पता है कि समिशन ऑफ एक्साइज जो है वो इक्वल टू वन होगा तो मैंने किसी पॉइंट वन पर क्या किया एक्स वन प्लस एक्स बी एक्स एक्स बी वन क्या किया इनको एड किया तो वन मिला आपको नो no. सिमिलरली किसी पॉइंट 2 पे x ए टू प्लस ऑफ एक्स बी टू क्या होगा इनका समीशन जो है वो 1 होगा तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं कि देखिए 1 माइनस ऑफ एक्स ए वन वन माइनस ऑफ एक्स ए वन जो है किसके इक्वल है x बी वन के ये क्यों लिख रहा हूं इसका यूज आगे होगा देखिए 1 माइनस ऑफ एक्स ए टू अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो x बी टू ओके नाउ इसके अलावा एक और कंडीशन हम लिख रहे हैं देखिए एक्स a1 प्लस एक्स बी वन एक्स एवन प्लस एक्स बी वन बिकॉज देखिए एक्स एवन प्लस एक्स बी वन क्या है वन है तो यहां पर देखिए एक्स ए टू प्लस एक्स बी टू है ये भी वन है तो हम यहां से इक्वल लिख सकते हैं ना इनको इक्वल लिख सकते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं एक्स ए वन माइनस का तब हमको यूज होता है ना। यहाँ पर मैंने ऐसा बता दिया बिकॉज जब आप मी, लोग मीन वैल्यू जब लिखोगे तब ये यूज होने वाला है तो देखिए फर्स्ट फॉर्म यहां पर मैं लिख रहा डिफ्यूजिंग बी के लिए फ्लैक्स की तो पहली फॉर्म जो है वो एन एज इक्वल टू डी सी डी ए बी इंटू सी अपोन ऑफ जेड इंटू एक्स ए वन माइनस ऑफ एक्स ए टू इज डिवाइडेड बाई एक्स बी एल एम ये हो गया फर्स्ट फॉर्म इसको रखना आपको याद अब यहां पर मैं बता दू कि एक्स बी एल एम बेसिकली क्या है एक्स बी एल एम जो है यह है लोगर्थमिक इसको मैं लिख देता हूं यहां पर लोगर्थमिक मीन लोगर्थमिक मीन लोगर्थमिक मीन ऑफ एक्स बी लोगात्मिक मीन ऑफ एक्स बी बिटवीन पोजिशन वन बिटवीन पोजिशन सॉरी बिटवीन पोजिशन वन एंड टू मतलब दो पोजिशन के बीच में ही तो हम आ, देखेंगे ना कि आपका मास ट्रांसफर हो रहा है डिफ्यूजन हो रहा है ना तो लोगात्मिक मीन को आप कैसे डिफाइन करोगे एक्स बी एल एम एक्स बी एल एम इज इक्वल टू एक्स बी टू माइनस ऑफ एक्स बी वन इज डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ एक्स बी टू अपॉन ऑफ एक्स बी वन अब देखिए मैंने जस्ट लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि एक्स बी वन क्या होता है वन माइनस एक्स ए वन एंड एक्स बी टू क्या होता है वन माइनस ऑफ एक्स ओके यहां पर ये यह वन आएगा एंड यहां पर एक्स बी टू है वो हो जाएगा वन माइनस एक्स ए टू ये यह यहां पर बेसिकली हम लोग लिखते हैं नाउ अब देखिए मतलब पहली फॉर्म हमने कौन सी लिखी एन ए इज इक्वल टू डी ए बी इंटू इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्स बी एल एम ये पहली इक्वेशन है हमारी इसको हमको याद रखना है No. अब अगर आपको लाइक एक फॉर्म अगर याद है, दिन, आप जो है वो आप यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो देखिए हम यहां पर देखिए एक्सबीएल जो है कंसेंट्रेशन की टाइम में रिप्लेस करते हैं तो ये आता है सीबीएलएम अपोन ऑफ सी बिकॉज हमें पता है, mal, uh, X, जो है वो मोल फ्रेक्शन है मोल फ्रेक्शन आपका कंसेंट्रेशन डिफरेंस होता है तो सी सी बी एल एम अपोन सी होगा ना no. अब यहां पर देखिए सिमिलियरली फोर गेसिस के लिए हम लिखते हैं देखिए मोल फ्रैक्शन जो है एक्स सेवन उसको डायरेक्टली आप गैसेस के लिए मतलब लिख सकते हो लाइक एक्स ए वन लिक्विड के लिए लिख रहे हैं वाई ए वन बेसिकली गैसेस के लिए हो गया सिमिलरली एक्स ए टू लिख रहे हैं तो उसको वाई ए टू लिख सकते हैं एक्स बी एल एम जो है वो डायरेक्टली वाई बी एल एम हो जाएगा है ना ये बेसिकली गैसेस के लिए डिनोट कर रहे हैं वाई वाले टाइम एक्स जो है वो लिक्विड के लिए डिनोट कर रहे हैं उसके अलावा सी है उसको हम लिखते हैं पी अपॉन आर टी सी ए वन है उसको आप लिखोगे डायरेक्टली पी ए वन अपोन ऑफ आर टी उसके अलावा वाई बी एल एम है वाई बी एल एम को आप लिख सकते हो प्रेशर की टाइम है पी बी एल एम अपॉन ऑफ पी बिकॉज ये वाई कै मोल फ्रैक्शन है तो ये आपका प्रेशर का डिफरेंस होता है पी बी एल एम अपोन ऑफ पी तो इस तरीके से हम लोग ये टाइम जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लक्स की कैलकुलेट कर सकते हैं अब कौन सी फॉर्म हमको यूज करनी है क्वेश्चन में वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर आपको डाटा क्या गिवन है क्वेश्चन में तो एक होगी पहली फॉर्म यहाँ पर देखिए मोल फ्रेक्शन की टाइम में अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है देन आप इस टाइम को यूज करोगे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड फॉम देखिए एन एक्वल टू डी ए बी सी ऑफ जेड इन हमने यहां पर सिंपली क्या किया देखिए एक्स एवन माइनस एक्स ए टू अपॉन सी बी एल एम था तो यहां पर हम लिख रहे हैं सी ए वन माइनस ऑफ सी ए टू अपॉन ऑफ सी बी एल एम बिकॉज देखिए हमें पता था कि एक्स बी एम जो है जब हम इसको कंसल्टेशन के टाइम में लिखते हैं तो सी एल एम अपॉन सी आता है ये सी जस्ट न्यूमरेटर में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक्स बी एल एम जो है वहां पर देखिए सी बी एल एम अपॉन सी लिखेंगे तो डिनोमेटर में सीबीएल आ गया ये जो जो ये सी रहेगा बेसिकली न्यूमरेटर में जाएगा तो सी इंटू एक्स एक्स एवन ये क्या हो जाएगा सी एवन उसके अलावा सी सी इंटू सी ए टू सी इंटू एक्स ए टू वो हो जाएगा सी सी ए टू बिकॉज हमको पता है कि एक्से वन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा सी ए वन अपॉन ऑफ सी एक्सए टू हम डिफाइन कर रहे हैं वो हो सीए टू अपॉन ऑफ सी तो यहां से आपको मिल जाएगा देखिए यहां से आपको मिल जाएगा मतलब सीए वन जो है वो क्या हो जाएगा सी इंटू एक्स ए वन सिमिलरली यहां पर हो जाएगा सी ए टू इक्वल टू सी इंटू एक्सए टू ये चीज क्लियर है तो ये मेरा सेकंड फॉर्म हो गया ये मेरा सेकंड फॉर्म हो गया इसको भी याद रखना है और यहां पर देखिए एक्सबीएल सीबीएलएम जो है वो हो जाएगा सीबीएलएम क्या हो जाएगा देखिए इज इक्वल टू सिमिलरली जैसे हमने लिखा यहां पर एक्स बी एल एम वैसे हम लिख सकते हैं सीबीएलएम के लिए सी बी टू माइनस ऑफ सी बी वन इज डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ सी बी टू अपॉन ऑफ सी बी वन इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सीबीएलएम ओके गाइस नाउ अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड uh, फॉर्म हो गया थर्ड फॉर्म यहां पर मैं लिख रहा हूं एन इज़ इक्वल टू डी डिनोमिनेटर में तो हम लोग प्रेशर के टाइम में कन्वर्ट कर रहे पी ए वन माइनस ऑफ पी ए टू इज डिवाइडेड बाई पीबीएलएम तो ये हो गया मेरा थर्ड फॉर्म और यहां पर जो पीबीएलएम है बेसिकली वो क्या हो जाएगा पीबीएलएम ये हो जाएगा पीबी टू माइनस ऑफ पी बी वन अपॉन ऑफ एल एन ऑफ पी बी टू अपॉन ऑफ पी बी वन ये हो गया मेरा यहां पर लोकात्मिक मीन ऑफ पी बी लोकात्मिक मीन ऑफ पी बी यहां पर है ना ना उसके बाद हम देखिए और फॉर्म लिख सकते हैं यहां पर ये जो है, PBLM, इसको हम लोग क्या, क्या हम लिख सकते हैं सिर्फ इस टाइम की टाइम हम, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो यहां से एक और फॉर्म हमको मिल जाती है इक्वेशन नंबर थ्री हमारा हो गया उसके बाद हमको यहां पर मिल गया एन एज इक्वल टू डी ए बी इंटू पी अपो आर इंटू टी इंटू जेड इंटू एल एन ऑफ पी माइनस ऑफ पी ए टू इज डिडेड इन फोर टाइम्स को आपको याद रखना है अगर आप एक भी याद रख सकते हो उसके बाद आपको अगर आपको कन्वर्ट करना आता है देन ओके अदरवाइज आपको इन फोर की फोर इक्वेशन को याद रखना है बिकॉज आप फ्लक्स की इक्वेशन डिराइव करने नहीं बैठोगे गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओके okay, गाइस तो यह हो गया A diffusion through non uh, A uh, diffusion of A through non diffusing B. Now second type of यहाँ पर jo diffusion hai molecular diffusion wo hum discuss kar rahe hain wo hai equimolar counter diffusion equi equimolar counter diffusion. So equimolar counter diffusion में देखिए simple यहाँ पर वैरायटी पता चल रहा है equimolar counter diffusion में मतलब A B B में diffuse हो रहा है और B B A में diffuse हो रहा है E M C D ना, मतलब ए आपका है वो बी बी ए में डिफ्यूज हो रहा है और बी आपका ए में डिफ्यूज हो रहा है तो यहां पर सिंपली होगा, होगा? मतलब मतलब होगा तो डायरेक्शन रिवर्स है इसलिए यहां पर माइनस साइन के साथ हमने लिखा एन इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी अब यहां पर देखिए इक्यूमोलर काउंटर डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक्सबीएल वाली टाइम नहीं आती है एक्सबी वाली टाइम एक्सबीएल वाली टाइम यहां पर नहीं आने वाली है क्लियर सो देखिए नेक्स्ट यहां पर हम लिख रहे हैं और देखिए जब एन एक्वल टू माइनस एन बी तो यहां सेक्वल टू जीरो दोनों फ्लक्स को हमने एड किया तो आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा उसके अलावा देखिए एन ए जो यहां पर है एन ए इक्वल टू डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं जे ए है ना डायरेक्टली बिकॉज ये कहां से लिखा मैंने फंडामेंटल इक्वेशन से लिखा फंडामेंटल इक्वेशन में हमें पता है कि एन ए इक्वल टू जे ए प्लस सी ए अपोन ऑफ सी एन एक्वल टू जे ए प्लस ऑफ सी ए अपॉन ऑफ सी इंटू एन ए प्लस एन बी होता है तो एन ए प्लस एन बी अगर जीरो है तो यहां से हमको क्या मिल जाता है कि जो एन ए है बेसिकली वो डायरेक्टली जेए के इक्वल है तो यहां पर देखिएगा हम फ्लक्स लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसमें हम डायरेक्टली मतलब क्या लिखते हैं कि एन ए जो है वो डायरेक्टली जे ए के इक्वल होता है एन ए जो है वो डायरेक्टली जेए के इक्वल होता है ये चीज क्लियरली समझ आ गई सो so, यहां से हमको ये मिल गया उसके बाद देखिए हम यहां पर कंपेयर करेंगे कि जो इक्यूमोलर काउंटर डिफ्यूजन में जो बेसिकली हमको फ्लक्स मिलता है एन ए वो ऑलवेज लेस देन ऑलवेज लेस देन होता है डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी के केस में बिकॉज वहां पर एक एक्स्ट्रा टाइम आती है कॉन्ट्रीब्यूश मतलब बल्क फ्लो वाली टाइम भी वहां पर रहती है तो देखिए सिंपल यहां पर हम लिख रहे हैं हमको हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं थिंक हाँ देखिए तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन हमें लिख रहे हैं फ्लक्स के लिए एन ए इज इक्वल टू डी ए बी इन टू सी अपॉन ऑफ जेड इंटू एक्स ए वन माइनस ऑफ एक्स ए टू मतलब सेम इक्वेशन हमने लिखी थी ये वाली डिफ्यूजन ऑफ एन डिफिजन बी के लिए तो टैम तो XB है वो यहां पर नहीं आता है. तो सिंपली हमने उसको एलिमिनेट कर दिया तो एक फॉर्म हमको मिल गई ना सेकंड फॉर्म देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं एन ए इज इक्वल टू डी ए बी सी को हम लिख सकते हैं पी बाई आर टी जेड सो पी अपन आर टी इंटू जेड इंटू एक्स ए वन माइनस हो गया इसको आप याद रख सकते हो अदरवाइज देखिए अभी तो सिर्फ हमने सी की जगह पी वायर टी अपॉन जेडपुट किया है।, ये जो है इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया है ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जो देखिए मैं आपको बता रहा था वो डिपेंड करते यहां पर देखिए लाइक यहां पर मोल फ्रैक्शन था उसके बाद में यहां पर कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया उसके बाद में यहां पर प्रेशर डिफरेंस आ गया तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हुई ना तो यहां पर आई थिंक हमने यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया जस्ट सी की जगह पी अपॉन आर टी जेड पुट किया है ना इसको हम लोग अगर लिखे प्रेशर की टाइम में तो ये क्या हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू डी ए बी अपोन ऑफ आर टी इंटू जेड अब देखिए पी इंटू पी इंटू एक्स सेवन जो है बेसिकली ये केस के इक्वल हो जाएगा ए वन के इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ पी ए टू के इक्वल हो जाएगा मतलब जस्ट इसको हम लोग मतलब कंसंट्रेशन डायरेक्टली हम देखिए गैसेस के केस तो क्लियर है तो ये हमें एक फॉर्म मिल गई इसको इक्वेशन नंबर टू लिख रहा हूं भी इसको भी आपको याद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्रेशर के टाइम में उसके बाद जो मैं बोल रहा था देखिए जो फ्लक्स है बेसिकली इज इक्वल टू जे प्लस एक्स ए एन ये टाइम होता है तो हमने देखा कि डिफ्यूजन में तो Na में लिखता हूं एन ए इज इक्वल टू एन एज इक्वल टू जे प्लस ऑफ एक्स ए इन यहां परली है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर डिफ्यूजन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मोलिकुलर डिफ्यूजन ऑफ ए मोलिकुलर डिफ्यूजन और इसके अलावा जो यहाँ पर एक्स ए इंटू एन है है ना एक्स ए इंटू एन इसमें वाला जो टाइम है बेसिकली ये वाला टाइम कहां से आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बल्क फ्लो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बल्क फ्लो ये है ना अब यहां पर देखिए हमने देखा कि इक्यूमोलर काउंटर डिफ्यूजन जो है इक्मोलर काउंटर डिफ्यूजन उसमें एन ए डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है जे के इक्वल हो जाता है यहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बल्क वाली टाइम नहीं रहती है ओनली मोलिक्यूलर डिफ्यूजन वाली टाइम रहती है तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि एन ए एनए फॉर ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्लैक्स एन ए फॉर इक्वोलर फॉर इक्वीमोलर काउंटर डिफ्यूजन ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया ये ऑलवेज ट्रू रहने वाला है ओके गाइज एन इक्वल टू जे हमको कहां से मिलता है फंडामेंटल इक्वेशन से मिलता है उ अब नेक्स्ट देखिए यहां पर नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफ्यूजन 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 थ्रू वेरिएबल एरिया डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया देखिए आपका मतलब डिफ्यूजन डिफ्यूजन में बेसिकली इंपोर्टेंट टाइम हम क्या डिफाइन करते हैं फ्लक्स तो फ्लक्स आपका एरिया पे डिपेंड करता है नहीं करता है यह चीज अभी, अभी हम यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए हमारा जो कंडीशन है वो हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर की हम बात करेंगे जहां पर अक्यूमुलेशन टाइम क्या होती है जीरो होती है तो देखिए पहली स्टेटमेंट में यहां पर लिख रहा हूं देखिए एक तो फ्लक्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए फ्लक्स की यूनिट क्या होती है फ्लक्स हम लिखते हैं रेट पर एरिया फ्लक्स हम क्या लिखते हैं रेट पर एरिया तो आपका जो रेट है वो हो जाता है देखिए किलोमोल पर फ्लक्स किलो तो किलो को हम लोग एन से डिनोट करते हैं तो देखिए यहां पर हम लोग लिख रहे हैं आ, मतलब स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर के लिए स्टेटमेंट में लिख रहा हूं फर्स्ट देखिए इफ एरिया इज कॉन्स्टेंट इफ एरिया इज कॉन्स्टेंट देन इफ एरिया इज कॉन्स्टेंट देस्टेंट अगर आपका एरिया कॉन्स्टेंट हो गया तो फ्लैक्स क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा यह स्टेटमेंट हो गया लेकिन देखिए अगर इफ एरिया इज वेरिएबल इफ एरिया इज वेरिंग इफ एरिया इज वेरिंग देन फ्लैक्स दैन फ्लैक्स जो है उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं देन में कमेंट करूंगा रेट पर फ्लैक्स इन टू फ्लैक्स इंटू एरिया जो होता है मतलब कि रेट जो रेट है बेसिकली वो क्या होगी कॉन्स्टेंट होगा रेट जो है वो कॉन्स्टेंट होगा है ना सो so, अगर एरिया मतलब सिंपली स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि अगर एरिया कॉन्स्टेंट है तो फ्लक्स जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा फ्लक्स विल भी कॉन्स्टेंट अगर एरिया वेरी कर रहा है देन फ्लक्स पे हम कमेंट नहीं कर रहे हैं बट रेट जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा ओकेगा okay, गाइस तो सिंपली देखिए हम लोग लिखते हैं डी डी ऑफ एन ए इंटू ए मतलब ये आपका फ्लक्स हो गया इन एरिया हो गया तो ये किसको डिनोट कर करा रेट को डिनोट कर करा तो रेट सिंपली क्या होता है एन ए इंटू ए तो डी ऑफ एन एंटू एड मतलब जीरो uh, मतलब हो, हो जाएगा किस केस में जब आपका रेट जीरो होगा यहां पर सेकेंड केस में जब एरिया वेरी कर रहा है तो सिंपली मतलब कि ये मतलब कि इस एन ए इंटू ए का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो मिल रहा है मतलब कि ये जो एन ए इंटू ए टाइम है बेसिकली ये क्या है

वो डिपेंड नहीं करता एरिया पे है ना द रेट ऑफ मास ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया बट द बट फ्लक्स विल बी डिपेंड मतलब सिंगल वेसल के लिए जो रेट है रेट बेसिकली डिपेंड नहीं करता मास ट्रांसफर बट फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे और फ्लक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के फ्लक्स विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया फॉर ए सिंगल वेसल बट अगर हम लोग बात करें फॉर टू वेसल फॉर टू वेसल मतलब सेम फ्लू यहां पर दोनों वेसल में है तो उस केस में हम लिखेंगे कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है बट फ्लेक्स जो है वो देखिए यहां पर सेकंड केस में टू वेसल के लिए फ्लेक्स और मे मे नॉट और नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट भी हो सकता है वहाँ पर है ना टू वेसल्स के लिए मतलब फ्लैक्स जो है वो वेरी भी कर सकता है और कॉन्स्टेंट भी हो सकता है ना अब हम डिफरेंट डिफरेंट हम डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि वेरिएशन मतलब फ्लक्स का वेरिएशन देखना विद 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 द द एरिया एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं वेरिएशन वेरिएशन ऑफ फ्लक्स वेरिएशन ऑफ विद एरिया वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद एरिया फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री तो देखिए यहां पर पहली ज्योमेट्री हम लिख रहे हैं फ्लेट प्लेट अगर फ्लेट प्लेट के लिए हम कमेंट करें तो फ्लैट प्लेट के लिए देखिए जो एरिया होगा ए वन इज इक्वल टू ए टू है ये कांस्टेंट है मतलब एरिया जो है वो कांस्टेंट है तो उस केस में हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे जो फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट होगा एन ए वन इज इक्वल टू एन ए टू नाउ उसके बाद देखिए सेकंड यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर ए सिलेंडर अगर हम लोग सिलेंडर के लिए बात करें सिलेंडर के लिए देखिए मतलब जो डिफ्यूजन है बेसिकली वो रेडियल डायरेक्शन में होता है डिफ्यूजन जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है लाइक यहां पर देखिए ये आपका सिलेंडर हो गया यहां पर रेडियल डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर जो एरिया है बेसिकली वो क्या हो जाएगा टू पाई आर इंटू एल इसका अगर एल डिस्टेंस है तो ये ना no. अब यहां पर देखिए जो फ्लेक्स है जो फ्लेक्स है वो क्या होगा इनवर्सली फॉर सिंगल वेसल क्या होगा इनवर्सली होगा एरिया के तो इनवर्सली होगा एरिया के मतलब टू पाई आर इंटू एल मतलब कि यहां से हमको मिल गया फ्लेक्स इज फ्लेक्स इज इनवर्सली ऑफ रेडियस आर तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एन ए वन अपोन ऑफ एन ए टू इज इक्वल टू आर टू अपोन ऑफ आर वन ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहां पर ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है थर्ड देखिए यहां पर फोर स्पेयर तो स्पेयर के लिए देखिए एरिया जो है वो क्या होगा फोर पाई इंटू आर स्क एरिया जो है वो फोर पाई आर इंटू फोर पाई इंटू आर स्क्वेयर होगा मतलब कि क्या हो रहा है मतलब कि आर स्क्वायर पे बेसिकली डिपेंड है ना मतलब सिंपल बोल सकते जो एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे

सो so नाउ अब नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ नेफ्तलिन बॉल इन स्टेगनेंट एयर हम यहां पर लिख रहे हैं डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ नेफ्तलिन बॉल मतलब कोई भी स्पेरिकल बॉल आप कंसीडर कर सकते हो मैं यहां पर नेफ्तलिन बॉल कंसीडर कर रहा हूं डिफ्यूजन ऑफ नेफ्तलीन बॉल इन स्टेग्नेट एयर इन स्टेगनेंट एयर मतलब स्टिल एयर ना मूव नहीं कर रही है ना तो यहां पर नेफ्तलिन बॉल की जगह आप लिख सकते हो स्पेरिकल स्पेरिकल ड्रॉपलेट हो गया या कोई भी स्पेरिकल ना ओके तो यहां पर देखिए देखिये हमसिडर मतलब देखिए ने बॉल मतलब उसका डिफ्यूजन हो रहा है लाइक like, एटमॉस्फेयर में आपने नफ्तलीन बॉल रखा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है डिफ्यूज हो रहा है तो उसका जो एरिया बेसिकली वो क्या होगा रिड्यूज होगा मतलब कि एरिया वेरी कर रहा है यहां पर सिंपल बात है एरिया जो है वो वेरी कर रहा है ना एरिया वेरी कर रहा है तो यहां पर देखिए इक्वेशन हमको मिलती है डब्ल्यू ए अपोन ऑफ फोर पाई इंटू वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू डी ए बी अपोन ऑफ आर टी इंटू पी इंटू एल एन ऑफ पी माइनस ऑफ पी ए टू अपॉन ऑफ पी माइनस ऑफ पी ए वन ना ये कंप्लीट इक्वेशन हमको मिलती है इस इक्वेशन में देखिए मतलब अगर मैं कंडीशन मतलब देखिए पहले तो पीए वन और पीए टू में बता देता हूं पीए टू जो बेसिकली है यहां पर ये, PA1 जो है, ये क्या है बेसिकली पार्शियल प्रेशर है ना पार्शियल मतलब वेपर प्रेशर होगा ये पीए वन जो है बेसिकली क्या होगा वेपर प्रेशर होगा ऑफ नेपथेलिन एट दैट टेम्परेचर जो आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन है एंड पी पी ए टू बेसिकली क्या यहां पर ए टू मतलब फाइनल फाइनल वेपर प्रेशर ना फाइनल वेपर प्रेशर पार्सल प्रेशर जो होगा जब आपका नेप्तलीन, नेप्तलीन का मतलब इनिशियल like रेडियस हम लोग आर वन अगर फाइनल रेडियस देखिए हम लोग आर वन कंसिडर कर रहे हैं आउटसाइड रेडियस हम लोग आर टू कंसिडर कर रहे हैं तो फाइनल जो आर वन रेडियस है देखिए वो यहां पर क्या होगा कि लेस लेस देन होगा यहां पर जो जो है वो, R2 जो है वो बेसिकली वो लाइक ग्रेटर देन ग्रेटर देन आर वन है नाउ यहां पर देखिए जब हम ये कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि आर टू ग्रेटर मतलब कि बहुत बिगर है तो वन अपॉन आर टू जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वन अपॉन आर टू जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा ओके वन अपॉइन आर टू जो है वो जीरो हो जाएगा और अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के तो यहां पर आर टू जब ग्रेटर देन है है ना तो आर टू ग्रेटर देन आर वन है तो इसके लिए प्रेशर जो है वो तो हाइस्ट होगा लेकिन ओके okay, इसके लिए लोवेस्ट होगा और आर वन जो है बेसिकली उसके लिए ओके okay, इसके लिए बेसिकली लोवेस्ट होगा और इसके लिए बेसिकली क्या होगा मिनिमम होगा ना बिकॉज सिंपली हमने क्या किया कि आर टू बहुत बिगर अमाउंट मतलब बिगर वैल्यू है रेडियस तो यहां पर वन अपॉइन आर टू क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा

तो सिंपली हम यहां पर लिख रहे हैं फाइनल जो इक्वेशन आपको याद रखनी देखिए uh, मतलब वेरिंग एरिया वाला केस है डिफ्यूजन ऑफ नफ्टीन बोल डिफ्यूजन कोई भी जो है वो में हो रहा है उसका तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या पुट कर सकते हैं पी ए वन माइनस ऑफ पी ए टू इज डिवाइडेड बाई पी बी एल एम ये हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया ये इक्वेशन आपको मिल गई डिफ्यूजन ऑफ इन एयर के, के केस में क्लियर के है अब नेक्स्ट देखिए पर रेट आपको मिल रहा है हम लिख सकते हैं फ्लक्स फ्लक्स जो हैं तो जो रेट जो एरिया बेसिकली वो हमने पुट कर दिया फोर पाई आर स्क्वेयर

Pa1 minus of Pa2 upon of PBLM. ये एक इक्वेशन आप याद रख सकते हो अब यहां पर देखिए गाइस पीबीएलएम तो पता है आपको पीबीएलएम क्या होगा सिंपली पीबी टू माइनस ऑफ पीबी वन इज डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ पीबी टू इज डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ एल एन ऑफ पीबी टू डिड बाई पीबी वन ना ये हो गया ना उसके अलावा आप याद रख सकते हो यहां पर देखिए कि एलन ऑफ P पी एवन माइनस ऑफ पी ए टू इज डिवाइडेड बाई पी ऑफ पी बी एल एम ये हम यहां पर इसको लिख सकते हैं ऑलरेडी हमने यूज भी किया है फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नाउ no. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर लाइक अभी देखिए हमने यहां पर फ्लक्स के टाइम में बात की लेकिन अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना हो लाइक कोई कोई बॉल कोई भी स्पेिकल बॉल है उसको डिफ्यूजन कंप्लीट डिफ्यूजन होने में कितना टाइम लगा आपको कैलकुलेट करना है या जितना भी डिफ्यूजन हुआ आपको गिवन है है ना तो मतलब कि लाइक पर्टिकुलर रेडियस तक उसको पर्टिकुलर रे, लाइक गिवन रेडियस से पर्टिकुलर रेडियस तक उसको डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए देखिए हमको फॉर्मुल मिलता है हम यहां मैं यहां पर लिख रहा हूँ टाइम टेकन फोर टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवोपोरेशन टाइम टेकर फॉर कंप्लीट

डी आर अपोन ऑफ डी टी इस तरीके से हम लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी बेसिकली क्या होता है इससे मतलब फाइनली हम लोग इंटीग्रेट करके यहां पर हमको टी का टाइम मिल जाता है ये मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूं हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मुला हमको मिलता है पर देखिए मतलब जो फॉर्मुला मिलता है नाउ देखिए अगरेशन की अगर आपको बात करना टी इक्वल टू जो है वो किससे रिप्लेस कर देंगे हम टी इक्वल टू फाइनल टी एफ और यहां पर जो आर आर एफ जो फाइनल रेडियस वो जीरो हो जाएगी तो यहां पर इसको हम जीरो पुट कर देंगे तो फाइनली हमको मिल जाता है आर नॉट स्क्टर इज इक्वल टू टू एम अपोन ऑफ रो इन टू डी ए बी इंटू पी अपॉन ऑफ आर टी इंटू पी ए वन माइनस ऑफ पी ए टू इज डिवाइडेड बाई पी बी एल एम इन टी एफ ना अब एक इंपॉर्टेंट टर्म देखिए यहां पर कि जो फाइनल जो टाइम लगने वाला है मतलब कंप्लीट ऑपरेशन के लिए कोई भी एक स्पेरिकल बोल है उसको कंप्लीट ऑपरेशन के लिए लिए जो टाइम लगेगा बेसिकली वो किस पर डिपेंड कर रहा है इनिशियल रेडियस के स्क्वेर के जितना इनिशियल रेडियस होगा उसका स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रपोर्सनल है जितना टाइम बेसिकली लग रहा है डिफ्यूजन में तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टाइम हमको मिल जाता है कि जो फाइनल टाइम जो लगने वाला है दिफुज, मतलब डिफ्यूजन में वो डायरेक्टली किसके परपोर्सनल है इनिशियल रेडियस ऑफ इनिशियल रेडियस ऑफ इनिशियल रेडियस का जो स्क्वेयर है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है और रेडियस किसकी इनिशियल जो स्पेरिकल बोल आपके पास में तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है यहां से आपको प्रपोर्सलिटी वाला ये रिलेशन क्वेश्चन पूछा मतलब गेट में वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लियर है तो स्क्वेयर के बेसिकली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली रेडियस के स्क्वेयर के यहां पर जो टाइम लगने वाला है डिफ्यूजन के लिए गेट में पूछा गया नहीं है ऐसा बिकॉज क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ना मतलब टेपर्ड कॉन का आपको अगर केस गिवन है ड्रॉ कर दिया देखिए यहां पर इसका रेडियस ये आर है इसका रेडियस आर है इसके सेंटर से यहां पर देखिए ये रेडियस जो है इसका आर हो गया नौ अब यहां पर देखिए मोलिक्यूल ए बी में डिफ्यूज हो रहा है बी ए में डिफ्यूज हो रहा है बी जो ए बी में डिफ्यूज हो रहा है और बी जो है वो ए में डिफ्यूज हो रहा है नौ देखिए यहां पर हम लोग पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है बेसिकली जेड हो गया नौ ये जो डिस्टेंस है बेसिकली मतलब आर टू माइनस ऑफ आर ओके आर आर माइनस ऑफ आर वन हो गया ये वाला ये वाला जो डिस्टेंस है नौ अब यहां पर देखिए टोटल जो डिस्टेंस है इसके पर कौन का वो हमने एल कंसिडर कर लिया नाउ अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना हो रेट तो रेट कैसे हम लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू डी ए बी अपन ऑफ आर इंटू टी इंटू एल इंटू आर वन इंटू आर टू इंटू पी ए टू माइनस ऑफ पी ए वन इस तरीके से हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं है ना स्टेडी स्टेट मतलब इक्यूमोलर काउंटर डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें इक्यूमोलर काउंटर डिफ्यूजन

है ना पर्टिकुलरली uh, मतलब कि रेट कितना होगा डिफ्यूजन uh, का तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन प्लस ऑफ आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस ऑफ आर वन इन टू जेड अपॉन ऑफ एल ये चीज क्लियर है सो ओके फाइनली यहां पर देखिए मतलब ये रेडियस बेसिकली ये आर टू है है ना और यहां पर ये बेसिकली आर वन हो गया तो सिंपल मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रेडियस पे देख रहे हैं आर टू माइनस आर वन पे क्लियर है यहां तक ना उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन uh, डिफ्यूजन uh, जो है बेसिकली लिक्विड में अगर डिफ्यूजन हो रहा है ना डिफ्यूजन डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की अगर हम बात करें अभी तक देखिए हमने गैसेस के केस में बात किया की है ना डिफ्यूजन की तो इसमें भी सेम हम लोग जो आ, मतलब कि मोलिकुलर डिफ्यूजन है डिफ्यूजन ऑफ नॉन डिफ्यूजन बी डिस्कस करेंगे उसके, तो इसमें diffusion, diffusion वाला जो है, उसके लिए हमको इक्वेशन मिलती है एन ए इज इक्वल टू सी एवरेज यहां पर कंसनट्रेशन टाइम आ गए इन टू डी ए बी अपोन ऑफ जेड इंटू एक्स ए वन माइनस ऑफ एक्स ए टू इज डिवाइडेड बाई एक्स बी एल एम ये मेरा हो गया इक्वेशन फ्लक्स के लिए नाउ यहां पर देखिए जो सी है बेसिकली वो क्या होता है एवरेज कंसंट्रेशन यहां पर सी एवरेज मैंने लिखा भी है ये बेसिकली क्या होता है एवरेज कंसंट्रेशन होता है जिसको हम लोग सी एवरेज लिख रहे हैं से. तो एवरेज कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए लाइक सी इक्वल टू अगर आपको ओवरऑल डेंसिटी पता है और ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट पता है तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो सी अदरवाइज यहां पर देखिए हम लोग सी एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं एवरेज डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय एवरेज मॉलिक्यूलर वेट Now, अगर हम लोग बाइन्नी मिक्सर कंसिडर करें अगर बाइंद्री मिक्सर हम कंसिडर करें फॉर बाइंड्री मिक्सर फॉर बाइंड्री मिक्सर तो यहां से लिख सकते हैं mixture, अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा एवरेज कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू रो अपॉन एम मतलब फर्स्ट के लिए हो गया देन प्लस ऑफ रो अपॉन एम फॉर सेकेंड स्पीसीज इज डिडेड बाई टू इस तरीके से हम लोग बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं एवरेज कंसेंट्रेशन नाउ अब यहां पर देखिये इक्वोलर काउंटर डिफ्यूजन का केस लिख रहे हैं सेकंड इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का जो केस है उसमें हमको फ्लक्स इक्वल टू तो क्या मिलता है फ्लक्स इज इक्वल टू तो सी एवरेज इंटू डी ए बी अपॉन ऑफ जेड इंटू एक्स ए वन माइनस ऑफ एक्स ए टू ये इक्वेशन हमको मिल जाती है तो ये बेसिकली आपको याद रखनी दोनों इक्वेशन

जब हम यहाँ पर मोल uh, फ्रैक्शन में डिफाइन uh, कर रहे हैं मतलब ड्राइविंग फोर्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर देखिए फ्लक्स जो है फ्लक्स का एन ए इज इक्वल टू किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मोलर फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं नाउ अब सेकेंड देखिए फ्लक्स एन ए इक्वल टू हम लिख रहे हैं स्मॉल के जी ये स्मॉल के वाई था अभी स्मॉल के जी जब हम लोग स्मॉल के जी लिखेंगे तब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा प्रेशर डिफरेंस पी ए वन थर्ड फ्लक्स देखिए uh, हम लिख रहे हैं स्मोल तो पर बात करें यूनिट की, की, की यूनिट क्या होगी तो यहाँ पर देखिए यूनिट होने वाली मास ट्रांसफर कॉफिशियन की मोल uh, तो फ्रैक्शन की तो यूनिट नहीं होगी तो जो फ्लक्स की यूनिट होगी वही बेसिकली यहाँ पर इस मास ट्रांसफर के वाई की, की यूनिट होगी तो यहाँ पर यूनिट होगी किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड देन सेकेंड केस में देखिए स्मॉल के की जो यूनिट है मतलब इंडिविजुअल मास्ट्रांसफर कोफिशियंट के जी जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी फ्लक्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे यहां पर प्रेशर की यूनिट से तो ये हो जाएगा किलोमोल किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एटमॉस्फेयर या फिर पास्कल जो भी यूनिट आप प्रेशर के लिए यूज कर रहे हो देन उसके बाद में थर्ड केस में देखिए यहां पर फ्लक्स है फ्लक्स इज इक्वल टू मास ट्रांसफर ऑप्शन इनटू इनटू कंसंट्रेशन डिफरेंस तो यहां पर देखिए जो फ्लक्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन से सो so, फ्लक्स की जो यूनिट है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन से तो स्मॉल केसी की यूनिट क्या हो जाएगी यहां पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी देखिए फ्लक्स की यूनिट किलोमोल पर मीटर स्क्वेयर पर सेकंड और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कंसंट्रेशन की यूनिट से मीन किलोमोल पर मीटर क्यूब किलोमोल पर मीटर क्यूब तो यहां पर किलोमोल से किलोमोल कैंसिल हो जाएगा मीटर क्यूब से अ, मतलब ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर तो रिमेनिंग रहेगा मीटर पर सेकेंड तो यहां पर यूनिट भी पता चल गई हमको तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं मास ट्रांसफर कोफिशियंट फॉर गैस फेसिस नाउ अब हम बात करेंगे लिक्विड फेसिस के लिए देखिए लिक्विड फेसिस के लिए हम लिखते हैं फॉर लिक्विड फेस मास ट्रांसफर कोफिशियंट सबसे पहले यहां पर हम लिख रहे हैं फ्लक्स एन ए इज इक्वल टू स्मॉल के एक्स इंटू एक्स वन माइनस ऑफ एक्स ए टू मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं फॉर लिक्विड तो यहां पर मास ट्रांसफर को हो गया स्मॉल के एक्स अब यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेम फ्लक्स की यूनिट यहां पर रहेगी कि, किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केस no. में देखिए एल इन टू सी CA1 माइनस ऑफ़ फोर्स लेकर हैं तो, तो यहां पर मास ट्रांसफर ट्रांसर हो जाएगा स्मॉल के एल तो स्मॉल के एल जो है इसकी यूनिट भी सेम क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड लास्ट में मीटर पर सेकेंड तो यहां पर भी मीटर पर सेकेंड तो इस तरीके से हम लोग मास ट्रांसफर को ऑप्शन डिफाइन करते हैं अब देखिए हमने जो डिफ्यूजन डिस्कस किया था डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी एंड इक्यूलर काउंटर डिफ्यूजन तो वहां पर हम कोरिलेट कर रहे हैं मतलब जो डिफ्यूजिविटी मतलब वहां पर बेसिकली हम ही लिख रहे थे इक्वल टू जो भी हमारी इक्वेशन थी मतलब जिस फॉर्म में तो उस सेम फॉर्म का मतलब हम की यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे जिससे मतलब कि मास ट्रांसफर कॉफिशियन की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो हम यहां पर मतलब की डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन मास ट्रांसफर कॉफिशियन के लिए तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर मास ट्रांसफर कॉफिशियन तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं केस वन यहां पर लिख रहा हूं केस वन हम कंसिडर कर रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पर हमने पढ़ा था कि फ्लक्स एन इज इक्वल टू डी ए एंटू पी अपॉन ऑफ आर इंटू टी इंटू जेड इंटू पी ए वन माइनस ऑफ पी ए टू इज डिवाइडेड बाई पी बी एल एम होता है नो अब ये इक्वेशन है इसको देखिए हम किससे कंपेयर करेंगे यहां पर ड्राइविंग फोर्स मेरा क्या प्रेशर डिफरेंस तो प्रेशर डिफरेंस वाली जो गैस फेस के लिए इक्वेशन है देखिए जी इंटू पी एन माइनस पीए टू यहां पर एनए इज इक्वल टू स्मॉल के जी पी ए वन माइनस क्या हो जाएगी मतलब के जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वाला देखिए स्मोल के जी इज इक्वल टू डी एन टू पीन ऑफ आर इंटू टी इंटू जेड इंटू पीबीएल तो यहां से हमको ये रिलेशन मिल गया बेसिकली तो हम ये केज इक्वल टू यू वेल्यू याद रख सकते हैं अभी मास ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बाकी पैरामीटर हमारे पास में है डिफिजिविटी प्रेशर है ना यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जेड देन उसके बाद पी बी एल एम नाउ अब सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग फ्लक्स की इक्वेशन को जो हमने पहले पढ़ा था फ्लक्स मतलब ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी के केस में तो वो फ्लक्स जब हम यहाँ पर गैस फेस के मास ट्रांसफर को से कंपेयर करते हैं तो वहां से हम मास ट्रांसफर ऑफिशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो सिमिलरली जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया के जी इज इक्वल टू डी ए बी इंटू into 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 पी मैं लिख सकता हूँ बी इंटू पी square upon ऑफ आर इंटू टी इंटू जेड इंटू PBLM PBLM. नो no. इसी तरीके से हमको मिल जाता है स्मॉल के सी इज इक्वल टू डी upon पी अपन ऑफ अपॉन ऑफ जेड इंटू पी बी एल एम No, अब यहां पर देखिए इन सबको अगर हम कंपेयर करें तो हमको यहां पर रिलेशन मिल जाता है कि कैसे हम लोग इंडिविजुअल मास्टर ऑप्शन जैसे हम लोकल मास्ट्रांसर का ऑप्शन बोल रहे हैं उनको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं स्मोल के वाई इज इक्वल टू के जी इंटू पी इक्वल टू के सी इंटू पी बाई आर टी ओके ये हो गया अब यहां पर देखिए गाइस अगर हम लोग लिक्विड फेस के लिए बात करें ये हमने गैस के लिए लिखा है फॉर गैस अगर हम लोग जस्ट लिखे यहां पर स्मॉल एक्स क्या होगा तो वहां स्मॉल मिलता है सी एवरेज इंटू डी ए बी अपॉन ऑफ जेड इंटू एक्स बी एल एम ना यहां से हमको रिलेशन जो है वो मिलता है स्मॉल के इन टू के एल ये रिलेशन हमको याद रखना है उसके बाद भी देखिएगा एक और कंडीशन हम यहां पर लिखते हैं कि डायल्यूट सोल्यूशन जो हम टाइम यूज करते हैं ना तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए फॉर डायल्यूट सोल्यूशन फॉर डायल्यूट सोल्यूशन PBLM, जो पीबीएलएम PBLM टर्म होती है वो अप्रोक्सीमेंटली किसके इक्वल हो जाती है प्रेशर के इक्वल तो हमको यहाँ पर जो केसी बेसिकली होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ये वाला देखिए टाइम के सी इक्वल टू डी एंटू पी अपन जेड इंटू पीबीएलएम है तो यहाँ पर पीबीएलएम को जो पी पुट कर देंगे तो पीसी पी के एंसर हो जाएगा और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमको डायरेक्टली मिल जाता है के सी इज इक्वल टू डिफिजिविटी डी ए बी इज डिवाइडेड बाई जेड ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस नाउ अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं देखिए पहले हमने डिस्कस किया ए डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी नाउ अब केस टू देखिए केस टू इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन था इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए देखिए जो इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोफिशियंट है हम उसको डेस से लिखने वाले मतलब लाइक के प्राइम मतलब देखिए के वाई प्राइम उसके अलावा के जी प्राइम उसके अलावा

डायमेंशनलिस नंबर तो ट्रांसफर में काफी इंपॉर्टेंट है नंबर देखिए हम, तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सेरवुड नंबर फर्स्ट डायमेंशनल नंबर हमारे पास में है सेरवुड नंबर को हम डिनोट करते हैं एस एच से एस एच तो बेसिकली देखिए सेरवुड नंबर क्या होता है सेरवुड नंबर होता है रेशो रेशो ऑफ कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर फ्लेक्स कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर फ्लेक्स मास ट्रांसफर फ्लेक्स को मैंने शॉर्टफॉर्म में लिख दिया एम टी एफ मास ट्रांसफर फ्लेक्स इज डिवाइडेड बाई डिफ्यूजिव या डिफ्यूजन मास ट्रांसफर फ्लैक्स तो यह चीज डिनोमेट कर रहा है मास ट्रांसफर मास ट्रांसफर फ्लेक्स है यहां पर क्या है मास ट्रांसफर फ्लैक्स फॉर डिफ्यूजन So, देखिए अब एक कंडीशन हम यूज करते हैं जब नंबर डिफाइन करते हैं डाइल्यूट कंडीशन वाली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हम यहां पर यूज करते हैं कि जो पीबीएलएम है वो अप्रोक्सिमेटली किसके हो जाता है पी के तो यहां से फाइनली हमको नंबर का रिलेशन मिलता है कि सैरवूड नंबर इज इक्वल टू के सी इन टू एल इज डिवाइडेड बाई डिफ्यूजिविटी डी ए बी डिफ्यूजन मास ट्रांसफर फ्लक्स क्या हो गया डी ए बी एंड कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर फ्लक्स क्या हो गया के सी इंटू एल अब यहां पर यह L बेसिकली क्या है वेयर एल इज द करेक्टरिस्टिक लेंथ वेयर एल इज द करेक्टर लेंथ करके बाद देखिये यहां पर अगर हम बोले कि जो से अगर इसको हम लोग हीट ट्रांसफर से कंपेयर करें ऐसे हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो सिमिलरली इसका एनोलोगिट जो है हीट ट्रांसफर में वो होता है नसल्ट नंबर यह हो गया सेरवुड नंबर ओके यहां पर जस्ट इसको सही कर लीजिए सेरवुड नंबर तो नंबर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं मास ट्रांसफर में और सिमिलरली इसका एनॉलॉगिस जो है हीट तो देखिए एच इंटू एल अपॉन ऑफ के तो ये हो गया सैरवुड नंबर अब नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं स्कीमिट नंबर सेकेंड जो डायमेंशनलेस नंबर है मास ट्रांसफर में वो है स्कीमिट नंबर तो देखिए नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एससी से सो एस सी इज इक्वल टू मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एस इज इक्वल टू मोमेंटम इज डिवाइडेड बाय मास तो मास तो डी ए हो गया और मोमेंटम डिफ्यूजिविटी क्या हो गया म्यू म्यू बेसिकली म्यू बाई रो जो है मतलब काइनेमेटिक uh, जिसे हम बोलते हैं वो होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और डिवाइड में क्या आ रहा है मास डिफ्यूजिविटी तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं स्किमिट नंबर के लिए फॉर्मूला स्किमिट नंबर के लिए हमको फॉर्मूला मिल, तो तो मिल जाता है तो यहाँ से हमको मिल जाता है स्कीमिट नंबर इज इक्वल टू म्यू अपॉन ऑफ रो इन टू डी ए और इसको आप न्यू भी पुट कर सकते हो ना म्यू अपॉन रो को हम लोग न्यू पुट कर सकते हैं न्यू अपॉन डिफिजिविटी तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं स्कीमिट नंबर इज इक्वल टू न्यू अपॉन ऑफ डिफ्यूजिविटी या फिर जनरली आप इस तरीके से याद रखिए स्कीमिट नंबर इज इक्वल टू न्यू, न्यू अपॉन ओके आ, म्यू अपॉन ऑफ रो इन टू डिफ्यूजिविटी डी ओके ये हो गया स्कीमिट नंबर अब देखिए स्कीमिट नंबर जो होता है और यहां पर देखिए ये न्यू क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो कि म्यू अपॉन ऑफ

Like मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसकी मिट नंबर वन हुआ तो बेसिकली क्या होगा मतलब ये हमको ओके uh, कोरिलेशन okay, देता है जो आपका बाउंड्री लेयर होता है लाइक थर्मल बाउंड्री लेयर हो गया वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हो गया कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर हो गया तो मैं यहां पर देखिए काम कर रहा हूं यहां पर इसकी मिट नंबर में लिख रहा हूं इसकी मिट नंबर और यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रांडलेट नंबर जो कि हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं प्रानलेट नंबर तो प्रनेलेट नंबर बेसिकली क्या करता है मतलब हमको किस चीज का आइडिया देता है थर्मल बाउंड्री लेयर थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोडाइनमिक हाइड्रोडाइनमिक लेयर को वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी बोलते हैं मतलब जो थर्मल प्रानेट नंबर है वो थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर के बीच में कोरिलेशन देता है एंड यहां पर ये यह जस्ट मैं कंडीशन लिख रहा हूं ना ये तो कि प्रानलेट नंबर वन होगा या फिर इसकी मीन नंबर वन होगा अभी मैं सिंपल बता रहा हूं कि प्रानलेट नंबर जो है वो थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर के बीच में कोरिलेशन डिफाइन करता है एंड इसकी मीट नंबर जो है वो कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर एंड

देखिए सॉरी इसकी स्कीमिट इसकी स्कीम नंबर हमने लिखा मतलब इसकी स्कीमिट नंबर जो है उसके तो जो एनोलोग है वो प्राणलिट नंबर है तो इसकी मेट नंबर और प्राणलिट नंबर क्लियर है ओके यहां पर हो गया अब बेसिकली ओके सो ठीक है ये मैं फिर से बोला हाँ नौ सेरवुड नंबर जो है उसके एनालोग के नसल नंबर तो जब यहां पर हम हीट ट्रांसफर में नसल नंबर डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या डिफाइन करेंगे बेसिकली सेरवुड नंबर डिफाइन करेंगे ये चीज क्लियर है

तो यहाँ पर देखिए डेल तो जो है वो हो गया थिकनेस ऑफ द हाइडोडाइनमिक बाउंड्री लेयर देन डेल सी जो है वो हो गया थिकनेस ऑफ द कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर एंड डेल्टी जो है वो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉरी थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर तो इससे हमको पता चलता है बेसिकली लाइक यहां पर अगर नंबर नंबर 1 हो गया तो हमको पता चलता है कि जो थिकनेस है बाउंड हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री या वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का वो थर्मल बाउंड्री लेयर के इक्वल है मतलब कि जो प्रोफाइल बनेगा वो ओवरलैप होगा देन उसके अलावा अगर स्कीमिट नंबर 1 होता है तो यहां से हमको डेल इक्वल टू डेल सी मिलता है मतलब कि हाइड्रोडाइनिक बाउंड्री लेयर और इसकी जो कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर है उसका

डिफ्यूजिविटी ओके okay? तो देखिए ये मैं मास ट्रांसफर में बात कर रहा हूं तो नंबर सिंपली क्या हो गया अगर यहां पर हम टाइम मतलब कि कोर मतलब इसको आ, मतलब कि रिमेनिंग जो डायमेंशनलेस नंबर है उसे अगर हम कंपेयर करें तो ये हमको मिलता है रेनोल नंबर इनटू स्कीमिट नंबर तो फाइनली जब रेनोल नंबर और स्कीमिट नंबर की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं नंबर की जब वैल्यू पुट करते हैं तो रो इंटू वी इंटू एल अपन ऑफ म्यू और स्किमिट नंबर हो जाएगा म्यू ऑफ रो तो यहां से हमको बेसिकली मिल जाता है देखिए ऑफ तो यहां से मैं लिख रहा हूँ कि पेकलेट नंबर जो है मास ट्रांसफर में वो जाता है एल इंटू वेलोसिटी यू अपॉन ऑफ डिफ्यूजिविटी डी ए बी तो ये आपको याद रखना है अगर आपको ये भी याद है यहाँ पर कि रेनोल नंबर इंटू स्कीमिट नंबर आपका होता है पेक्लिक नंबर तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एल इंटू यू ऑफ डिफिजिविटी डी ए भी होता है अगर हम लोग पैकलिक नंबर का मतलब कि एनालोगिस देखे तो वो पी डी है हीट ट्रांसफर के लिए तो हीट ट्रांसफर में ये हो जाएगा देखिए P -E -D है ना या तो आप इसको पी डी -E की जगह पी एच लिख सकते हो आई थिंक वो बेटर रहेगा पी एच -E है ना एम मतलब मास ट्रांसफर ट्रांसफर को करा, H -E को डिनोट करा ही तो P -E -H. तो P -E -H बेसिकली देखिए क्या हो जाएगा रेनोल नंबर इंटू अब नंबर का क्या होता है प्राइनेट नंबर तो रेनोल नंबर इंटू प्राइनलेट नंबर हमको क्या मिलेगा पेक्लिट नंबर फॉर हीट ट्रांसफर ना अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके देखें रो इंटू वी इंटू एल अपॉन ऑफ म्यू और प्रॉनलेट नंबर होता है म्यू तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हमको मिल जाएगा ये रो इन वी इंटूल इंटू सीपी बाई के ये हो गया आपका पैथलेट नंबर फोर हीट ट्रांसफर क्लियर है नाउ अब नेक्स्ट नंबर नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेंटन तो देखिए नेक्स्ट डायमेंशनलेस नंबर यहां पर है स्टेंटन नंबर तो जो हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं इसको हीट ट्रांसफर से तो आपके जो हीट ट्रांसफर के डायमेंशनलेस नंबर है वो भी रिकॉल हो जाएंगे तो यहां पर हम लिख रहे हैं देखिए स्टैंड नंबर को एस मतलब, के लिए डिनोट कर रहे हैं और एस टी एच uh, या फिर डी अगर हम लिखते हैं तो वो डिनोट करेगा हीट ट्रांसफर को तो सिंपली देखिए स्टेंटन नंबर क्या होता है स्टेंटन नंबर फॉर मास तो मास ट्रांस्फर, मास ट्रांसफर 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 इज इक्वल टू अपॉन मतलब मास ट्रांसफर फ्लक्स आएगा मतलब मास ट्रांसफर को किससे डिनोट कर रहा है मास कैपेसिटी से मास ट्रांसफर को किससे डिनोट कर रहा है मास कैपेसिटी से तो ये हो गया देखिए मास ट्रांसफर मीन कन्वेक्टिव 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 मास फ्लक्स इज डिवाइडेड बाई कन्वेक्टिव मास्ट फ्लैक्स इज डिवाइडेड बाय द फ्लैक्स ड्यू टू द फ्लक्स ड्यू टू दल्क फ्लो ऑफ द बल्क फ्लो ऑफ द मीडियम तो ये हमको यहाँ पर कोरिलेट करता है मतलब कि कन्वेक्टिव मास्टर फ्लैक्स के साथ किसको कोरिलेट करता है फ्लक्स ड्यू टू द बल्क फ्लो ऑफ मीडियम को मतलब अगर मैं टाइम की फॉर्म uh, में लिखूं मतलब इसको uh, बेसिकली मतलब uh, करें तो ये क्या हो जाएगा देखिए नंबर एस टी एम फॉर मास ट्रांसफर तो ये बेसिकली होगा इन टू इसमिट नंबर ये हमको मिलता है नंबर तो अगर यहां पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको फाइनली इसके लिए uh, जो वैल्यू है वो मिलने वाली है देखिए

स्टैंट नंबर हमने डिस्कस कर लिया नाउ अब कुलबन uh, नंबर एक होता है देखिए कुलबन नंबर सो कुलबन नंबर इन मास ट्रांसफर मास ट्रांसफर और री ट्रांसफर में दोनों में बात करेंगे सबसे पहले मास ट्रांसफर के लिए तो कुलबन नंबर को बेसिकली हम बोलते हैं जेडी फैक्टर ये होता है जेडी फैक्टर तो देखिए जेडी फैक्टर मास ट्रांसफर के लिए क्या हो जाएगा जेडी फैक्टर इज इक्वल टू शेरवुड नंबर अपॉन ऑफ Number into number, but number की पावर जो है वो वन बाई थ्री रहेगी ये होता है cool number, JD factor हम जिसे बोल रहे हैं। नो अब यहां पर जब हम पुट करते हैं तो finally हमको ये मिल जाता है, अपॉन ऑफ यू इन टू स्कीमिट नंबर पावर टू बाई थ्री स्कीमिट नंबर पावर टू बाई थ्री ये इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया नौ इसके बाद देखिए, यहां पर ये यह जो टाइम है बेसिकली जेडी जेडी फैक्टर जो होता है वो एफ अपॉन टू होता है एफ यहां पर जो है फ्रिक्शन फैक्टर है तो एफ अपॉन टू ये होगा नो अब देखिए हम यहां पर लिखते हैं कि ये केसी अपॉन यू क्या हो गया ये केसी अपॉन यू हो गया यहाँ पर जस्ट हमने अभी स्टैंडर्ड नंबर डिस्कस किया स्टैंड नंबर हो गया ट्रांसफर के लिए केसी अपॉन यू तो स्टैंड नंबर नंबर पावर टू बाई थ्री जो है ये होता है जेडी फैक्टर इंपॉर्टेंट है और ये हो जाता है इक्वल टू केसी अपॉन यू नंबर पावर टू बाई थ्री अब अगर सिमिलरली हम लोग हीट ट्रांसफर में बात करें कुलबन नंबर की कुलबन नंबर इन हीट ट्रांसफर तो हीट ट्रांसफर में देखिए क्या हो जाएगा यहां से हम लिख सकते हैं इसको जेएस से डिनोट करेंगे जेएच इज इक्वल टू तो से जगह हम क्या लिख रहे हैं नसल नंबर इज डिवाइडेड बाय रेल नंबर इसकी मिड नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे प्रानलेट नंबर नंबर पावर वन बाई थ्री तो यहां से हमको मिल जाता है एच अपॉन रो इंटू सी पी इंटू यू इज मल्टीप्लाई बाय प्रेट नंबर पावर टू बाई थ्री तो ये हो गया हीट ट्रांसफर के लिए कुल बन नंबर तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है ओके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली थ्योरम्स डिस्कस करेंगे वहां पर ये यूज होने वाला है हाँ नंबर जो जेडी फैक्टर हम पढ़ रहे हैं इसको हम लोग फिर से आगे यूज करेंगे, का यूज डिस्कस करेंगे। ओके इसके अलावा एक और नंबर मैं यहां पर लिख देता हूं लेविस नंबर लेविस नंबर हम डिफाइन करते हैं लेविस नंबर को हम लिखते हैं देखिए एल ई से डिनोट कर रहे हैं ये बेसिकली किसको कोरिलेट कर रहा है थर्मल डिफ्यूजिविटी कोरिलेट करता है ये

ओके okay, यहां पर पहले मैं लिखता हूं देखिए अपॉन ऑफ रो इंटू सी पी के अपॉन ऑफ रो इंटू सी पी इन अब देखिए इसमें इसको हम लोग मतलब यहाँ पर करके, हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर तो ये तो होता है लेविस नंबर लेविस नंबर सिंपली मतलब की स्कीमिट स्कीमिट नंबर जो है उसको प्राणेट नंबर के साथ में यहां पर कोरिलेट कर रहा है सो so, अब नेक्स्ट देखिए ये लेविस नंबर भी इंपोर्टेंट है इस पर बेस क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया है ना तो आपको ये भी पता होना चाहिए लेविस भी, हीट को बेसिकली, मतलब थर्मल डिफिस को इंटरफेस मास ट्रांसफर हम डिस्कस करने वाले इंटरफेस मास ट्रांसफर तो सिंपली इंटरफेस मास ट्रांसफर का मतलब क्या है मास ट्रांसफर बिटवीन द टू फेसेस मास ट्रांसफर बिटवीन टू फेसेस सो देखिए सिंपली इंटरफेस मास ट्रांसफर पढ़ने के लिए हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें से जो एक थ्योरी है वो है टू फिल्म थ्योरी आगे हम डिस्कस करेंगे जो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज है बट टू फिल्म थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना ये इंटरफेस मास ट्रांसफर टॉपिक पढ़ने के लिए तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ टू फिल्म थ्योरी जो कि उसका स्टेटमेंट जो रहता है टू फिल्म थ्योरी का वो रहता है मतलब कि वो स्टडी स्टेट स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होती है है ना स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए ही मतलब वैलिड uh, होती है और सिंपल देखिए इंटरफेस का मतलब क्या लाइक एक आपके पास एक लाइक गैस फेस है है ना? एक आपके पास लाइक गैस फेस है और एक आपके पास में लिक्विड फेस है तो यहां पर जस्ट सेंटर में हम लोगों ने इंटरफेस कंसिडर कर लिया इंटरफेस कोई एक्चुअली कोई लेयर नहीं होती है जस्ट इमेजनरी लेयर हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहां पर हमारे पास में एक इंटरफेस है और यहां पर गैस और लिक्विड जो है बेसिकली यहाँ पर इस इंटरफेस के मतलब कि जो लाइक लेफ्ट एंड राइट साइड का जो पोर्शन है वहां पर बेसिकली डिफ्यूजन होता है मास ट्रांसफर वहां पर होता है इंटरफेस और उसके सराउंडिंग में तो मतलब ये सिंपल हो गया इंटरफेस मास ट्रांसफर इसको हम बोलेंगे जिसमें हम लोग एक इमेजनरी इंटरफेस कंसीडर करते हैं बेसिकली पर मतलब इमेजनरी बाउंड्री बेसिकली हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि सेपरेट करती है हमारे डिफरेंट फेसेस को गैस और लिक्विड फेस जैसे मैंने यहां पर लिया है तो सिंपल हम यहाँ पर कंसिडर करें कि मेरा जो मास ट्रांसफर है यहां पर मास ट्रांसफर गैस से लिक्विड में हो रहा है ये मैंने अज्यूम कर लिया है ना गैस से लिक्विड में मतलब और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे अब्जॉप्शन प्रोसेस ये आगे हम डिस्कस करेंगे बट अभी इंटरफेस मास ट्रांसफर पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गैस से सोल्यूट uh, अगर आपका लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या प्रोसेस होगा प्रोसेस प्रोसेस होगा वो क्लियर गाइस तो इस टाइप के प्रोसेस में देखिए होता क्या है लाइक यहां पर मेरा बल्क गैस फेस है 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 ना यहां पर बल्क गैस तो इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा यहां पर कुछ कंसंट्रेशन लाइक वाई ए भी हो गया है ना देन उसके बाद में ये इंटरफेस हो गया मेरा ये हो गया इंटरफेस देन यहां पर मेरा बल्क लिक्विड फेस है बल्क लिक्विड फेस ओके okay? ना no. अब देखिए क्या हो रहा है कि इस मतलब इस इंटरफेस के लाइक मैंने जो बोला है कि एक एक, एक एरिया होगा जहां तक मतलब कि आपका मास ट्रांसफर होने वाला है तो यहां तक हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन वाई ए बी है ये कांस्टेंट है बट इसके बाद में क्या हो रहा है वाई ए बी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका जो सोल्यूट है मतलब गैस फेस में जो सोल्यूट है वो कहां पर ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है तो अल्टीमेटली जो बल्क कंसनट्रेशन वाई ए बी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है वाई ए बी जो है यहां से आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया इस पॉइंट से और फाइनली कुछ इंटरफेशियल कंसनट्रेशन अचीव कर लेती है वाई ए आई देन सिमिलरली यहां पर देखिए जो बल्क लिक्विड कंसनट्रेशन है वो कुछ यहां पर है एक्स ए बी और यहां पर इंटरफेस पे जो कंसंट्रेशन है कुछ एक्स ए आई है ना एक्स ओके okay? तो अब यहां पर देखिए ये अगर आपने डिफाइन कर दिया कि आपका जो मास ट्रांसफर प्रोसेस है वो है तो यहां पर ये यह सिंपली हमको ये पता चल गया कि बल्क कंसंट्रेशन जो है यहां पर देखिए गैस फेज की वो ग्रेटर देन होगी इंटरफेशियल कंसंट्रेशन जो होगी यहां पर यहां पर देखिए ये वाई ए आई आप इस साइड में लिखिए गैस फेज साइड में है ये और एक्स ए आई इस साइड में लिखिए है ना जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो यहां पर सिंपली देखिए हमको ये पता चल गया कि अगर हो रहा है तो वाई ए बी जो है वो ग्रेटर देन होगा ए आई सिमिलरली देखिए यहां पर जो एक्स ए आई है इंटरफेसियलट्रेशन वो बल्क लिक्विड फेस से ग्रेटर देन होगी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अब यहां पर बेसिकली क्या है ऑफ इन द बल्क गेस फेस एंड वाई एक्स ए बी क्या है बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द बल्क लिक्विड फेस और ए हमारा बेसिकली क्या है सोल्यूट यहां पर रहने वाला है सो so, ये हो गया मतलब बेसिक फिनोमेना मतलब यहां पर होता है क्या देखिए सिंपली पहले आपका सोल्यूट जो है वो देखिए यहां पर बल्क कंसनट्रेशन से ट्रांसफर होता है इंटरफेस तक है ना इंटरफेस तक वो ट्रांसफर हो रहा है उसके बाद में यहाँ पर बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है मतलब कि है ना सोल्यूट ए जो है बेसिकली वो सबसे पहले बल्क बल्क गैस फेज जो है वहां से आपका गैस लिक्विड इंटरफेस तक यहां पर गैस लिक्विड इंटरफेस हो गया ये गैस है ये लिक्विड है ना यहां तक बेसिकली ट्रांस मतलब कि ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट होता है उसके बीच में ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है ये जो कंसनट्रेशन का डिफरेंस है वाई एवी माइनस ऑफ

कि यहां तक मेरा बल्क बल्क गैस फेस है और उसके बाद में कंसेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ ये वाई ए बी हो गया ये वाई ए, आ, ए आई हो गया यहां पर लिक्विड कंसेंट्रेशन हम लिख रहे हैं एक्स ए आई है दिन इसके बाद में बल्क लिक्विड कंसेंट्रेशन जो है एक्स ए बी हो गई क्लियर है तो यहां पर ये ये गैस फेस है और ये लिक्विड फेस है और हम कंसीडर कर रहे हैं कि अब्जॉप्शन हो रहा है तो गैस से लिक्विड में ट्रांसफर होगा सॉल्यूट प्रोसेस हम कर रहे हैं, ओके okay? और उसके बाद हमारी जो कंडीशन है के लिए वो रहेगी वाई ए बी इज ग्रेटर देन वाई ए आई एंड सेकेंड कंडीशन यहां पर रहेगी एक्स ए आई इज ग्रेटर देन एक्स ए बी अब देखिए यहां पर अभी तक मैंने इंटरफेशियल कंसंट्रेशन पे कुछ भी कमेंट नहीं किया

देखिए लोकल लोकल मास मास ट्रांसफर ट्रांसफर लोकल हमने ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी के केस में पढ़ा था कि के वाई जो है उसको हम कोरिलेट करते हैं के जी इंटू पी से इक्वल टू के सी इंटू पी बाई आर टी से सिमिलरली हम यहां हमने सेकेंड पढ़ा था इक्यूमलर काउंटर डिफ्यूजन इक्यूमलर काउंटर डिफ्यूजन तो वहां पर हमने ये जस्ट डेस से रिप्लेस कर दिया था के वाई डे इक्वल टू के जी डेस पी इक्वल टू के सी डे इंटू पी बाई

is equal to the flux of, flux of of A in liquid phase. तो पर mass, हम, मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोग बैलेंस लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए फ्लक्स ऑफ ए इन द गेस फेस क्या हो जाएगा के वाई यहाँ पर देखिए डिफरेंस मेरा ड्राइविंग फोर्स क्या कंसंट्रेशन डिफरेंस वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई तो यहां पर मैंने कौन सा मास्ट आंसर ऑप्शन लिखा कैपिटल सॉरी स्मॉल के वाई इंटू वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई ये हो गया मेरा लोकल मास ट्रांसफर क्वेश्चन और ये हो गया मेरा ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज तो लिक्विड फेज के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा के एक्स आ जाएगा और जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होगा एक्स ए आई माइनस ऑफ एक्स ए बी ये चीज क्लियर है एक बार फिर से मैं यहां पर लिख देता हूँ स्टेट स्टेट कंडीशन पे ये इक्वेशन स्मॉल के वाई इंटू वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई इज़ इक्वल टू स्मॉल के एक्स इंटू एक्स ए आई माइनस ऑफ एक्स ए बी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना अगर इसको याद आपने रखा है तो इंटरफेशियल कंसंट्रेशन इंटरफेश मास ट्रांसफर पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सोल्व कर सकते हो अब यहां पर देखिए जो इंटरफेशियल कंसंट्रेशन है इंटरफेशियल कंसंट्रेशन यहां पर देखिए ये अननोन है अभी आपके लिए इंटरफेशियल कंसंट्रेशन जो है ये अननोन है तो अभी देखिए इंटरफेशियल कंसंट्रेशन आ, मतलब कि कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर हम लिखते हैं कि देखिए कोई एक हमको रिलेशन गिवन रहता है लाइक वाई ए आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ए आई तो हमको क्वेश्चन में क्या होता है इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप गिवन रहता है हमको क्वेश्चन में क्या होता है इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप गिवन होता है इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप की हम आगे बात करेंगे उससे पहले देखिए हम सिंपल में यहां से लिख रहा हूं कि लाइक एक कोरिलेशन हमको दे दिया इंटरफेशियल कंसंट्रेशन के लिए कि वाई ए आई जो है वो फंक्शन है एक्स ए आई का वाई ए आई जो है वो एक्सएआई का फंक्शन है सिंपली so, देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो वाई ए आई है हम लोग यहां से पुट कर देंगे कि ये बेसिकली किसका फंक्शन है एक्स ए आई का फंक्शन है ये एक्स ए आई का फंक्शन है यहां पर हम लोग पुट कर देंगे देखिए सिंपली ये इसी इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है इसको आपको याद रखना है देन इसके बाद में देखिए के वाई इन टू वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे फंक्शन ऑफ द एक्स ए आई फंक्शन ऑफ द एक्स ए आई इज इक्वल टू के एक्स टू एक्स ए आई हम यहाँ पर एक्स ए आई रहने देते हैं एक्स एक्सएआई माइनस ऑफ द एक्स ए बी तो यहाँ पर हम बेसिकली देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा वाई ए बी माइनस ऑफ द वाई ए आई वाई ए बी मतलब जस्ट यहाँ पर मैंने लिखा कि इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे जब हमारे पास वैल्यू रहेगी ना अभी हम लोग सिंपल लिख रहे हैं कि वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई इज इक्वल टू के एक्स अपोन ऑफ के वाई सिंपल यहाँ पर इक्वेशन right तो तो यह मिल गईक्वेशन मतलब, इस, इस की देखिए स्लोप क्या है इस इक्वेशन की स्लोप है माइनस के एक्स अपॉन के वाई तो ये लाइन हो गया मतलब आपका लाइन हो गया जहां पर इसका जो स्लोप है वो हो गया माइनस के एक्स अपॉन ऑफ के आई और उसके अलावा

एक होता है इक्विबीरियम का हो हम लोग इक्विबिरियम लाइन भी बोलते हैं ना अब उसके बाद देखिए ये जो इक्विबेरियम लाइन है यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है बेसिकली ओके अभी हमारे पास देखिए क्या क्या पॉइंट है बेसिकली अगर मैं लिखूं तो कि के वाई इंटू वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई इज इक्वल टू के एक्स ऑफ एक्स ए आई माइनस ऑफ एक्स ए बी ओके अभी हमारे पास में मतलब कि इंटरफेशियल कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन है तो देखिए सिंपली हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं सबसे मिनिमम देखें तो कंसंट्रेशन होगी उसके बाद में कंसंट्रेशन एक्स ए आई होगी ओके अब इस बल्क की कोरिस्पॉन्डिंग देखिए हमको यहां पर हमको इसके कोरिस्पॉडिंगली कुछ कंसंट्रेशन यहां पर मिलेगी वाई की ओके Then, इसके अलावा देखिए ये जो आई है इसके कोरोस्पॉली कौन सी हमको मिलने वाली है, YAI, तो यहाँ पर जो है फेस के लिए वो कहीं यहाँ पर हमको मिल रही है तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या होता है एक हमको कंसेंट्रेशन मिलती है लिक्विड फेज में और वो कंसेंट्रेशन बेसिकली क्या होती है एक्स ए बी स्टार यहां पर देखिए इस एक्स ए बी के कोरस्पॉन्डिंगली जो कंसेंट्रेशन मिल रही है उसको Star लिख रहे हैं और यहां स्टार मिले क्लियर अब देखिए अगर आपको ड्राइविंग फोर्स आपको लिखना है यहां पर आपको कोई बोले कि आपको ड्राइविंग फोर्स लिखना है ये Xai, ये हो गया Xai, इसके बाद में यहां पर देखिए कहीं पॉइंट होगा हमारा अभी मैं मैं मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं भी। अभी अभी सिंपल हमारे पास जो पॉइंट है बल्क कंसंट्रेशन वाला तो यहां पर देखिए हमको मिल रहा है कहीं पे पॉइंट एक्स ए बी और इसके कोरस्पॉन्डिंगली वाई ए बी तो ये जो लाइन है बेसिकली जो मैं यहां पर डिनोट कर रहा था देखिए ये पॉइंट हमारा हो जाएगा एक्स ए बी कॉमा वाई ए बी और यहां पर ये यह जो लाइन है इसको जब हम यहां पर ये यह ड्रॉ कर रहे हैं देखिए ये लाइन और स्ट्रेट लाइन होगी और इसकी जो स्लोप है वो है माइनस के एक्स अपॉन ऑफ के वाई ये हमारी यहाँ पर लाइन है ऑपरेटिंग लाइन इसको हम बोलेंगे ना। और इसके पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी ओके गाइस तो अब इसके बाद आप ड्राइविंग फोर्स लिख सकते हो लाइक like ये जो डिफरेंस है यहां पर देखिए एक्स 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 ए ए ए बी बी आई माइनस ऑफ ये आपका मतलब कि लिक्विड साइड में ड्राइविंग फोर्स है उसके अलावा यहां पर देखिए वाई ए बी माइनस ऑफ द वाई ए आई ये आपका गैस फेस के साइड में ड्राइविंग फोर्स है ना यहां पर मैं लिख सकता हूं ये बेसिकली गैस फेस ड्राइविंग फोर्स है गैस फेस ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग 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 फोर्स 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 सिमिलरली यहां पर ये लिक्विड लिक्विड हो गया liquid driving force, उसके अलावा देखिए अब हम लोग ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स लिख सकते हैं लिक्विड फेस ड्राइविंग फोर्स ये हो गया उसके बाद अगर आपको ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स लिखना हो देखिए अभी सिंपल ये कब आपके पास अभी नो अब देखिए होता क्या यहां पर कि सिंपली इस ये जो कंसंट्रेशन यहां पर ये यह तो एक्सएबी ओके ये हमारा एक्से बी हो गया नो अब ये जो एक्स एबी कोडिंगली ए बी स्टार और यहां पर ये यह जो y A इसके देखिए एक हमको कंसंट्रेशन मिल रहा है और वो कंसंट्रेशन है एक्स एबी स्टार क्लियर है तो यहां पर देखिए अब अगर आपको लिखना हो कि ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स क्या होगा गैस फेस साइड में तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स जो है वो होता है देखिए इसका डिफरेंस वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए बी स्टार ये बेसिकली क्या हो जाएगा ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स ये हो जाएगा ओवरऑल गैस गेस ड्राइविंग फोर्स देन सिमिलरली हम लोग ड्राइविंग फोर्स देन उसके अलावा लिक्विड फेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली कि यहां पर मैक्सिमम क्या है एक्स एबी स्टार और मिनिमम क्या है एक्स एबी तो एक्स एबी स्टार माइनस ऑफ एक्स एक्स ए बी स्टार माइनस ऑफ एक्स ए बी क्या हो जाएगा यहां पर ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा लिक्विड फेस साइड के लिए ओके okay, गाइस यहां तक क्लियर है ओ, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेसिकली ऑब्जॉर्ब्शन के लिए ग्राफ हमने ड्रॉ किया है जहां पर जो सोल्यूट है वो गैस फेस से लिक्विड फेस में ट्रांसफर हो रहा है उसके अलावा गाइस देखिए यहां पर जो पॉइंट है एक्सआई कोमा वाई ए आई यहां पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा एक्स ए बी कोमा वाई ए बी स्टार तो यहां पर जब इस ये लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो इस लाइन की जो स्लोप है बेसिकली हम लिख रहे हैं कि वो एम डेस है सिमिलरली यहां पर ये यह पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स ए बी स्टार कोमा वाई ए बी तो यहां पर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन बेसिकली आपको क्या मिलती है एम डबल डेस क्लियर है यहां तक सो so, अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम यहां पर आ, ओके ये सारा इंटरफेस मास ट्रांसफर का जो कव आपको समझ आ गया होगा तो अभी देखिए हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन की एक्स एबी स्टार एंड एक्स एबी स्टार एंड वाई स्टार एक्स एबी स्टार एंड वाई एबी स्टार क्लियर है तो एक्स एबी स्टार और वाई वाई एबी स्टार हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली मैं यहां पर लिख रहा हूं कि हमारे पास एक इक्विबिरियम रिलेशनशिप गिवन रहता है वाई ए इज फंक्शन ऑफ एक्स ए इस function of X है। इसे हम बोलते हैं ियम रिलेशनशिप हमें गिवन रहता है और जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑलवेज बेसिकली मतलब यहां पर सेटिसफाई करता है इस इक्विबीरियम रिलेशनशिप को तो सिंपली मैं सबसे पहले लिख रहा हूं जो है अगर वो फंक्शन है एक्स ए बी स्टार का वाई ए बी जो है वो अगर फंक्शन है एक्स ए बी स्टार का तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स ए बी स्टार उसके लिए हम सिंपली क्या पुट कर देंगे हम सब्सिट्यूट कर देंगे हमारे इक्वेशन में जो स्टडी स्टेट कंडीशन पे इक्वेशन मैंने लिखी थी वहां पर हम वाई ए इज इक्वल टू वाई ए बी पुट कर देंगे वाई ए इज इक्वल टू वाई ए बी इन इक्विबीरियम रिलेशनशिप सब्सिट्यूट वाई ए वाई ए इज इक्वल टू वाई ए बी इन इक्विबीरियम रिलेशनशिप ना अगर आपको कैलकुलेट करना है अगर आपको कैलकुलेट करना है सिमिलरली वाई ए बी स्टार यहां पर ये हमको कैलकुलेट करना है एक्स ए बी स्टार तो हमने ये किया सिमिलरली अगर आपको कैलकुलेट करना है यहां पर वाई ए बी स्टार क्या करना होगा यहां पर हम लिखेंगे कि वाई ए बी स्टार जो है वो फंक्शन है किसका एक्स ए बी का तो यहां पर सिंपली हमको मिलता है हम सिंपली सब्सिट्यूट क्या कर देंगे सब्सिट्यूट हम करने वाले हैं कि एक्स ए जो है बेसिकली वो किसके इक्वल है एक्स ए बी के इक्वल है एक्स ए जो है वो एक्स ए बी के इक्वल है तो और ये किसको सेटिस्फाई करेगा इक्विबिरियम रिलेशनशिप को तो इस तरीके से हम लोग इक्विबिरियम कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं ये चीज क्लियर है यहां तक और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया एक्स ए बी जो है एक्स ए बी स्टार एंड वाई ए बी स्टार ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है एक्स ए बी है वो आपका बल्क लिक्विड लिक्विड फेज के लिए कंसंट्रेशन है एंड वाई ए बी जो है वो आपका बल्क लिक्विड फेज के लिए बल्क गैस फेज के लिए कंसंट्रेशन है बट इक्विलिब्रियम ओके तो अभी देखिए हम यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं कमेंट करूं ओवरऑल अगर ऑब्जॉप्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ऑब्जॉपन की तो ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है सोल्यूड गैस से लिक्विड में ट्रांसफर होता है तो वाई ए बी जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा इंटरफेशियल कंसंट्रेशन वाई ए से और वाई ए किससे ग्रेटर देन होगा वाई ए बी स्टार से और अगर हम लोग लिक्विड फेज के लिए लिखे तो एक्स ए बी स्टार जो है वो मैक्सिमम है वो ग्रेटर देन किससे होगा एक्स ए इंटरफेशियल कंसंट्रेशन से और वो किससे ग्रेटर देन होगा एक्स ए से ये चीज आप यहाँ पर इस कर्व से भी लिख सकते हो देखिए स्टार जो मैक्सिमम है वो ग्रेटर देन से और यहाँ पर वाई ए बी मैक्म वाई एन है वाई ए आई से और ग्रेटर देन स्टार से यही चीज लिखी मैंने ये अगर आपको पता है तो कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन गेट में पूछा गया टू मार्क्स का क्वेश्चन है ना इस पर बेसिक क्वेश्चन तो आप इजी इजिली मतलब कि उसका आंसर कर सकते हो अगर ये चीज आपको अच्छे से पता है कि ऑब्जॉर्शन में क्या होता है ना बट इंटरफेशियल कंसल्टेशन पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे करेंगे अभी भी ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए है ना तो अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकल मास ट्रांसफर ऑफिशन लोकल और इंडिविजुअल मास ट्रांसफर ऑफिशन की नाउ अब हम देखिए हम लोग अ, मतलब कि ओवरऑल मास ट्रांसफर इंट्रोड्यूस करने वाले अभी तक हमने पढ़ा है कि वाई इन टू वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई जब हम लोग इन जब हम लोग क्या कर रहे थे इंडिविजुअल गैस फेस मास गैस फेस ड्राइविंग फोर्स और लिक्विड फेस ड्राइविंग फोर्स अगर लिक्विड फेस में लिखू तो एन ए इक्वल टू के एक्स इंटू एक्स ए आई इनस ऑफ एक्स ए भी तो यहां पर देखिए हम लोग ड्राइविंग फोर्स भी इंडिविजुअल लिख रहे थे तो यहां पर मास ट्रांसफर कोफिशिएंट भी लोकल और इंडिविजुअल था बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं इक्विलिब्रियम को लेकर आ रहे हैं तो जब इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम लेके आएंगे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के केस में जो ड्राइविंग मतलब जो ड्राइविंग फोर्स बेसिकली आपका वो आपका ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स होता है तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स के साथ में मास ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा मास ट्रांसफर जो होने वाला बेसिकली वो भी आपका ओवरऑल मास ट्रांसफर कॉपिशन होगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो नहीं होगा इंडिविजुअल या फिर लोकल मास ट्रांसफर को ऑफिशन नहीं होगा हम ओवरऑल मास ट्रांसफर कॉफिशन अभी इंट्रोड्यूस करेंगे ओवरऑल मास ट्रांसफर ऑफिशियंट यहां पर यह क्या था इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कॉफिशियंट इंडिविजुअल या फिर जैसे हम लोग लोकल भी बोल रहे थे लोकल ऑप्शन है ना तो अब ओवरऑल मास आंसर ऑप्शन जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्मॉल के वाई था इसको हम कैपोर्ट करेंगे और जो इंटरफेशियल कंसंट्रेशन है वो किससे रिप्लेस होगी यहां पर वाई ए बी स्टार्टियम से सिमिलरली एन इक्वल टू लिक्विड साइड के लिए के एक्स कैपिटल के एक्स इक्वल टू कैपिटल के एक्स एक्स ए बी

अपॉन ऑफ के एक्स ये एक इक्वेशन हो गई ये आपको याद रखनी है और सेकंड जो इक्वेशन है देखिए वो होगी वन अपॉन स्मॉल के एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल के एक्स प्लस ऑफ एम और प्लस ऑफ वन अपॉन एम डेस इनटू के वाई ये इक्वेशन नंबर टू होगी ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है दोनों इक्वेशन गाइस ओके एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर कि वन अपॉन कैपिटल के वाई इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन स्मॉल के वाई प्लस ऑफ एम डेस इन टू स्मॉल के एक्स देन सेकेंड इक्वेशन है वन अपॉन कैपिटल के एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल के एक्स स्मॉल के एक्स प्लस ऑफ वन अपॉन एम डेस इन टू के वाई यहां पर बेसिकली एम डबल डेस आता है यहां पर जब सेकेंड हम लिक्विड फेस वाला uh, केस देखते हैं लेकिन फाइनली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं हम लोग देखते हैं कि एम डेस जो है वो एम डबल डेस के इक्वल होगा और फाइनली उसको हम लोग एम कंसिडर करते थे जो स्लोप होती है हमारी मतलब अकॉर्डिंग टू हम लोग यहां पर हैंडिल अप्लाई जब करते हैं तो जो इक्वीबरियम लाइन बेसिकली होता है हमारी वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना उस केस में आपका जो स्लोप है वो एम रहता है दोनों केस में ना अब यहां पर देखिए ये जो दोनों इक्वेशन हमने मतलब कि जो कोरोन हमने लिखा है इसमें देखिए वन अपॉन कैपिटल किसको डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस को मतलब जब मास मतलब ट्रांसफर करते हैं तो वो होता है, हम पर लिख रहे हैं. अगर आपको करना है तो आपको सिंपली क्या करना है मास ट्रांसफर कॉफिशन का इनवर्स कर देना है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टलीफिशन अपॉन कैपिटल के वाई क्या हो जाएगा ओवरऑल 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 और टोटल रेजिस्टेंस ओवरऑल और टोटल रेजिस्टेंस बेस्ट ऑन टोटल रजिस्टेंस बेस्ट ऑन गेस फेस नाउ अब इसमें स्मॉल वन अपॉन स्मोल के वाई जो टाइम है इंडिविजुअली वो क्या हो जाएगी रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई दिखिये आपका क्या है ओवरऑल रजिस्टेंस बेस्ट ऑन द गेस फेस है नाउ इसमें जो ये वाली फर्स्ट टाइम है बेसिकली रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई दजिस्टेंस ऑफर्ड बा गेस फेस मतलब इंडिविजुअल फेस की बात हम कर रहे हैं रजिस्टेंस ऑफर्ड बा गेस फेस सिमिलरली no. यहां पर जो सेकंड टाइम है एम डेस अपोन ऑफ केक्स इसको हम लिख रहे हैं एम अपोन ऑफ एम अपॉन ऑफ स्मॉल केक्स तो यह बेसिकली क्या रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई लिक्विड फेस रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई दिक्विड फेस वन अपॉन के एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल सेकेंड इक्वेशन थी देखिए वन अपॉन कैपिटल के एक्स किस को डिनोट कर रहा है ओवरऑल ओवरऑल और टोटल ओवरऑल और टोटल ओवरऑल और टोटल रेजिस्टेंस ओवरऑल और टोटल रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन नौ देखिए वन अपॉन स्मॉल केक्स जो है यह हो जाएगा रजिस्टेंस ऑफर्ड बाविजल है ना रजिस्टेंस ऑफर्ड रिक्विड फेस देन जो रिमेनिंग टाइम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द अपॉन क्वल टू क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गेस फेस इंडिविजुअल है ना ना अब इन दोनों के बीच में देखिए हम लोग मतलब मतलब हम लोग एक टाइम अभी डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस और मतलब फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड है ना फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड हम इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की हेल्प से क्लियर गाइस तो यहां पर अगर मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो हम लोग टाइम डिफाइन कर रहे हैं जो कि इन मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास ट्रांसफर को के रेजिस्टेंस इन इंटरफेस मास ट्रांसफर इन इंटरफेस मास ट्रांसफर

स्टेप नो नेक्स्ट देखिए फेस बेसिकली जो हाई हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है उसको हम क्या बोलेंगे बिकॉज जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वो आपका मास मतलब मास ट्रांसफर जो है उसको कंट्रोल करेगा वो वो फेस बेसिकली तो यहां पर हम सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं द फेस द फेस विच ऑफर द फेस विच ऑफर्स द फेस विच ऑफर्स हाइयर रजिस्टेंस हाइयर रजिस्टेंस टू मास्ट ट्रांसफर इज द टू मास्ट ट्रांसफर इज द इज द कंट्रोलिंग फेज इज द कंट्रोलिंग फेज मतलब कि मास् ट्रांसफर का जो रेट है बेसिकली उसको वो फेज कंट्रोल करेगा क्लियर है चीज तो अगर मतलब कि आपको मतलब कि मास्ट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना है तो जो जो फेज बेसिकली कंट्रोल कर रहा है उस मास् ट्रांसफर को उसी के पैरामीटर आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ओके okay, बिकॉज अगर आप मतलब कि जो फेस आपका कंट्रोल नहीं कर रहा है मास्ट ट्रांसफर रेट को अगर उसके पैरामीटर चेंज करोगे तो ओवरऑल मास ट्रांसफर रेट जो उस पे आपका इतना इंपैक्ट नहीं आएगा नेग्लिजिबल इंपैक्ट आपका आएगा ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में फिर तो सिंपली देखिए अगर गैस फेस में रजिस्टेंस आई है तो हम बोलेंगे कि गैस फेज जो है वो वो आपका मतलब मतलब कि कि गैस जो है रेट कंट्रोल मास ट्रांसफर कंट्रोलिंग फेस है अगर लिक्विड फेस रजिस्टेंस आई है लिक्विड फेस में अगर रजिस्टेंस आई है तो हम बोलेंगे कि लिक्विड फेस जो है वो आपका मास ट्रांसफर कंट्रोलिंग फेस रहेगा ओके अब देखिए इसके अलावा लाइक like, आपको क्या करना है मतलब अज्यूम कर लिया हमने कि मतलब गैस फेस गैस फेस जो है हमारा वो मास ट्रांसफर कंट्रोलिंग फेस है तो उस केस में हम क्या करेंगे मतलब कि जो वहां पर मास ट्रांसफर जो रेट है बेसिकली उसको अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमको डेफिनेटली uh, मतलब कि जो uh, जो बेसिकली मतलब कि uh, पैरामीटर्स है वो कौन से पैरामीटर्स हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे गैस फेस वाले बिकॉज गैस फेस आपका मास ट्रांसफर मतलब कि मास ट्रांसफर कंट्रोलिंग फेस है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट ना तो यहां पर अभी हम हम टाइम डिफाइन कर रहे हैं फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस फ्रैक्शनल रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्रैक्शनल रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑफर्ड बाय

मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन बताई थी कि वन अपॉन कैपिटल के वाई इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन स्मॉल के वाई प्लस ऑफ एम अपॉन ऑफ स्मॉल के एक्स ये एक इक्वेशन एक हमने पढ़ी थी एंड एक इक्वेशन एक हमने पढ़ी थी वन कैपिटल वन अपॉन कैपिटल के एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल के एक्स प्लस वन अपॉन एम इन टू के वाई यहां पर देखिए मैंने जो एम है एम डेस एम डबल डेस वो सब एम ही हम लिख रहे हैं ना स्लोप हम कंसिडर कर रहे हैं कि इक्वल है

यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगी स्लोप सिंपली आप ये वन अपॉन स्मॉल के वाई डिवाइडेड बाय वन अपॉन कैपिटल के वाई यूज करो for, निकालने के लिए वैल्यू नाउ सिमिलरली आप हम लिख रहे हैं फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड फेस फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड लिक्विड फेज तो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड फेज क्या हो जाएगा देखिए वन अपॉन स्मॉल के एक्स इज डिवाइडेड बाई वन अपॉन कैपिटल के के एक्स ये 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 चीज़ 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 लिए ओके ओके देखते हैं मिनट रहेगा हमारा ओके हाँ, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे सेम वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर कि सेम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो देखिए रेजिस्टेंस ओके हम यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे थे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गेस फेस तो हमने लिखा वन अपॉन कैपिटल के वाई वन अपॉन स्मॉल के वाई अपॉन वन अपॉन कैपिटल के वाई और उसके बाद हमने लिखा

एम इंटू के वाई वन अपॉन वन अपॉन एम इंटू स्मोल के एक्स ये चीज थोड़ा क्लियर कर लिया मतलब थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए उसके बाद सेकंड देखिए फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड फेस तो पहली पहली इक्वेशन से नहीं पहले मैंने सेकंड इक्वेशन से लिखा सेकंड इक्वेशन से लिखा तो ये हो गया वन अपॉन स्मॉल के एक्स इज डिवाइडेड बाई वन अपॉन कैपिटल फर्स्ट इक्वेशन से जब मैं लिखूंगा फ्रैक्शनल रजिस्टेंस ऑफर्ड लिक्विड फेस तो क्या हो जाएगा देखिए एम अपॉन स्मॉल के एक्स एम अपॉन स्मॉल किया मैंने जो इजी टाइम किया है ना तो इस टाइम में आप याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस मतलब स्मो के वाई डिवाइडेड बाय वन अपॉन कैपिटल अगर लिक्विड फेस के लिए फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वन अपॉन स्मो के एक्स इज डिवाइडेड बाय वन अपॉन कैपिटल के एक्स कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन एक और यहां पर हम यहां पर बात करते हैं बिकॉज जो देखिए कोई कोई हम हम में कर कर रहे हैं define कर रहे हैं हैं कि क्या होना चाहिए अगर तो जो है है वो क्या होना one होना चाहिए चाहिए दो ही और liquid तो इनका जो फ्रैक्शन होगा रेजिस्टेंस फ्रैक्शन वो आपका क्या होगा समेशन उसका वन होगा तो यहां से अगर आपको एक आपने कैलकुलेट कर लिया लाइक आपने कैलकुलेट कर दिया तो आप जो सेकंड वन है वो डायरेक्टली वन में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हो ओके तो ये चीज क्लियर है तो सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं कि फ्रैक्शनल रजिस्टेंस जो है फ्रैक्शनल रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्रैक्शनल रजिस्टेंस ये हो गया फ्रैक्शनल रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गेस फेस फ्लक्स, अ, प्लस फ्लक्स प्लस फ्रैक्शनल रजिस्टेंस बाय लिक्विड फेस इज इक्वल टू स अगर आपने एक भी कैलकुलेट कर दिया तो आप दूसरा वाला क्या है कैलकुलेट कर सकते हो तो मैं इसको एफ आर से लिख रहा हूं फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बाय गैस फेस ओके गैस फेस से लाइक आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको लाइक लिक्विड फेस के लिए कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे फ्रैक्शनल रजिस्टेंस इज इक्वल टू तो वन माइनस ऑफ फ्रैक्शनल रजिस्टेंस ऑफ गेस फेस इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो नौ अब ये बेसिकली फ्रैक्शन में लिखा है अगर आपको परसेंटेज में पूछा है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल की जगह आपको अगर परसेंटेज में रेजिस्टेंस पूछा है तो आप क्या करोगे जो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बेसिकली मिल रहा है उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे हंड्रेड से क्लियर है तो गेट में बहुत केयरफुल रहना है कि आपको फ्रैक्शनल रजिस्टेंस पूछा है या फिर परसेंटेज रजिस्टेंस पूछा है ना ऑफर्ड बाई लाइक गैस फेस या फिर लिक्विड फेस तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है अब उसके बाद देखिएगा इस कुछ स्टेटमेंट यहां पर मैं बता रहा हूं नोट तो इंटरफेस मास ट्रांसफर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस रिगार्डिंग ये टाइम है देखिए फर्स्ट लाइक अगर आपको ये गिवन हो कि इफ देखिए पहला स्टेटमेंट में लिख रहा हूं नोट वन नोट वन यहां पर है कि लाइक like, हमको गिवन है इफ गैस इज हाइली सोल्यूबल इफ गैस इज हाईली सोल्यूबल इज गैस इज हाइली हाईली सोल्यूबल इन हाईली सोल्यूबल इन ए लिक्विड इफ गैस इज हाईली सोल्यूबल इन लिक्विड ये टाइम हमको गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि गैस जो है लाइक like यहां पर गैस प्रेजेंट है यहां पर लिक्विड है तो गैस जो है वो हाइली सोल्यूबल लिक्विड में हाईली सोल्यूबल लिक्विड है मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि लिक्विड जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है मीनस द लिक्विड इज मींस द लिक्विड इज ऑफरिंग मीन्स द लिक्विड इज ऑफरिंग नो रजिस्टेंस मींस द लिक्विड इज ऑफरिंग नो रजिस्टेंस ओके नाउ हेन्स हम यहां से लिख सकते हैं हेंस ऑल द रेजिस्टेंस रजिस्टेंस ऑल द रेजिस्टेंस स ऑल द रजिस्टेंस ऑफर्ड बास ऑल द रजिस्टेंस ऑफर्ड बा गेस फेस ऑफर्ड बाई दिख सकते हैं कि जब सारा रजिस्टेंस गेस फेस ऑफर कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं द गेस फेस द गेस फेस इज द मास्ट ट्रांसफर कंट्रोलिंग फेस द गेस फेस इज द कंट्रोलिंग फेस मतलब मास्ट ट्रांसफर कंट्रोलिंग फेस हो गया ये ओके okay? नो no. अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए लाइक अगर आपको ये गिवन है कि इफ गेस इज इफ गेस इज नेग्लिजिबल है ना नेग्लिजिबल सोल्यूबल है है ना या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्यूबल इन लिक्विड

तो सिंपली हम यहां से क्या लिख रहे हैं कि लिक्विड फेज क्या हो जाएगा इस केस में लिक्विड फेज लिक्विड फेज इज कंट्रोलिंग फेज कंट्रोलिंग फेज की मैं जब मैं बात जो कर रहा हूं वो मास ट्रांसफर के टाइम में बात कर रहा हूं मास ट्रांसफर रेट के टाइम में है ना तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्लियर है ना थर्ड स्टेटमेंट देखिए मेरा थर्ड स्टेटमेंट हमको गिवन है देखिए फोर डिजोल्विंग फोर डिजोल्विंग प्योर फोर डिजोल्विंग प्योर गैस इन ए लिक्विड

okay hence the mass transfer hence the mass transfer phase the mass transfer the mass transfer not phase the mass transfer rate like active if the mass transfer becomes the mass transfer becomes liquid phase controlling liquid phase controlling या फिर कंट्रोल ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन को ज्यादा कुछ करने की ही नहीं आंसर उसका उस क्वेश्चन में गिवन रहता है जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको आंसर आ जाना चाहिए उसका मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर वन मार्क्स का पूछा गया आपको तो क्लियर है गाइस तो ये चीजें ओप्ली आपको क्लियर हो गई हो ना no. देखिए हम यहां पर लेंथ की हमने बात की थी मास मास ट्रांसफर ट्रांसफर में में तो में जो लेंथ थीक्टिस्टिक हम डिफाइन करते हैं एल एल इज द कर लेंथ तो करेक्टरिस्टिक जो लेंथ होती है देखिए मास ट्रांसफर में हम जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं मास ट्रांसफर मतलब डिफरेंट डिफरेंट के लिए मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको लाइक like, अगर आपके पास में है मतलब जो फ्लूड है वो फ्लो कर रहा है ओवर मतलब कि किसी स्पेयर में से है ना फोर फ्लो ओवर ए स्पेयर फ्लो ओवर ए स्पेयर है ना स्पेयर में से अगर फ्लूड uh, फ्लो uh, कर रहा है तो जो लेंथ करेक्टरिस्टिक एल जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाता है उसका डायमीटर हो जाता है अगर फ्लूड जो वो फ्लो कर रहा है फ्लो ओके okay, मतलब ये सॉरी जो ओवर वर्ड बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूं ना फ्लो फ्रॉम फ्रॉम ए स्पेयर या फिर फ्लो फ्रॉम ए ट्यूब अगर ट्यूब में से फ्लू फ्लो कर रहा है तो उसकी जो लेंथ है अगेन देखिए वो जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है बेसिकली उसका डायमीटर हो जाएगा ट्यूब का नाउ अगर देखिए फॉर फ्लो ओवर ए फ्लेट प्लेट ना प्लेट के ऊपर में से अगर फ्लो uh, हो रहा है तो उस केस में बेसिकली फ्लेट प्लेट से अगर फ्लो uh, हो रहा है तो उस केस में जो L, जो लेंथ होती है बेसिकली वही बेसिकली क्या होता क्या है लेंथ ऑफ़ द प्लेट लेंथ ऑफ द प्लेट ही टाइम डिफाइन किया सेरवुड नंबर है ना सेरवुड नंबर so, जो बेसिकली है देखिए हम लिखते हैं उसको एस एच से डिनोट करते हैं डिफाइन किया था तो so, नंबर जो है देखिए नंबर जो हमने डिफाइन किया देखिए हमने लिखा कि सैरवुड नंबर इज इक्वल टू होता है के सी इन एल अपॉन ऑफ डी ए बी ये हमने डिफाइन किया नौ अब देखिए शेरवुड नंबर जो है वो टू हम डिनोट करते हैं सेरवुड नंबर इज इक्वल टू टू अब ये कहाँ से हमको मिलता है ये इसके लिए कंडीशन है देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हमको मतलब लाइक like, uh, मतलब uh, कोई फ्लूड जो दिया हुआ है या तो फ्लू स्टेगनेंट कंडीशन में लाइक like मैंने वाटर का केस ले लिया लाइक वाटर इज इन स्टेगनेंट है ना वाटर इज इन स्टेग्नेंट कंडीशन तब सेरवुड नंबर जो है डायरेक्टली आप टू यूज कर सकते हो और वहां से जो भी पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है के सी इंटू एल अपॉन ऑफ डी ए बी इक्वल टू तो टू यूज करके आप वहां से कोई पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो है ना लाइक स्टेगनेंट मीडियम या स्टेगनेंट कंडीशन अगर आपको गिवन है तेन उस केस में डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो इसका प्रॉपर डेरिवेशन है हमको ये मिलता है बेसिकली देखिए स्टेग्नेट केस में बेसिकली होता क्या है कि रेनोल नंबर रेनोल नंबर क्या हो जाएगा रो इंटू वी इंटू डी बाई डिपेंड तो करता है तो स्टेग्नेट फ्लूड के रो uh, तो इन डी बाई तो uh, है टू प्लस इसमें एक स्टेटमेंट टाइम रहती है वाली ना, तो वो टाइम तो जीरोनिंग तो आपको इक्वल टू टू ही मिलता है इस क्वेश्चन भी पूछा गया है गेट में okay, नाउ अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरफेस हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरफेस थ्योरीज ऑफ इंटरफेस इंटरफेस मास ट्रांसफर यहां पर हम लिख देते हैं तो देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज हमारे पास में का हमने टू टू फिल्म थ्योरी डिस्कस की है टू फिल्म थ्योरी जिसे हम टू रेजिस्टेंस थ्योरी भी बोलते हैं ना उसके अलावा एक होता है पेनेट्रेशन थ्योरी थ्योरी उसके अलावा एक होता है सरफेस रिनूवल थ्योरी उसके अलावा एक होता है बाउंड्री लेयर थ्योरी तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम कंडीशन देखते हैं टू फिल्म थ्योरी की टू फिल्म थ्योरी जो कि मतलब कि इंटरफेस मास ट्रांसफर के लिए बहुत तो इंपॉर्टेंट रहती है टू फिल्म थ्योरी जिसे हम सिंपल फिल्म थ्योरी भी बोलते हैं उसके अलावा टू रेजिस्टेंस थ्योरी भी बोलते हैं ओके इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सिंपल फिल्म थ्योरी तो देखिए ये जो थ्योरी बेसिकली है मतलब ये किसके लिए डिफाइन करते हैं मोलिक्युलर डिफ्यूजन के लिए हम ये डिफाइन करते हैं मोलिक्युलर डिफ्यूजन के लिए मोलिकुलर डिफ्यूजन के लिए हम ओके तो यहां पर सिंपली मतलब मतलब कि आप दो फेसिस है गैस एंड लिक्विड मतलब दो डिफरेंट फेसिस में एक मतलब बीच में लाइक जो हम इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं इंटरफेस है ना तो इंटरफेस में मतलब कि आपका मोलिकुलर डिफ्यूजन हो रहा है एक फेज से दूसरे फेज में सोलिड जो ट्रांसफर हो रहा है ना इसके अलावा देखिए यहां पर कंडीशन ये है कि स्टेडी स्टेट होना चाहिए जो मास ट्रांसफर आपका है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन होनी चाहिए स्टेडी स्टेट कंडीशन उसके अलावा यहां पर कंडीशन ये है कि जो इंटरफेस है वो कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता इंटरफेस डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस ये छोटी छोटी टाइम में गाई थी स्टेडी स्टेट वाली है ना उसके अलावा आगे हम देखेंगे दूसरी थ्योरी वो अनस्टेडी स्टेट पे होती है तो आपको कुछ भी मैच क्वेश्चन पूछ लिया कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बेस्ट ऑन टू फिल्म थ्योरी हमको मिलता है देखिए फ्लेक्स जो है एन एज इक्वल टू वो हमको मिलता है ये चीज क्लियर है मतलब लाइक इंटरफेस कैसा आपका लाइक ये मतलब इंटरफेस है इंटरफेस है यहाँ पर लाइक आपका कंसंट्रेशन वर्सेस हम लोग अगर थिकनेस में ड्रॉ करें फिल्म थिकनेस कब हमारा तो सिंपली देखिए लाइक यहाँ पर इस टाइप का कंसंट्रेशन बन रहा है कंसंट्रेशन प्रोफाइल ये कंसंट्रेशन प्रोफाइल हो गया यहाँ पर कंसंट्रेशन सीआई हो गया यहाँ पर कंसंट्रेशन बल्क कंसंट्रेशन सीए भी हो गया ये आपका लिक्विड फेस है So, यहां पर सिंपली हम डिफाइन कर रहे हैं और ये जो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होगा यहां पर इंटरफेस से इस बल्क लिक्विड तक ये बेसिकली क्या होगा थिकनेस डेल होगी इंटरफेस की थिकनेस ओके okay, मतलब यहां पर जो फिल्म फिल्म थिकनेस होगी नॉट इंटरफेस थिकनेस फिल्म थिकनेस हम इसे बोलते हैं तो यहां से यह फॉर्मूला हमको मिल गया एन एज इक्वल टू डी ए बी ड्राइविंग फोर्स तो हो गया तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि ये जो मास ट्रांसफर कॉफिशियंट है यह क्या हो जाएगा डिफ्यूजिविटी इज डिवाइडेड बाई डेल और इससे हम लोग कमेंट करते हैं कि मास ट्रांसफर कोफिशियंट जो है बेस्ड ऑन टू फिल्म थ्योरी वो डायरेक्टली के और इनवर्सलीपोर्सनल होता है फिल्म थिकनेस के ये बहुत इंपॉर्टेंट इस गेट में पता नहीं कितनी बार पूछा गया यहाँ से आपका जो मतलब ट्रांसफर ऑफिशिय है वो ना इसके अलावा हम जो बाकी थ्योरम है वहां पर भी देखेंगे ये इंपॉर्टेंट हमारा है कि यहाँ पर जो थ्योरम हम देख रहे हैं देखिए वो कौन सी कंडीशन के लिए वैलिड है उसके अलावा जो फ्लक्स हमें मिल रहा है तो सेकंड थ्योरम देखिए अगर इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारा जो ये लेक्चर जो हम ले रहे हैं बेसिकली काफी लेंथी हो जाएगा इसके लिए ना, वो फिर आपका प्रॉपर मतलब फुल सब्जेक्ट रिवीज हो जाएगा फिर ना हम यहां पर क्विक रिविजन कर रहे हैं तो क्विक में कोई भी चीज मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मिस नहीं करूंगा हर एक चीज यहां पर देखिए टू फिल्म थ्योरी से जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर लेके आ गया ना नेक्स्ट देखिए मैं लिख रहा हूँ द पेट्रेशन थ्योरी द पेनेट्रेशन थ्योरी तो पेनीट्रेशन जो थ्योरी है देखिए वो आपका अनस्टेड स्टेट पर बेस्ड होती है अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर हम यहाँ पर मतलब अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर के लिए डिफाइन करते हैं बेसिकली अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर अकर्स देन इसके अलावा देखिए इसमें होता क्या है मतलब लाइक एक कोई गैस बबल है ये गैस बबल हो गया बेसिकली इस गैस बबल पे बेसिकली देखिए यहाँ पर मतलब लिक्विड जो एलिमेंट है बेसिकली वो यहाँ पर टेवल कर रहे हैं देखिए तो वो जो 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 यहाँ पर एलिमेंट जो बेसिकली है लिक्विड एलिमेंट जिसे हम बोल रहे हैं जो लिक्विड एलिमेंट टेवल करता है बेसिकली ईच एंड एवरी जो एलिमेंट होता है बेसिकली वो सेम पीरियड के लिए कॉन्टैक्ट में रहता है इस गैस बबल के साथ में मतलब ये इसका एजम्पन होता है बेसिकली है ना ये इसका एजम्पन होता है उसके अलावा यहाँ पर देखिए पेनिट्रेशन थ्योरी के लिए फिक्स फर्स्ट लो का जो स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं होता है फिक्स फर्स्ट लो फिक्स फर्स्ट लो इज़ नॉट एप्लीकेबल इज नॉट एप्लीकेबल

मोस्टली आपको मतलब कि एवरेज फ्लक्स ही पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस फ्लक्स ही हो गया ना ये आपका एवरेज फ्लक्स हो गया तो एवरेज फ्लक्स जो है वो ट्वाइस ट्वाइस होता है इंस्टेंटेनियस फ्लक्स के तो ऑफ ऑफ द स्क्वायर रूट द डी ए बी अपॉन ऑफ पाई इंटू टी इंटू कंसन डिफरेंस सी आई माइनस ऑफ सी ए बी नाउ अब यहां पर देखिए ये आपका हो गया मास ट्रांसफर कोफिशियंट ये आपका मास ट्रांसफर कोफिशियंट हो गया तो यहां पर मैं बोल सकता हूं देखिए मास ट्रांसफर कॉफिशियंट Uh, K, अगर आप इंस्टेंटेनियस डिफाइन करो या फिर डायरेक्टली से एवरेज वाला डिफाइन करते हैं ना सो के एवरेज हम डिफाइन कर रहे हैं के एवरेज क्या हो जाएगा ट्विस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ डी ए बी अपॉन पाई इन टू टी तो यहां पर हमको क्या मिलता है कि एवरेज मास्टर कोफिशियंट जो है वो आपका डिफिजिविटी पावर वन बाई टू मतलब डिफिजिविटी पावर पॉइंट फाइव के प्रपोर्सनल है और In यहाँ पर जो टी सी बेसिकली टीसी होता है मतलब टाइम जो इक्वल टाइम हम बोल रहे हैं बेसिकली बबल, बबल, बबल कॉन्टेक्ट में रहता है वो यहां पर टी ये टाइम होता है ना टाइम कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो आप टी सी है ना सरफेस रेजिडेंस टाइम इसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट टाइम तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एवरेज मास ट्रांसफर कॉफिशन एवरेज मास ट्रांसफर कॉफिशन है वो पावर 0.5 के पर है एक साथ हम यहां पर लिख लेंगे इनको लास्ट में नाउ थर्ड जो थ्योरम है है देखिए वो सरफेस रिन्यूअल थ्योरी सरफेस रिन्यूअल थ्योरी सरफेस रिन्यूअल थ्योरी में देखिए ये भी अनस्टडी स्टेट मास ट्रांसफर के लिए वैलिड है फॉर अनस्टी स्टेट फॉर अनस्टडी स्टेट मास ट्रांसफर इसमें बेसिकली देखिए टर्बुलेंट मीडियम रहता है तो यहां पर देखिए हमको मास ट्रांसफर को जो है वो मिलता है के सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्को रूट ऑफ डिफिजिविटी इन टू एस यहाँ पर एक टाइम हम डिफाइन करते हैं सर्फेस थ्योरी में एस और ये एस बेसिकली क्या होता है इसे हम बोलते हैं सरफेस रिन्य रिन्यूअल फ्रिक्वेंसी हम इसे बोलते हैं सरफेस रिन्यूअल फ्रिक्वेंसी और ये सर्फेस रिन मतलब इसका यूनिट क्या होता है

मीटर स्क्वायर पर सेकंड यहां से ये अगर ये दोनों पता है तो इससे आप ये सरफेस फ्रीक्वेंसी का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो टाइम इनवर्स ओके गाइस नाउ नेक्स्ट है फोर्थ जो है यहां पर थ्योरम इंटरफेस से रिगार्डिंग वो है बाउंड्री लेयर थ्योरी बाउंड्री लेयर थ्योरी सो बाउंड्री लेयर थ्योरी में देखिए क्या होता है यहां पर मतलब कि हम कंसिडर कर रहे हैं है ना हमारा मतलब कि कंसिडरेशन क्या है कि फ्लूड जो है वो फ्लो कर रहा है fluid flow of a, uh, okay uh, consider the flow of a fluid over a flat plate over a over a flat over a flat plate तो यहां पर देखिए हमने पढ़ा मास ट्रांसफर में अभी तक हमने पढ़ा देखिए कि डेल अपॉन डेल सी जो है वो डायरेक्टली इक्वल होता है मतलब इसकी भी नंबर पावर 1/3 के डेल यहां पर क्या है

एट मतलब डिस्टेंस एल इज इक्वल टू पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स फोर इंटू रेनो नंबर ये जो रेनो नंबर है लोकल रेनो नंबर है यहां पर देखिए रेनो नंबर आर एल है इस पावर जो है इसका ये हो इंटू स्कीमिट नंबर पावर वन बाई थ्री तो ये इक्वेशन हो गया सेरवुड नंबर मतलब कि एवरेज सेरवुड नंबर यहाँ से अभी हम लोग देखिए मास ट्रांसफर का आंसर कैलकुलेट करेंगे देखिए सेरवुड नंबर क्या होता है के सी इंटू एल अपन ऑफ डिफिजिविटी डी ए बी उसके अलावा स्कीमिट नंबर क्या होता है इसकी मिनट नंबर म्यू अपॉन रो इंटू डी उसके अलावा रेनोड नंबर जो है वो होता है रो इंटू वी इंटू एल अपॉन ऑफ विस्कोसिटी तो ये सब टाइम हम जब इसमें एवरेज सेरवुड नंबर में पुट करेंगे एवरेज सेरवुड नंबर देखिए एवरेज सेरवुड नंबर एवरेज सेरवुड नंबर कितना हो गया पॉइंट जीरो सॉरी यहां पर आई थिंक मैंने ओके okay, यहां पर ये यह गलती कर दिया मैंने पॉइंट 3, 3, होता है तभी तो ये होगा, तो ये 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 देखिए देखिए होगा होगा हो गया इसकी मतलब तो यहां पर देखिए सिंपल मैं लिख रहा हूँ की जगह मैं लिख देता हूँ के सी इंटू एल अपॉन ऑफ डिजिटी डी ए बी इंटू इक्वल टू पॉइंट सिक्स फोर इंटू रेनोल नंबर रेनोल नंबर की जगह हम लिख देता है रो रो इंटू वी इंटू एल अपॉन ऑफ म्यू पावर इसको मतलब लिख रहा हूँ स्कीमिट नंबर हो जाएगा म्यू अपॉन रो इन डिफिजिविटी अब हमको देखना डिफिजिविटी मतलब, नहीं यहाँ पर के साथ मास ट्रांसफर कॉफिशन का तो देखिए यहां पर मास्ट ट्रांसफर कॉफिशन टाइम यहाँ पर है राइट right, लेफ्ट में तो हम सिंपली कर रहे हैं देखिए मास्ट ट्रांसफर कॉफिशन के एक्स मास्ट ट्रांसफर कॉफिशन के एक्स इज डायरेक्टली परपोर्स ऑफ इस डिफिजिटी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां पर देखिए पावर वन बाई थ्री है तो ये हो जाएगा बेसिकली देखिए मतलब डिफिजिविटी ये हो जाएगा डी ए बीज डिड बाई डिफिजिविटी डी ए बी पावर वन बाई थ्री तो यहां पर ये यह ये क्या बन जाएगा? 1 minus 1 by 3, तो बन जाएगा जाएगा तो बेसिकली डिफिजिविटी पावर टू बाई थ्री मतलब कि जो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं बाउंड्री लेर थोरी उसके उसके अकॉर्डिंग मास ट्रांसफर कॉफिशन जो है वो डिफिजिविटी पावर टू बाई थ्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये कोरिलेशन हमको यह correlation को यहां से मिल गया ये चीज क्लियर है नाउ अगर हम लोग कंप्लीट कैसे बात करें सबसे पहले हमने देखा फिल्म थ्योरी तो फिल्म थ्योरी में हमको क्या मिला था कि जो मास ट्रांसफर कोफिशियंट है वो डायरेक्टली परपोर्सल होता है डिफ्यूजिविटी के उसके अलावा मास ट्रांसफर कोफिशेंट इनवर्सली परपोर्सन होता है थिकनेस के फिल्म थिकनेस के उसके बाद हमने देखा ये अपने फिल्म थ्योरी में देखा उसके बाद सेकंड थ्योरी हमने देखा पेनिट्रेशन थ्योरी तो पेनिट्रेशन थ्योरी में हमने देखा कि जो मास ट्रांसफर मेंप्शन केसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजिटी पावर पॉइंट फाइव के उसके बाद में थर्ड हमने सर्फेस नियमल थ्योरी देखा उसमें भी हमको सेम मिला केसी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिफ्यूजिटी पावर पॉइंट देन उसके बाद में हमने देखा फोर्थ बाउंड्री लेयर थ्योरी बाउंड्री लेयर थ्योरी में हमने देखा कि मास ट्रांसफर ऑप्शन जो डायरेक्टली पावर टू बाई थ्री के तो इनको आपको याद रखना है गेट में कोई भी थ्योरम के लिए ये प्रपोर्सलिटी पूछी जा सकती है सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्म थ्योरी और लास्ट में जो बाउंड्री लेयर थ्योरी हमने डिस्कस किया है ओके गाइस नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम देख रहे हैं कि जो डिफिजिविटी डी ए बी टाइम है इसकी बात करते हैं डिफिजिविटी का जो वेरिएशन है मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ कैसे होता है डिफिजिविटी का जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ कैसे होता है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉपिक वेरिएशन ऑफ डिफिजिविटी वेरिएशन ऑफ डिफिजिविटी डिफिजिविटी मतलब डी ए बो हम डिफाइन कर रहे हैं विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफ्यूज मतलब की वेरिएशन ऑफ डिफिजिविटी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर यह चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं तो देखिये सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फोर गैसेस फोर गैसेस में क्या होता है जो डिफिजिविटी रहती है वो डायरेक्टली परपोजल होती है टेम्परेचर पावर थ्री बाई टू के फिजिविटी जो हमें मिलती है वो उसमें मतलब कोरिलेशन उनका मिलता है कि वो टेम्परेचर पावर थ्री बाई टू के परपोर्शनल होगी और सेकंड यहां पर मिल रहा है कि डिफिजिविटी के केस में इनवर्सिटी परपोर्शनल होता है प्रेशर के प्रेशर के साथ देन सेकंड देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर लिक्विड अगर जब लिक्विड की बात करते हैं तो प्रेशर मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है ना तो वहां पर क्या होता है कि डिफिजिविटी जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ रिलेशन उसका मिलता है डिफिजिविटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाता है लिक्विड के केस में देन थर्ड केस देखिए थर्ड केस है सोलिड के केस में तो सोलिड के केस में डिफिजिविटी जो है वो टेम्परेचर पावर वन बाय टू के पर पोर्सनल रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों रिलेशन गैसिस लिक्विड एंड सोलिड के केस में गैसिस वाला तो मतलब गेट में पूछा गया भी है है ना गैसिस और लिक्विड के केस में जो डिफिजिविटी होता है वो मतलब टेम्परेचर के साथ उसका क्या कोरिलेशन रहता है ओके गाइस देन इसके बाद में देखिए मतलब ये गैसिस के लिए तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी मतलब डिफाइन करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ डिफिजिविटी ना वहां से बेसिकली हमको मिलता है ये तो अब उसके अलावा एक और टर्म मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं अगर डिफिजिविटी का ऑर्डर हम बताए ऑर्डर तो गैसेस के केस में देखिए डिफिजिविटी का जो ऑर्डर है डिफिजिविटी का ऑर्डर वो होता है टेन पावर माइनस फाइव मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो लिक्विड है लिक्विड के केस में डिफिजिविटी का जो ऑर्डर है वो हम डिफाइन करते हैं अप्रोक्सिमेटली टेन पावर माइनस नाइन टेन पावर माइनस नाइन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी गेट में पूछा गया वन मार्क का जो ऑर्डर है गैसेस के केस के वो टेन पावर माइनस नाइन टेन पावर माइनस नाइन होता है तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है okay, Now, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेनोल्ड्स एनालॉजी रेनोल्ड एनालॉजी मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं तो देखिए रेनॉल्ड्स एनालॉजी जो है बेसिकली ये किसको किसको रिलेट ये को रिलेट करती है यह कोरिलेट करती है हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर मोमेंटम ट्रांसफर को आपस में तो सिंपली इसका जो स्टेटमेंट है देखिए वो रहता है मतलब कि एनालॉजी का वो होता है देखिए स्टेंटन नंबर एस टी इज इक्वल टू के सी अपोन ऑफ वी के सी अपोन ऑफ वी ये आपको मिलता है मास ट्रांसफर के लिए सिमिलरली स्टेंटन नंबर हीट ट्रांसफर के लिए लिखते हैं तो वो मिलता है एच अपॉन ऑफ रो इन टू सी पी इन इंटू वी ये हमको मिल गया हीट ट्रांसफर से और यह किसके इक्वल होता है एफ बाई टू वेर एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर वेर एफ इज द देखिए एफ जो हम डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन फैक्टर हम ये कहां पर डिफाइन करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स में मोमेंटम के लिए है ना उसके अलावा देखिए यहां पर यह आपका हीट ट्रांसफर के साथ मास ट्रांसफर uh, के लिए हो गया स्टेटमेंट यह आपका हो गया हीट uh, ट्रांसफर के लिए और यह हो गया यहां पर फ्लूड मैकेनिक्स के लिए

मास ट्रांसफर कोफिशियंट एच इज द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एंड एफ इज द फ्रिक्शनल फैक्टर एंड यहां पर जो वी है बेसिकली वॉल्यूम नहीं क्या velocity है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ना इसको आप वी इंफिनिटी भी लिख सकते हो ना फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ओके गाइस नाउ इसके बाद देखिए यहां पर ये यह जो स्टेटमेंट है ये एक्यूरेट कब होगा ये स्टेटमेंट जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये एक्यूरेट कब होने वाला है जब स्कीम नंबर इक्वल टू प्रलेट नंबर हो स्कीमिट नंबर इक्वल टू प्रैट नंबर इज इक्वल टू वन हो तभी हम ये लिख सकते हैं ना कि स्कीमिट नंबर इक्वल टू देखिए के सी अपॉन वी होता है उसको हमने डायरेक्टली इक्वल कर दिया प्रैनलट नंबर के लिए जो फॉर्मूला हमको मिलता है एच अपॉन रो इन टू सी पी इन टू वी तो रेनोल के केस में स्कीमिट नंबर इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू वन होगा तभी ये जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल है और इसके अलावा इसकी एक और कंडीशन एप्लीकेबिलिटी की देखिए ये एप्लीकेबल होता है इट एप्लीकेबल मतलब रेनोल एनोलॉजी इज एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट एडीज फॉर टर्बुलेंट एडीज फॉर टर्बुलेंट एडीज इन गैसेस तो ये होता है रेनोल एनोलॉजी अब नेक्स्ट देखिए हम लोग कुलबन एनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं चिल्टन कुलबन चिल्टन कुलबन एनोलॉजी तो यहां पर देखिए हमने एक जेडी फैक्टर पढ़ा था बेसिकली देखिए बेसिकली वैलिड होती है फॉर गैसेस एंड लिक्विड मतलब कि हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं नंबर नंबर की रेंज डिफाइन करते हैं बेसिकली इट वैलिड वैलिड फॉर गैसेस एंड लिक्विड गैसेस एंड लिक्विड विद इन विद इन द रेंज विद इन द रेंज तो रेंज यहां पर मैं लिख देता हूं देखिए अप्रोक्सीमेटली रेंज है ये मतलब स्कीमिट नंबर आपका पॉइंट सिक्स है अगर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक है और नंबर जो है पॉइंट सिक्स है हंड्रेड तक है उस रेंज में बेसिकली चिल्टन कुलबन एनोलॉजी वैलिड होती है तो इसके अकॉर्डिंग हमको स्टेटमेंट क्या मिलता है देखिए इज इक्वल टू जे एच इज इक्वल टू एफ बाई टू जेडी इज इक्वल टू जे एच इज इक्वल टू एफ बाई टू होता है ये JD जो है बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कुलबन मतलब JD फैक्टर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं अगर इसकी एग्जैक्टली वैल्यू हम लिखे तो क्या हो जाएगा देखिए जे डी नंबर जो है वो हम डिफाइन करते हैं जेडी नंबर इज इक्वल टू सेरवुड नंबर अपॉन रेनोल नंबर इंटू नंबर पावर पावर वन बाई थ्री तो यहां पर मैं लिख देता हूँ इंटू नंबर इंटू सेलवुड नंबर अपोन ऑफ रेनोल नंबर इंटू नंबर पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू नसेल्ट नंबर अपॉन ऑफ रेनोल नंबर इंटू इंटू प्रानलेट नंबर पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू एफ बाई टू तो फाइनली देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमको स्टेटमेंट क्या मिलता है हमको स्टेटमेंट मिलेगा के सी अपॉन वी इंटू सेरवुड नंबर पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच अपॉन रो इंटू वी इंटू सी पी इंटू प्रेट नंबर पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू एफ बाई टू अब देखिए जस्ट अगर रेनोल एनालॉजी को कंपेयर करोगे इससे तो वहां पर देखिए ये टर्म नहीं आ रही थी केसी केसी के मतलब ये स्कीमिट नंबर वाली टर्म नहीं आ रही थी स्कीमिट स्कीम प्रानेट नंबर बिकॉज यहां पर कंडीशन थी यहां पर कंडीशन ये थी कि स्कीमिट नंबर इक्वल टू तो प्रानेट नंबर इक्वल टू तो वन होना चाहिए तभी यह आपका थ्योरम जो है वो वैलिड है रेनोल एनोलॉजी है ना तो यहां पर चिल्ड्रन कुलबन एनोलॉजी जो है उसमें देखिए ये कंडीशन एप्लीकेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज यहां पर रेंज गिवन हमको स्कीबिड नंबर और नंबर की इस रेंज के बीच में ये फॉर्मुला ऑलवेज वैलिड रहता है और ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है फॉर बोथ लेमिनार मतलब कि की कुलबन एनोलॉजी जो होता है ये वैलिड होती है फॉर बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट केसेस फॉर बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो ये चीज क्लियर है ना अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मतलब हम बोल सकता हूं कि जो डिफ्यूजन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक ये रहने वाला है डिफ्यूजन इन सोलिट्स डिफ्यूजन इन सॉलिड जैसे हम लोग नटसन डिफ्यूजन भी बोलते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड और इसको हम लोग बोलते हैं नटसन डिफ्यूजन भी नटसन डिफ्यूजन देखिए नटसन डिफ्यूजन जो हम डिफाइन करते हैं मतलब सिंपली क्या होता है देखिए डिफ्यूजन इन सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर होता है क्या है मतलब डिफ्यूजन मतलब, में, में मतलब सोलिड्स में डिफ्यूजन मतलब देखिए सॉलिड्स के बीच में पोर अवेलेबल रहता है है ना उस पोर में बेसिकली मतलब जो आपका सॉल्यूट बेसिकली जो रहता है वो ट्रेवल करता है है ना डिफ्यूज होने के लिए तो यहां पर देखिए नर्सन डिफ्यूजन का केस कब रहता है जब आपका जो मॉलिक्यूल है बेसिकली जो मॉलिक्यूल मतलब बेसिकली जो मतलब सोलिड जिसे हम बोल रहे हैं सॉलिड मॉलिक्यूल जो कि मतलब डिफ्यूज होगा बेसिकली उसका जो साइज है वो बेसिकली लोअर होना चाहिए किससे जो पोर का साइज अवेलेबल है जो पोर साइज है उससे लोअर होना चाहिए या फिर उसकी रेंज का है ना उससे अगर बिगड़ नहीं होना चाहिए उसकी रेंज का होना चाहिए तब भी वहां पर डिफ्यूजन पॉसिबल है ना सो नटस एंड डिफ्यूजन बेसिकली नटसन नंबर जो बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं नटसन डिफ्यूजन में वो क्या होता है मतलब एक सिंपल मेजरमेंट होता है ऑफ द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द नटसन डिफ्यूजन ए नट्सन मतलब अगर देखिए आपका नटसन जो नंबर है बेसिकली अगर वो मतलब कि मतलब कि उसकी वैल्यू जो है वो हाइयर है है ना तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो नटसन मतलब कि मतलब डिफ्यूजन है उसका मतलब इंपॉर्टेंट रोल है इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अगर की जो है, वो हाँ है। तो यहां पर बेसिकली देखिए मतलब सिंपल मैं लिख देता हूं यहां पर नट्स एंड डिफ्यूजन क्या होता है प्रेशर इज लो इनफ इफ द प्रेशर इज लो इनफ इफ द प्रेशर इज लो इनफ इफ द प्रेशर इज लो इनफ एंड दोर एंड एंड द पोर आर स्मोल इनफ इनफ दे द गेस मोलिक्यूल्स दैन द गेस मोलिक्यूल्स मैन आपको मैं चम, मतलब इसका मीनिंग समझाता हूं देखिए भी डिफ्यूजनिंग सोल्ट निस मतलब क्या है देन द गेस मोलिक्यूल्स दैन द गेस मोलिक्यूल्स दैन द गेस मोलिक्यूल विल कोलाइड विद द वोल्स विद द वोल्स मोर फ्रिक्वेंटली विद द वोल्स मोर फ्रिक्वेंटली मतलब जब ये एक रेंज मतलब दोनों का जो पोर साइज और जो आपका मोलिक्यूल है बेसिकली वो मतलब एक रेंज के हैं मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल uh, है और जब जस्ट मोलिक्यूल थोड़ा सा मतलब उसका साइज है जो स्मॉल है उससे तो उस केस में क्या होता है कि जो कोलिजियन है बेसिकली है ना जो आपका मोलिक्यूल मतलब वोव के अंदर में जो स्ट्राइक करता है वो कोलिजन बेसिकली इंक्रीज हो जाता है ना मोर फ्रिकुएंटली देन विल देन द गेस मोलिक्यूल विल कोलाइड विद द वोल्व मोर देन फ्रिक्वेंटलीच अदर देन विथ विद ईच अदर मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्राइक करने से पहले क्या करता है मॉलिक्यूल आपका पोर पे बेसिकली स्ट्राइक करता है ना और इससे बेसिकली हम बोलते हैं दिस इज नॉन एज दिस इज नॉन एज द दटसन डिफ्यूजन दिस इज नॉन एज नटसन फ्लो और नटसन डिफ्यूजन हम इसे बोलते हैं ओके okay? तो सिंपली देखिए यहां पर होगा क्या हमें टाइम डिफाइन करते हैं लेमडा लेमडा हम टाइम डिफाइन करते हैं बेसिकली लेमडा so, बेसिकली क्या होता है मेन फ्री पाथ होता है मतलब मेन फ्री पाथ मतलब कि वो होता है जब आपका कोई कोई मोलिक्यूल है बेसिकली मतलब एक दूसरे से uh, जब वो कोलाइट करता है तो उसके बीच वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है लेमडा 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 इज द मेन फ्री पाथ मेन फ्री पाथ मेन फ्री पाथ ऑफ द डिफ्यूजिंग मोलिक्यूल ओके तो यहां पर देखिए हमको रिलेशन uh, जो मिलता है उसको मैं लिख रहा हूं डिफ्यूजिविटी डी ए बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू लेमडा इंटू म्यू

उसके अलावा देखिए गाइस मतलब प्रॉपर जो फॉर्मूला हम देखें तो देखिए डिफ्यूजिविटी डिफ्यूजिविटी डी नोर अपॉन ऑफ थ्री इंटू ओके अपन मोलिकुलर वेलोसिटी इंटू व्यू वेलोसिटी हम यहां पर पुट कर रहे हैं तो ये मतलब यहां से एक और चीज हमको ये मिलता है कि डिफ्यूजिविटी जो है सॉलिड्स के लिए वो डायरेक्टली मतलब जो अगर नट्सन डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो पोर का साइज है उस पर

नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अब्जॉप्शन सो देखिए बेसिकली क्या होता है एक गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन फिनोमिना होता है गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन फिनोमिना होता है अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन मतलब कि गैस में से जो सोल्यूट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रिमूव करते हैं विद दी हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल लिक्विड सो so, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर मैं आपको फॉर्मुला बताऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू यहां पर देखिए एफ से डिनोट करते हैं एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू अगर आपको ऑब्जॉप के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे देखिए सी यहां पर क्या है नंबर ऑफ कम्पोनेट तो यहां पर कोई भी ऑब्जॉप्शन प्रोसेस है तो उसमें देखिए लाइक like मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल के लिए यहां पर ले रहा हूं मैं कि एयर है उसमें एस ओ टू परजेंट है एयर so, जो है प्योर एयर कंसिडर कर रहे हैं तो वो एक ही कॉम्पोनेट होगा एयर टू एक सेकंड कॉम्पोनेट हो गया और इसको हम रिमूव कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ लिक्विड जो कि हो गया वाटर ओके okay? तो अगर यहां पर हम कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट यहां पर थ्री कंपोनेंट्स हो जाएंगे एंड सी यहां पर बेसिकली क्या है नंबर ऑफ कंपोनेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड पी यहां पर क्या है नंबर ऑफ एसिस नंबर ऑफ एसिस So, यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू थ्री हो जाएगा सी इक्वल टू थ्री अगर हम लिखे तो एयर हो गया एक कॉम्पोनेट एक हो गया एसओ टू एक हो गया वाटर एस टू देन इसके अलावा यहाँ पर फेस जो है नंबर ऑफ फेसिस हो जाएंगे लिक्विड फेस एंड गैस फेस लिक्विड एंड गैस फेस तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिल जाती है एफ इक्वल टू थ्री माइनस ऑफ टू प्लस ऑफ टू मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर मिल गई थ्री तो अब ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर थ्री है लाइक like अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया लाइक टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू देन अगर लाइक आपको क्वेश्चन में दे दिया कि लाइक टेम्परेचर या प्रेशर मतलब ये थ्री जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था उसमें टेम्परेच एंड प्रेशर तो मोस्ट प्रोबली रहेगा ही रहेगा ना इस वजह से तो टेम्परेचर को अगर हमने फिक्स कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू होगी टेम्परेचर प्रेशर बोथ जो पैरामीटर अगर इनको हमने फिक्स कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लाइक थ्री माइनस टू तो वन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी है ना कुछ कंसेंट्रेशन आप चेंज कर सकते हो लाइक ना तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है कि लाइक कोई सिस्टम आप डिफाइन कर रहे हो उसमें आपके पास कितनी फ्रीडम है कौन से पैरामीटर लाइक आप वहां पर चेंज कर सकते हो तो इस तरीके से की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइक पूछी जाए एग्जाम में तो आप कर सकते हो तो नेक्स्ट देखिए गाइस पर हम डिस्कस करें का मतलब सिंपल हमने देखा कि गैस लिक्विड गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जहां पर मतलब कि हम लोग क्या करते हैं लाइक गैस गैस है इस में हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट है इस गैस में हमारे पास क्या है सोल्यूट प्रेजेंट है तो उस सोल्यूट को हम कैसे रिमूव करते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लिक्विड जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं सोल्यूट बोलते हैं एक्सटर्नल सॉल्वेंट हम यूज करते हैं और सोलेंट की हेल्प से और इसको हम लोग न्यू फेस भी बोल सकते हैं मतलब कि एक न्यू फेस हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर तो इसकी हेल्प से हम लोग इस सॉल्यूट को रिमूव करते हैं हम सॉल्वेंट जो लिक्विड होता है ऐसा यूज करते हैं जिसमें कि जो सॉल्यूट है वो हाईली सोल्यूबल होता है, है ना हाईली सोल्यूबल होता है वो sol, वो सोलवेंट हम पर so, यहाँ पर यूज करते हैं सो देखिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब्जॉप्शन के लिए स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कि अब्जॉप्शन इज नॉट ए एबजॉप्शन इज नॉट ए इक्विबेरियम फिनोमिना अब्जॉप्शन इज नॉट एन इक्विबीरियम फिनोमिना नॉट एन इक्लिबेम फिनोमिना तो इक्लिबेरियम फिनोमिना क्यों नहीं है देखिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ भी मतलब जो गैस और लिक्विड फेस की जो आउटलेट कंसंट्रेशन होती है बेसिकली है ना वो मतलब क्या है कि मतलब कि इक्विबीरियम में नहीं रहती है ना वो मतलब इक्विबिरियम जो रिलेशनशिप रहता है उसको फॉलो नहीं करती है तो इसलिए जो अब्जॉप्शन होता है वो इक्विबिरियम फिनोमिना नहीं होता है बट अगर लाइक like मैं कोई मतलब ऐसा बोलूँ कि कोई आइडियल ट्रे है आइडियल ट्रे अगर आपने वर्ड आइडियल वर्ड यूज किया तो डेफिनेटली जो मतलब की आउटलेट कंसेंट्रेशन जो होती है लिक्विड और गैस स्पेस की वो डेफिनेटली जो इक्लिबरियम रिलेशनशिप आपको गिवन है उसको मतलब कि उस पर सेटिस्फाई होगी है ना उसमें अगर आप पुट करोगे तो वो उसके लिए मतलब कि वैलिड रहेगी वहां पर ओके गाइस सो देखिए अब ऑब्जॉप्शन के लिए आपको कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है ब्जॉप के लिए आपको कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है और उसके अलावा देखिए लाइक like, आप कोई टावर यूज कर रहे हो मतलब जैसे हम लोग लाइक ट्रे कॉलम बोलते हैं पैक्ट कॉलम बोलते हैं लाइक पेक्ट कॉलम बोल रहे हो पेक्ट कॉलम या फिर ट्रे कॉलम कोई भी कॉलम यूज करते हैं तो वहां पर ऑब्जॉप्शन में क्या होता है लाइक like, हमारा जो पर्पज है बेसिकली वो मतलब की आ, मतलब कि मैग्जिम सेपरेशन अचीव करना नहीं होता है हमारा पर्पज यहां पर है ना लाइक like, डिस्टिलेशन के केस में होता है मैगजिमम सेपरेशन अचीव करना बट ऑब्जॉप्शन के केस में मतलब मैक्सिमम सेपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना एक लाइक आउटलेट कंसंट्रेशन एक 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 पॉइंट तक मतलब एक एक्सटेंड तक हमको मतलब अचीव करनी होती है तो वो उसमें वहाँ पर ऐसा लाइक मतलब बहुत ज़्यादा आपको कॉलम की हाइट नहीं रखनी होती है मतलब कॉलम हाइट का मतलब कि जितना ज़्यादा लाइक आप स्पेस प्रोवाइड करोगे है ना कॉन्टेक्ट टाइम जितना ज़्यादा लिक्विड और गैसेज के बीच होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर सेपरेशन अचीव होगा बट यहाँ पर इतना मतलब एक एक्सटेंड तक हमको सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑब्जॉप्शन के लिए मैं आप लिख रहा हूँ देखिए जो टाइप है ऑब्जॉप्शन का मतलब जो कॉलम हम यूज़ करते हैं वो या तो ट्रे कॉलम हो सकते हैं Column, इसको हम आगे में वैसे भी डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन में. में, so, में क्या होता है, लगी होती है ना इसमें ट्रेस लगी होती है पूरा अरेंजमेंट होता है जहां पर हम गैस को जनरली मतलब बॉटम से हम लोग इंट्रोड्यूस uh, uh, करते हैं कॉलम में देन उसके अलावा लिक्विड जो होता है उसको हम टॉप से इंट्रोड्यूस करते हैं देन यहाँ पर आपको मतलब गैस uh, जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वो आपको मिल जाता है देन इसके अलावा यहाँ पर आपको सोलवेंट आउटलेट मिल जाता है तो ये होता है बेसिकली ट्रे कॉलम का अरेजमेंट पैक्ट कॉलम में भी सेम देखिए इसी तरीके से रहता है जो कॉलम होता है बेसिकली उसमें ट्रेस फिक्स ना होकर उसमें पैकिंग रहती है ना लाइक इस तरीके का कॉलम है यहां पर पैकिंग पर्जेंट रहती है तो इसमें भी सेम गैस को लाइक आपने बॉटम से इंट्रोड्यूस किया और उसके अलावा आउटलेट में आपको गैस यहां पर मिल जाएगी है ना ट्रीटेड गैस हम बोल सकते हैं लिक्विड सोल्वेंट को आपने यहाँ पर टॉप से इंट्रोड्यूस किया और उसके अलावा यहां पर लिक्विड आउटलेट आपको मिल जाता है ओके ये सिंपल मतलब मैंने ये क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट बता दिया आप अगर काउंटर फ्लो अरेंजमेंट है तो सेम साइड से भी इंट्रोड्यूस करेंगे वो ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो आपको क्वेश्चन में ये है उस पर डिपेंड करेगा सो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड मैंने यूज किया था देखिए आइडियल और थ्योरटिकल आइडियल और थ्योरिटिकल ट्रे सो आइडियल और थ्योरटिकल ट्रे का मतलब देखिए क्या होता है आइडियल एंड थ्योरिटिकल और इक्विबेरियम वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज इक्विबेरियम रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती है यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन होती है गैस एंड लिक्विड के आउटलेट सो देखिए आइडियल और थोरिटिकल और इक्लिबिनियम ट्रे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं हम ट्रे कॉलम के लिए बात कर रहे हैं सो देखिए so, मतलब लाइक like, आपके पास ना एक ट्रे है क्लियर है एक ट्रे यहाँ पर है तो इस ट्रे में देखिए मतलब जो जो यहाँ पर देखिए हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गैस तो गैस का लाइक like, मतलब कि अमाउंट हो गया जी एन प्लस वन मतलब लाइक like, ये मेरा अगर एन ट्रे है ये मेरा अगर एन ट्रे एन एथ ट्रे है तो हम लोग जो ट्रे का काउंटिंग वो टॉप से बॉटम करते हैं है ना हम लोग जो काउंटिंग करते हैं ट्रे का काउंटिंग ऑफ ट्रे वो टॉप से बॉटम करते हैं टॉप टू बॉटम तो लाइक ये वाई एन प्लस और इस ट्रे से जो आउटलेट गैस का जो अमाउंट होगा मतलब वो आपका जीएन हो गया फ्लोरेड देकाशन वाई एन हो गया ना अब लिक्विड एंड पे देखते हैं लिक्विड एंड पे मतलब लिक्विड देखिए टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा तो यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस मतलब कि जस्ट ये एन ट्रे तो इससे पहले वाली ट्रे क्या होगी एन माइनस वन ट्रे होगी तो वहां से जो लिक्विड आ रहा है उसको एल एन माइनस वन लिख रहे हैं और वहां वहां का जो कंपोजिशन होगा लिक्विड का वो हो जाएगा एक्स एन माइनस वन और यहां पर जो ये एन एथ ट्रे को जो आ, मतलब कि लीव कर रहा है कंपोजिशन वो हो जाएगा देखिए एल अमाउंट हो जाएगा और उसका कंपोजिशन हो जाएगा तो देखिए ये जो एल और जीएन मतलब इसका जो कंसेंट्रेशन है एंड ये बेसिकली रिलेशनशिप को फॉलो करता है बिकॉज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आइडियल ट्रे है ओके सो फॉर एन आइडियल ट्रे लिविंग स्ट्रीम आर ऑलवेज इन इक्म मीन यहाँ पर equilibrium में कौन, कौन सा कंपोजिशन हो जाएगा एक्सएन एंड वाई एन मीनस लिविंग स्ट्रीम जो होता है वो ऑलवेज इक्विबीरियम में रहता है फॉर ए आइडियल ओके गाइज तो अब जो इक्बिरियम रिलेशनशिप आपको लाइक जो भी गिवन रहेगा इज ए फंक्शन ऑफ द एस एन वाई एन इज फंक्शन ऑफ द एक्स एन उसको सेटिस्फाई करेगी ये मतलब जो आउटलेट इक्विबीरियम जो कंसेंट्रेशन है ओके गाइस सो अब नेक्स्ट हम पर बात करते हैं मटेरियल बैलेंस की बिकॉज अब्जॉप्शन में कुछ भी नहीं है आपको सिंपल मटेरियल बैलेंस अप्लाई करना होता है अगर मटेरियल बैलेंस अच्छे से आप अप्लाई कर पा रहे हो तो इजीली इजिली अब्जॉप्शन बेस कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो सो देखिए मटेरियल बैलेंस की मैं पर बात कर रहा हूं मटेरियल बैलेंस ऑन अब्जॉप्शन

फ्रैक्शन ऑफ जीएस जीएस बेसिकली क्या होता है सोल्यूट फ्री बेसिस मोलार फ्लोरेट हो गया टोटल मोलार गैस फ्लोरेट और यहां पर जो जीएस है बेसिकली वो सोल्यूट फ्री फ्लोरेट है सोल्यूट फ्री सोल्यूट फ्री फ्लोरेट यहां पर होगा सोल्यूट फ्री फ्लोरेट देन इसके बाद में यहां पर ये यह जो वाईवन मोल फ्रैक्शन हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया उसी तरीके से हम लोग वाई वन वाई वन हम मैंशन कर रहे हैं और वाई वन क्या होगा मोल रेशो तो मोल फ्रैक्शन और मोल रेशो का मतलब समझ आता है आपको ये हो जाएगा मोल मोल रेशो है ना मोल रेशो ऑफ सोल्यूट मतलब कि कंसंट्रेशन ऑन द सोल्यूट फ्री बेसिस ये चीज क्लियर हो गया मोल रेशो ही हो गया एंड ये मोल फ्रैक्शन हो गया नाउ आउटलेट में भी सेम कंपोजिशन रहेंगे

सॉरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट ट्रांसफर नहीं होता सॉल्यूट तो ट्रांसफर होता है तो so, सॉल्वेंट का जो फ्लोरेट है जीएस वो सेम रहता है सॉल्यूट फ्री फ्लोरेट का मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्वेंट का फ्लोरेट है तो so, सॉल्वेंट का फ्लोरेट जो है वो सेम रहता है ओके okay. देन इसके बाद देखिए यहां पर वाई टू वाई टू सेम रेशो हो जाएगा यहां पर एट आउटलेट नाउ अब देखिए

मोल मोल रेशो हो जाएगा ये चीज क्लियर है तो यहां पर देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो जो होता है मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ ऑफ है मतलब यहां पर अगर हम बात करें लिक्विड साइड में तो ये मोस्टली जीरो होता है बिकॉज हम लोग क्या करते हैं प्योर प्योर सॉल्वेंट यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्योर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये एक्सटू जो होता है जीरो हो जाता है ना इसके आउटलेट में कंपोजिशन देखिए लाइक एलवन हो गया टोटल टोटल लिक्विड फ्लो रेट देन एक्स एक्स वन हो जाएगा यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन लिक्विड देन इसके बाद में एल एस हो जाएगा म रहेगा यहाँ पर सोल्यूट फ्लोरेट ऑफ द सोलवेट और एक्स वन हो जाएगा मोल रेशो है ना मोल रेशो मोल रेशो ऑफ सोल्यूट इन द लिक्विड ये चीज क्लियर है तो इसी डायग्राम पर बेस सारी uh, मतलब कि हमारा uh, सारा डिस्कशन बेसिकली रहने वाला है हम सिंपली कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई एक कैरियर गैस है और ये जो कैरियर गैस है इसमें बेसिकली क्या है लाइक like हमारे पास इसमें है मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इसमें एयर है और प्लस एसोटो तो एसोटो हमारा सोल्यूट हो गया है ना देन इसके बाद में सी जो है वो सोल्यूट है सी जो है वो सोल्यूट है लाइक ओके एसोटू की जगह मैं यहाँ पर लाइक एसोटू ना लेके मैं यहां पर एयर तो हो गया देन सोल्यू जो है मैं यहाँ पर अमोनिया कंसिडर कर रहा हूं है ना मतलब एयर प्लस अमोनिया का मिक्सचर हमारे पास यहां पर फीड में है ना उसके अलावा कुछ हम सोल्यवेंट यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम जो सोल्यूट है बेसिकली अमोनिया उसको हम रिमूव करेंगे लाइक यहां पर अगर मैं बात करूँ सोलवेंट की तो वाटर हो जाएगा बिकॉज हमें पता है कि जो अमोनिया होता है वो वाटर में हाईली सोलिबल होता है ओके तो अगर लाइक आपको लिखना हो आपको अगर लिखना हो देखिए मोल हमने यहां पर देखा कि मोल मोल फ्रैक्शन जो है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन यहां पर अगर गैस के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो लाइक वाई वन लिखा हमने वाईवन मतलब जो हम लोग यहां पर जो गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो वाईवन जो हम कैसे लिखेंगे देखिए एनसी अपॉन ऑफ एन ए प्लस ऑफ एनसी मीन्स नंबर ऑफ मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैरियर गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब ये हो गया सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस सी नाउ उसके बाद अगर आपको लिखना हो यहां पर मोल रेशो तो मोल रेशो कैसे डिफाइन करेंगे कैपिटल कैपिटल कैसे डिफाइन करेंगे सोल्यूट मोल रेशो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट फ्री बेसिस तो इसमें देखिए क्या होता है सोल्यूट मतलब कि यहां पर क्या आएगा मोल ऑफ और सोल्यूटेटर में बेसिकली क्या आता है ओनली कैरियर गैस के मोल्स एनसी अपॉन ऑफ एन ए तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ये हो गया मोल फ्रैक्शन और ये हो गया मोल रेशो ना उसके बाद देखिए यहां से सिंपली आपको ये याद रखना है मतलब सिंपली देखिए अगर इन दोनों को हम लोग मतलब कि मोल फ्रैक्शन और मोल रेशो को अगर हम लोग लोगलेट करें तो यहां पर इनके बीच में रिलेशन मिलता है हमको कि जो मोल रेशो होता है मोल मोल फ्रैक्शन जो रहेगा मोल फ्रैक्शन वो देखिए मोल रेशो के साथ कैसे कोरिलेट uh, करते हैं हम लोग वाई वन इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल वाई वन इज इक्वल टू कैपिटल वाई वन प्लस वन प्लस वाई वन ये हो गया मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन हो गया उसके बाद अगर आपको लिखना हो कैपिटल वाई वन मतलब मोल रेशो अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे वाई वन अपन ऑफ वन माइनस वाई वन तो ये दोनों आपको याद रखना है इससे आप एक दूसरे मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हो मोल 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 फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो मोल अगर रेशो है तो उसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इज पर योर रिक्वायरमेंट ओके गाइस नाउ अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सोल्यूटिस सोल्यूट बैलेंस है ना तो हम लोग सिंपली क्या लिख रहे हैं कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस यहां पर लिख रहे हैं कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस ऑन सॉल्यूट सी

एल टू इंटू एक्स टू इज इक्वल टू आउटलेट में देखिए जी टू इंटू प्लस देखिए जी वन इंटू वाई वन प्लस एल टू इंटू एक्स टू इक्वल टू जी टू इंटू वाई टू प्लस ऑफ एल वन इंटू एक्स वन क्लियर है ना okay इस, इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताता हूं देखिए अगर आपको लिखना हो मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कैसे लिखोगे आप देखिए बिकॉज़ टोटल फ्लोरेट मतलब ये हमने क्या लिखा मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा देखिए इनलेट मतलब इनलेट फ्लोरेट में, uh, में यहाँ पे मोल ऑफ सो मतलब हमने लिखा है सोल्यूट इनलेट लिक्विड में है ना ये आउटलेट में मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने कैसे लिखा सिंपली देखिए जो मोलार फ्लोरेट है फ्लोरेट like, जीवन है उसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया उसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया उसके मोल फ्रेक्शन से मोल फ्रेक्शन ऑफ सोल्यूट से लाइक सेम मोल ऑफ सोल्यूट आप ऐसे लिख सकते थे कैपिटल जीएस कैपिटल जीएस बेसिकली क्या है सोल्यूट फ्री फ्लोरेट कैपिटल जीएस क्या है सोल्यूट फ्री फ्लोरेट इसको हमने मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल 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 से है ना बेसिकली किसको डिनोट मोल 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 ऑफ तो ये दोनों चीज बेसिकली क्या देने वाला आपका मोल ऑफ सोल्यूट देने वाला है लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ पर ये टोटल मोलर फ्लोरेट को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया यहां पर यहाँ पर सेकंड पर में क्या किया हमने जो सोल्यूट फ्री फ्लोरेट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया मोल रेशो से

तो द मोल्स ऑफ कैरियर गैस अगर आपको लिखना है मोल्स ऑफ कैरियर गैस जी एस कैसे कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू ये मोल्स ऑफ हो गए देन यहां पर हमको मिल गया जीवन अगर हम कॉमन ले लेते हैं वन माइनस वाई वन मीन जीएस आप लिख सकते हो जीएस इज इक्वल टू जी एस इज इक्वल टू जी वन इंटू वन माइनस वाई वन इस तरीके से हम जीएस जो है सोल्यूट फ्री फ्लोरेट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओके okay, गाइस तो so, अब नेक्स्ट देखिए ओके ये इक्वेशन यहां पर हमने लिखा था कंपोनेंट मास बैलेंस इक्वेशन जो लिखा था इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं थोड़ा सा यहां पर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं हमने लिखा देखिए कंपोनेंट मास बैलेंस तो कंपोनेंट मास बैलेंस हमको मिला देखिए जी वन इंटू वाई वन प्लस ऑफ एल टू इंटू एक्स टू इक्वल टू जी टू इंटू वाई टू प्लस ऑफ एल वन इंटू एक्स वन बेस ये आपका जो है ये सिंपल हमने कॉम्पोनेट मटेरियल बैलेंस लिखा है लेकिन यही मटेरियल बैलेंस अगर हम सोल्यूट फ्री बेसिस पे लिखे सोल्यूट फ्री बेसिस पे अगर हम ये लिखे तो सोल्यूट फ्री बेसिस में देखिए क्या चेंज जिस हो जाएगा देखिए सोल्यूट फ्री बेसिस पे ये जो वन है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे जीएस और वाई वन जो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे कैपिटल वाई वन ये आपका स्मॉल ये सब टाइम स्मॉल है देखिए है ना तो ये आपका मोल रेसो को डिनोट करेगा प्लस ऑफ एल टू की जगह क्या आएगा एल एस आएगा एल एस इंटू कैपिटल एक्स टू इक्वल टू जी एस इंटू कैपिटल वाई टू प्लस ऑफ एल एस इंटू कैपिटल एक्स वन ना अब हम इसको सोलिड फ्री बेसिस पे जो इक्वेशन लिख रहे हैं हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो यहां से हमको मिल जाता है जी एस इंटू वाई वन माइनस ऑफ वाई टू इज इक्वल टू एल एस इंटू एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू ये इक्वेशन हमको फाइनली मिल जाता है इसी इक्वेशन मतलब सोलिड फ्री बेसिस वाली इक्वेशन ही हम मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज करते हैं No. अगर अब हम यहां पर बात करें इक्वेशन मतलब ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन की बात करते हैं, तो हैं यहां पर देखिए इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन तो ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहां पर जस्ट इस इक्वेशन में देखिए हम क्या कर रहे हैं कॉम्पोनेट देखिए जो हमारे पास में इक्वेशन है कॉम्पोनेट मास बैलेंस बेस्ड ऑन द सोल्यूट फ्री बेसिस तो इस इक्वेशन में सिंपली हम क्या करेंगे देखिए जी एस इंटू वाई नॉट माइनस ऑफ वाई वन y नॉट माइनस ऑफ y1 वन इक्वल टू ls into x1 इंटू एक्स वन माइनस ऑफ एक्स मतलब सिंपली देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर देखिए ये हमारा absorption column है ये हमारा सिंपल गैस से लिक्विड में सॉल्यूट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है तो देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं कि ये जीएस फ्लोरेट है और यहाँ पर जो मतलब गैस का जो मतलब कि मोल रेशियो होगा वो यहां पर वाई नॉट हो गया आउटलेट में देखिए जीएस सोलिड फ्री फ्लोरेट हो गया देन यहां पर वाई वन जो है ये हो गया मोल रेशो देन लिक्विड का यहां पर देखिए एल एस हो गया उसका कंपोजिशन देन पर फ्लोरेट कंपोजिशन तो सिंपली देखिए हम यहां से जब इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन हमको क्या मिलेगा इस इक्वेशन से हम बेसिकली कैलकुलेट करने वाले हैं देखिए एल एस इंटू एक्स वन माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू जी एस इंटू वाई नॉट माइनस ऑफ वाई वाई वन मतलब हम यहां पर क्या कर रहे हैं जो कंपोनेंट uh, बेसिकली है basic, मतलब इस मतलब uh, जो कंपोनेंट है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं देखिए हमने क्या किया है यहां पर देखिए y2 जो है y2 को हमने क्या लिख दिया है वाई नोट लिख दिया और x2 को हमने क्या लिख दिया है को हमने क्या लिख दिया x x नोट लिख दिया ना यहां पर जैसे इसको x नोट लिख सकते हो x2 को हमने क्या लिख दिया x0 लिख दिया तो ये जो कंपोजिशन यहां पर चेंज करने के बाद हमको जो इक्वेशन मिलती है देखिए उससे हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन यहाँ से यहाँ से जो हमको मिलेगी उसकी आ, मतलब स्लोप बेसिकली क्या होगी एल एस अपोन जीएस यहाँ पर हमको स्लोप मिलेगी इस इक्वेशन की देखिए वाई नॉट माइनस ऑफ वाई वन इक्वल टू एल एपोन ऑफ जीएस इन टू मतलब जस्ट इसको अरेंज करके लिखोगे न, तो ना तो ये जीएस डिनोमीटर में आ जाएगा तो स्लोप जो इक्वेशन की वो हमको मिल जाएगी जीएस एल एस अपॉन ऑफ एल एस अपोन ऑफ जीएस तो ऑपरेटिंग लाइन uh, की जो मतलब इक्वेशन है उसकी स्लोप हमको यहां पर मिलती है स्लोप इज इक्वल टू एल एस अपॉन ऑफ जी एस ये इंपॉर्टेंट है एल एस अपन जी एस जो स्लोप मिल रही है तो सिंपली देखिए और इक्वेशन जो मिल रही है देखिए वो भी मैं लिख देता हूं इक्वेशन जो है वो हमको मिल जाएगी वाई इज इक्वल टू एल एस अपॉन ऑफ जी एस इज मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एक्स प्लस ऑफ वाई नॉट माइनस ऑफ एल एस अपन ऑफ जी एस इंटू एक्स वन ये इक्वेशन हमने कहां से लिखी है एल एस इंटू एक्स वन माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू जी एस टू वाई नॉट माइनस ऑफ वाई यहाँ से ये इक्वेशन हमने बेसिकली लिखी है इसको आप एक्स भी लिख सकते हो फिर एक्स नॉट भी लिख सकते हो मतलब इक्वेशन सिंपली क्या लिखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो यहाँ से हमने जो स्लोप है वो कमेंट कर दिया कि एल एस अपॉन जीएस जो है यहां पर स्लोप हो गई ओके okay गाइस तो अब देखिए सिंपली अगर मैं यहां पर बताऊं कि मतलब जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं देखिए एक बार ये चीज आपको याद रखनी ऑलवेज सिंपल की यहां पर देखिए इंट्रोड्यूस किया आपने फ्लोरिट इसका जो कंपोजिशन है लाइक वाई नॉट हम लिखते हैं मतलब इनिशियल फ्लोरेट है वो इनिशियल कंपोजिशन है उसका इसलिए लाइक अदरवाइज इसको रहने दीजिए नॉट हम लिखते हैं जीएस और वाई टू देन यहां पर आपको मिल रहा है यहाँ पर लिक्विड इनलेट uh, जो फ्लोरेट है वो एल एस हो गया देन यहां पर कंपोजिशन एक्स टू और आउटलेट में हो गया एल एस एंड एक्स वन अब देखिए हम सिंपली इसको कंसिडर कर रहे हैं कि एक एक सिंगल प्लेट है ना लाइक कॉलम है तो इसको हम लोग एज एल सिंगल प्लेट कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर देखिए ये जो कंपोजिशन है मतलब एक्स टू और वाई टू यह कब इक्विपीरियम में होगा उसके अलावा ये जो एक्स वन एंड वाई वन है ये कब में होगा वो कंडीशन हम यहां पर देखेंगे है ना उसके लिए कंडीशन हम इंट्रोड्यूस करेंगे मिनिमम सोल्वेंट मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर्ड वाली जब कंडीशन आती है तब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सा कंपोजिशन बेसिकली इक्विबेरियम में रहता है देखिए एक यहां पर मैं टॉपिक लिख रहा हूं मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर्ड तो मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड की जो हम बात कर रहे हैं ये क्यों क्यों कर रहे हैं बेसिकली देखिए लाइक आपको मतलब लाइक आपका कोई डिजाइड सेपरेशन यहाँ पर है तो अगर वो देखिए मिनिमम सॉल्वेंट लाइक अगर आप मतलब आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो हंड्रेड के अगर वो सेम जो अचीव मतलब कि जो आ, सेपरेशन जो आपको मतलब डिजायर कंपोजिशन चाहिए अगर वो 50 50 लीटर सॉल्वेंट से ही अगर अचीव हो रहा है देन आपको 100 लीटर सॉल्वेंट क्यों रिक्वायरमेंट मतलब यूज करने की क्या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हमको ये कैलकुलेट करना होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर्ड तो मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर्ड देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर ए फिक्स डिग्री ऑफ सेपरेशन है ना एक मतलब मतलब जो आपका आ, सेपरेशन है वो फिक्स है ना तो फॉर ए फिक्स डिग्री ऑफ सेपरेशन फॉर ए फिक्स डिग्री ऑफ सेपरेशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं

एल एस अपन ऑफ जीएस हो गई देखिए इनिशियल तो गैस यहां पर जो है, come, की इनिशियल कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का उसमें मतलब हाइयर रहेगा मतलब लो रहने वाला है, देन उसके बाद में, यहां पर देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंगली लिक्विड का जो कंपोजिशन है वो बेसिकली मिल रहा है एक्स वन लाइक हमने इनिशियल को एक्स वन डेज कंसिडर लिया ना और उसके अलावा ये एक्स टू है तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग लाइन अब देखिए गाइज यहां पर अगर इस कारो को हम आगे ड्रॉ करें देखिए लाइक ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देखिए एल एस मिनिमम कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो स्लोप है ना ये लाइक like, हमने यहां पर लिख दिया कि एल एस अपॉन जी एस हमारा यहाँ पर हमने लाइक like, डेस लिख दिया फिर हमने और सॉल्वेंट फ्लो को रिड्यूस कर दिया और हम सॉल्वेंट फ्लो को रिड्यूस कर देंगे तो हमारी जो ऑपरेटिंग लाइन है उसकी स्लोप डिक्रीज होती जाएगी और वो फाइनली देखिए किस पे इंटर करेगी इस पॉइंट पे इंटरसेट करेगी मतलब इक्विलिब्रियम लाइन पे इक्विलिब्रियम लाइन पे इंटरसेट करेगी ओके तो यहां पर इस लाइन की स्लोप बेसिकली रहने वाली है इस ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप एम इज इक्वल टू एल एस मिनिमम एल एस मिनिमम अपॉन ऑफ जीएस मतलब आप इतना ही सोल्वेंट फ्लोरेट रिड्यूस कर सकते हो जब फाइनल जो कंपोजिशन है वो आपके इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लाइन पे आ जाए है ना उसके बाद अगर आप लाइक like, uh, अगर सोल्वेंट फ्लोरेट अगर रिड्यूस करोगे तो उसके बाद क्या होने लग जाएगा बेसिकली मतलब इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिंच पॉइंट एक ही पिंच पॉइंट आ जाता है है ना ये पिंच पॉइंट बेसिकली होता है अगर पिंच पॉइंट के बाद भी अगर आप सोल्वेंट फ्लोरेट को अचीव मतलब कि जो का फ्लोरेट अगर उसको रिड्यूस करते हो तो उस केस में होता क्या है बेसिकली मतलब यहां तक तो ऑब्जॉप्शन हो रहा था है ना यहां तक तो ऑब्जॉप्शन हो रहा था उसके बाद में मतलब उस डिवाइस से मतलब पॉसिबल नहीं है ना उससे ज्यादा अगर आप मतलब उससे अगर कम सॉल्वेंट करोगे तो जो फाइनल कंपोजिशन जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते हो है ना मतलब कि एक सिंपल एक ही यूनिट में मतलब एक सिस्टम में पिंच पॉइंट के मतलब बाद तक आप सेपरेशन अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है ना तो इससे ज्यादा सोल्यूंट आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो ओके उसके बाद होना क्या लगेगा मतलब ऑब्जॉप्शन के साथ में डिजॉप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा ऑब्जॉप्शन के साथ में इस पॉइंट के बाद में डिजॉप्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो सिंपली हम इतना ही फ्लोरेट रिड्यूस करते हैं कि हम लोग आ, पिंच पॉइंट पिंच पॉइंट को अचीव कर ले अब देखिए इस पिच पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगी इस मतलब यहां पर देखिए ये जो जो था देखिए आउटलेट सॉल्वेंट में इंक्रीज होते जा रहा है लाइक एक्स एक्स टू डेज हो गया उसके बाद एक्स थ्री डेज हो गया लाइक like फाइनली ये जो ये जो पॉइंट है इस पर हमको मिल जाता है एक्स एक्स वन मैक्स एक्स वन जो है वो मैक्सिमम यहां पर मिलता है देखिए ये तो फिक्स था डिजायर्ड सेपरेशन का मतलब देखिए यहां पर यहां पर वाई वन माइनस वाई टू का जो डिफरेंस है लाइक like, मतलब ड्राइविंग फोर्स हम बोल सकते हैं ये तो फिक्स है है ना फिक्स मतलब कि फिक्स डिग्री ऑफ सेपरेशन के लिए हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ हम लोग सोलवेंट फ्लोरेट चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोलवेंट का जो आउटलेट कंपोजिशन है वो चेंज होने वाला है है ना एक्स टू तो यहाँ पर सोलवेंट का इनलेट कंपोजिशन है और उसके अलावा एक्स वन मैक्स जो है वो आउटलेट कंपोजिशन होगा ओके okay, गाइस और उसके अलावा देखिए हम लोग एक और चीज लिखते हैं देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर बात आती है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल के इक्वल होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोल रेशो, मोल रेशो जो होता है कैपिटल एक्स एक्स वो स्मॉल के इक्वल होगा एंड कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के इक्वल होगा मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है तो हम लोग इक्वल कंसिडर करते हैं अगर सोल्यूट डायलूट सोल्यूशन रखा है तो डायरेक्टली हम लोग मोल रेशो को ही मतलब मोल फ्रैक्शन को ही मोल रेशो कंसिडर कर लेते हैं ओके गाइस तो ये ये है बेसिकली कंसेप्ट

है ना लिक्विड का आउटलेट कंसंट्रेशन और यहां पर गैस का इनलेट कंसंट्रेशन ये दोनों क्या होता है बिकॉज ये एक्स वन बेसिकली क्या हो जाएगा मैक्स हो जाएगा एल एस मिनिमम केस में है ना ये एक्स वन देखिए ये यहां पर आउटलेट कंपोजिशन ही तो लिक्विड का ये मैक्स हो जाएगा तो ये दोनों बेसिकली क्या होता है इक्विलिब्रियम में होते हैं अगर आपको एल एस मिनिमम कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप जो गिवन आपको लाइक वाई इक्वल टू फाइव टाइम वाई इक्वल टू जो वाई फंशन है एक्स का है ना ये इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप गिवन है तो सिंपली वहां पर आप लिख सकते हो वाई वन इज फंक्शन ऑफ एक्स वन ये आप लिख सकते हो एल एस के लिए इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप को होल्ड करेगा क्लियर है ये चीज क्लियर है ना उसके बाद हम बात करेंगे अभी हम ऑब्जॉक्शन पढ़ रहे हैं जब हम लोग नेक्स्ट ओके सॉरी ओके नेक्स्ट हाँ सो so, देखिए यह हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट हम स्टिपिंग और डिजॉप्शन जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जीएस मिनिमम कैलकुलेट करना होता है जीएस मिनिमम के लिए जो टॉप प्रोडक्ट होते हैं मतलब टॉप uh, 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 जो कंसंट्रेशन है एक्सटूर वाइट वो बेसिकली क्या होता है इक्विबिरियम में होता है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख देता हूं देखिए ओके okay, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल हम लोग अब्जॉप्शन देखिए एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस किया कि ऑपरेटिंग लाइन जो है वो इक्विबिर लाइन के ऊपर मिल रहा है में absorption के, के केस में जो ऑपरेटिंग लाइन है ये भी क्वेश्चन गेट में पूछा गया वन मार्क्स का ऑपरेटिंग लाइन जो है वो आपका अबव होता है इक्विबिरियम लाइन से इक्विबिरियम लाइन से अबव होता है ऑपरेटिंग लाइन देन इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजॉपन और स्टिपिंग जिसे हम बोलते हैं स्टिपिंग में क्या होता है कि हमारा जो मतलब मेन जो फ्लोरेट है वो होता है मतलब हमारा लाइक फीड हम बोल सकते हैं हमारे सिस्टम का जो फीड है वो लिक्विड है तो हम वहां पर गैस यूज करते हैं तो गैस की हेल्प से हम लोग जो सोल्यूट है जो लिक्विड में है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं ना तो वहां पर जस्ट डिजॉप्शन मतलब इसको हम लोग डिजॉप्शन को हम क्या बोल सकते हैं स्टिपिंग बोल सकते हैं तो स्टिपिंग में बेसिकली क्या होता है लिक्विड से सोल्यूट ट्रांसफर होता है गैस में यहां पर क्या हो रहा है गैस से बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड में सो यहां पर स्टिपिंग हो गया स्टिपिंग के लिए हम देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग लाइन हमको मिलेगी ऑपरेटिंग लाइन की जो इक्वेशन है वो रहेगी बिलो बिलो इक्विबीरियम लाइन। ओके, ियम लाइन हम कैसे करते हैं बेसिकली, okay, जो uh, आपको गिवन रहता है, फंक्शन ऑफ द एक्स वहां से हम लोग एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके वाई की हमको वैल्यू मिलती है, से हम लोग इक्विबरियम लाइन ड्रॉ करते हैं okay, guys, तो सिंपली यहां पर हमने देखा कि ये मतलब जब हम लोग एल एस मिनिमम की कंडीशन कंडीशन जब अचीव करते हैं तो वहां पर सिंपली क्या होता है कि जो कंपोजिशन है वाई वन और एक्स वन मैक्स ये बेसिकली क्या होता है इक्लिबरियम लाइन पे भी प्रेजेंट मतलब ऑपरेटिंग लाइन पे भी प्रेजेंट और इक्लिबेम लाइन पे भी प्रेजेंट है इसलिए ये बेसिकली क्या करते हैं जो आपका इक्लिब्रियम रिलेशनशिप है उसको भी सेटिस्फाई करते हैं बट गाइज देखिए स्टिल यहां पर जो हम हम लोगों को जो एल एस मिलता है हमको जो एल एस मिलता है बेसिकली एलिस मिनिमम मतलब वो आपका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मतलब सॉल्वेंट फ्लोरेट नहीं होता है ऑलवेज जो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बेसिकली फ्लोरेट जो होता है सोलवेंट का ऑपरेटिंग फ्लोरेट ऑफ सोलवेंट वो ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द

मटेरियल बैलेंस फॉर मटेरियल बैलेंस फॉर स्ट्रिपिंग मटेरियल बैलेंस फॉर स्ट्रिपिंग और डिजॉप्शन ओके तो देखिए सिंपली इसमें हम लोग मतलब देखिए काउंटर करंटी में डिस्कस कर रहा हूं अभी तक जो डिस्कशन हमने किया है तो सिंपली यहां पर क्या होता होगा लिक्विड से सोल्यूड जो है ट्रांसफर होगा गैस में ओके okay, बाकी रिमेनिंग चीजें सेम है यहां पर देखिए देन देन पर पर हो जाएगा G2, Y2, Gs, Y2, है ना इनलेट कंपोजिशन देखिए एल टू स्मॉल एक्स टू देन यहां पर हो एल एस यहां पर कैपिटल एक्स टू यहां पर आउटलेट में देखिए एल वन स्मॉल एक्स वन देन यहां पर एल एस देन इसके बाद में एक्स वन कैपिटल एक्स वन तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं देखिए हमने काउंटर करंट अरेंजमेंट ड्रॉ किया है तो हम लिख रहे हैं पर काउंटर काउंटर करंट करंट स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग प्रोसेस हम देख रहे हैं तो काउंटर करंट स्ट्रिपिंग प्रोसेस के लिए जब सोल्यूट फ्री बेसिस हम मतलब कि कॉम्पोनेट बैलेंस हम लिखेंगे है ना कॉम्पोनेट मटेरियल बैलेंस जब लिखेंगे हम सोलूट फ्री सोल्यूट फ्री कॉम्पोनेट बैलेंस जब लिखेंगे तो हमको सिंपली क्या मिल जाएगा सिंपल जी एस इंटू वाई वन प्लस एल एस इंटू एक्स टू क्वल टू जी एस इंटू वाई टू प्लस इंटू वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एल एस इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन सेम मिल रहा है देन स्लोप जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप भी हमको मिल जाएगी एल एस अपॉन तो स्टिपिंग के लिए जो काउंटर करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं मतलब काउंटर काउंटर करंट स्टिपिंग के लिए जो हम स्लोप स्लोप हमको मिलते देखिए वो एल एस अपॉन मिल रहा है ओके बट यहां पर होता क्या है कि जो स्लोप तो पॉजिटिव है मतलब स्लोप हमको पॉजिटिव मिल रही है लेकिन इक्लिबियम लाइन जो है यहां पर देखिए ये इक्विबरियम लाइन में रहा है तो हमको यहां पर ऑपरेटिंग लाइन की जो इक्वेशन है फॉर फॉर ऑपरेटिंग लाइन की जो इक्वेशन है वो हमको यहां पर बिलो बेसिकली कर्व के बिलो मिलती है ना ये इंपॉर्टेंट टाइम है ना इस, जो uh, आप मतलब एक्चुअल डाटा हमारे पास रहेगा उससे ड्रॉ करके आप देखोगे तो ऑलवेज इक्विबेरियम लाइन ऑपरेटिंग लाइन जो बेसिकली बेसिकली जो मिलेगी हमको स्टिपिंग के लिए वो इक्विबियम लाइन के बिलो आपको मिलेगी ऑलवेज ओके okay? ना उसके अलावा अगर आप, आप कोकरेंट मतलब कोकरेंट अरेंजमेंट के लिए कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग लाइन और उसकी स्लोप तो आपको मिलेगी माइनस एल एफनजी मतलब बिलो रहेगी इक्विलिब्रियम लाइन के लेकिन जो स्लोप है वो नेगेटिव मिलेगी और स्टिपिंग के केस के में देखिए हम यूज क्या कर रहे हैं गैस फ्लोरेट यूज कर रहे हैं गैस फ्लोरेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर मतलब डिजायर्ड सेपरेशन अचीव करने के लिए लिक्विड में से सोल्युड का कंपोजिशन मतलब रिमूव करने के लिए तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम मतलब मिनिमम फ्लोरेट कौन सी बात करेंगे हम लोग जीएस मिनिमम की बात करेंगे गेस फ्लोरेट जो है उसकी मिनिमम फ्लोरेट की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर जीएस मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करते हैं अगर मैं ग्राफ करूं यहां पर <laughs> सॉरी तो देखिए अब अगर डिजाइड सेपरेशन की हम बात करें अगर मतलब कि एक फिक्स सेपरेशन तो फिक्स सेपरेशन यहां पर देखिए एक्स वन और एक्स टू का जो डिफरेंस है वो फिक्स है है ना यहां एक्स वन और एक्स टू का जो डिफरेंस है वो फिक्स है हमारे पास ये इनलेट मतलब लिक्विड में इनलेट आ,

ओके okay, ये तो फिक्स हो गया जब हम लोग यहां पर जीएस जो है इस जीएस को जब रिड्यूस करेंगे तो इस ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन क्या होगी इंक्रीज मतलब इसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज होगी है ना जब जीएस डिक्रीज होगा तो एल एस अपॉन जीएस जो है वो इंक्रीज होगा तो ये अल्टीमेटली फाइनली हम ऐसे पॉइंट पे जब जीएस को रिड्यूस करते जाएंगे तो हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट को हम बोलते हैं पिंच पॉइंट ये आपका पिंच पॉइंट होता है और यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो Y का का होगा 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 वो वो क्या होगा? Y max होगा, मतलब Y2 max. Outlet composition जो है का, वो max होगा. पर देखिए इसके corresponding, इसके correspondingly Y1 था और इनिशियली वाई टू लेकिन यहां पर Y2 max हमको मिल जाएगा जब हम लोग जीएस मिनिमम यूज करेंगे okay guys, तो अब आपको जीएस मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करना है मतलब ये जो कंपोजिशन है एक्स टू एंड

मतलब काउंटर करंट अरेंजमेंट में बात कर रहा हूं काउंटर करंट काउंटर करंट अरेंजमेंट में जो टॉप कंपोजिशन है लिक्विड एंड गैस के वो दोनों मतलब जीएस मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम को होल्ड करेंगे और उसके अलावा जो बॉटम कंपोजिशन है एक्स वन एंड वाई वन वो एल एस मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप को होल्ड करेंगे मतलब सिंपल फंडा कोई कंफ्यूजन नहीं है कुछ नहीं सोचना ज्यादा आपको इतना चीज आपको पता है देन इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ओके okay no, अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखिए अब्जॉप्शन अगर गेट एग्जाम में आपको पूछा जाए कि अब्जॉप्शन मतलब एक्जोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो को हम लोग लिखेंगे एक्जोथर्मिक प्रोसेस ऑब्जॉप्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस

जीएस मिनिमम हम कैलकुलेट करते हैं फॉर स्टिपिंग एंड केस एंड ये हम यूज करते हैं फॉर अब्जॉप केस एंड यहाँ पर ये यह हम करेंगे स्टिपिंग के लिए ओके एल एस हमने देखा कि एल मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली जो मतलब जो यहाँ पर बॉटम कंपोजिशन जो है बेसिकली वो मतलब की मतलब होल्ड करते हैं मतलब वाई वन इज फंक्शन ऑफ द एक्स वन में

ड्रॉ कर रहा हूं ना ये वाई हो गया ये एक्स हो गया तो ये सिंपली हमने ड्रॉ किया सबसे पहले लाइक like, ये आपका हो गया लाइन कर रहे हैं ओके सॉरी ये देखिए ये इक्विबरियम लाइन हमने ड्रॉ कर दिया दो इक्वीबरियम लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ना अब देखिए अब्जॉप्शन की हम बात कर रहे हैं तो अब्जोपन में देखिए लाइक यहां पर अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं सिंपली ये मेरा लाइक प्रेशर P1 हो गया ये प्रेशर P2 के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम लाइन आपको मिलेगी ये इक्विलिब्रियम लाइन है ये P1 प्रेशर पे है इक्विलिब्रियम लाइन और ये P2 प्रेशर पे है इक्विलिब्रियम लाइन ना अब देखिए हम ऑपरेटिंग लाइन ड्रो करते हैं तो ऑपरेटिंग लाइन जिसकी स्लोप सिंपल एल एस अपन रहेगी ऑपरेटिंग लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग लाइन देखिए जब ड्रॉ करेंगे लाइक इस टाइप से हमको ऑपरेटिंग लाइन मिल रही है ये आपको मिल गई ऑपरेटिंग लाइन एल एसअपन जीएस इसकी स्लोप है ओके सो so, अब देखिए लाइक ये इसके जो पॉइंट मिले ये वाई टू मिल गया यहां पर ये एक्स टू मिल गया और यहां पर कुछ पॉइंट होंगे ना अब देखिए जैसे जैसे हम लोग इस एल एस को मतलब रिड्यूस करेंगे एलएस को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे मतलब फ्लोरेट जो है सोल्वेंट फ्लोरेट जब हम रिड्यूस करेंगे तो इसकी जो स्लोप है वो डिक्रीज होती जाएगी स्लोप डिक्रीज होती जाएगी तो लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी लाइक यहां पर लाइक पी वन प्रेशर पे इस पॉइंट पे पिंच पॉइंट पे मतलब कि मतलब, मतलब इस पॉइंट आ फ्लोरेट को जो है यूज करें पीटू तो देखिए यहां पर पिंच पॉइंट जो है हम लोग और सोलवेंट फ्लोरेट रिड्यूस कर सकते हैं फाइनली उसके बाद पिंच पॉइंट आता है ये वाला पिंच पॉइंट यहाँ पर पीटू प्रेशर के लिए और यहां पर कंडीशन ये देखिए कि पीवन जो टू जो है वो ग्रेटर देन पीवन है मतलब पीटू जो है हाइर प्रेशर

एल एस मिनिमम हम चेंज कर रहे हैं तो एल एस जीएस तो हम फिक्स कर रहे हैं जीएस हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं देखिए एल एस मिनिमम यहाँ से हमको क्या मिलता है जब ये बेसिकली ये जो रेशो है एल एस मिनिमम अपॉन जीएस मिनिमम एट प्रेशर पी वन इज ग्रेटर देन एल एन एल एस मिनिमम अपॉन जीएस है तो यहां पर सिंपली हमको मिल रहा है कि जो एल एस मिनिमम जो है एल एस मिनिमम जो है एट प्रेशर पी वन वो ग्रेटर देन होगा एल एस मिनिमम एट प्रेशर पी टू तो मतलब कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो हम सोलवेंट सोलेंट फ्लोराइड को और रिड्यूस कर सकते हैं तो हम सिंपली है बिकॉज मतलब हमने देखा कि ऑब्जॉर्प्शन क्या है एक्जोथर्मिक प्रोसेस है एक्जोथर्मिक तो वहां पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है मीन्स अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो सेम सेपरेशन सेम डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है हम लोग लो सोलेंट फ्लोराइड के साथ भी अचीव कर सकते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर इंक्रीज करके सोलवेंट फ्लोराइड जो है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं और सेम सेपरेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं क्लियर है गाइस अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैक्ट कॉलम की मतलब हम लोग बात ऑब्जॉर्शन की कर रहे हैं लेकिन हम लोग पैक्ट कॉलम की बात करेंगे देखिए सो सिंपली मैं यहां पर लिख रहा हूं हाइट ऑफ पैक्ट कॉलम बिकॉज पैक्ट कॉलम में तो इंपॉर्टेंट होता है पैक्ट कॉलम की हाइट कैलकुलेट करना हाइट ऑफ पैक्ट कॉलम देखिए पैक्ट कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट कॉलम भी बोलते हैं तो जब हाइट ऑफ पैक्ट कॉलम पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग दो चीज डिस्कस करते हैं एच टीयू एंड एन टीयू एच टीय एंड एन टीयू बेसिकली हम डिस्कस करते हैं एच टी एंड एन टीयू मेथड भी आप इसे बोल सकते हो ओके गाइस सो यहां पर देखिए हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेसिकली होता है तो पैक्ड कॉलम में देखिए मतलब इंपॉर्टेंट तो रहता है पैकिंग होता है उसके अलावा डायमीटर ऑफ द कॉलम डायमीटर ऑफ द कॉलम होता है ना उसके अलावा क्या होता है uh, मतलब कॉलम uh, uh, जो पैकिंग होता है एग्जैक्टली exactly, ना एक तो पैकिंग की हाइट होगी उसके अलावा जो हाइट ऑफ द कॉलम है ना ये सब चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं तो अब देखिए सिंपली हम यहाँ पर करते क्या है पैक्ड कॉलम में लाइक ये आपका पैक्ड कॉलम हो गया

सिंपल यहां पर क्या हो रहा है जब हम कॉलम के मतलब बॉटम से टॉप की तरफ ट्रेवल करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं मतलब जब टॉप की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो हो क्या रहा है मूव करने पर जीएस मतलब जो जो गैस है उसमें मतलब सोल्यूट का कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है और जो लिक्विड है ओके okay, जो लिक्विड यहां पर है उसमें भी सोलिड का कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है बिकॉज मतलब बॉटम में इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है सोल्यूड का लिक्विड में लेकिन टॉप की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो दोनों में बेसिकली सोलिड का क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, है ना सोल्यूड क्वांटिटी इज डिक्रीज इन द गेस मिक्सर मतलब ओनली गैस मिक्सर की बात करें तो हर एक पॉइंट पे जब हम टॉप की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है मतलब कि सोल्यूड की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है सोल्यूड की जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है सोल्यूड क्वांटिटी सॉलिड क्वांटिटी जो है वो क्या होगी रिड्यूस होगी गैस फेस में तो यहां पर सिंपली हम लोग बैलेंस लिखते हैं देखिए सेम ड्यूरेशन पे क्या होगा देखिए रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट सी बाय गैस फेस इज इक्वल टू बाय गैस फेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रेट ऑफ गेन द रेट ऑफ गेन ऑफ सॉल्यूट सी बाय द लिक्विड फेस बाय द लिक्विड फेस ये सिंपल बैलेंस हम लिख रहे हैं यहां पर तो देखिए यहां से मतलब हमको क्या मिलता है देखिए माइनस डी अपॉन माइनस डी ऑफ जी इंटू वाई इक्वल टू डी ऑफ एल इंटू एक्स तो अब मतलब ये तो मैंने जस्ट uh, मतलब टॉप uh, की तरह मूव करने की uh, हमने बात की लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखे गैस फेज में क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है और लिक्विड फेज में क्या हो रहा? क्या हो हो रहा रहा है है इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर देखिए ये जो चेंज है G y, ना अमाउंट ऑफ ये आपका रिड्यूस मतलब लिक्विड फेज की अगर बात करें तो बॉटम की इंक्रीज जब, जब तो जाता है तो सिंपली मतलब ओवरऑल अगर हम लोग कॉलम में देखे तो गैस फेस में सॉल्यूट का होगा हो इंक्रीज होगा तो यहां से हम लोग मतलब हाइट ऑफ कॉलम कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन तो इसमें देखिए हम इसको आगे जब लिखते हैं तो यह, हमको ये मिल जाता है जी इंटू डी वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू एल इंटू डी एक्स ऑफ अपॉन ऑफ वन माइनस एक्स फाइनली जो मैं डायरेक्टली यहां पर देखेगा इस मतलब जेड कैलकुलेट करने के लिए यहां पर टर्म्स लिख रहा हूं देखिए जेड हम लोग मतलब हाइट ऑफ पेक्ट कॉलम डिफाइन करते हैं जेड इज इक्वल टू एच टीय इन टू एन टी यू एस एम डिफाइन करते हैं जेड इज इक्वल टू एच टीय इन टू एन टी यू तो सबसे देखिए हम यहां पर टोटल फोर टाइप मतलब फोर टाइप डिस्कस करेंगे uh, मतलब जेड uh, जो है इसके लिए फॉर्मूले है ना फोर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे देखिए कहां से मिलता है हमको ये जेड जो है सिंपली देखिए मतलब इसमें एच टीय एंड एन टीयू का जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ओके okay. तो सिंपली यहां पर देखिए पहला जो फॉर्म है जेड का वो है मतलब एक जैसे एक फॉर्म तो मैंने बता दिया एच टी एन तो जेड का जो पहला फॉर्म है वो है देखिए एच टी जी इन टू एन टीजी जी इन टू एन एच इन एन टीजी एच टीजी डिनोट रहा है बेसिकली हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट एच एच मतलब हमें पता है देखिए एच टी होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट तो हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट ये किसको डिनोट कर रहा है ये हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट ये है बेसिकली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल मास ट्रांसफर ऑफ गैस

एन टीओजी तो ये चीज में यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है देखिए एच किसको डिनोट कर रहा है द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफ़िशिएंट ऑफ गैस साइड यहाँ पर ये यह हो गया इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोएफ़िशिएंट यहाँ पर भी मास ट्रांसफर कोफिशियंट मतलब आपका गैस uh, साइड हो गया और यहां पर भी साइड गे साइड मास्ट्रांसर ऑफिशन लेकिन यहां पर ओवरऑल मास्ट ट्रांसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां से हमको देखिए फॉर्मूला मिलता है जेड इज इक्वल टू तो, पहली फॉर्म के लिए जेड इज इक्वल टू तो, जी डेस अपन ऑफ स्मॉल के वाई इंटू बिकॉज इंडिजुअल मास्ट्रांस ऑफिशन यूज कर रहे हैं एच टीजी किसको डिनोट कर रहा है हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल इंडिजुअल तो यहां पर देखिए स्मॉल के वाई लिखा देन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ एन टीजी हमको मिलता है डी वाई अपॉन ऑफ वाई माइनस वाई आई और यहां पर जो लिमिट है वो हो जाएगा वाई टू से वाई वन तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया यहां पर इन दोनों टे एच टीजी है ना ये और सेकेंड जो टर्म है वो एन टीजी को डिनोट कर रहा है लिखे जेड इज इक्वल टू यहां से हमको क्या मिल जाएगा जीड एज अपॉन ऑफ कैपिटल के इन टू ए जो ए बेसिकली हम टर्म यूज कर रहे हैं देखिए यहां पर कैपेसिटी कॉफिशियंट होता है, a, एक जो हम कर है इसे हम बोलते हैं okay. ओके okay, ये जस्ट एरिया होता है लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ट्रांसफर कॉफिशियंट से तो हमको बेसिकली मिलता है कैपेसिटी 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 तो यहां पर हम लिख रहे थे देखिए एच टीओजीओजी के लिए वैल्यू तो जी डे अपॉन ऑफ कैपिटल के वाई इंटू ए इज मल्टीप्लाई बाय इज मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन ऑफ वाई माइनस वाई स्टार तो हमें पता है यहां पर देखिए जब ओवरऑल जब ओवरऑल मास ट्रांसफर कॉफिशियन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन बेसिकली कंसंट्रेशन बेसिकली क्या आ जाती है ियम कंसंट्रेशन आ जाती है है ना सिंपली तो यहाँ पर वाई आई जो था इंटरफेशियल उसकी जगह यहां पर क्या आ गया इक्विबिरियम कंसेंट्रेशन तो ये दोनों फॉर्म आपको याद रहेगी ना हम no, अब लिखते हैं थर्ड फॉर्म थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म देखिए हम लिखते हैं सिंपली जेड इक्वल टू एच टीय इन टू एन टी यू तो इसी पे बेस हम लिख रहे हैं यहां पर देखिए अगर जेड इक्वल टू एच टी एल होगा एच टी एल इन टू ली यहां पर फोर्थ फॉर्म हम लिख रहे हैं देखिए जेड इक्वल टू अगर एच टी ओ एल होगा इन टू एन टी ओ एल मतलब सेम यहां पर देखिए हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट को डिफाइन करेगा बट बेस्ट ऑन इंडिजुअल मास्ट्रांसर कॉपेशन ऑफ लिक्विड साइड ये नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट होगा बेस्ट ऑन द इंडिजुअल मास्ट आंसर कॉपेशन ऑफ लिक्विड साइड ये सेम यहां पर हाइट ऑफ ट्रांसफर होगा बट बेस्ट ऑन दल बेस्ट ऑन दल मास्टर ऑफ लिक्विड साइड यहाँ परिक्विड साइड यह तो सिंपली यहां पर हमको जेड के लिए फॉर्मुला मिल जाता है देखिए देखिए अब जो यहां यहां पर यहाँ पर फ्लोरेट यूज कर रहे थे उसको हम अब किस कन्वर्ट कर देंगे एल एलडेस में सो एल एलडेस अपॉन ऑफ स्मॉल के एक्स इंटू ए यहां पर देखिए मास ट्रांसफर मास्ट साइड था इसलिए के वाई था स्मॉल के वाई इन कैपिटल के वाई यहां पर स्मॉल के एक्स आ जाएगा तो एल एलडेस अपॉन ऑफ स्मॉल के एक्स इंटू ए इज मल्टीप्लाई बाय इज मल्टीप्लाई बाय देखिए यहां पर वहां पर डीवाई था यहां पर डी एक्स आ गया वहां पर था वाई माइनस वाई आई यहां पर हो जाएगा एक्स आई माइनस ऑफ एक्स

है, मतलब एक दूसरे को याद रख सकते हो आप एक अगर आपको याद है तो उसके बेस पर आप सारे लिख सकते हो ओके गाइस गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन जेड कैलकुलेट करना जेड तो लाइक like, एन NT, मतलब एन uh, कैलकुलेट करना HT, मतलब, ज्यादा चीजें नहीं पूछता है कैलकुलेट करनी होती है मोस्टली ऐसे क्वेश्चन रहते हैं गेट एग्जाम में जो डिस्कशन है वो हम मूव करते हैं आगे पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूँ इफ ऑपरेटिंग लाइन कंडीशन गिवन है मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे भी इक्वेशन और उससे पहले सिंपल uh, हम uh, मतलब ऑपरेटिंग लाइन और इक्विबियम लाइन अगर पैरेलल होता है लीनियर होता है तो उस केस में क्या होता है देखिए इफ ऑपरेटिंग लाइन इफ ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्रियम लाइन इफ ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्बिरियम लाइन लाइन आर बोथ आर लीनियर इफ इक्रियम ओके इफ ऑपरेटिंग एंड इक्रियम लाइंस आर आर लीनियर तो उस केस में देखिए क्या होता है अगर स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है कि पैरेलल है सिंपल मतलब okay, लीनियर का मतलब तो ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन है ना दोनों तो यहां पर देखिए हम लोग एनटू हम लोग एनट्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट जब ऑब्जॉप फैक्टर जो है अगर वो नॉट इक्वल टू वन हो

तो गेट में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया गाइस डायरेक्टली जैसे आपको फैक्टर कैलकुलेट करना ये कुछ ना, कुछ ना, तो हो गया बेसिकली स्लोपरेटिंग लाइन एल एस अपन ऑफ जी एस और इक्विलिब्रियम लाइन का स्लोप एम तो यहां से हम इसको याद रखें देखिए हम याद रखना है ये हो गया ऑब्जॉप्शन फैक्टर नाउ

वाई वन माइनस ऑफ एम इंटू एक्स टू अपॉन ऑफ वाई टू माइनस ऑफ एम इंटू एक्स वन एम इंटू एक्स वन इंटू वन माइनस वन अपॉन ए प्लस ऑफ वन अपॉन ए इज डिडेड बाई वन इज डिडेड बाई वन माइनस वन अपॉन ए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है यहां पर है ना ये पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं एंटीओजी के लिए सेकंड फॉर्मूला देखिए सेकेंड हम लिख रहे हैं एनटी ओएल के लिए सिंपली तो इसमें क्या आ जाएगा देखिए एल एन ऑफ यहां पर ये देखिए चेंजेस जो आएगा वो नोटिस कीजिए एल एन ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ वाई वन अपॉन एम इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ वन डिडेड मल्टीप्लाई बाई वन माइनस ए प्लस ऑफ एज डिड बाई वन माइनस ऑफ ए

ऑबजॉप्शन फैक्टर इक्वल टू अगर वन हो जाए तो हम जो एक्सप्रेशन है एंट्यू के लिए वो यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए और वो किसके हो जाएगा देखिए मीनस इसमें क्या हो रहा है अगर ऑब्जॉप्शन फैक्टर वन हो गया ऑब्जॉप्शन फैक्टर वन हो गया उसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग लाइन ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्विबीरियम लाइन जो बेसिकली है ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्बिरियम लाइन वो दोनों बेसिकली क्या है लीनियर है बट पेलल है आर पेरल आर पेरल एंड लीनियर है ना मतलब देखिए इसमें आपका इक्वीबरियम लाइन ऐसा है ऑपरेटिंग लाइन भी ऐसा है ना इक्वीबेम लाइन ऑब्जॉप के लिए लिख रहे तो ये आपका इक्वीबरियम लाइन हो गया तो ये आपका ऑपरेटिंग लाइन हो गया दोनों पैरेलल है और लीनियर है पहले वाले केस में था लीनियर का मतलब तो देखिए ऐसा भी लाइन हो सकता है

एट वन माइनस ऑफ वाई माइनस वाई स्टार एट टू इज डिवाइडेड बाय एट तो इस तरीके से हम लोग यहां पर लिखते हैं एन ऑफ ट्रांसफर यूनिट ओके गाइस उसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया जब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम लोग मोल रेशियो लिख देते हैं ना उसके बाद गाइस देखिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ओवरऑल एच टीय है ना एच टीयू के बीच में और अन्तियू, अन्तियू के बीच में कैसे मतलब हम लोग रिलेशन लिखते हैं देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ओवरऑल इंडिविजुअल एंड ओवरऑल एच टीयू इंडिजुअल एंड ओवरऑल एच टीयू के बीच में देखिए रिलेशन हम यहां पर लिख रहे हैं तो पहला यहां पर देखिए एच जो है उसको हम लोग कैसे कोरिलेट कर रहे हैं एच टीजी से एच टीओजी मतलब सिंपली यहां पर एच टीओजी uh, तो जो है वो हो जाएगा एच टी जी प्लस ऑफ एच टी एल अपॉन ऑफ ए ये आपको याद रखना है देन इसके अलावा यहां पर देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं एच के केस में क्या हो जाएगा देखिए एच टी ओ एल के केस में ये हो जाएगा एच टी एल प्लस ऑफ ए इंटू एच टीजी हमको मिल जाता है सेकेंड फॉर्म देन इसके अलावा यहां पर एक और रिलेशन हम लिख रहे हैं एन के केस में देखिए वन अपॉन एन टी ओ जी इज इक्वल टू होता है हम लोग ए इंटू एन टी एल इस तरीके से हम लोग लो याद रख सकते हैं इनके कोरिलेशन

ट्रे कॉलम तो कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्रमशन इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है के इस, इस तरीके से आपको लिखना है यहां पर ड्रॉ डायग्राम करना है ऑलवेज काउंटर करंट के लिए हम लोग बात करते हैं तो यहां पर लाइक like, ये ट्रे वन टू थ्री हो गया है ना वन टू थ्री नंबर जो होगी उसमें से देखिए मतलब ये अगर एन ट्रे है तो एन प्लस वन ट्रे से हमको सोलवेंट फ्लोरेट मिलेगा जी एन प्लस वन और उसका कंपोजिशन जो वाई एन प्लस वन और वन फर्स्ट ट्रे से आउटलेट में हमको क्या मिलेगा जी वन एंड वाई वन देन उसके अलावा यहां पर इंट्रोड्यूस जो होगा देखिए इससे मतलब तो ये फर्स्ट ट्रे होगी तो इससे पहले वाली ट्रे क्या होगी जीरो ट्रे तो ये हो गया एल नॉट एंड एक्स नॉट उसके अलावा आउटलेट में देखिए एल एन एंड एक्स एन ये क्लियर है ये नंबर ऑफ मतलब ट्रेज यहां पर हो गए अभी पेक्ट कॉलम की हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम नंबर ट्रे कॉलम की बात कर रहे हैं तो देखिए देखिये अब्जॉप्शन की हम बात कर रहे हैं अगर फैक्टर जो ए जो है अगर वो नॉट इक्वल टू वन है तो हम कैसे लिखते हैं देखिए एनपी नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट नॉट नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट यहां पर नंबर ऑफ टेज की हम बात करेंगे एनपी इज इक्वल टू देखिए एल एन इंटू वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ एम इंटू एक्स नॉट इज डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस ऑफ एम इंटू एक्स नॉट ये हो गया यहां पर में एल एन into minus टू वन माइनस ऑफ minus of माइनस upon, upon a plus of प्लस upon a. अब ए में देखिए वहां पर आता था सिंपली वन minus वन minus upon a. लेकिन यहां पर क्या होगा ln of a. मतलब मैं पेट कॉलम की बात कर रहा था जहां पर हम लोग एंटीओजी एं, 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 लिखते हैं उससे कॉरिलेट कर रहा था देन उसके अलावा ये हो गया ऑब्जॉर्प्शन के लिए एनपी देन अगर हम लोग स्टिपिंग के लिए लिखे तो स्टिपिंग के लिए देखिए कैसे चेंज हो जाएगा स्टिपिंग के लिए जहां पर फैक्टर नॉट इक्वल टू वन है बिकॉज़ फैक्टर आपका uh, मतलब कि स्टेपिंग फैक्टर का जस्ट होगा ना तो यहां पर देखिए सिंपली एनपी जो है वो हो जाएगा एल एन ऑफ एल एन ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई एन प्लस ऑफ वाई एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एम इन टू में देखिए वन माइनस ए आएगा प्लस ऑफ ए आएगा डिनोमेटर में लेकिन क्या आएगा वहां पर आता था वन माइनस ए यहां पर आएगा एल एन ऑफ वन अपॉन ए इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है यहां पर देखिए आप सिंपली मतलब ये आउटलेट फ्लोरेट इनलेट फ्लोरेट हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज आपको समझ आनी चाहिए ओके okay? सो so, यहां पर देखिए मतलब ये जो y1 है और ये वाई एन प्लस वन है ये देखिए यहां पर इन मतलब ये y इन वाई यहां पर ये y आउट हो गया लेकिन उसके अलावा ये जो है मतलब इनलेट कंपोजिशन ये देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं m एन टू एक्स नॉट एम इन टू एक्स नॉट उसके बाद ये हम हम लोग बात कर रहे हैं अब्जॉप्शन बिकॉज ये फिक्स अब्जॉप्शन वाई वन एंड वाई एन प्लस वन फिक्स है जब हम लोग स्टिपिंग की बात करते हैं तो वहां पर एक्स नॉट एंड एक्स एन फिक्स है तो यहां पर सिंपली देखिए ये एक्स नॉट इन हो गया यहां पर ये X0, आ, Xn हो गया देखिए उसके बाद में जो चेंज हो रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है यहां पर वाई एन प्लस वन बिकॉज इक्विलियम रिलेशनशिप क्या होता है वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू लाइक एम एक्स हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लिख रहे हैं ना एक्स की वैल्यू जो लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी वाई अपॉन एम तो वही चीज यहाँ पर आ रहा है वाई अपॉन एम तो यहाँ पर एक बार आ रहा है वाई एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन मतलब दोनों चीज ये सेम ही आएगा ओके okay, ये मतलब जो इनलेट कंपोजिशन है ना वो आपका कंपोजिशनियम के साथ में तो यहां पर देखिए ये ये हो गया Mx0, ये हो गया मतलब गया तो आपको सिंपल इस डायग्राम से समझ आना चाहिए okay, स्टॉजन के लिए ऐसा क्यों लिख रहा हूँ और स्टिपिन के लिए ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बाकी चीजें तो सिंप आपको याद ही रखना और कोई ऑप्शन नहीं है ना वन माइनस वन अपन ए प्लस वन अपन ए ये टाइम आ रहा है उसमें डिनोमिनेटर में एलन ए आ रहा है यहाँ पर एल ए वन अपन ए आ रहा है तो यहाँ पर जस्ट ये देखिए यहां से याद रख सकते हो देखिए जब ये इक्वेशन लिखते हो कि वन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए प्लस वन अपन ए लिख रहे हो तो यहाँ पर जस्ट इसका मतलब एल एन ए जाएगा यहाँ पर ए था तो यहाँ पर वन अपॉन एलन ए हो जाएगा इस तरीके से कोरिलेट करके इनको याद रखना है यहां पर भी देखिए यहां पर जस्ट ये वाली टाइम आ रही थी लेकिन यहां पर क्या हो रहा है इससे कोरिलेट कर सकते हो आप इस वाली टाइम से यहां पर कोरिलेट कर सकते हो तो ये है क्रम्पन इक्वेशन के मतलब ट्रे कॉलम के लिए के लिए और स्टेपिंग के लिए नाउ अब इसमें भी लिख रहा हूं कि इफ, if, 1, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे इस, उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली जो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट है एनपी वो क्या हो जाएगा आपका वाई एन प्लस वन नंबर ऑफ नंबर ऑफ ट्रेज यहां पर होगा इस केस में सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई वन अपॉन ऑफ अपॉन ऑफ वाई वन माइनस ऑफ एम एक्स नॉट यह आपका हो गया अब्जॉप्शन के केस में यह हो गया अब्जॉप्शन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली क्वेश्चन में आपको मतलब क्वेश्चन में क्या होता है सबसे पहले ऑब्जॉक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है जैसे ही ऑब्जॉप्शन फैक्टर वन आ जाता है तो आपके लिए बहुत इजी होता था क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है तो मतलब कि मतलब अच्छा रहता है अगर क्वेश्चन में ऑब्जॉप्शन फैक्टर वन आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होता है हमारा सोल्यूशन पार्ट वहां पर कम हो जाता है डायरेक्टली अगर आपको एनबी कैलकुलेट करना तो वहां पर क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वाइनस ऑफ वाई वन अपॉन ऑफ वाई वन माइनस ऑफ एम इन एक्स नॉट सिमिलरली अगर हम लोग स्टिपिंग के लिए लिखे पर फैक्टर अगर वन आएगा तो स्टिपिंग फैक्टर भी वन हो जाएगा बिकॉज ये जस्ट इनवर्स होता है फैक्टर का, तो एनपी वहां पर क्या हो जाएगा के लिए अगर ऑब्जॉप फैक्टर और स्टिपिंग फैक्टर वन है तो यहाँ पर देखिए सिंपल ये मतलब इसको मैं अगर लिखू ये क्या हो रहा है देखिए वाई एन प्लस वन तो ये मैं अगर लिखू तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ये एंट्री कंसंट्रेशन है

ओके देन यहां पर ये इसकी इक्म कंसेंटेशन होगी तो इस तरीके से याद रख सकते हो इजीली सिंपल आपको एंट्री कंसेंटेशन माइनस एक्जिट द एक्जिट कंसट्रेशन माइनस इक्लिबरियम कंसेंटेशन लिखना है बट कंडीशन ध्यान रखना है कि ऑब्जॉप है या फिर स्ट्रिपिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है ओके बिकॉज एक्जिट कंसेंटेशन मतलब प्रायोरिटी हमारी चेंज हो जाती है ना वहां पर ऑब्जॉप्शन के लिए वाई एन प्लस वन और वाई वन फिक्स है और स्ट्रिपिंग के लिए एक्स नॉट एन एक्स एन जो है वो फिक्स है ओके okay, गाइस Now, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो हम लोग एच टी एंड एन टू पढ़े बेसिकली उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमने पढ़ तो लिया कि की एच कैलकुलेट करते हैं ऐसे डिस्कस करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एच टी देखिये फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ यहां पर एच टू एच टी का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ देखिए एच ट्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी ऑफ पैकिंग क्वालिटी ऑफ पैकिंग मीन्स अगर क्वालिटी ऑफ पैकिंग मतलब आपका जो पैकिंग है बेसिकली ये पैक कॉलम में बात करते हैं एच टी एन टू की तो अगर क्वालिटी ऑफ पैकिंग अगर आपका पुअर है तो उस केस में देखिए एच टी जो है मतलब ये आपका अगर स्मॉल रहेगा क्वालिटी ऑफ पैकिंग अगर स्मॉल रहेगा तो एच टी बिकॉज इन्वर्सली परपोर्सनल ये आपका हाई रहेगा मतलब आपको डिजाइड सेपरेशन के लिए जो कॉलम का हाइट है वो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा मतलब जब एच टी ज्यादा आएगा तो ओवरऑल आपको पता है कि जेड इक्वल टू क्या होता है जेड इक्वल टू क्या होता है एच टू इन एन टी होता है तो ओवरऑल एच अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हाइट ऑफ द कॉलम इंक्रीज हो जाएगी जेड हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट अगर इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल जो कॉलम की हाइट है जेड वो इंक्रीज हो जाएगा तो एच का मतलब क्या होता है ये मतलब हाइट ऑफ ट्रांसफोर ये देता है कि क्वालिटी ऑफ पैकिंग कैसा है अगर ये ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ पैकिंग आपका लो है अगर ये कम है देन क्वालिटी ऑफ पैकिंग आपका गुड है है ना तो गुड पैकिंग जो रहेगी बेसिकली गुड पैकिंग का मतलब क्या है बेसिकली पर गुड पैकिंग का मतलब कि इंटरफेशियल एरिया अगर हाई इंटरफेशियल जो ए हम लिखते हैं बेसिकली वो इंटरफेशियल एरिया होता है अगर इंटरफेशियल एरिया अगर हाई होगा तो वहां पर सेपरेशन अच्छा होगा है ना तो गुड पैकिंग अगर है तो एच क्या होगा लेस होगा अगर uh, मतलब गुड पैकिंग के लिए मैं बात करूं फॉर गुड पैकिंग फॉर गुड पैकिंग एच जो होगा वो क्या होगा लेस होगा एच जो है एच इज लेस ओके No, और इसके अलावा देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनटू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्यू तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्यू का मतलब देखिए एंट्यू हमको बताता है कि डिफिकल्टी ऑफ सेपरेशन है ना लाइक एक मतलब पैरामीटर है एंट्यू क्या इंडिकेट करता है हमको एंट्यू इंडिकेट एंट्यू इंडिकेट द डिफिकल्टी द डिफिकल्टी द डिफिकल्टी ऑफ सेपरेशन द डिफिकल्टी ऑफ सेपरेशन हमको बताता है ओके okay? तो सिंपली देखिए अगर डिग्री ऑफ सेपरेशन की हम बात करें डिग्री ऑफ सेपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ सेपरेशन मतलब देखिए डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है डिग्री ऑफ सेपरेशन वो मतलब डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर एन जो है वो अगर इंक्रीज है मतलब एन टू क्या होता है डिफिकल्टी ऑफ सेपरेशन तो वहां पर डिग्री ऑफ सेपरेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा डिग्री ऑफ सेपरेशन और डिजायर्ड सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज एन टू आपका डिफिकल्टी अगर एन कम है मतलब कि जो सेपरेशन प्रोसेस है बेसिकली वो इजी है लेकिन अगर एनटीओ हाई है मतलब एनटीओ की वैल्यू ज्यादा आपको मिल रही है तो मतलब कि आपका जो सेपरेशन है वो डिफिकल्ट है है ना जो मतलब कि सोल्यूट परजेंट है सोल्यू लाइक गैस में परजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको लाइक ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट चाहिए होगा अगर वो मतलब डिफिकल्टी ऑफ सेपरेशन अगर ज्यादा रहेगा तो है ना तो ये सिंपल uh, मतलब uh, इसका सिग्निफिकेंस होता है ओके okay, गाइस उसके बाद एक टाइम हम लिखते हैं एफिसियंसी हम लिखते हैं स्टेज एफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो स्टेज एफिशियंसी हम कैसे डिनोट करते हैं नीटा से हम डिनोट करते हैं स्टेज एफिशिएंसी को नीटा इज इक्वल टू द एक्चुअल सेपरेशन द एक्चुअल एक्चुअल सेपरेशन सेपरेशन अपॉन अपॉन ऑफ ऑफ द आइडियल सेपरेशन सेपरेशन आइडियल तो देखिए नीटा क्या सेक्चुअल वाई वन माइनस वाई टू इज डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस ऑफ फाइव स्टार आप इसको एक्स के टाइम में भी लिख सकते हो मतलब के टाइम में हमने लिख दिया सिमिलरली आप इसको मतलब लिक्विड कंपोजिशन के टाइम में भी लिख सकते हो ओके okay गाइस इसके अलावा नेक्स्ट देखिए कुछ टर्म्स पर डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक फर्स्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट लाइक like, अगर मैं बोलूं कि पेक्ड कॉलम की बात करूं तो पेक्ड कॉलम में हम लोग एनटीयू एनटीयू की बात करते हैं एन की बात करते हैं, की बात करते हैं जी की बात करते हैं है ना उसके बाद में एनटीओएल की बात करता हूं तो सिंपली नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मतलब एनटीओजी जो है इन ए पेक्ड कॉलम वो सिंपली देखिए अगर हम उसको मतलब कंपेयर करें ट्रे कॉलम से तो NTO, NTU, मतलब एन टीओ एन टी जो है इन ए पैक्ट कॉलम एंड एनपी एनपी क्या है ट्रे कॉलम इन ए ट्रे कॉलम आर नॉर्मली नॉट इक्वल है ना मतलब नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलता है नॉर्मली नॉर्मली आर नॉट इक्वल ओके अब देखिए लेकिन अगर आपको कंडीशन ऐसा गिवन है कि लीनियर फॉर लीनियर फॉर लीनियर ऑपरेटिंग लाइन फॉर लीनियर ऑपरेटिंग लाइन अगर आपको लीनियर ऑपरेटिंग लाइन गिवन है और लीनियर इक्विलिब्रियम लाइन गिवन है तो उस केस में क्या होगा वेर दे आर नॉट वेर दे आर नॉट पैरेलल ना पैरेलल नहीं है लेकिन लीनियर है बट पैरेलल नहीं है

फैक्टर का इनवर्स होता है स्टिपिंग फैक्टर इसको हम लोग डिजॉप्शन फैक्टर डिजॉप्शन फैक्टर क्लियर है लेकिन अब देखिए थर्ड कंडीशन अगर आपका जो ऑपरेटिंग लाइन है वो पैरेलल हो किसके इक्विलिब्रियम लाइन के मतलब दोनों Eqlub... मतलब ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्विलिब्रियम लाइन लीनियर है और साथ में पैरेलल भी है है ना फॉर फॉर पैरेलल ऑपरेटिंग फॉर पैरेलल ऑपरेटिंग एंड इक्विलिब्रियम लाइन

बिटवीन कॉलम कॉलम एंड ट्रे देखिए सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई कोरोजिव फ्लूड है कोरोजिव फ्लूड कोरोजिव लिक्विड है तो आपको कौन सा कॉलम यूज करना चाहिए आपको यूज करना चाहिए पैक्ड कॉलम बिकॉज वहां पर पैकिंग मतलब पैकिंग मटेरियल डिफरेंट रहता है कोरोज, मतलब कि जो आ, ट्रे मतलब ट्रे कॉलम बेसिकली होता है उसमें लाइक like आपका मेटल्स का बना होता है ट्रेस मोस्टली केसेस में तो वो आपका मतलब कोरोजन कोरज, जो है बेसिकली आपके इंटरनल्स को पूरा डैमेज कर देगा लेकिन पैक्ट कॉलम में सिर्फ पैकिंग डैमेज होगी तो आप उसको सेपरेट मतलब कि रिमूव कर सकते हो पैकिंग रिमूव करना मतलब ईजी रहता है कंपेयर टू ट्रे का जो इंटरनल्स होता है ना उस, उसको रिमूव करना तो अगर कोरोजिव लिक्विड कोरोजिव फ्लिड है तो आपको यूज करना पैक्ट कॉलम अगर प्रेशर ड्रॉप प्रेशर ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं तो प्रेशर ड्रॉप इंपॉर्टेंट है अगर आपके लिए तो देखिए उसके हम यूज करते हैं पैक्ड कॉलम बिकॉज ट्रे कॉलम में प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है ना लेस प्रेशर ड्रॉप होता है पैक्ड कॉलम में लेस प्रेशर ड्रॉप इन पैक्ड कॉलम ओके और मोर होता है किसमें तो वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन क्या है लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए लेस प्रेशर ड्रॉप होता है पैक्ड कॉलम में और मोर प्रेशर ड्रॉप होता है इन ट्रे कॉलम बिकॉज वहां पर जो ट्रे के ऊपर में जो लिक्विड होल्ड करता है है ना उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप वहां ज्यादा रहता है ट्रे कॉलम में देन उसके बाद में लाइक लिक्विड होल्डअप की अगर हम बात करें है ना लिक्विड होल्डअप हमें पता है कि ट्रे कॉलम में लिक्विड होल्ड करता है तो अगर आपका हीट सेंसिटिव लिक्विड है हीट सेंसिटिव लिक्विड अगर है देन उस केस में आपको यूज करना है पैक्ड कॉलम बिकॉज वहां पर तो लिक्विड होल्ड करता है ट्रे कॉलम में तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है ना आपके प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है लिक्विड की तो हीट सेंसिटिव अगर लिक्विड है देन उस केस में हम क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे पैक्ड कॉलम पैक्ड कॉलम देन उसके अलावा देखिए अगर कोई फॉर्मिंग लिक्विड है फॉर्मिंग लिक्विड अगर है देन उस केस में हम क्या यूज करेंगे पैक्ड कॉलम है ना मतलब फ्लडिंग फ्लडिंग जो है वो मतलब कम होता है मतलब टे कॉलम के कंपेरिजन में पैक्ड कॉलम में ओके देन उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगर लाइक मतलब आपका जो मतलब जो फीड है लाइक उसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स है है ना तो उस केस में हम यूज करेंगे ट्रे कॉलम बिकॉज ट्रे कॉलम में क्या होता है कि आ, मतलब डिपेंड करता है आपके जो टावर मतलब बेसिकली कॉलम की हाइट पर बट वहां पर मतलब क्या होता है मेन होल होता है बीच बीच में तो आप मतलब आ, मतलब कि ट्रे का मतलब क्या कर सकते हो जो भी लाइक सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल वहां पर कलेक्ट होते हैं उसको आप सेपरेट कर सकते हो है ना तो सस्पेंडेड सॉलिड के केस में है हम लोग क्या यूज करते हैं बेसिकली ट्रे कॉलम यूज करते हैं मतलब इन मतलब क्लीनिंग करना बेसिकली इजी होता है इस केस में ना देन उसके बाद में हीट रिमूवल लाइक अगर आप क्या हो रहा है कि एकजो रिएक्शन हो रही है सिस्टम में तो आपको क्या करना है कि कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो कूलिंग के लिए मतलब क्या होता है ट्रे के बीच में आप क्या कर सकते हो कूलिंग uh, मतलब कोयल uh, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो लेकिन पेक्ट uh, कॉलम में ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हीट रिमूवल अगर रिक्वायरमेंट है देन केस में हम यूज करते हैं ट्रे कॉलम ओके okay, तो ये सिंपल यहां पर कंपैरिजन हो गया ना अब नेक्स्ट में यहां पर देखिए कोकरेंट एंड काउंटर करंट अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं कंपेरिजन कंपेरिजन बिटवीन को करंट कंपेरिजन बिटवीन को करंट एंड काउंटर करंट ऑबजॉप्शन काउंटर करंट ऑबजॉप्शन देखिए सिंपल मैं यहां पर लिख रहा हूं लाइक like आपके पास में ये वाई एक्स है यहां पर ये एक्स एक्स है ना तो लाइक like मैं यहां पर दो का मैंने लिख दिए ये पहला वाला बेसिकली है काउंटर करंट है ना मतलब इक्विबीरियम का ड्रॉ किया मैंने इक्विबीरियम लाइन ये इक्विबेरियम लाइन सो तो यहां पर देखिए ये काउंटर करंट हमने लिखा है और ये लिखा है ये हमने लिखा है कोकरंट तो देखिए काउंटर करंट हम कब यूज करते हैं जब गैस बेसिकली जो है लाइक वो लेस सोल्यूबल है गैस इज <परेल>। लेस सोल्यूबल इन गैस इज लेस सोल्यूबल इन लिक्विड लेस सोल्यूबल इन लिक्विड और यहां पर क्या है मतलब कि हम लोग कोकरन कब यूज करते हैं देखिए गैस जब लेस सोल्यूबल है गैस इज सॉरी गैस इज मोर गैस इज मोर सोल्यूबल इन लिक्विड गैस इज मोर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड उस केस में हम लोग यूज करते हैं कोकरन, uh, कोकरन है ना एक हो गया काउंटर करंट एक हो गया कोकर uh, कोकरन. तो अब देखिए सिंपल मतलब क्या होता है कि ये चीज हमको पता है कि काउंटर करंट के, के केस में जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी वो हाई होती है है ना काउंटर करंट के लिए बट स्टिल मतलब क्या होता है किकरंट तो मतलब हम नहीं चाहते कि लिक्विड फेस एंड करते हैं कोकरंट अरेंजमेंट यूज करते हैं बिकॉज वहां पर कॉन्टेक्ट टाइम जो है वो लाइक like, uh, कम होता है कंपेयर टू काउंटर करंट के तो अगर हीट सेंसिटिव कोई रिएक्टिव ऑब्जॉप है उस में हम लोग काउंटर करंट और लाइक like, सिंपली अगर uh, कोई ऑब्जॉप्शन आप मतलब कि कोकरेंट में अगर अचीव कर रहे हो देन अननेसेसरी उसमें काउंटर करंट यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है है ना तो सिंपली हमें ये चीज तो यहां से क्लियर है हमारा फंडा फंड पर कि जो ऑब्जॉप्शन होता है बेसिकली ऑब्जॉप्शन एफिशियंसिब्जॉप्शन एफिसियंसी जो है वो हाई होती है किसके लिए काउंटर करंट अरेंजमेंट के लिए काउंटर करंट अरेंजमेंट के लिए जो एफिसियंसी है वो हाई रहती है ओके okay? ये चीज हमको पता है बट स्टिल काउंटर करंट को करंट कॉन्फिग्रेशन हम यूज करते हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है है ना मतलब रिएक्टिव ऑब्जॉप अगर हो रहा है तो फॉर रिएक्टिव फॉर रिएक्टिव ऑब्जॉप फॉर रिएक्टिव ऑब्जॉप हम यूज करते हैं कोकरेंट ऑब्जॉप कोकरेंट ऑब्जॉप्शन क्लियर गाइस ये चीज क्लियर है सो ऑलमोस्ट हमारा जो मतलब ऑब्जॉपन है वो मतलब कंप्लीट हो गया टॉपिक ओके गाइस हमने ऑलरेडी सारी टर्म्स यहां पर डिस्कस कर लिए देन uh, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डिस्टिलेशन तो डिफ्यूजन एंड ऑब्जॉर्ब्शन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन सो so, देखिए डिस्टिलेशन से मतलब काफी कंसेप्चुअल अगर मैं मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में बात करूँ तो डिस्टिलेशन से काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं देखिए आपको मतलब इस वे में सारे फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा जिससे कि आप सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाओगे और उसके साथ ही अगर कोई मतलब जो टू मार्क्स का क्वेश्चन रहता है बेस्ड ऑन फॉर्मुला वो भी आप अटैप्ट कर पाओगे सो so, देखिए डिस्टिलेशन बेसिकली क्या होता है एक गैस लिक्विड फिनोमिना होता है डिस्टिलेशन जो है वो एक गैस लिक्विड फिनोमिना होता है मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर लिक्विड है ना मतलब वेपर और लिक्विड के साथ हम डील करते हैं तो

हम लोग कंसिडर करते हैं लेस वोलेटाइल है ना मोर वोलेटाइल एंड लेस वोलेटाइल कॉम्पोनेंट ये चीज क्लियर है so, सो देखिए

विद दी हेल्प ऑफ एनर्जी हम लोग जो सेकंड uh, फेज है वो जनरेट करते हैं ओके okay? नाउ no, इसके अलावा देखिए अभी हम लोग uh, हम लोगों को ये पता लगे, डिस्टिलेशन में एक और चीज की हम लोग पार्शियल वेपराइज करते हैं मतलब आपका जो फीड होता है उसको कंप्लीटली हम लोग वेपराइज नहीं करते हैं अदरवाइज जो जो मतलब कि लो वोलटाइल कंपोनेंट है वो भी हमको एज ए मतलब कि टॉप प्रोडक्ट मिल जाएगा कॉलम में तो मैं सिंपल ये डिस्टिलेशन पढ़ाने से पहले आपको टी प्लॉट बता रहा हूं टीएक्सवाई प्लॉट देखिए क्या होता है टी एक्स वाई प्लॉट टी एक्स वाई प्लॉट आपको पता होना चाहिए मतलब टेम्परेचर एंड कंपोजिशन कंपोजिशन जो रहेगा मतलब कि वोलेटाइल कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वोलेटाइल कंपोजिशन इन इन वेपर और उसका मतलब टेम्परेचर के साथ में हम जो रिलेशन जो डिराइव करते हैं देखिए उसको हम बोलते हैं टीएक्स वाई और इसको जब प्लॉट पे हम लोग डिराइव मतलब यहां पर बनाने वाले हैं तो ये रहेगा बेसिकली टी एक्वाई प्लॉट देखिए इसमें क्या होता है ये प्लॉट समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं प्योर बॉलिंग पॉइंट ऑफ बी कॉम्पोनेंट और यहां पर हम लिख रहे हैं प्योर बॉलिंग पॉइंट ऑफ ए कॉम्पोनेंट तो देखिए ये कव मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं इसमें कौन सी लाइन देखिए ड्यू पॉइंट कव लाइन है और कौन सी लाइन इसमें बबल पॉइंट कव लाइन है देखिए यहां पर ये जो अपर वाली लाइन है टी एक्स वाई प्लॉट में ये होती है ड्यू पॉइंट कर्व मतलब इस मतलब किसी भी कंपोजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो पर्टिकुलरली ड्यू पॉइंट होगा ड्यू पॉइंट बेसिकली क्या होता है जब वेपर मतलब हम लोग जब टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं किसी वेपर का तो जब वो कंडेंस होती है तो वो ड्यू पॉइंट होता है तो ये होता है अपर वाला ड्यू पॉइंट कर्व है एंड जो लोअर वाला कर्व होता है वो है बबल पॉइंट कर्व है मींस जब आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बेसिकली वो जब बबल पॉइंट अचीव हो जाता है तो फाइनली मतलब बोलिंग पॉइंट पे वो वेपराइज होना स्टार्ट होता है तो ये नीचे वाला जब जो कर्व होता है टी एक्स वाई प्लॉट में ये होता है बबल पॉइंट कर्व अब यहाँ पर देखिए पर मतलब हम लोग अभी सिंगल फेस में लिक्विड फेस में अगर मैं इस पे, में बात करूं, तो हम लोग कंपोजिशन में ड्रॉ okay? तो कर रहे हैं यहां पर एक्स पे देखिए एक्स और वाई दोनों कंपोजिशन है यहां पर अगर हम देखिए प्योर बी है तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा और एक्स बी बिकॉज प्योर बी है तो बी का कंपोजिशन यहां पर हंड्रेड परसेंट होगा वन एंड इस पॉइंट पे देखिए एक्स ए जो है वो वन हो जाएगा एंड एक्स बी जो है वो जीरो हो जाएगा यहां पर देखिए हम डिश्लेषण अभी जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बट इनिशियली थोड़ा सा एक रिदम मतलब आपको चीजें समझ में आ जाए सारी की ओके हम लोग कैसे ड्रो करते हैं देन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है यहां पर नाउ अब ये जो टीबी नोट है बेसिकली ये क्या है बॉलिंग पॉइंट है बॉलिंग बॉलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर भी मतलब प्योर बी कॉम्पोनेट का बोलिंग पॉइंट और टी ए नोट जो है यह है बोलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर ए अब हम मैंने एक चीज बोला कि देखिए ए मोर वोल्टाइल कॉम्पोनेंट तो जो मोर वोलटाइल कॉम्पोनेट होगा उसका बोलिंग पॉइंट क्या होगा लो होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका बॉलिंग पॉइंट देखिए यहां पर मिल रहा है हमको और जो प्योर मतलब कि लेस वोटाइल कंपोनेंट है इसका बॉलिंग पॉइंट देखिए हमको यहां पर मिल रहा है तो ऑलवेज मोर वोटाइल कंपोनेंट का जो बॉलिंग पॉइंट है वो लो रहेगा और लेस वॉलोटाइल कंपोनेंट का बॉलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा ओके

हम ये लिख रहे हैं यहां पर देखिए ये अगर प्योर बॉइलिंग पॉइंट है बी के लिए और ये प्योर बॉइलिंग पॉइंट है ए के लिए तो अब मैं यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे फीड का लाइक कंपोजिशन है कुछ भी एक्स वाई जेड मैंने कंसिडर कर लिया लाइक पॉइंट थ्री एक्स से जो कंपोजिशन है वो पॉइंट थ्री है ना अब इस पॉइंट थ्री पे देखिए जब हम बबल पॉइंट पे लाइक like, इस पॉइंट पे जब हम लोग आएंगे तो यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंगली देखिए बबल पॉइंट क्या होता है जब लिक्विड आपका वेपराइज होना स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पे एक्जेक्टली exactly अगर आपको वेपर का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के कोरोस्पॉन्डिंग जो यहां पर देखिए ये कंसंट्रेशन हमको मिलेगा यहां पर देखिए ये कंसेंट्रेशन ये कंसेंट्रेशन क्या कौन सा कंसंट्रेशन होगा जो इनिशियल फर्स्ट ड्रॉप जो आपका मतलब यहां पर फॉर्म हो रहा है फर्स्ट ड्रॉप जो फॉर्म हो रहा है उसमें मतलब कि जो वोलेटाइल कंपोजिशन है उसका कंपोनेंट हम यहां से, हम, यहां यहां से से मिलेगा अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात है देखिए कि जो first, first जो फर्स्ट फर्स्ट बबल बेसिकली फॉर्म होगा उसमें जो वोलेटाइल कॉम्पोजिशन है उसका कंपोजिशन मैक्सिमम होगा और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रो कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं टाई लाइन ये जो डैश डैश लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये यह लाइन है नाउ अब देखिए लाइक आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है ना आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आप देखिए इस पॉइंट को फॉलो करोगे ये जो बबल पॉइंट का वो होता है बेसिकली आप अगर इस पे देखिए इस, इस पे अगर इस साइड मूव करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वाई एक्सिस पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना मतलब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो वाई एक्सपुरचर है तो जैसे जैसे इस पाथ को हम फॉलो करेंगे मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अब पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप आपका जो वेपर फॉर्म हो रहा है उसका अगर कम्पोजिशन देखोगे तो देखिए वो लोअर कंपोजिशन मिलेगा जो इनिशियल फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म हुआ था उसके कंपेरिजन में तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो जो कंपोजिशन है बेसिकली जो आपका जो वेपर है बेसिकली उसमें मोर वोल्टाइल कंपोनेट का जो कंपोजिशन है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा लाइक ये वाई ये डेस आपको मिल गया सिमिलरली इसके कोरोस्पॉली जब उसमें कंपोजिशन का कंपोनेंट देखोगे तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा लाइक like जो है मतलब ये भी देखिए इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, जो हो रहा है उसका अमाउंट मतलब कि का तो इंक्रीज होगा बट उसमें मोर वोलेटाइल एंड लेस वोलेटाइल दोनों कंपोनेंट जो है उनका डिक्रीज होता है तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए इस पर बेस इजीली मतलब आपको गेट में मिल जाएगा okay, टाइलैंड का कंसेप्ट समझ आ गया तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि देखिए अमाउंट ऑफ वेपर की अगर हम बात करें जब हम लोग बबल पॉइंट को फॉलो करते हैं जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो इंक्रीज होता है बट उसके साथ में हो क्या रहा है अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज हो रहा है बट मतलब किस कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है अमाउंट ऑफ वेपर जब हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं बट इसके कोरिस्पॉन्डिंगली क्या होता है कि जो कंपोजिशन है कंपोजिशन ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर इन द वेपर इन द वेपर एंड लिक्विड मतलब वेपर और लिक्विड में जो मोर कंपोजिशन है उसका उसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है डिक्रीज होता है ओके so, इसके बाद देखिए हम लोग डिफाइन uh, करते हैं इनवर्स लीवर आम रूल इनवर्स लीवर आम रूल बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं जो जो बेसिकली मतलब हम लोग टाई लाइन बेसिकली डिफाइन करते हैं तो टाई लाइन का जो लेंथ होता है उसके कोरस्पॉर्डिंगली हम लोग मतलब ये ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि, कि कितना अमाउंट ऑफ वेपर बेसिकली मतलब जनरेट हुआ है और कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड बेसिकली फॉर्म हुआ है ना तो यहाँ पर इनवर्स लिवर आमलोड हम लोग डिफाइन करते हैं इतना मोस्टली यूज नहीं है लेकिन uh, कभी कभी क्वेश्चन जो आता है टू मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर इसका यूज होता है इनवर्स लीवर आम रूल तो देखिए अगेन मैं यहां पर टाई लाइन ड्रो करता हूँ जल्दी से देखिए लाइक like यहां पर हमने ये जस्ट ड्रॉ कर लिया कि एक मेरा ये टाइलाइन है यहां पर देखिए ये डी पॉइंट मतलब जस्ट मैं पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं डी ई एंड एफ तो ई एक मेरा टाई लाइन हो गया नाउ यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि मेरा फीड का कंपोजिशन है देखिए यहां पर लाइक थर्टी परसेंट कंपोजिशन ऑफ ए है यहां पर तो देखिए लाइक like, अगर इनिशियल ड्रॉपलेट की हम बात करें कि इनिशियल पॉइंट जहां पर आपका फर्स्ट तो मतलब वेपर फॉर्म no. मतलब हो रहा है हमको यहाँ पर डी होगा यहां पर यह हो और ये ई e होगा मतलब इनिशियल कंडीशन में तो इनिशियल कंडीशन में ये जो कि राइट हैंड साइड वाला जो है, मतलब ग्रेटर देन है तो ये चीज इंट्रोड्यूस ये चीज बता रहा है कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा फॉर्म होगा देखिए वी अपॉन एल हम लिखते हैं इनवर्स लीवर आम के रूल के अकॉर्डिंग वी बेसिकली क्या है अमाउंट ऑफ द वेपर फॉर्म अमाउंट ऑफ वेपर अमाउंट ऑफ द वेपर फॉर्मड इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द लिक्विड फॉर्म अमाउंट ऑफ लिक्विड फॉर्म सो सिंपली देखिए ये क्या हो जाएगा वेपर मतलब वी अपॉन एल इज इक्वल टू डी ई बार अपॉन ऑफ ई एफ तो ये मतलब डी बार बेसिकली क्या क्या डिनोट कर रहा है ये जो डी लेंथ है मतलब डी ई e जो लेंथ है है ना उसको डिनोट कर रहा है डी बार e और अपॉन में ई e एफ ये इस लेंथ को डिनोट कर रहा है मतलब हमें पता है कि देखिए वेपर इस वेपर का कंपोजिशन इस साइड में मिल रहा है लेकिन ये जो हम लिखेंगे यहां पर वेपर के लिए ये अपोजिट साइड मतलब जस्ट ये आपका टाई लाइन है ये आपका मतलब फीड का पॉइंट है ई यहां पर डी है पॉइंट यहां पर ई e है

एबी का मतलब क्या रिलेटिव वोलेटिलिटी हमको क्या देता है कि जो आपका सेपरेशन है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो लो कंपोनेंट से सेपरेट हो रहा है बेसिकली वो मतलब कितना मतलब उसका डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ सेपरेशन कैसा है लाइक like अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी आपका हाई है देन आप कहो uh, आपका कहोगे कि जो सेपरेशन आपका ईजी है ना? तो ये बेसिकली क्या देता है हमको ईज ऑफ सेपरेशन बेसिकली हमको ये देता है ओके okay?

फाइनल जो फॉर्मुला आपको यहां पर याद रखना होता है इससे हमको एक जो फॉर्मूला देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल्फा ए बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं और फाइनल जो फॉर्मूला हमको मिलता है एल्फा इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाई वन प्लस ऑफ एल्फा माइनस वन वन इंटू एक्स ये फॉर्मूला है इस पर बेस्ड क्वेश्चन गेट में हर साल आपको रिलेटिव वोलेटिलिटी से मिल जाता है सिंपल वाई इज इक्वल टू एल्फा एल्फा इंटू एक्स

तो एजियोट्रोपिक मतलब एजियो एजियोट्रोप जब फॉर्म होता है तो वहां पर अल्फा ए बी जो है रिलेटिव होता होता है है वहां पर सेपरेशन पॉसिबल नहीं ओके okay, तो अब एजियोटॉपिक से रिलेटेड देखिए जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वो मतलब हम बोल सकते हैं कि वहां पर जो नॉन आइडियल जो फ्लूड होते हैं बेसिकली वो एजियोटो वहां पर फॉर्म होता है तो जो हाइली आइडियल बिहेवियर वाले जो सोल्यूशन होते हैं हाईली नॉन आइडियल बिहेवियर सोल्यूशन वो बेसिकली एजियोट्रोप फॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो जो बेसिकली होता है देखिए मतलब आइडियल सोल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं सिंपली फॉर आइडियल सोल्यून हम लिखते हैं कि टोटल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखेंगे वेपर वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ प्लस मतलब बाइन्द्री मिक्सर के साथ बाइंड्री मिक्सर के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहां पर है ना तो पी इज इक्वल टू पी ए वी इंटू एक्स ए प्लस पीबी इंटू पीबी वी होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू एक्स बी हम सिंपली आइडियल सोल्यूशन के लिए ऐसा लिख सकते हैं लेकिन क्या हम लोग जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उनके लिए ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते उनके लिए गाइस उसमें देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं मतलब जो सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ड स्लो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल स्लो एंड सेकेंड होता है नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ड स्लो तो गाइस इसकी एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो लाइक like, अगर आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हम देखें तो इथेनॉल एंड वाटर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है राउल्स को फॉलो करता है उसका मिक्सचर जो होता है मतलब इजीली इथेनॉल को वाटर से आप सेपरेट कर सकते हो एज ए आइडियल सोल्यूशन तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लो और उसके अलावा यहां पर सेकेंड जो फॉर्म है वो है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लो तो ये चीज क्लियर है गाइस अब यहां पर देखिए डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो टोटल प्रेशर मिल रहा है वो यहां पर ये यह जो सबमिशन है PA, वेपर आ, मतलब पीए वेपर प्रेशर इंटू एक्स ए प्लस पीबी वेपर प्रेशर इंटू एक्स बी से ग्रेटर देन होगा टोटल प्रेशर देन नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो ये जो टोटल प्रेशर है वो लेस देन होगा इस पी ए वी इंटू एक्स ए प्लस पीबी वी इंटू एक्स बी से ये चीज क्लियर है एग्जाम्पल के लिए देखिए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल में आपको बताऊं तो एच एन ओ थ्री प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम फॉम राउल्सो का अगर हम एग्जांपल देखें जहां पर एग्जियोटॉप फॉर्म हो रहा है लेकिन इसका एग्जांपल मैं पहले बता देता हूं इसका एग्जांपल देखिए क्लोरोफॉम प्लस एसीटोन जो है वो आपका फॉर्म करता है नेगेटिव डेविएशन है ना नेगेटिव डेविएशन वो फॉर्म करता है तो ये आपका हो गया यहां पर देखिए इस मतलब कि एजियोटॉप जो फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउलो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउलो अब आगे हम देखते हैं देखिए जो हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन तो अब इसको हम लोग देखिए ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल मैं यहां पर सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूं देखिए प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन में कह प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन में कहो एक और चीज मैं आपको बताता हूं देखिए जब हम जब हम टी एक्स वाई प्लॉट ड्रॉ करते हैं देखिए साथ में एक साथ ड्रॉ करता हूं जिससे आप कंपेरिजन कर पाओ देखिए टी एक्स वाई प्लॉट जब हम ड्रॉ करते हैं तो लाइक प्योर कॉम्पोनेट बी जो है देखिए हम यहां पर लिखते हैं प्योर कॉम्पोनेट बी का बोलिंग पॉइंट यहां पर हो गया टीबी नोटी टीबी नोट देन यहां पर हो गया ए सॉरी टी ए नोट है ना ये हो गया आपका बोलिंग पॉइंट ऑफ बोलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए तो इसके बाद देखिए अगर आपका नॉर्मल सोल्यूशन है नॉर्मल सोल्यूशन मतलब आइडियल सोल्यूशन है तो सिंपली आपका जो कर्व होता है वो किस टाइप का रहता है जो हमने अभी मतलब अभी तक जो ड्रॉ किए थे सिंपल आपका एक बबल पॉइंट बबल पॉइंट कर्व होता है एक ड्यू पॉइंट कर्व होता है ना कोई भी उसमें डेविएशन नहीं रहता है लेकिन जब आपका इजेट्रो फॉर्म होता है पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन है तो उसको हम देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन को देख रहे हैं तो सिंपली इस टाइप से देखिए ये कहो मतलब की जो टेम्परेचर है वहां पर वो इस प्योर ए के टेम्परेचर से भी लोअर आपको मिलता है इस पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन होगा उसे हम यहां पर देखिए ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वर्सिसचर वर्सेस

अकॉर्ड मतलब कि ड्यू पॉइंट का देखिए इसमें हमको जो कंपोजिशन रहा है हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर y का कंपोजिशन मिलेगा यहां पर x का कंपोजिशन मिलेगा किसी भी टेपरेचर पे हम देख रहे हैं कि जो y का कंपोजिशन है वो ऑलवेज x से ग्रेटर देन है तो y इज ग्रेटर देन x इस पर्टिकुलर रीजन में है ना इस इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये यह जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसके लेफ्ट साइड में लेकिन इसके राइट right साइड में हम देख रहे हैं कि ड्यू पॉइंट इधर आ गया मतलब जो वाई कंपोजिशन है वो लोअर देन रहेगा एक्स Y composition जो है वो लोअर देन रहेगा X से तो ये डिफरेंस यहां पर हमको मिल रहा है ओके अब इसी को हम लोग क्या करते हैं पी एक्स का ऊपर ड्रॉ करते हैं मतलब प्रेशर के साथ ड्रॉ करते हैं इसको तो पी एक्स वाई नाउ देखिए यहां पर हमें पता है कि जिस पॉइंट जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा लोवेस्ट होगा बिकॉज जो जो मतलब कि

इसके साथ देखिए यहां पर इस कंपोजिशन पे आपको मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है वेपर प्रेशर तो यहां पर जो कंपोजिशन मिलेगा वो होगा एक्जियोटॉपिक कंपोजिशन ना अब ये जो टॉप टॉप वाला कव है यह कौन सा कव है बबल पॉइंट बिकॉज जो पी एक्स वाई प्लॉट होता है उसमें आपका चेंज हो जाता है अपर वाला जो कव होता है वो बबल पॉइंट कव होता है और जो बिलो वाला रहता है ये वाला लोअर वाला ये होता है ड्यू पॉइंट कव ड्यू पॉइंट कव क्लियर है सो so, देखिए अब यहां पर डिफरेंस हम देखते हैं फाइनली जो हमको प्लॉट करना है यहां पर पॉजिटिव डेविएशन के लिए वो हम प्लॉट करेंगे वाई एक्स करो देखिए अब हमको देखिए सारा आइडिया लग गया यहां पर मतलब अगर मैं यहां पर वाई और एक्स की बात करूं तो ये देखिए बबल पॉइंट इस पर मेरे को एक्स कम्पोजिशन मिलेगा यहां पर वाई कंपोजिशन मिलेगा तो हर एक पॉइंट पर हम देख रहे हैं यहां पर सेम कि वाई जो है वो ग्रेटर देन रहेगा एक्स से तो ये वाला ये वाला पोर्शन हो गया सेम और इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि ये आपका रहेगा यहाँ पर देखिए ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट जो है मतलब कि ये वाई यहाँ पर मिल रहा है और यहां पर हमको मिल रहा है एक्स तो यहां पर वाई जो है वो लेस देन रहेगा एक्स से ये चीज सिंपल समझ आ रही है तो हम यहां पर पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो सिंपली देखिए अगर आपको प्लॉट uh, करना हो वाई एक्स प्लॉट तो प्लॉट कर सकते हैं अभी पॉजिटिव डेविएशन के लिए वाई और एक्स में अगर प्लॉट करें हम लोग तो देखिए मोस्टली केस में हम देखते हैं कि वाई जो है वो ग्रेटर देन एक्स है मोस्टली केस में क्या है कि देखिए ये मैं यहां पर ओके वाई टू एक्स लाइन ड्रो कर दिया मैंने वाई इक्वल टू एक्स लाइन तो हम मोस्टली केस में देख रहे हैं कि वाई जो है वो ग्रेटर देन एक्स है तो ये कब ऐसे फॉलो करेगा मोस्टली केस में वाई जो है एक्स से ग्रेटर देन होगा एंड फाइनली इस

form the minimum boiling is Minimum minimum boiling azeotrope जस्ट रिवर्स होता है बिकॉज देख सकते हो ना आप यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन जो है राउल से बिकॉज राउलो मतलब बेस्ड ऑन प्रेशर हम बोल रहे हैं कि टोटल प्रेशर जो है जो समीशन ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का जो समीशन होगा वो आपका गर, जो uh, मतलब उससे ग्रेटर देन रहेगा आपका ओवरऑल प्रेशर मिलता है एक्चुअल पॉजिटिव डेवियशन में तो जस्ट हम लोग जब उसका टी प्लॉट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको यहां पर लोएस्ट बोलिंग पॉइंट मिलता है तो लोवस्ट बोलिंग पॉइंट में जो एजियोटॉफॉर्म हो रहा है बोलेंगे मिनिमम बोलिंग एजियोट्रॉप देन सेकेंड में जस्ट रिवर्स हो जाएगा जब हम नेगेटिव नेगेटिव डेवियेशन की बात करेंगे नेगेटिव डेवियेशन नेगेटिव डेवियशन फ्रॉम क्राउड स्लो तो इसमें देखिए जल्दी जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थोड़ा इसलिए मैं यहां पर इसको इतना डिटेल uh, में डिस्कस कर रहा हूं देखिए यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा और उसके बाद ये कव कुछ इस तरीके से कव होगा और यहां पर हमको मिलेगा ये डेविएशन ओके okay, तो पी एक्स वाई प्लॉट में अपर वाली जो लाइन है वो हो जाएगी बबल पॉइंट का लाइन और जो लोअर uh, वाली हो जाएगी ड्यू पॉइंट उसके बाद ये हो गया एक्स और वाई में यहां पर जो कंपोजिशन मिल रहा है उसको हम लोग लिख रहे हैं एक्स डबल डेस्ट

सो सिंपली देखिए ये कव किस तरीके से ड्रॉ होगा यहां पर मतलब मैक्म मतलब कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है जो नेगेटिव डेविएशन बेसिकली है यहां पर नेगेटिव डेविएशन देखिए उसमें आपको मैक्म बोलेंगे एजोटॉप मिलेगा ओके तो ये टी एक्स वाई प्लॉट है तो टी एक्स वाई प्लॉट में ये आपका होगा बबल पॉइंट कव लोअर वाला ये बबल पॉइंट कव और ये हो जाएगा आपका ड्यू पॉइंट कव तो ये बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट कव में क्यों लिख रहा हूँ बिकॉज वाई और एक्स पे आप कमेंट कर सकते हो इससे एक्स को वाई और यहां पर ये जो कंसंट्रेशन आपको मिलेगा ये एजोटॉपिक कंसंट्रेशन मिलेगा एक्स डबल डे तो यहां पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोस्टली ये जो, ये जो पर, पर, पर देखिए मतलब कि composition के बाद में हम देख रहे हैं कि y जो वाई है वो लेस देन एक्स है तो इसके लिए आप लोग वाई एक्स का ड्रॉ कर सकते हो देखिए वाई एक्स का अगर हम लोग ड्रॉ करें यहां पर तो स्मॉलर सेक्शन में हम देखते हैं कि जो वाई है वो मतलब एजोट्रोप से पहले y जो है वो less than x है तो ये पहले ऐसे कब आएगा पहले y y y x x कर लीजिए उसके बाद में में क्या होगा जो greater than x होगा जो पर less than x है तो ये हमने y कर लिया तो हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव के, के केस में क्या हो रहा है हमको यहां पर मैक्सिमम बोलिंग एजोट्रोप मिल रहा है तो नेगेटिव के, के केस में लिख लीजिए मिक्सचर जो है वो फॉर्म करेगा मैक्सिमम मैक्सिमम बोलिंग मैक्सिमम बोलिंग Azeotrop, bowling, okay guys, तो हो गया, और uh, मतलब, मतलब uh, नेगेटिव मतलब डेवियशन में क्या हो रहा है मैक्मम बोलिंग एजियोट्रॉप आपको मिल रहा है ओके गाइस ये चीज क्लियर है यहां तक नाउ अब इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जस्ट uh, एजियोट्रोप हम बात कर रहे थे एजियोट्रोप में देखिए एजियोट्रोप मिक्सचर बेसिकली क्या हो रहा है मतलब नॉन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल बिहेवियर जिन सोल्यूशन का होता है वो एजियोट्रोप फॉर्म करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि जहां एजियोट्रोप फॉर्म हो रहा है वहां पर वाई ए स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार होता है वाई ए स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार होता है देन इसके अलावा एल्फा ए बी जो है रिलेटिव वोलेटिलिटी वो वन होती है ना द वैल्यू ऑफ द गामा इज ग्रेटर इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन वन इन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ओके okay, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि देखिए जो गामा मतलब ओके uh, एल्फा okay, uh, की बात कर रहा है या फिर गामा की बात कर रहा है ये अल्फा द वैल्यू ऑफ द गामा इज द ग्रेटर इज द ग्रेटर देन इन द मिनिमम बॉइलिंग एक्ट्रो तो देख देखिए इस रिलेटिव वोलेटिलिटी की अगर हम लोग बात करें अल्फा है ना जिसे हम लोग अल्फा बोल रहे हैं तो अल्फा तो यहां पर बेसिकली क्या होगा वन होगा और एल्फा तो जो है रिलेटिव एटिलिटी एज एजियोट्रोप वन होता है बट अगर हम लोग ये बात करें कि एजियोट्रोप जो मिक्सचर फॉर्म कर रहा है तो फिर उनका सेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है प्रेशर जो बेसिकली होता है वो चेंज करना पड़ता है प्रेशर चेंज करके हम जो एजियोट्रोप है बेसिकली उसको शिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद वहां पर सेपरेशन कर सकते हैं उसके अलावा एडवांस सेपरेशन भी होता है एजियोट्रोपिक वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अगर मैं जस्ट अभी डिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एजियोट्रोप जो सोल्यून बेसिकली फॉर्म करते हैं वहां पर हम लोग प्रेशर चेंज करके बेसिकली एजियोट्रोप को हम क्या कर सकते हैं शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज प्रेशर रिड्यूस करने पे क्या होता है जो रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है है ना देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए टेम्परेचर के साथ में देखिए अगर टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो रिलेटिव वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी लो टेम्परेचर के केस में है ना अगर लो टेम्परेचर रहेगा और टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस करके हम रिलेटिव वोलेटिलिटी को क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं मतलब लो प्रेशर तो ये आपका मतलब सेपरेशन के लिए डिजायर्ड कंडीशन हो गया लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ये आपका क्या हो गया सेपरेशन का केस हो गया इजी सेपरेशन के लिए ओके okay? सो so, यहां पर देखिए मतलब वाई ए स्टार मतलब कि वेपर और लिक्विड में जो कंपोजिशन है वो इक्वल होगा वाई ए स्टार इक्वल टू तो एक्स ए स्टार और एल्फा वोलेटिलिटी जो है वो वन होगा तो अब यहां पर देखिए सेपरेशन अगर मैं बोलूं कि एजुटोपी केस में सेपरेशन पॉसिबल है क्या तो जहां पर मैक्सिमम बोलिंग रहा है तो यहां पर देखिए एजुटो पॉइंट के बाद में मतलब सेपरेशन पॉसिबल है बिकॉज वेपर का कंपोजिशन यहां पर ग्रेटर देन है एक्स है और अगर मिनिमम बोलिंग एजुट्रोप में बोलूं तो मैं एजुटो फॉर्म होने से पहले एजुटो फॉर्म होने से पहले बेसिकली सेपरेशन क्या है पॉसिबल है तो इस पॉइंट तक इस एक्सटेंड तक हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं अगर आपने प्रेशर चेंज नहीं किया है तो ओके गाइस सो अब ये तो हो गया एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन नाउ नेक्स्ट मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेच डिस्टिलेशन की बेच देखिए गाइस बेच डिस्टिलेशन में सिंपल एक फॉर्मुला होता है उस फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो आपको पता होना चाहिए देखिए बेच डिस्टिलेशन को एक तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम लोग जानते हैं लाइक रेलिंग रेलिंग डिस्टिलेशन भी इसको हम बोलते हैं उसके अलावा इसको हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्लेशन भी बोलते हैं और उसके अलावा हम लोग इसको सिंपल डिस्टलेशन भी बोलते हैं ये डिफरेंट फॉर्म होगी डिस्टलेशन की हम लोग इसको यहां पर इस नेम से मतलब की जानते हैं रेलिंग रेलिंग डिस्टलेशन डिफरेंशियल डिस्टलेशन देन सिंपल डिस्टलेशन तो बेच डिस्टलेशन में देखिए जो कंडीशन है वो है नो स्टेडी स्टेट कंडीशन है ना मतलब स्टेडी स्टेट मास्ट आंसर की बात यहां पर हम नहीं करते हैं एक तो यहां पर स्टेट नो स्टेट स्टेट कंडीशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो होता है, वो में नहीं होता है। मतलब आ, मैं यहां पर फॉर्मूला पहले लिख देता हूं देखिए यहां पर जो हमको फॉर्मूलाशन ऑफ डी एक्स अपोन ऑफ वाई स्टार माइनस ऑफ एक्स और यहां पर जो जो लिमिट होगा बेसिकली इंटीग्रेशन का वो रहेगा यहां पर देखिए एक्सएफ टू एक्स डब्ल्यू तो एक्सएफ बेसिकली क्या है फीड का कंपोजिशन है और एक्स डब्लू बेसिकली जो आपका distill, मतलब जो पोर्ट होता है उसमें जब रिमेनिंग डिसलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग उसमें मतलब लिक्विड होता है उसका कंपोजिशन हो गया तो यहां पर देखिए और डब्ल्यू बेसिकली क्या हो गया ओके डब्ल्यू okay, जो रिमेनिंग uh, अमाउंट रहता है और एफ जो है बेसिकली वो फीड इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेलिंग इक्वेशन ओके विल इट इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ट डिस्लेशन विद टाइम कंपोजिशन ऑफ द लेस वोलेटाइल कॉम्पोन विद टाइम ऑफ लेस वोट इन रेजिड इन बेस्टोजिशन ऑफ लेस वोटाइल कंपोनेंट इन रेजिड्यू लेस वॉलेटाइल कंपोजिशन तो डिक्रीज होने वाला है बेसिकलीकेट वेट ओके आई थिंक क्वेश्चन है मुराली इन बेस्ट डिस्लेशन विद टाइम कंपोजिशन ऑफ लेस वॉलेटाइल कॉम्पोनेट इन रेजिड्यू िल इट डिक्रीज और इंक्रीज बेस डिशन में जो लेस वोलेटाइल कॉम्पोनेट है उनका कंपोजिशन इंक्रीज होगा ना जो आपका आ, मतलब स्टिल पोर्ट रहेगा बिकॉज उसमें जो मोर वोलटाइल कॉम्पोनेट है वो मतलब, कंटिन्यूसली वेपराइज होते जा रहे हैं और उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं अलग से एक पोर्ट में ओके तो जो वोलेटाइल जो लेस वोटाइल कॉम्पोनेंट है उनका कॉम्पोनेंट बेसिकली रेजिट्यू में इंक्रीज होगा सिंपल सी चीज यही है तो यहां पर देखिए जो वाइस स्टार है बेसिकली ये क्या होता है इक्विबीरियम कंसंट्रेशन इक्विबीरियम कंसेंट्रेशन

कैलकुलेट तो तो कर सकते हो और देखिए अगर एल्फा क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट गिवन है आपको 3 दे दिया, तो एल्फा अगर कॉन्स्टेंट है तो जो रेलिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है देखिए वो कन्वर्ट होके मतलब हम उसको चेंज uh, कर रहे हैं यहां पर ये जो फॉर्मूला जस्ट हम लिख रहे हैं एल एन डब्ल्यू अपोन ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ऑफ वाई स्टार माइनस ऑफ एक्स यहां पर जो लिमिट है तो इंटीग्रेट मतलब कर करते हैं तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला हमको मिलता वो alpha, alpha है वो देखिए एल एन एफ इंटू एक्स एफ अपॉन ऑफ डब्लू इंटू एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एल्फा वे एल्फाइजेंट गिवन है इस मल्टीप्लाई बाई एल एन ऑफ एफ इंटू देखिए जस्ट आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं एफ यहां पर एक्सएफ है तो यहां पर वन माइनस एक्सएफ आ जाएगा इस डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू वन माइनस एक्स डब्लू इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो तो ये फाइनल इक्वेशन है यहां पर ट्रेलिंग इक्वेशन जो है बेस्ट डिस्टिलेशन के लिए ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है इसी पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आपको मतलब अगर आपको वाई स्टार के लिए एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में आपको रिलेटिव वोलेटिलिटी गिवन नहीं होकर अगर वाई स्टार के लिए इक्विबीरियम रिलेशनशिप आपको गिवन है देन आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे रेलिंग की क्वेश्चन जो हमने पहले देखी है बेस्ट डिस्टेशन लिए बट गेट में क्वेश्चन इजी रहता है तो यहां से, यहां से से मतलब कि इसी क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजी ओके गाइस तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं वेयर वेयर एफ इज द अमाउंट ऑफ इनिशियल फीड वेयर एफ इज द अमाउंट ऑफ इनिशियल फीड वेयर एफ इज द अमाउंट ऑफ इनिशियल फीड इन द स्टिल पोर्ट इन द स्टील पोर्ट एंड यहां पर देखिए उसके बाद एक्सेप्ट जो है वो फीड का कंपोजिशन हो गया कंपोजिशन ऑफ इनिशियल फीड कंपोजिशन ऑफ इनिशियल फीड इसके अलावा हमने कंपोजिशन वर्ड मतलब लिखा, लिखा है मतलब लिखा डब्ल्यू लिखा है टाइम सो डब्ल्यू टाइम बेसिकली क्या हो गया अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ फीड लेफ्ट अमाउंट ऑफ फीड लेफ्ट इन द स्टील पोर्ट इन द स्टील पोर्ट देन इसके बाद हम लिख रहे हैं यहां पर एक्सडब्ल्यू एक्सडब्लू so क्या हो गया कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन इन द स्टील पोर्ट कंपोजिशन इन द स्टील पोर्ट एट एनी इंस्टेंट है ना जिस भी पॉइंट uh, पे आप uh, देख रहे हो कि उसमें uh, मतलब जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि कितना डिस्टिलेशन हुआ बेसिकली ना उसी पॉइंट पे जो रिमेनिंग स्टील पॉट में जो लिक्विड रहेगा बेसिकली उसमें आपका कंपोजिशन हो जाएगा यह एक्सडब्लू एक्सडब्लू इज द दिन इन द स्टील पॉट एट एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ओके गाइस तो अब जो भी कंपोजिशन हम लोग डिफाइन करें लाइक एक्स एक्सएप हुआ एक्स डब्ल्यू हुआ ये ऑलवेज हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ओके गाइस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के बेस पर हम लोग ये कंपोजिशन डिफाइन करते हैं नाउ इसके अलावा हमने ओके uh, okay. इसके अलावा जो अमाउंट हमको कलेक्ट होता है एज ए वेपर यहां पर फॉर्मुले में तो यूज नहीं है बट उसको हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ द वेपर फॉर्म अमाउंट ऑफ द वेपर फॉर्म को हम डी से डिनोट कर रहे हैं और उसका कंपोजिशन जो है वो हो जाएगा वाई डी वाई डी इज द कंपोजिशन ज द कंपोजिशन ऑफ वेपर अब यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको गेट में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि परसेंटेज परसेंटेज ऑफ बॉइल्ड लिक्विड कैलकुलेट करो है ना कितना लिक्विड आपका बॉइल हो गया है तो वो कैलकुलेट करने के लिए वेपर कैस, फॉर्म जितना, जितना हुआ है उसको डिवाइड कैसे करोगे फीड से अमाउंट ऑफ फीड से उसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ द बोल्ड लिक्विड ये परसेंटेज ऑफ बोल्ड लिक्विड कैलकुलेट करना इस पर बेस भी क्वेश्चन गेट में पूछा गया है ओके okay, गाइस

ठीक है मैंने यहां पर ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ नहीं किया बेसिकली क्योंकि कर रहे हैं तो सिंपल जो स्टिल पोर्ट होता है उसमें जो कंपोजिशन एस डब्लू है और फाइनली जो वेपर का कंपोजिशन वाई डी या फिर वाई स्टार जो लिख रहे हैं बेसिकली ये मतलब कि हर एक स्टेट पे किसी भी किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे कि वेपर वेपर लिविंग लिविंग जो वाई डी उसका जो कंपोजिशन है और जो स्टील पोर्ट में जो कंपोजिशन है एक्सडब्ल्यू वो बेसिकली इक्विबीरियम में रहेगा ऑलवेज बेच डिस्टिलेशन के केस में नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लेश डिस्टिलेशन नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लेश डिस्टिलेशन सर इन द ओके हाँ यहाँ पर शिवा शिवा ने एक क्वेश्चन पूछा है ओके गोल्ड मेंबरशिप में जो गेट पीरियसिटी की क्वेश्चन है नाइन्टी से ट्वेंटी ट्वेंटी वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे ओके हाँ एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको आ, मतलब लाइक मास ट्रांसफर सब्जेक्ट है तो उसके आपको सब ईयरली क्वेश्चन मतलब सोल मतलब, 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 आपको मिलेंगे वन बाय वन उस पर वीडियो मिल जाएगा uh, मैं जान सकता हूँ कि शिवा आप कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मीन्स 21 या 22। ओके गाइस तो नेक्स्ट में लिख रहा हूं यहां पर फ्लेस डिस्टिलेशन so जो सेकंड टाइप ऑफ जो डिस्टिलेशन है वो है फ्लेस डिस्टिलेशन फ्लेस डिस्टिलेशन यहां पर हम लिख रहे हैं देखिए फ्लेस डिस्टिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विबीरियम डिस्टिलेशन भी इक्विबीरियम डिस्टिलेशन भी हम इसको बोलते हैं देखिए इक््लु फ्लैश डिसलेशन में सिंपली क्या हो रहा है ओके 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गाइस तो सिवा यहां तो बहुत कम टाइम आपके लिए रहा है बेसिकली आप अगर गेट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है गाइस एक मिनट सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यहां पर फ्लैश डिस्टिलेशन सो so, जस्ट मैं यहां पर चार्ज लगा देता हूं पीसी को नेक्स्ट okay. no. so, हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लेस डिस्टिलेशन में इसमें बेसिकली क्या होता है सिंपली देखिए आपका जो फीड होता है हम जो फीड रहता है बेसिकली देखिए फीड को यहां पर मैं इसका मोलर फ्लोर देख रहा हूं मोल पर सेकेंड और इसका कंपोजिशन जो है कंपोजिशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी कंपोजिशन में लिख रहा हूं लाइक एक्सेप्ट तो वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का काम्पोजिशन है फीड में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का काम्पोजिशन है फीड में तो सिंपली देखिए हम यहां पर एक एक मतलब कि हीटिंग मीडियम के लिए डिवाइस यूज करते हैं तो वो डिवाइस लाइक हो गया हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर की हेल्प से हम क्या करते हैं जो टेम्परेचर है मतलब हीट सप्लाई करते हैं और जो टेम्परेचर फीड का वो इंक्रीज करते हैं ओके ना उसके बाद हम क्या करते हैं एक कॉलम में लाइक इसके बाद एक कॉलम रहता है फ्लिस्ट डिस्टिलेशन में सिंपली एक कॉलम में हम क्या कर रहे हैं

उस लो प्रेशर पे ऑलरेडी उसका टेम्परेचर हाई रहता है तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पर बेसिकली मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट रहता है वो लिक्विड में प्रेजेंट रहता है ठीक है तो इस तरीके से फाइनली हम लोग यहां पर कलेक्ट करते हैं टॉप प्रोडक्ट जिसे हम डी से लिख रहे हैं डिस्टिलेट और बॉटम प्रोडक्ट डब्ल्यू से हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो इसका कंपोजिशन देखिए वाई डी हो गया और यहां पर आप इसको देखिए वाई डी लिख सकते हो एक्स डी लिख सकते हो तो ये सब मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का कंपोजिशन है प्रोडक्ट इसमें हो गया, का, Now, इसके हम यहां पर बात कर रहे हैं एनथेल्पी की तो यहां पर जो फीड का एंथेल्पी है उसको एच एफ से लिख रहे हैं एंथेल्पी का यूनिट क्या हो जाएगा किलो जूल किलो जूल पर मोल किलो जूल पर, पर मोल मतलब की हम लोग मोलार एंथेल्पी यहां पर लिख रहे हैं तो इसके अलावा देखिए आपको जो यहां पर मतलब कि वेपर प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कुछ यहां पर होगा एनथेल्पी उसको एम एच डी लिख रहे हैं और बॉटम प्रोडक्ट जो है उसका एनथेल्पी जो है वो हम लिख रहे हैं एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू लिख सकते हो या फिर एच एल लिख सकते हो और वेपर के लिए आप एनथेल्पी एच वी लिख सकते हो ना इजी मतलब जस्ट फीड के लिए एच एफ और टॉप प्रोडक्ट वेपर रहेगा तो एच वी और बॉटम प्रोडक्ट लिक्विड है तो एच एफ नाउ इसमें जो ये जो कंपोजिशन है वाई डी एंड एक्सडब्लू ये क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा बिकॉज नाम ही देखिए मैंने लिखा है डिस्टिलेशन का फ्लैश डिस्टिलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन होता है तो ये जो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप गिवन होगा उसमें वाई स्टार जो है फंक्शन होगा एक्स डब्ल्यू का

सिंपल मटेरियल बैलेंस मतलब मास बैलेंस अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं देन उसके अलावा अगर क्वेश्चन में भी है, भी है, तो एनथेल्पी बैलेंस तो में देखिए होगा एंथेल्पी बैलेंस मोलर फ्लोरेट गड तो एफ इंटू उसका एंथेल्पी जूल पर मोल तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जूल पर सेकंड में मिल जाएगा मास फ्लोरेट आपको मिल जाएगा so, uh, enthalpy, मतलब फीड इंटू एंथेल्पी प्लस ऑफ क्यू बिकॉज यहां पर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहां पर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर हमने लिख दिया किलोजुल पर सेकंड इक्वल टू देन वे, वेपर जो है डी डी इंटू उसकी एंथेल्पी एच डी प्लस ऑफ बॉटम प्रोडक्ट जो मिल रहा है लिक्विड डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू उसकी एंथेल्पी एच डब्ल्यू तो ये होगी इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन इन तीन इक्वेशन की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं फ्लेस डिस्टिलेशन पे अब गाइज देखिए मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन के केस में इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहला नोट देखिए लाइक अगर मतलब ये जो जस्ट फ्लैश डिश्लेषण की हम बात कर रहे हैं फ्लैश डिस्लेशन में हम क्या कर रहे हैं लाइक like हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हीट ड्यूटी इंक्रीज कर दे जो हम क्यू सप्लाई कर रहे हैं हीट फीड को अगर वो हीट ड्यूटी हम इंक्रीज कर दे मतलब चेंज कर दे इफ द हीट ड्यूटी ऑफ द हीटर इफ द हीट ड्यूटी ऑफ द हीटर चेंजेस तो ये बेसिकली किस चीज को चेंज करेगा जो सेट कंपोजिशन जो हमको सेट मिल रहा है देखिए मोर वोलटाइल कंपोजिशन हमको मिल रहा है वेपर प्रोडक्ट और लो वोटाइल कंपोनेंट ऐसा नहीं कि हमको प्योर मोर वोलटाइल और प्योर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट मिलेगा जस्ट हमको जो वेपर मिल रहा है उसमें मेजर पोर्शन जो है वो मोर वोलटाइल कॉम्पोनेट का होता है और जो लिक्विड हमको मिलता है उसमें मेजर पोर्शन लो वोलेटाइल कॉम्पोनेट का होता है क्लियर है तो हमको जो ये जो सेट मिल रहा है बेसिकली सेट मतलब की एक्स कोमा वाई स्टार एक्स कोई स्टार जिसको हम एक्स डब्ल्यू और वाई डी भी लिख सकते हैं ना तो ये बेसिकली चेंज हो जाएगा अगर आप हीट ड्यूटी चेंज कर दोगे तो जो कंपोजिशन है टॉप एंड बॉटम के वो डेफिनेटली चेंज हो गए स्टेटमेंट मेरा देखिए आई वुड लाइक टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट इज यूजफुल टू मी ओके ठीक है देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं इफ द मोल फ्रैक्शन इफ द मोल फ्रैक्शन इफ द मोर फ्रैक्शन ऑफ द इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेट ऑफ द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट इफ द मोर वॉलेटाइल देखिए सिंपली हम क्या कर रहे हैं आप लिख रहे हैं इफ द मोर इफ द मोर फ्रैक्शन सॉरी इफ द मोर फ्रैक्शन ऑफ द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेट इन द फीड इन द फीड चेंजिस इन द फीड चेंजिस अगर हम लोग मोर वॉलेटाइल कॉम्पोजिशन जो है उसको अगर हम चेंज कर दे तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा देखिए जो आउटलेट में हमको uh, मतलब कि मोरवलडाइल कंपोजिशन जो मिल रहा है इन वेपर प्रोडक्ट और इन इन लिक्विड प्रोडक्ट तो वहां पर वो सेट अगेन चेंज होगा अगर आप मोर मोल फ्रैक्शन चेंज कर देते हो मोरवलडाइल कंपोनेंट का फीड में तो भी आपका जो सेट है बेसिकली ये चेंज होगा दैट द सेट दैट द सेट एक्स को माई स्टार विल चेंज ये आपका अगेन चेंज होगा ये चीज क्लियर है बट अगर आप मोलर फ्लोरेट चेंज करो जस्ट फीड का मोलर फ्लोरेट लाइक पहले हंड्रेड के था अब आपने टू हंड्रेड कर दिया है ना तो क्या उस केस में आउटलेट के प्रोडक्ट चेंज होंगे टॉप प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट जो मोल फ्रैक्शन है बेसिकली वो वो चेंज चेंज होंगे नहीं वो नहीं होंगे इस केस में है ना सो so, अगर आप सिर्फ मोलर फ्लोरेट चेंज करो इफ द मोलर फ्लोरेट इफ द मोलर फ्लोरेट इफ द मोलर फ्लोरेट ऑफ फीड इफ द मोलर फ्लोरेट ऑफ फीड इज चेंज इफ द मोलर फ्लोरेट इज चेंजेस इट विल चेंज इट विल चेंज द अमाउंट मतलब डी ओडब्यू जो होगा उसको चेंज कर देगा डी ओडब्यू अगर आपने जस्ट एफ अमाउंट चेंज किया तो डी ओ डब्ल्यू चेंज होगा बट कंपोजिशन चेंज नहीं होंगे इफ द मोलार फ्लोरेट ऑफ द फीड चेंजेस इट 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 विल चेंज इट विल चेंज द फ्लोरेट इट विल चेंज द फ्लोरेट ऑफ लिक्विड द फ्लोरेट द फ्लोरेट ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रोडक्ट एंड वेपर प्रोडक्ट

है ना बिकॉज उसमें अभी कंप्लीट नहीं किया गए हैं मतलब जितने सारे सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं किए गए तो आपको अभी ट्वेंटी के परस्पेक्टिव से इतना बेनिफिट नहीं होगा लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हो देन मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप एनरोल कर सकते हो उसके लिए ओके गाइस सो नेक्स्ट देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया ना अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले कंटिन्यूस डिस्टिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है डिस्टिलेशन का वो है कंटिन्यूस डिस्टिलेशन है ना कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जितना जल्दी हम कर सकते हैं देखिए कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कंटिन्यूस डिस्टिलेशन को देखिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डिस्टिलेशन है वो विद रिफ्लेक्स होता है डिस्टिलेशन विद रिफ्लेक्स डिस्टिलेशन विद रिफ्लेक्स और हम इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंटिन्यूस डिस्टिलेशन को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं फ्रैक्शनल ओके फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन सॉरी फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन भी हम इसे बोलते हैं तो देखिए

अब फीड का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है लाइक like, आपका फीड जो है एंटायर लिक्विड हो सकती है आपकी फीड जो है वो लाइक मतलब पार्शियल वेपर पार्शियल वेपर पार्शियल लिक्विड हो सकती है या फिर वो एंटायर जो है वो मतलब कि वेपर भी, भी हो सकती है ओके okay, तो ऐसा मतलब डिपेंड करता है कि आपका फीड का टाइप क्या है वो जस्ट हम आगे डिस्कस करेंगे नौ उसके अलावा देखिए जो इस जहां पर हम लोग फीड इंट्रोड्यूस करते हैं जिस ट्रे पे उस ट्रे के जस्ट अबव जो सेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन उसे हम बोलते हैं सेक्शन ये सब चीज आपको पता होगी रेक्टिफाइंग सेक्शन और एनरीचिंग सेक्शन भी बोलते हैं इसको स्टिपिंग सेक्शन स्टिपिंग सेक्शन बोलते हैं इस इस इसको, है, इसको हम लोग स्टिपिंग सेक्शन बोलते हैं ओके अब टॉप में जो प्रोडक्ट मिलता है देखिए गाइस वो हमको सॉरी हाँ टॉप प्रोडक्ट जो यहां से हमको मिलता है ओके okay, उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से बट देखिए क्या होता है इसमें मतलब हम लिख रहे हैं कि डिस्लेशन विद रिफ्लेक्स है तो जो टॉप प्रोडक्ट मिलता है हमको वेपर फॉर्म में एंटायर वेपर फॉर्म में मिलता है इसका कंपोजिशन में अगर लिखू तो देखिए वाई डी हो गया और इसका जो अमाउंट ऑफ वी हो गया फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर कंडेंसर यूज करते हैं कंडेंसर की हेल्प से हम यहां पर क्या करते हैं इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद में एक हमारे पास में होता है यहाँ पर देखिए केओडी होता है बेसिकली इसमें से हम क्या करते हैं कुछ अमाउंट जो है वो तो एज ए टॉप प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेट

सो so, पर डिस्लेट हो गया टॉप प्रोडक्ट उसके बाद बॉटम में देखिए क्या होता है बॉटम में हम लोग रिबोलर यूज करते हैं मतलब यहाँ पर हमको लिक्विड मिल रहा है एंटायर लिक्विड को हम लोग यहां पर देखिए रिमूव कर रहे हैं एंटायर लिक्विड जो रिमूव करते हैं उसको हम लोग रिबोयलर की हेल्प से पार्शियल पार्शियल रिबोयलर हम यूज करते हैं और यहाँ पर कुछ अमाउंट जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग वापस बॉटम ट्रे से यहां पर कॉलम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ये इसे हम बोल रहे डिनोट कर रहे हैं और उसके अलावा देखिए यहां पर हम लोग जो हीट है वो सप्लाई कर रहे हैं रिबॉयलर में ये होता है देखिए ये आप कंडेंसर है यहाँ पर और ये है रिबॉयलर उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग यहां पर सेपरेट करते हैं एज ए बॉटम प्रोडक्ट डब्लू से उसको डिनोट करना है उसमें कंपोजिशन जो मोर मोरवलटाइल कंपोनेंट का वो एस डब्ल्यू हो जाएगा ये हमारा हो गया बॉटम प्रोडक्ट और ये हो गया टॉप प्रोडक्ट इसको हम लोग डिस्टिलेट बोल रहे हैं टॉप प्रोडक्ट डी को एंड बॉटम को यहां पर बॉटम प्रोडक्ट डब्ल्यू से डिनोट कर रहे क्लियर है नाउ इसके बाद देखिए यहां पर देखिए जो मतलब कि इक्विबेरियम में नहीं रहता टॉप प्रोडक्ट एंड बॉटम प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो कंपोजिशन उनके हैं वो इक्विबेरियम में ऐसा नहीं है इक्विबेरियम में यहां पर नहीं रहता है तो गाइस देखिए यहां पर जिस ट्रे पे हम लोग फीड इंट्रोड्यूस करते हैं उस ट्रे को हम क्या बोलते हैं फीड ट्रे बोलते हैं यहां पर देखिए जो वेपर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा लिक्विड जो है वो यहां पर लोअर साइड में मूव करे मतलब नीचे की साइड में मूव करेगा अब यहां से देखिए हम लोग जो रिफ्लेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं इस रिफ्लेक्स का बेसिकली क्या काम होता है ये आपका डिजायर्ड डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है उसको इंक्रीज करता है मतलब जो सेप्रेशन है उसको अचीव कर उसको मतलब लाइक आपका कोई डिजायर्ड सेप्रेशन है वो विदाउट रिफ्लेक्स अचीव नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप रिफ्लेक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैसे अचीव हो जा रहा है देखिए ये जो रिफ्लेक्ट हम लोग एस ए लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये वेपर के जब कॉन्टेक्ट में आएगा तो जो लेस वोलेटाइल कॉम्पोनेट कुछ लेस वोलेटाइल कॉम्पोनेट जो वेपर के साथ ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं ओके उसको जस्ट क्या लिक्विड बेसिकली क्या करेगा बिकॉज उससे लोअर टेम्परेचर पे होगा वो बेसिकली वहां पर उस जो लो वोटाइल कॉम्पोनेट जो कंपोजिशन वेपर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर के एंड पे उसको वापस वो कंडेंस करके अपने साथ लेके आएगा

ये चीज क्लियर है बाकी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कौन सा मतलब लाइक सेक्शन में फ्लोरेट वेपर और लिक्विड का कितना रहेगा बाकी स्टिपिंग सेक्शन में फ्लोरेट कितना रहेगा ये सब हम आगे बात करेंगे ओके okay, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए कि रिफ्लेक्स स्टीम जो यूज करते हैं हम लोग उसका अमाउंट को हम कैसे डिनोट करते हैं आर इज इक्वल टू एल अपॉन डी मतलब एल जो आपने अमाउंट वापस कॉलम में इंट्रोड्यूस किया और डी मतलब एज ए टॉप प्रोडक्ट आपने जो सेपरेट किया तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लक्स रेशो ये हो गया रिफ्लक्स रेशो ओके, okay, देन हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बॉयलर प्रेशर, तो ये हम लोग

सिंपल बेसिक चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा कि okay, ट्रेक को आप टॉप से बॉटम की तरफ कैलकुलेट uh, मतलब कि uh, कैलकुलेट करते, uh, मतलब करते, uh, करते हैं उसके अलावा मतलब नंबरिंग करते हैं उसके अलावा यहाँ पर पार्शियल वेपराइजेशन हम लोग यूज करते हैं ओके बहुत सारी चीजें हैं मतलब छोटी छोटी कि uh, बॉटम में टेम्परेचर हाई रहता है और टॉप में टेम्परेचर लो रहता है बिकॉज बॉटम में रिबॉयलर लगा रहता है तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है टॉप से हाई रहेगा है ना ये सब बेसिक चीज है नौकाइज देखिए अब हम देखने वाले हैं कि पर्टिकुलरली अगर किसी ट्रेक कि अब बात करें पर्टिकुलरली किसी ट्रे की हम बात करें तो वहां पर अगर उस ट्रे को हम लोग आइडियल ट्रे कंसिडर करें तो उसके जो जो आउटलेट कंपोजिशन है जो आउटलेट कंपोजिशन है वो इक्विबीरियम में रहेंगे पर्टिकुलर अगर एक आइडियल ट्रे की हम बात करें लेकिन जो टॉप प्रोडक्ट जो वेपर हमको मिल रहा है और जो बॉटम प्रोडक्ट हमको मिल रहा है डब्ल्यू उसका जो कंपोजिशन है वो इक्विबेरियम में नहीं रहेगा फ्रैक्शनेशन डिस्लेशन जो हम देख रहे हैं पर कंटिन्यूस डिस्लेशन इसमें ना उसके बाद देखिए अब एक इंपॉर्टेंट टाइम मैं यहां पर बता रहा हूं लाइक ये मैंने कॉलम ड्रॉ कर लिया कॉलम यह ड्रॉ किया है देखिए इस कॉलम में हम देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है जो मोल फ्रैक्शन है ए का ऊपर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है जो हमारी फीड है उसमें मोल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो इंक्रीज होता है ऊपर की तरफ मूव करने पर और अगर हम लोग बॉटम की तरफ मूव करें तो देखिए मोल फ्रैक्शन जो है मोल फ्रैक्शन जो है ए का वो डिक्रीज होगा जैसे तो मतलब लाइक वाइस वर्सा बात हो गई ना क्लियर

सिंपल टी एक्स वाइप लोट हम देख रहे हैं तो हम सिंपली लाइक देखिए जब हम मतलब कि कॉलम में देखिए टॉप पे हमने देखा कि टेम्परेचर लो रहेगा टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा टॉप में और बॉटम की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा मतलब जब हम बॉटम में टेम्परेचर हाई रहेगा जब हम मतलब कि बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम क्या हम बेसिकली हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हम ट्रेवल कर रहे हैं हाई से लो की तरफ हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लोग कौन से कव को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं जस्ट यहाँ पर इस कौ को मतलब रिवर्सली हम फॉलो कर रहे हैं यहां पर मतलब देखिए बबल पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो रहा है पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे आपका फीड है यहां पर अगर आप इस कव को फॉलो करते हो तो ये आपका टेम्परेचर इंक्रीजिंग कव हो गया लेकिन आप जब इस पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हो यहां पर तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है मतलब मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि ये आपका कॉलम का टॉप पार्ट हो गया और ये कॉलम का बॉटम पार्ट हो गया ओके okay, मतलब आप इस तरफ ट्रेवल करते हो तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा और इस तरफ ट्रेवल करते हो तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा सो देखिए सिंपली देखिए कि मोल फ्रैक्शन जो है मोर वल्टाइाइल कॉम्पोनेट लेकिन अब मोर वल्टाइाइल कॉम्पोनेट की मैं बात करूं जो मोल फ्रैक्शन है मोर वोल्टाइल कॉम्पोनेट का लिक्विड और वेपर दोनों में डिक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यह चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको लाइक फीड का कंपोजिशन आपका यहां पर एक्स इक्वल टू लाइक पॉइंट फाइव हम ले, ले. ना तो इसके इसकेस्पॉन्डिंगली हमको पहला वेपर यहां पर मिल गया उसके कंपोजिशन यहाँ पर हमको वाई मिल गया ये चीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन सिंपली जैसे जैसे हम लोग टेंपरेचर इक्रीज करते हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं और जो कंपोजिशन है मोर वोल्टाइल कॉम्पोनेंट का वो लिक्विड और वेपर दोनों में डिक्रीज होता है ये चीज क्लियरली आपको याद रखनी है ओके नाउ गाइस अब हमारा जो डिस्कशन है वो रहेगा इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन पे इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन तो यहां पर हम दो ऑपरेटिंग लाइन हमको कैलकुलेट मतलब की कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन तो पहले हम लोग बात करेंगे एनरीचिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन एनरीचिंग सेक्शन जिससे मैं थोर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ देखिए ईओ एस एनरीचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन या फिर हम इसे लिख सकते हैं आर ओ एस रेक्टिफाइंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन तो देखिए रेक्टिफाइंग सेक्शन मतलब जो फीट से फीट जहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऊपर उसके ऊपर वाला जो सेक्शन होता है कॉलम का वो होता है आपका रेक्टिफाइंग और एनरिचिंग सेक्शन तो उसमें देखिए हम सिंपली अगर जस्ट एक कॉलम का ऊपर वाला पार्ट हम ड्रॉ करें तो इसमें क्या क्या हो रहा है देखिए लाइक ये एक मेरा एनथ ट्रे हो गया जहां पर मतलब जो वेपर है ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है वी एन ये मेरा अगर एन ट्रे हो गया तो नीचे वाली ट्रे से वी एन मतलब एन, एन प्लस वन ट्रे से वेपर यहां पर आएगा और उसका कंपोजिशन वाई एन प्लस होगा और इससे जो लिक्विड बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा उसका अमाउंट जो है एल एन हो गया और इसका जो कंपोजिशन वो एक्सएन हो गया नौ यहां पर कुछ ट्रेस होगी उसके बाद देखिए यहां पर वेपर मतलब कि वेपर जनरेट हो रहा है बेसिकली उसका कंपोजिशन वाई है उसके बाद कंडेंसर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर वापिस एल नोट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कंपोजिशन एस हो गया और टॉप प्रोडक्ट हमको डिस्प्ले डी मिल रहा है उसका कंपोजिशन एक्स हो गया अब इसी पे बैलेंस लिखने वाले इसलिए मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया सिंपल देखिए आपको क्या करना है ओवरऑल मास बैलेंस यहां पर लिखना है ओवरऑल मास बैलेंस क्या हो जाएगा वी एन प्लस वन इज इक्वल टू एल एन प्लस डी सिंपल मैंने क्या किया ओवरऑल मास बैलेंस लिख दिया तो ओवरऑल मास बैलेंस में क्या होगा देखिए यहां पर वाई एन सॉरी वी एन प्लस वन इनलेट फ्लोरेट हो गया देन यहां पर अगर आउटलेट की बात करें तो यहां पर देखिए वेपर जो डी अमाउंट है वो यहां पर आउटलेट में हमको मिल रहा है और एल हमको मिल रहा है तो सिंपली वी एन वी एन प्लस वन क्या हो गया एल एन प्लस डी आपका इक्वेशन नंबर वन हो गया यहां पर उसके बाद आपको तो देखिए क्या हो जाएगा वी एन प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन इक्वल टू एल एन इंटू एक्स एन प्लस ऑफ डी इंटू एक्स डी ये दो इक्वेशन हमने लिख दी यहां पर इसकी हेल्प से हम लोग एनरिचिंग सेक्शन और एक्टिफाइंग सेक्शन के लिए हम लोग डिराइव करेंगे ऑपरेटिंग लाइन ऑपरेटिंग लाइन की जो इक्वेशन है क्लियर so, देखिए आपको यहां से एनरिचिंग सेक्शन और ऑपरेटिंग सेक्शन के लिए लाइन मिलने वाली है लाइन के लिए इक्वेशन जो मिलने वाली है वो डायरेक्टली रहा गया देखिए वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू आर अपॉन ऑफ आर प्लस वन एक्स एन प्लस ऑफ वन अपॉन आर प्लस वन ज मल्टीप्लाई बाई डी तो नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन जो है वो हमको मिल रही है देखिए वाई एन प्लस वन इज़ इक्वल टू आर अपॉन ऑफ आर प्लस वन इज मल्टीप्लाई बाई एक्स एन प्लस ऑफ वन अपॉन आर प्लस वन इज मल्टीप्लाई बाई एक्स डी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना आपको यह है एनरीचिंग सेक्शन और रेक्टीफाइंग सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन इसको मैं इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर ओके वन मैंने यहाँ लिख दिया था इसको इक्वेशन नंबर वन टू थ्री आप करके लिख सकते हो ना सो इक्वेशन नंबर थ्री जो है ये इंपॉर्टेंट है गाइस देखिए अब ये एनरिचिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है इसमें देखिए हम लोग ये आर जो है बेसिकली क्या रिफ्लेक्स रेस हो, आर इक्वल टू तो एल बाई डी आर इक्वल टू तो क्या है एल डी यहाँ पर सो so, अगर हम लोग एनरिचिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन जो है इसकी अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो यहाँ से हमको स्लोप क्या मिल जाता है आर अपन आर प्लस वन और अगर हम लोग इंटरसेप्ट की बात करें इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो इंटरसेप्ट हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है एक्सडी अपोन ऑफ एक्स डी अपोन ऑफ आर प्लस वन और स्लोप इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काफी यूज होता है अब गाइज देखिए जो स्लोप है पर एनरिचिंग एनरिचिंग सेक्शन सेक्शन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लाइन की इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हमने यहां पर क्या किया जो रिफ्लेक्स है आर इक्वल टू तो एल बाई डी पुट कर देते हैं आर इक्वल टू एल बाई डी पुट कर दिया तो ये हमको देखिए क्या मिल जाएगा एल अपोन ऑफ एल अपोन ऑफ एल प्लस डी मिल गया ये जो एल अपन ऑफ डी है देखिए ओवरऑल मास बैलेंस से हम इसको लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं तो ये बेसिकली क्या हो गया एल अपॉन ऑफ वी तो सिंपली जो स्लोप है इसको हम लोग आर अपॉन आर अपॉन आर प्लस वन लिख सकते हैं या फिर हम इसको एल बाई वी लिख सकते हैं ये एल बाई वी वाला टाइम आगे यूज होता है है ना स्लोप मतलब कि जब हमको अमाउंट ऑफ मतलब कि टॉप सेक्शन में कितना लिक्विड uh, का अमाउंट है कितना वेपर का अमाउंट है तो वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तब यहां पर स्लोप आर अपोन आर प्लस वन इक्वल टू आपको एल बाई वी पता होना चाहिए ओके okay, गाइस

हम लोग इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्टली मैं यहां पर इक्वेशन लिखने वाला हूँ स्टिपिंग सेक्शन के लिए स्टिपिंग सेक्शन के लिए हमको जो इक्वेशन मिलती है वो रहेगी देखिए y m प्लस वन इक्वल टू आर डे प्लस वन अपोन ऑफ आर डे इज मल्टीप्लाई बाई x एक्स एम माइनस वन माइनस ऑफ वन अपॉन ऑफ आर डे इज मल्टीप्लाई बाई एक्स डब्ल्यू ये चीज क्लियर है ये इक्वेशन यहाँ पर देखिए जस्ट कंपोजिशन मैं जो लिख रहा हूँ जस्ट यहाँ पर आप बॉटम से मतलब बॉटम एंड ड्रॉ कीजिए कॉलम का यहाँ पर देखिए बॉटम एंड पे हमको मिल रहा है एल डे उसके बाद में बॉलर की से यहाँ पर हम लोग वापस इंट्रोड्यूस कर दें कॉलम में उसके बाद में डब्ल्यू हमको बॉटम प्रोडक्ट मिल रहा है एंड उसका कंपोजिशन हो गया और इस इसपे बात देखिए यहां पर लाइक कोई ट्रे हमने कंसिडर किया कि ट्रे हो गया है एम एथ ट्रे हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर देखिए वेपर का आउटलेट फ्लोरेट क्या हो जाएगा वी एम हो जाएगा और उसका कंपोजिशन वाई एम हो जाएगा और इसके इसके वाली ट्रैक कौन सी होगी एम माइनस वन तो यहां पर देखिए सिंपली जो लिक्विड का कंपोजिशन आएगा वो क्या हो जाएगा एल एम माइनस वन और जो कंपोजिशन है वो एक्स एम माइनस वन तो यहां से जस्ट ये मतलब कि जो यहां पर हम कंपोजिशन यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली इस फिगर से यूज कर रहे हैं तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ

ओके सॉरी ये प्लस ऑफ डब्लू यहां पर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा वी प्राइम तो देखिए वी प्राइम प्लस डब्ल्यू जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा एल बार हो जाएगा यहां पर जब आप ओवल बैलेंस लिखोगे तो सिंपली आपको प्राइम प्लस डब्ल्यू जो है आपको मिलेगा एल बार और डिनोमीटर में क्या हो जाएगा v प्राइम या v v प्राइम को आप यहाँ पर v बार से भी डिनोट कर सकते हो तो जो स्लोप है बेसिकली स्टिपिंग सेक्शन की वो डेस डेस ऑफ है और उसको हम लिख सकते हैं l l बार बार तो बार ऑफ v तो सिंपली जो मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है कि बॉटम सेक्शन में स्टिपिंग सेक्शन में लिक्विड का फ्लोरेट कितना है और वेपर का फ्लोरेट कितना है ना अब यहाँ पर एक चीज आप ये देख सकते हो कि जो स्लोप रहेगी स्टिपिंग सेक्शन की वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन रहेगी बिकॉज आरडेस प्लस वन डिवाइड बाई आर डेस कर रहे हैं तो ये स्लोप ऑलवेज आपको ग्रेटर देन वन मिलेगी उसके अलावा इंटरसेप्ट देखिए इंटरसेप्ट जो है इंटरसेप्ट यहां पर हम लिख रहे हैं इंटरसेप्ट uh, हो जाएगा यहां पर ओके माइनस ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन ऑफ आर जो है वो हो गया बेसिकली इंटरसेप्ट यहां पर स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन के लिए क्लियर है ये चीज नाउ अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फीड की मतलब फीड आपका किस किस टाइप का हो सकता है देखिए नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन इक्वेशन ऑफ फीड लाइन इक्वेशन ऑफ फीड लाइन तो फीड देखिए आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है तो टाइप ऑफ टाइप ऑफ फीड पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ फीड लाइन कैलकुलेट करने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फीड डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फीड सो सबसे पहले देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं सबकूल्ड फीड सबकूल फीड का मतलब देखिए क्या है कि जो आपका फीड है बेसिकली वो सबकूल uh, लिक्विड मतलब मैं फीड की बात कर रहा हूं सबकूल लिक्विड आपका फीड है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये बबल पॉइंट से बिलो है इसका जो टेम्परेचर है वो फीड के बबल पॉइंट से बिलो रहेगा ओके okay, देन इसके बाद में सेकेंड टाइप का जो फीड है वो है सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड लिक्विड का मतलब है कि जो फीड है बेसिकली वो बबल एट एट इट्स बबल पॉइंट है है ना उसके बबल पॉइंट पे जब फीड रहेगा फीड अपने बबल पॉइंट पे रहेगा तो उसे हम बोलेंगे सेचुरेटेड फीड है सेचुरेटेड लिक्विड लिक्विड फीड देन उसके बाद में थर्ड टाइप का जो फीड है वो है मिक्सचर फीड इज ए मिक्सचर ऑफ फीड इज ए मिक्सचर ऑफ वेपर एंड लिक्विड वेपर एंड लिक्विड देन फोर्थ टाइप का जो फीड है वो होगा सेचुरेटेड वेपर मतलब आपका जो फीड है वो कंप्लीटली वेपर है बट वो अपने बबल अपने ड्यू पॉइंट पर रहेगा है ना फीड एट इट्स ड्यू पॉइंट देन इसके बाद हम लिख रहे हैं सुपर सेचूरेटेड फीड सुपर सुपर हीटेड फीड इसको बोलेंगे हम सुपर हीटेड फीड सुपर हीटेड फीड का मतलब वो अपने ड्यू पॉइंट से ग्रेटर देन टेम्परेचर पर रहेगी सुपर हीटेड वेपर जो है वो ग्रेटर देन इट्स ड्यू पॉइंट यहां तक क्लियर है अब गाइज एक टाइम हम डिफाइन करेंगे यहां पर क्यू क्यू बेसिकली क्या डिनोट करता है क्यू यहां पर मैं लिख देता हूं क्यू जो है वो है बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ फीड द फ्रैक्शन ऑफ फीड द फ्रैक्शन ऑफ फीड विच इज लिक्विड द फ्रैक्शन ऑफ फीड विच इज लिक्विड ये डिनोट करता है इसको है ना मतलब फ्रैक्शन को डिनोट करता है तो सबको लिक्विड में हम देखते हैं कि जो फीड है वो आपका लेस देन बबल पॉइंट है सबकुल सबकुल लिक्विड लिक्विड में liquid के केस में तो हम बोल सकते हैं कि क्यू जो है वो ग्रेटर देन देन रहेगा लिक्विड है तो फीड अपने बबल पॉइंट पे तो इक्वल टू होगा देन देन अगर फीड मिक्सचर है उस केस में जो क्यू है वो जीरो से वन के बीच में रहेगा ये फ्रैक्शन एक्चुअली में जो हम लोग क्यू डिफाइन करते हैं वो थर्ड टाइप के फीड के लिए डिफाइन करते हैं फीड जब आपका मिक्सचर होता है वेपर एंड लिक्विड के लिए लेकिन uh, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर मतलब uh, मतलब समझ रहे हैं कि सबकुल -cool के लिक्विड केस में हम बोल सकते हैं कि क्यू जो है वो ग्रेटर देन वन होगा और सेचुरेटेड लिक्विड के केस में क्यू इक्वल टू वन होगा देन फीड मिक्सर के केस में तो जीरो से वन के बीच होगा एंड सेचुरेटेड वेपर के केस में क्यू जो है वो इक्वल टू जीरो होगा बिकॉज कंप्लीटली फीड जो आपका है वो वेपर है लिक्विड का फ्रक्शन नहीं है उसमें देन उसके बाद में सुपरहीटेड वेपर जब है फीड तो उस केस में बोलेंगे कि क्यू जो है वो लेस देन जीरो है क्यू लेस देन जीरो है उसका मतलब आगे समझेंगे हम क्या है जब हिट आपका सुपर हीटेड वेपर जब रहता है तो उस केस में मतलब जो रिफ्लेक्स बेसिकली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिकली उसको भी वेपराइज करके वो मतलब वेपर में कन्वर्ट कर देता है तो फीड का जो अमाउंट होता है उससे भी अमाउंट जो मतलब कि फीड जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलम में उससे भी मतलब जो फ्लोरेट है टोटल वो इंक्रीज हो जाता है कॉलम में मतलब की उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में ओके okay? सो so जो क्यू हम जो टाइम बोल रहे हैं कि ये बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द फीड इन लिक्विड है तो इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं क्यू इज इक्वल टू एच वी माइनस ऑफ एच एफ अपोन ऑफ एच वी माइनस ऑफ एच एल तो ये क्या क्या, क्या चीज डिनोट करा बेसिकली एच वी यहां पर क्या हो गया एनथेल्पी चेंज मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं एच वी क्या है एनथेल्पी चेंज इनवॉल चेंज इनवॉल एनथेल्पी चेंज इनवॉल फॉर चेंजिंग फॉर चेंजिंग द फीट फॉर चेंजिंग द फीट फ्रॉम फॉर चेंजिंग द फीट फ्रॉम इट्स ंडीशन फ्रॉम इट्स कंडीशन टू सेचुरेटेड वेपर इट्स अचुरटेड वेपर ओके सिंपली यहां पर ये मैं लिख रहा हूं देखिये मैं जस्ट फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं अभी ये एच बी मैंने लिखा है ना द एंथेलपी चेंज इन्वॉल्व फॉर चेंजिंग द फीड फ्रॉम इट्स कंडीशन टू सेचुरेटेड वेपर डिडेड बाई divided, divided मतलब ओके एनथलपी चेंज इनवोल फॉर चेंजिंग ओके कंप्लीट मैंने डिफरेंस लिख दिया एच वी माइनस ऑफ एच एफ में लिख रहा हूँ एंथलपी चेंज इनवोल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ सो so, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर uh, में क्या रहा है एच वी माइनस एच एल तो ये बेसिकली किस चीज को डिनोट कर रहा है इसका जो डिफरेंस होगा मतलब की एल एल वी हम लेट करते हैं लेटेंड uh, हीट है लेटेंड हीट लिखते हैं तो लेटेंड हट ऑफ एपरास ऑफ यहाँ परली होगा लेटेंट हिट ऑफ

और फीड का हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं ये आपका क्वालिटी हो गया मतलब फीड का ना किस टाइप का आपका फीड है अब इस अपर सेक्शन में देखिए कितना अमाउंट ऑफ वेपर होगा अमाउंट ऑफ वेपर होगा कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा और बॉटम सेक्शन में कितना अमाउंट ऑफ वेपर होगा और कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा बॉटम सेक्शन में जो uh, जो कंपोनेंट हम लिख रहे हैं वो बाहर से लिख रहे हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए वी मतलब वेपर amount of the vapor in the top, in the upper section and l is the amount of the liquid in the upper section and v bar is the amount of the vapor in the uh, in the lower section and l bar is the amount of the liquid in the lower section clear mm hai -hmm. रहा तो अगर आपको लिखना अगर आपको ये लिखना हो कि vapor of vapor flow rate आपको calculate करना है top section में तो कैसे calculate करेंगे vapor flow rate in top section तो simply देखिए कि top section में जो vapor होगा देखिए वो क्या वो कितना होगा देखिए कि v is equal to v bar मतलब जो बॉटम सेक्शन से जो वेपर फ्लोरेट मिल रहा है उसमें देखिए कुछ टाइम एड होगी वो टाइम क्या रहेगी बेसिकली देखिए फीड जो है फीड जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वन माइनस क्यू टाइम्स मतलब देखिए हमको पता है कि Q जो है वो वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ ऑफ द द फीड विच इज लिक्विड है ना मतलब लिक्विड में कितना फीड है सॉरी uh, फीड uh, में कितना लिक्विड है वो चीज डिनोट कर रहा है तो अगर मैं वन माइनस क्यू टाइम्स तो फीड करूं तो वो बेसिकली क्या मिल जाएगा मेरा जो फीड है उसमें वेपर कितना है तो फाइनली मेरे को यहां से मिल जाता है बार प्लस ऑफ वन माइनस क्यू इन टू ऑफ एफ ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया नाउ सेकंड अगर मुझे ये पूछा जाए और वी बार बेसिकली क्या है वेपर फ्लोरेट इन द बॉटम सेक्शन नाउ उसके बाद अगर मुझे पूछा जाए कि बॉटम सेक्शन में लिक्विड फ्लोरेट कैलकुलेट करो लिक्विड फ्लोरेट लिक्विड फ्लोरेट इन बॉटम सेक्शन लिक्विड फ्लोरेट इन बॉटम सेक्शन तो सिंपली हम क्या करेंगे देखिए जो टॉप सेक्शन देखिए एल बॉटम में मतलब एल बार में लिख रहा हूं तो बॉटम बॉटम uh, में लिक्विड फ्लोरेट को डिनोट कर रहा है सो एल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए जो टॉप से लिक्विड मिल रहा रहा है है आ यहां पर देखिए जो टॉप से लिक्विड आ रहा है उसमें कुछ टाइम एड होगी या एक्जेक्टली exactly उसमें कुछ टाइम एड होगी जो फीड में लिक्विड है तो so, फीड में कितना लिक्विड है क्यू टाइम्स ऑफ फीड क्यू टाइम्स ऑफ फीड जो है वो आपका लिक्विड होगा तो यहां पर आपको मिल गया लिक्विड फ्लोरेट इन द बॉटम सेक्शन इज एल बार इक्वल टू एल प्लस क्यू एफ तो ये क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं फाइनली इक्वेशन ऑफ फीड लाइन की अभी तक हमने एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन डिस्कस किया उसके बाद में हमने स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन डिस्कस किया अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ फीड लाइन इक्वेशन ऑफ फीड लाइन देखिए इक्वेशन ऑफ फीड लाइन जो है इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं फाइनल में इक्वेशन जो है वो हमको मिल रही है देखिए y इज इक्वल वाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस वन ट तो है, मतलब करते हैं तो यहां पर इक्वेशन ऑफ फीड लाइन के लिए हम अगर देखें स्लोप तो स्लोप बेसिकली क्या यहां पर क्यू अपन ऑफ क्यू माइनस वन क्यू अपोन ऑफ क्यू माइनस वन हो गया स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द इक्वेशन uh, क्वेशन uh, मतलब फीड uh, लाइन के लिए ये हो गया स्लोप उसकी जो इक्वेशन है फीड लाइन की उसके लिए स्लोप हो गया ये देन उसके अलावा इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट बेसिकली क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट जो है ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स एफ अपॉन ऑफ क्यू माइनस वन तो अभी आपको याद होना चाहिए यहां पर देखिए हमने सबसे पहले एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन डिस्कस किया उसमें हमने स्लोप देखा कि अपॉन किन मिला देन उसके बाद में हमने स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन देखा वहां पर इक्वेशन की जो स्लोप है वो हमको मिली प्लस अपॉन ऑफ Then उसके बाद में अभी हमने देखा इक्वेशन ऑफ फीड लाइन यहां पर हम देखें कि जो स्लोप है फीड की वो क्यू अपॉन क्यू माइनस वन है यहां तक कॉल क्लियर अब गाइज देखिए मैं हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फीड देखा है मतलब कि लाइक सब को लिक्विड हो गया सेचुरेटेड लिक्विड हो गया मिक्सर ऑफ दिक्सर ऑफ द वेपर एंड लिक्विड हो गया सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड वेपर हो गया और सुपर वेपर हो गया तो यहां पर देखिये आपको रिफ्लक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसका अमाउंट जो है रिफ्लक्स का अमाउंट फीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो सिंपली यहां पर देखिए वाई इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें सबसे पहले यहाँ पर हो गया वाई और यहां पर हो गया एक्सल टू एक्स लाइन हमने ड्रॉ की नौ होगा हो उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर मोर वोल्टाइल कंपोजिशन टू एक्स लाइन में तो हो हम लोग एक्सडी भी लिखते हैं एक्सडी कोमा एक्सटी देन उसके अलावा यहां पर बॉटम में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कंपोजिशन uh, क्या हो जाएगा एक्स डब्ल्यू कॉमा एक्स डब्ल्यू तो फाइनली देखिए मतलब डिफरेंट फीड के लिए डिफरेंट फीड लाइन आपको मिलती है सो so, अब देखिए फीड लाइन आपकी कैसी होगी मतलब ये आपका होता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन जो है ये आपका इक्वीबरियम लाइन हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं उसके बाद जब ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गया उसके बाद में हम लोग ड्रॉ करते हैं इक्विबेरियम लाइन तो इस टाइप से आपको कुछ इक्वीबरियम लाइन मिलती है देन फाइनली अब आपको ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसके अलावा एक फीड लाइन होती है तो ऑपरेटिंग uh, लाइन तो आपकी मतलब कि देखिए फीड लाइन जो बेसिकली वो क्या डिफ्रेंशिएट करती है ना कि आपका फीड आप, लाइन आप के अपर सेक्शन में जो है वो आपका रहेगा एनिचिंग सेक्शन का लाइन उसमें और बॉटम सेक्शन जो रहेगा उसमें आपका स्टिपिंग सेक्शन का ऑपरेटिंग लाइन उसमें रहेगा तो फीड लाइन मतलब जो हमने अभी जस्ट इक्वेशन देखा वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ऑफ क्यू माइनस वन इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस ऑफ एक्सएफ अपॉन ऑफ क्यू माइनस वन ये मेरा फीड लाइन का इक्वेशन है। तो इसमें देखिए अगर मैं फीड लाइन इक्वेशन ड्रॉ करता हूं मतलब लाइक like -cool, -cool तो -cool कुछ इस तरीके से देखिए सबसे पहले हम मतलब इस तरीके से मिलेगा बिकॉज सबकूल लिक्विड केस में हम लिखते हैं कि क्यू जो, है। जो है ग्रेटर देन वन है क्यू तो जो है ग्रेटर देन वन है तो स्लोप जो है इक्वेशन का क्यू अपन क्यू माइनस वन है तो ये जब क्यू ग्रेटर है तो बेसिकली हमको स्लोप मिलता है और सबसे मैक्सिमम यहाँ पर स्लोप रहता है सबको लिक्विड के केस में फीड लाइन का तो यहाँ पर हम लोग अगर हमको ग्राफ जीवन है तो वहाँ से हम लोग बता, बता सकते हैं कि फीड फीड जो है हमारा किस टाइप का फीड है ना, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हमको ये मिलती है टाइम मतलब जो स्लोप है की, वो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी तो यहाँ पर ये, ये किसको कर रही है? मतलब इसको देखिए मतलब सबसे पहले देखा यहां पर लिक्विड लिक्विड सेकंड उसके बाद में मिक्सचर हम देखेंगे फीड फीड इज ऑफ द वेपर लिक्विड उसके बाद में सुपरेटेड वेपर तो सबसे पहला जो मैंने ये जो लाइन ड्रो किया है फीड लाइन ये बेसिकली uh, किस फीड लाइन किसके लिए ड्रॉ किया है सबकुल्ड लिक्विड के लिए सेकंड सेचुरटेड लिक्विड के लिए थर्ड देखिए ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है कि आपका फीड जो है वेपर प्लस लिक्विड है ये थर्ड लाइन हो गया फीड लाइन उसके बाद में फोर्थ देखिए यहां पर ये फोर्थ लाइन हम ड्रो कर रहे हैं इसमें मतलब ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो फीड है वो सेचुरेटेड वेपर है सेचुरेटेड वेपर है एग्जेक्टली देखिए कंपोजिशन देख के आप बता सकते हो ये चीज अभी मैंने कंपोजिशन ड्रो नहीं की देन उसके बाद में फाइनली अगर सुपर एटेड वेपर है तो इस तरीके से आपको कंपोजिशन मिलेगा यहाँ पर ये फिफ्थ लाइन जो है ये ये डिनोट कर रहा सुपर एटेड वेपर के लिए फीड लाइन ओके गाइस तो अब यहां पर देखिए कंपोजिशन देख के आप बता सकते हो ना मतलब जो आपका देखिए यहां पर जो कंपोजिशन मिलने वाला है ये जो एक्सएफ है एक्सएफ मतलब, uh, तो के के की कोरोस्पॉली एक्सएफ इक्वल टू आपको देखिए आप लाइन पे, uh, पे वाइटेस तो उसके इक्वल है आप देख सकते हो तो ये सब जस्ट मतलब पैरामीटर देख के मतलब जो कंपोजिशन है कंपोजिशन देख के आप फीड पे कमेंट कर सकते हो कि आपके फीड का टाइप कौन सा होगा ये चीज क्लियर यहां तक नो no, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेकअप थी मेथड तो मेके मेथड हम आगे डिस्कस करने वाले मेके को कैलकुलेट करने के लिए है ना ये कैल्कुलेट यूज करते हैं हम लोग थियोरिटिकल और कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ट्रेस हमको नंबर ऑफ नंबर ऑफ ट्रेस इन ट्रे कॉलम और उसमें एक एजम्पन होता है कॉन्स्टेंट वाला ऑफ हम लोग कंसिडर करते हैं तो फाइनली मेके मेथड जो है हमको क्या देता है ये टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस जो है वो हमको मिलता है मैकेप के मेथड से क्लियर है नाउ अब लाइक like, अब डिपेंड करता है कि आपकी जो नंबर ऑफ ट्रेस जो मेकअप थी मेथड से मिल रही है क्या एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेस उससे वेरी कर रही है है ना उससे वेरी कर सकती है वो डिपेंड करता है हम जो रिबोलर यूज करते हैं मैंने टाइम यूज किया था कि डिस्टिलेशन के लिए मोस्टली हम लोग पार्शियल रिबोलर यूज करते हैं तो जो पार्शियल रिबोलर जो यूज करते हैं उसको हम लोग एक ट्रे कंसिडर करते हैं उसको हम लोग एक ट्रे कंसिडर करते हैं वो डिपेंड करेगा आपका टाइप क्या है तो, uh, मतलब कि रिवॉलर का लेकिन अगर क्वेश्चन uh, में आपको गिवन है कि पार्शियल रिबॉयलर यूज हो रहा है देन डेफिनेटली उसको एक ट्रे करना पड़ेगा आपको तो सिंपल मैं यहां पर लिख रहा हूँ कि केस वन देखिए क्या हो जाएगा अगर पार्शियल रिबॉयलर यूज कर रहे हैं हम लोग अगर यूज कर रहे हैं पार्शियल रिबॉयलर वन वी वेन वी यूज पार्शियल रिबॉयलर देन हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ ट्रेस जो एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेस कॉलम में इंस्टॉल की गई है द नंबर ऑफ दैट शुड बी इंस्टॉल इन द कॉलम

नंबर ऑफ ट्रेज जो हमको इंस्टॉल करनी है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रेज जो हमको डायग्राम से मिल रही है उसमें हम लोग एक ट्रे जो है वो सेपरेट कर देंगे मतलब बिकॉज आपको लाइक like, डायग्राम uh, से नंबर ऑफ ट्रेज मिल रही है कि ट्वेंटी नंबर ऑफ ट्रेज है लेकिन एक्चुअल कॉलम में आपको कितने ट्रेस इंस्टॉल करनी है नाइनटीन इंस्टॉल करनी है बिकॉज एक तो आपका रिबोलर एक ट्रे का काम तो आपका रिबोलर कर देगा नौ सेकंड देखिए अगर आपको गिवन है कि पार्शियल रिबोलर और कंडेंसर जो वो भी मतलब जब मैंने पार्शियल यहां पर लिखा तो डेफिनेटली कंडेंसर कंडेंसर हम टोटल यूज कर रहे हैं लेकिन हमको ये दे दिया कि पार्शियली रिबोयलर यूज कर रहे हैं और पार्शियली कंडेंसर यूज कर रहे हैं पार्शियल रिबोलर एंड पार्शियल कंडेंसर तो उस केस में उस केस में हम क्या लिखेंगे कि टोटल तो जो नंबर ऑफ ट्रेज होगी टोटल नंबर ऑफ ट्रेज जो कॉलम में इंस्टॉल की जाएगी वो आपकी जो डायग्राम से ट्रेस जो हमको मिल रही है नंबर ऑफ ट्रेस नंबर ऑफ ट्रेस गिवन बाय द डायग्राम नंबर ऑफ ट्रेस इसको मैं यहाँ पर डायग्राम लिख देता हूं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में है ना नंबर ऑफ ट्रेस गिवन बाय द डायग्राम माइनस ऑफ टू इतनी ट्रेस आपको कॉलम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी ओके okay. सर uh, अभी दस जने ओके okay, भाई तेरे को लीव करना है तो लीव कर दो क्या प्रॉब्लम है मिस्टर पंकज अगर तुमको लीव करना है तो तुम लीव कर सकते हो अननेसेसली कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो इससे अच्छा है कि अपने गेट की प्रिपरेशन करो जाके अगर तुम्हें लेक्चर नहीं देखना है देन तुम अपने गेट की प्रिपरेशन करो क्यों किसी को डिमोटिवेट करना है है ना सो so गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो टाइम है गेट का इसमें आपको नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल दूर रहना है कोई भी नेगेटिव पर्सन जो नेगेटिव मैंटेलिटी वाला है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में है ना इन जैसे लोगों से आपको मतलब कॉन्टेक्ट में नहीं रहना है ना इस टाइप के लोग बेसिकली आपको डिमोटिवेट करेंगे इनका खुद, खुद का तो लाइक कुछ हो नहीं सकता है लेकिन डेफिनेटली ये क्या करते हैं बाकी लोगों को डिमोटिवेट करते हैं ओके okay, तो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे थीले से बेसिकली जो नंबर ऑफ ट्रेस हमको मिलती है क्लियर है सो वेट ए मिनट ओके सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग ठीक है नेक्स्ट हम लोग आ, देखते हैं कि अगर हम लोगों के पास में मतलब कि टोटल कंडेंसर और टोटल रिबॉयलर अगर आ, यूज कर रहे हैं तो जितनी नंबर ऑफ ट्रेस कॉलम में इंस्टॉल करते हैं उतनी नंबर ऑफ ट्रेस डायग्राम से मिलती है ओके okay, अब देखिए नंबर ऑफ ट्रेस तो आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपली ये डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं एक बार जल्दी से मैं आपको आ, दिखा देता हूं है ना तो सिंपली सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स लाइन हम ड्रॉ करते हैं वाई इक्वल टू एक्स लाइन आपका वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गया नौ इसके बाद हम लोग इक्विबियम लाइन ड्रॉ करते हैं

ठीक है सो uh, so यहां पर हम लोग नंबर ऑफ ट्रेस कैसे स्टार्ट करते हैं देखिए नंबर ऑफ ट्रेस जस्ट नंबर ऑफ ट्रेस जो बेसिकली यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वाई डी पॉइंट से जस्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं देखिए जब इक्विबियम लाइन को यहां पर टच टच करती है देन यहां पर मतलब कि एक ट्रे आपका हो गया उसके बाद में नेक्स्ट ट्रे सिमिलरली इस तरीके से आप ट्रे, मतलब डिनोट करते हो देन फाइनली जो जिस जिस ट्रे पे बेसिकली ये देखिए ये जो लाइन क्रॉस करता है ना वो आपका फीट ट्रे होता है बेसिकली ओके okay, ये आपका होता है सिमिलरली ये नंबर ऑफ ट्रेस हम फाइनली इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एक डायग्राम में फाइनली किस पॉइंट तक हम लोग जब आपका एक्स एक्स डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू जो है वो अचीव हो जाता है इस पॉइंट तक हम लोग पर नंबर ऑफ ट्रेस आपको मिलता है ओके okay, तो यहां से देखिए ये आपका इस इस डायग्राम में ये आपका फीड लाइन है जिसे हम लोग क्यू लाइन बोल रहे हैं और ये आपका ईओएल एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन और ये आपका हो गया स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन फाइनली यहां से हम लोग नंबर ऑफ ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं तो गाइस

का मतलब फंडा है कि रिफ्लेक्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो टॉप प्रोडक्ट है उसका जो कंपोजिशन है है ना मोर वर्टल कंपोजिशन वो इंक्रीज होते जाएगा लेकिन मतलब आप एक 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 मतलब एक पॉइंट तक ही आप इंक्रीज कर सकते हो ना एक पॉइंट तक ही आप इंक्रीज कर सकते हो जो जो रिफ्लेक्स है उसका फ्लोरेट एक पॉइंट तक इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज उसके बाद जब आप इंक्रीज करते हो तो आपको बाकी सब चीजें चेंज करनी पड़ती है लाइक like, जब आप रिफ्लेक्स फ्लो इंक्रीज करते हो कॉलम में तो टोटल जो लिक्विड फ्लोरेट है कॉलम में वो इंक्रीज हो जाता है तो फिर आपको कॉलम का जो डाया है वो भी इंक्रीज करना पड़ता है तो ये सब पैरामीटर होते हैं इसलिए हम लोग जो रिफ्लेक्स यूज करते हैं वो ऑप्टिमम रिफ्लेक्स यूज करते हैं तो ऑप्टिमम रिफ्लेक्स के लिए देखिए एक कॉ हमको मिलता है बेसिकली देखिए

तो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रहो तो बेसिकली मतलब आर मिनिमम से थोड़ा मतलब उसका लाइक परसेंटेज में रहता है लाइक लाइक 1.2 मतलब अगर मैं जनरली रेंज बोलूँ कि आर जो ऑप्टिमम होता है आर ऑप्टिमम या फिर उसका ऑपरेटिंग भी बोल सकते हो या आपका रहता है 1.2 टाइम्स टाइम्स टू होता है आर मिनिमम का है ना ये जस्ट जनरल जनरल फैक्टर जैसे मैं बोल रहा हूं पर अब इस रोल ऑफ रिफ्लेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देखिए अगर मैं मिनिमम रिफ्लेक्स रखू तो मेरे कॉलम में क्या इंपैक्ट आएगा अगर हम मिनिमम रिफ्लेक्स रखे तो देखिए फर्स्ट हम कंडीशन बात कर रहे हैं की. में जो reflex, आप उसको जीरो नहीं कर सकते हो कॉलम में मिनिमम रिफ्लेक्स जो है उसको आप जीरो नहीं कर सकते हो पहली चीज तो ये क्यों नहीं कर सकते है? उसका भी मैं मतलब बताऊंगा देखिए आर इक्वल टू एल बाई डी होता है आर इक्वल टू एल बाई डी होता है नौ सो देखिए यहां पर सिंपल जो नंबर ऑफ ट्रेस है अगर आपने रिफ्लक्स रेशो जो है रिफ्लक्स, रिफ्लक्स अगर आपने जीरो कर दिया तो जो नंबर ऑफ ट्रेस है वो कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपको डिजाइड लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेस आपको रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगी ना मिनिमम रिफ्लो तो मिनिमम के केस में भी जो नंबर ऑफ ट्रेस है वो बेसिकली क्या होती है नंबर ऑफ ट्रेस वो आपको इनफाइनाइट रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगी बिकम इनफाइनाइट क्लियर है नाउ इसके बाद देखिए लेकिन मिनिमम रिफ्लेक्स के केस में जो रिबॉयर ड्यूटी एंड हीट ड्यूटी होगी वो मिनिमम होगी ड्यूटी ड्यूटी और कंडेंसर जो है वो मिनिमम रहेगी यहां पर मतलब इनका लोड मिनिमम होगा तो मतलब जो ड्यूटी है बेसिकली वो मिनिमम रहने वाली है सो रिबॉयलर एंड कंडेंसर लोड आर मिनिमम सो अल्टीमेटली होगा क्या यहां पर जो हमको मतलब कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो लो रहेगी ये चीज क्लियर है ना उसके बाद देखिए यहां पर हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर हम लोग रिफ्लक्स को इंक्रीज करें रिफ्लक्स को इंक्रीज करें तो कोरोस्पॉन्डिंगली जो आर डेस है बॉयलर प्रेशर वो भी इंक्रीज होगा बॉटम में जो आर डेज का फ्लो है बेसिकली वो भी इंक्रीज होगा अगर हम लोग आर को इंक्रीज करते हैं देन इसके अलावा देखिए अगर हम लोग रिफ्लक्स को रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ रिफ्लक्स रिड्यूस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो बॉयलर जो रेशो है आर डेस वो भी बेसिकली रिड्यूस होगा

ये इक्म कब हो गया देन उसके बाद में वाई इक्वल टू एक्स लाइन वाई इक्वल टू एक्स लाइन यहां पर ये यह हो गई सो so, यहां पर देखिए देखिये एक्सएफ कोमा एक्सएफ ये फीट का कंपोजिशन आपका हो गया सो so, देखिए जिस पॉइंट पे बेसिकली इक्विबेरियम लाइन मतलब जो फीड लाइन बेसिकली इंटरसेट करती है वो तो देखिए कहां पर इंटरसेट करती है जहां पर आपका एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन और स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन जो है बेसिकली दोनों जहां पर इंटरसेट करती है उसी पॉइंट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहां पर फीड कंपोजिशन को तो हमको यहां पर फीड लाइन मिल जाती है और ये जो पॉइंट बेसिकली जब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं देखिए स्लोप देखिए एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन की अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो आर अपन आर प्लस वन होता है एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन के लिए और स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन के लिए, और, लिए स्लोप होता है आर डे अपन ऑफ आर डे आर डेस अपॉन ऑफ आर डे प्लस वन नौ आई थिंक ओके ठीक है स्लोप स्लोप uh, जो हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं नीचिंग सेक्शन और ऑपरेटिंग लाइन के लिए ओके okay, इसके लिए जस्ट मैंने यहां पर गलत लिख दिया अभी सॉरी ये बेसिकली होगा यहां पर आर डे प्लस ऑफ वन अपॉन ऑफ Rです. ये आपका स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन के तो सिंपली देखिए जब हम लोग आर का अमाउंट बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप स्लोप चेंज होगा एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन और स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन के लिए तो देखिए अगर यहाँ पर इस इसकी मतलब स्लोप अगर हम लोग इंक्रीज डिक्रीज दिक्री, करें मतलब आर को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो जो स्लोप होगी बेसिकली एंडिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन की ये स्लोप बेसिकली डिक्रीज होगी तो फाइनली हमारा कौ जो है इक्विबियम कव की तरफ शिफ्ट होता है फाइनली जिस पॉइंट में वो इक्विबियम कव को इंटरसेक्ट करता है सिमिलरली यहां पर स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन जो उसकी स्लोप क्या होगी इंक्रीज होगी जब हम लोग आर को रिड्यूस कर रहे हैं तो एनरीचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रही है और स्टिपिंग सेक्शन की जो जो स्लोप है वो इंक्रीज होने वाली है है ना तो कोरोस्पॉिंगली ये दोनों पॉइंट मतलब जो है इक्विबियम लाइन की तर, जो इक्विबियम लाइन है उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं और फाइनली उसको इंटरसेक्ट करते हैं ना जो इंटरसेक्ट लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट वो फाइनली इक्विबियम पॉइंट पर इक्विबेम लाइन पर आ जाता है ओके तो वो आपका मतलब आर मिनिमम का कंडीशन देखिए अब आर मिनीमूं, आर मिनिमम मिनिमम जो है बेसिकली वहां पर दिफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीड के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्स होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है सिंपल मैं आपको रिलेशन बता देता हूं कि देखिए मिनिमम रिफ्लेक्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर सबकुल्ड सबकूल्ड लिक्विड अगर होगा तो मिनिमम रिफ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपने जो फीड का टाइप है वो अगर आपने सेचूरेटेड कर दिया तो जो जो मतलब की जो जो रिफ्लक्स का अमाउंट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा आर मिनिमम उसके अलावा अगर मिक्सचर हो गया फीड एंड वेपर उस केस में आपका आर मिनिमम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा मिक्सर के लिए मतलब जो फीड आपका अगर वो मिक्सर प्लस का, उसके बाद अगर आपका केस में आपको, आपको बताऊंगा ओके okay, उसके बाद में अगर, आ, अगर आप बात करो सुपर सेचुरेटेड वेपर की तो उस केस में रिफ्लक्स का अमाउंट जो है वो आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा रीजन सिंपल है देखिए गाइस बिकॉज सुपर हीटेड वेपर में हमें पता है कि फीड जो है उसके ड्यू पॉइंट से भी हाई पॉइंट पर रहती है तो इनिशियली क्या होगा कि जो रिफ्लेक्स अमाउंट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा उसका जो टेम्परेचर है सॉरी uh, uh, मतलब कि जो हम लोग रिफ्लेक्स uh, जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फीट जब आपका सुपरेटेड वेपर होगा तो उसमें से कुछ अमाउंट वेपराइज हो जाएगा बिकॉज अगर सुपरेटेड वेपर का मतलब हुआ कि ड्यू पॉइंट से भी हाई टेम्परेचर पर तो जो हीट बेसिकली जो एक्स्ट्रा हीट परजेंट है वो रिफ्लेक्स का रिफ्लेक्स जो होगा उसको वेपराइज करने के लिए यूज होगा क्लियर है तो इसलिए इसलिए अमाउंट ऑफ जो जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्स है आर वो इसमें ज़्यादा रहने वाला है सुपरिटेड वेपर के केस में नौ अब उसके अलावा देखिए इस यहां पर सिंपली मैं एक बार फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसमें देखिए यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो फीड लाइन होगी फीड लाइन की बात कर रहा हूं देखिए लाइक ये हो गया लाइन आपका इसके बाद में हम लोग यहाँ पर फीड लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइक अगर आपका देखिए ये जो फीड लाइन हुआ अगर आपका सेचुरेटेड सबकुल्ड से, अगर लिक्विड आपका फीड हुआ सबकुल्ड लिक्विड पहले जो, पहला जो फीड है वो आपका सबकूल तो उस केस में ये कंपोजिशन बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पर यह एक्सड्रेस कंपोजिशन रहेगा सबकूल लिक्विड और यहाँ पर देखिए ये जो कंपोजिशन है ये कंपोजिशन अगर आपका फीड जो है मतलब थर्ड टाइप मतलब कि अगर वेपर लिक्विड का मिक्सर हो देन उस केस में ये रहेगा एक्सडेस कोमा सिमिलियरली अगर आपका फीड जो है वो यहां पर सेचुरेटेड लिक्विड हो देखी ये, ये लाइन मिलने वाली है सिमिलरली अगर आपका फीड जो है वो अगर वेपर हो मतलब की सेचुरेटेड वेपर हो देखिए फीड लाइन ये मिलने वाली है तो यह कंपोजिशन जो वाइडेस कंपोजिशन होगा और सिमिलरली उसके बाद में यहां पर अगर सुपरहेटेड वेपर हो देखो यह मिलती है ओके okay. तो सिंपली देखिए यहां पर ये जो कंपोजीशन है जहां से हम लोग फीड लाइन स्टार्ट करते हैं ये आपका एक्सेप्ट 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 होता है एकसेप, कॉमा, एकसेप, और यहां पर जो कंपोजिशन जहां से हम लोग मतलब कि फर्स्ट थ्रे स्टार्ट करते हैं वो कंपोजिशन आपका क्या होता है एक्सडी कोमा एक्सडी और जहां पर ये बॉटम कंपोजिशन हो जाता है एक्सडब्ल्यू कोमा एक्स डब्ल्यू तो यहां पर बेसिकली देखिए जो कंपोजिशन है ये डब्ल्यू ये जो मतलब कि इसके लिए आ, फाइनली जो आपका सुपर हीटेड जो फीड रहेगा उसमें आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका फीड का टाइप क्या है तो सबसे मिनिमम जो रिफ्लेक्स की रिक्वायरमेंट है वो आपका होगा सबकुल्ड लिक्विड केस के के से में सेकंड उससे लोअर उससे मतलब ग्रेटर आपको उससे ज्यादा रिफ्लेक्स बेसिकली रिक्वायर्ड होगा सेकंड जो टाइप है यहाँ पर फीड का सेचुरेटेड लिक्विड उसके उसके बाद अगर आपका मिक्सचर है फीड उसके इसमें आपको और भी और भी मतलब कि रिफ्लेक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो सिंपल यहां पर फंडा यही है कि जो रिफ्लेक्स है बेसिकली वो आपका वेपराइज हो जाता है वो जब फीड के कॉन्टेक्ट में आता है अगर आपका फीड लाइक सुपरेटेड वेपर हुआ सुपरेटेड सुपरेटेड uh, uh, या फिर सेचुरेटेड वेपर हो तो उस केस में उसका अमाउंट जो वो uh, मतलब वेपराइज हो जाएगा तो वो कंसिडर आपको करना पड़ेगा क्लियर है सो so, अब अब देखिए सिंपल मैं यहां से कमेंट कर रहा हूं आप इस डायग्राम से ये बता सकते हो बाई uh, मतलब कि बाई यूजिंग द कंडीशन ऑफ आर मिनिमम बाई यूजिंग द कंडीशन ऑफ आर मिनिमम हम लोग टाइप्स ऑफ फीड टाइप कर सकते हैं कि आपका कौन सा टाइप ऑफ फीड रहने वाला है देखिए अगर आपका कंपोजिशन देखिए जो जो कंपोजिशन है ये कंपोजिशन कंपोजिशन अगर फीड के एक्सएफ से ग्रेटर देन हो देखिए यहां पर एक्सएफ है तो एक्सएफ से तो ग्रेटर देन है एक्सडेस लेकिन जो एक्स डी है उससे अगर लेस देन होगा तो ये कौन सा टाइप का फीड हो गया आपका कोल्ड कोल्ड फीड फीड मतलब feed को हम लोग क्या बोलते हैं सबकूल लिक्विड भी बोलते हैं ये आपका सबकूल्ड लिक्विड फीड है जब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा एक्स डेज जो है वो X -f से ग्रेटर देन होगा और एक्सडी से लेस देन होगा देन उस केस में आपका फीड क्या रहेगा फीड का टाइप सबकूल लिक्विड नाउ अगर मैं लिखूं कि जो मेरा एक्सड्रेस बेसिकली मिल रहा है कंपोजिशन वो बेसिकली ग्रेटर देन हो एक्सएफ से फीड के कंपोजिशन से ग्रेटर देन है लेकिन फीड के कंपोजिशन देखिए यहां पर फीड के कंपोजिशन तो ग्रेटर देन है बट अगर ये लोअर देन है किससे वाइडेस Y से अगर लोअर मतलब कि से से देन देन है feed का composition, y जो है है का जो अगर ये X से greater है, यहाँ पर देखिए आपको यहां जस्ट okay, मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर थर्ड टाइप जो फीड है यहां पर अगर वेपर और लिक्विड का मिक्सचर होगा आपका फीड उस केस में ये कंडीशन फुल होगा कि एक्सडेस जो आपको मिल रहा है वो X से तो lower है यहां पर देखिए आपको यहां पर मिलेगा कहीं ये एक्सेप आपको मिल गया एक्स

लास्ट यहां पर ये सुपरहीटेड वेपर जब रहेगा सिंपली उसमें हमको ये कंडीशन क्या मिल रहा है पर? कि so, तो टॉप में होता है, Then, से, मतलब greater than, greater, जो है वो एच डब्ल्यू से ग्रेटर देन है एंड जो वाई डेस होगा उसके, जो, y उसके जो हमको वाई डेस मिलेगा वो यहां पर एक्सएफ है यहां पर वाई डेस है वो एक्सएफ से लो होगा तो इस केस में आप बोल सकते हो कि आपका फीड का टाइप के सुपर हीटेड वेपर मतलब जस्ट इस ग्राफ से देख के आप बता सकते हो कि आपका फीड का टाइप क्या रहेगा मतलब आर मिनिमम वाली कंडीशन से सुपर हीटेड वेपर यहां पर इस केस में रहने वाला है सुपर हीटेड वेपर ओके गाइस नाउ अब सिंपली मैं यहां पर लिख रहा हूं देखिए एक नोट लिख रहा हूं यहां पर कि जो रिबॉयलर और कंडेंसर ड्यूटी है रिबॉयलर और कंडेंसर ड्यूटी वो मतलब Correspondingly, या तो वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कंडेंसर ड्यूटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है या रिबॉयलर ड्यूटी जो है डिक्रीज हो रहा है ऐसा नहीं होगा रिबॉयर और कंडेंसर ड्यूटी जो है वो आइदर या तो दोनों इंक्रीज होगी आइदर बोथ विल इंक्रीज आइदर बोथ विल इंक्रीज और बोथ विल डिक्रीज ये कंडीशन आपको याद रखनी है बोथ विल इंक्रीज और बोथ विल डिक्रीज तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पर आपको हेल्प होगी बेसिकली इसकी है ना मतलब आप ये जो लिख रहे हैं हम कि कंडेंसर और रिबोयलर ड्यूटी जो है वो आइर या तो एक साथ इंक्रीज होगा या फिर एक साथ ये डिक्रीज होगा देन इसके अलावा देखिए अभी सिंपल आप यहां से याद करके रख लीजिए कि कंडेंसर ड्यूटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो बॉयलर ड्यूटी है वो भी इंक्रीज होगा नाउ उसके अलावा हम लोग एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरनल रिफ्लेक्स इंटरनल रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्स हम लिखते हैं सिंपली एल प्लस एल डे इज डिवाइडेड बाई डी

एल बाई डी एल यहां पर क्या था सिंपल जो एल है ये हम लोग जितना रिफ्लेक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और D जितना हम लोग कर रहे हैं, तो ये आपका होता है एल प्लस बाई डी एलडेस बेसिकली वेपर आपका कंडेंस हो रहा है ये किसका हो जाएगा देखिए कंडेंस वेपर का अमाउंट अमाउंट ऑफ दंडेंड वेपर कंडेंस वेपर का जो अमाउंट है वो होगा एलडे सेपरेट मतलब नहीं कर रहे हैं एज ए टॉप प्रोडक्टर कुछ भी सेपरेट नहीं कर रहे है. जितना भी मतलब हमको वेपर मिल रहा है उसको वापिस कंडेन्स करके मतलब कंडेंसर uh, में उसको कंडेंस करके वापिस हम उसको कॉलम में इंट्रोड्यूस कर दे रहे है. तो रिफ्लेक्स रेशो होता आरोप र इक्वल टू एल बाई डी तो ये जो d है अगर हम लोग d इक्वल टू जीरो कर दे तो बेसिकली ये रिफ्लेक्स कितना मिल, मतलब कि l l मतलब एल बाई जीरो मिल जाएगा हमको इन्फिनिटी मिल जाएगा तो रिफ्लेक्स जो है यहां पर इस केस में क्या होता है इन्फिनिटी टोटल रिफ्लेक्स का मतलब जितना भी आपको मतलब कि एज ए टॉप प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसको आपने uh, मतलब कंप्लीटली आपने उसको कॉलम में वापस से इंट्रोड्यूस करवा कर दिया सो सिंपली देखिए इस केस में होगा क्या टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन के, के केस में क्या होगा जो नंबर ऑफ ट्रेस है वो मिनिमम आपको मिलने वाली है

मिनिमम होता है फिक्स कॉस्ट जो है वो भी आपका रहता है, जब हो गया, है, तो आपका जो मिनिमम होगा क्लियर है सो सिंपली देखिए जब जब हम लोग आर अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्स जब इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है देखिए ऑपरेटिंग लाइन जो है उसका जो स्लोप होता है आर अपॉन ऑफ आर प्लस वन वो बेसिकली क्या होगा ये बेसिकली मतलब जो स्लोप है वो रिड्यूस होता है बिकॉज डिनोमिटेम देखिए आर प्लस वन है और सेकंड जो है मतलब इसके कॉर्स पड़ेंगे आर डेस भी इंक्रीज होगा तो स्टीपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन जो होती है आर डेस प्लस वन अपॉन ऑफ आर डेस ये बेसिकली क्या होगी स्लोप जो है रिड्यूस होगी मतलब आरडेस इंक्रीज करने पर तो फाइनली हमारा जो कव है बेसिकली वो कहां पर मूव करता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे इसके आर अपोन आर, आर, अपॉन आर, इस आर, आर प्लस वन है देन उसके अलावा तो में जो है बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि स्लोप रिड्यूस होने वाला है सिंपली इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ये तो यह जो लाइन हम वाई इक्वल तो टू तो एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं वाई इक्वल टू एक्स लाइन होता है और इक्विबियम लाइन होता है यहां पर और उसके अलावा यह एंडिचिंग सेक्शन लाइन ये ऑपरेटिंग सेक्शन लाइन ये फीड लाइन हो गया ये क्यू ये एंडिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन ये स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन तो जब यहां पर हम लोग आर्ट डेज मतलब रिफ्लेक्स को बेसिकली आर और आर डेज को जब इंक्रीज कर रहे हैं रिफ्लेक्स इंक्रीज जब हम करते हैं तो सिंपली क्या होता है ये कव हमारा किधर शिफ्ट हो रहा है वाई इक्वल टू एक्स लाइन की तरफ फाइनली एक लाइन हमको मिल जाती है यहां पर तो हमें पता है सिंपली कि ये ये जितना ही मतलब इसकी तरफ शिफ्ट करेगा कव तो नंबर ऑफ ट्रेज जो है वो आपको मिनिमम मिलेगी ये आप मतलब ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हो ज्यादा ईजी रहेगा जितना ये बेसिकली स्पेस मतलब ज्यादा रहेगा उतना ही मतलब नंबर ऑफ ट्रेज कम रहेगा यहां पर अगर ये स्पेस मतलब जितना लोअर रहेगा लाइक आपका ट्रेस बिल्कुल मतलब यहाँ पर पे कर रही है दोनों लाइन जो वाई मतलब एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन और स्टिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन देन उस केस में नंबर ऑफ ट्रेस आपको ज्यादा मिलेगी क्लियर है ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करते हैं देखिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर 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 मैक्सिमम मैक्सिमम वाला ना टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं तो टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन में हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन डिफाइन करते हैं फेंस के इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन में जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस की आपको रिक्वायरमेंट होती है यहां पर सो so, देखिए यहां पर हम लोग इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं फेंस के इक्वेशन बेसिकली ये क्या देता है हमको नंबर ऑफ ट्रेस ये देने वाला है जो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस रहेगा तो एन मिनिमम हमको मिलता है विद हेल्प ऑफ एंस के इक्वेशन यहां पर देखिए अल्फा, रिलेटिव वोलेटिलिटी रहता है अल्फा जो है कॉन्स्टेंट हमको गिवन रहेगा सो एन मिनिमम इक्वल टू होता है एल ऑफ एक्स डी वन माइनस ऑफ एक्स डब्ल्यू इज डिवाइडेड बाई एक्स डब्ल्यू ऑफ एक्स इज ओवरऑल डिवाइडेड बाई एल ऑफ एल्फा एवरेज क्लियर है ये चीज के इक्वेशन इक्वेशन लिए जो है वो रहती है एन मिनिमम इक्वल टू एल इंटू एस डी इंटू वन माइनस एक्सडब्लू वन माइनस नंबर ऑफ ट्रेस मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल ट्रेस मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर गिवन सेपरेशन मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर गिवन सेपरेशन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जो हमको मेकअप थीले मेथड से जो नंबर ऑफ ट्रेस मिलता है बेसिकली उसके इक्वल होगा ये मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर गिवन सेपरेशन एंड मिनिमम को मिलता है लाइक अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि पार्शियल रिबॉयलर है है हाँ ना तो पार्शियल रिबॉयलर तो सिंपली हम क्या करेंगे जो हमको ये एन मिनिमम मिल रहा है इसमें से हम लोग माइनस वन मतलब फाइनल अगर आपको लिखना है एन मिनिमम कैलकुलेट करना है तो जो यहां पर है उसमें से एक ट्रे हमको माइनस करनी पड़ेगी तो सिंपली अगर पार्शियल रिबॉयलर वाला कंडीशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमको देता है वो क्या देता है एन मिनिमम प्लस वन उसमें से एक ट्रे एड रहती है मतलब है ना एन एन मिनिमम जो दे रहा है उसमें एक ट्रे एड रहता है और वो क्या रहता है पार्शियल रिबॉयलर पार्शियल रिबॉयलर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला फेंस के इक्वेशन वाला हमको क्या देगा एन मिनिमम प्लस वन क्लियर है देन अगर पार्शियल इबोलर और पार्शियल कंडेंसर है देन यहां पर ये एन मिनिमम प्लस वन की वैल्यू देगा ये फार्मूला हमको मतलब एग्जैक्टली इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं एलन ऑफ एक्स डी इंटू वन माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स डी इज डिवाइडेड बाई एल एन एल्फा एवरेज क्लियर है

पर तो वेलोसिटी के लिए उसके अलावा देखिए ऑपरेटिंग से कभी कभी वो इक्वल हो सकती है बट मोस्ट प्रोबेबली है फ्लडिंग वेलोसिटी से लोअर रहती है तो फ्लडिंग वेलोसिटी देखिए फ्लडिंग बेसिकली कब आकर मतलब कब होगा अगर वेलोसिटी आपका बहुत हाई है गैस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्लडिंग कब आकर होगा फ्लडिंग बेसिकली होता है जब आपका गैस वेलोसिटी बहुत हाई हो है ना फ्लडिंग अकर्स एट एट हाई गैस वेलोसिटी एट हाई गैस वेलोसिटी पे आपका फ्लडिंग होता है कॉलम में सिंपली देखिए अब फ्लडिंग यहां पर हम लोग मतलब कॉलम डायमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं मास फ्लोरेट ऑफ गैस मास फ्लोरेट ऑफ गैस मास फ्लोरेट ऑफ गैस जो है उसको हम लिखते हैं एम डोट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी ये मास फ्लोरेट हो गया Now, यहाँ पर देखिए ए जो है वो है सेक्शनल एरिया एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ कॉलम अब इसमें भी जो एरिया है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि डाउन कमर एरिया अगर सिग्निफिकेंट है तो आपको रिमूव करना पड़ेगा उसमें से सेक्शन एरिया जो है कॉलम का उसमें से डाउन कमर का एरिया आपको सब्टेट करना पड़ता है देन यहां पर देखिए एरिया जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसलिए मतलब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रोसेक्शन ऑफ कॉलम या फिर एरिया फ्री एरिया एवेलेबल फ्री एरिया एवेलेबल फ्री एरिया अवेलेबल फॉर गैस फ्लो तो सिंपली देखिए जो एरिया होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू क्रोसेक्शन एरिया क्रोसेक्शन एरिया माइनस ऑफ एरिया ऑफ डाउन कमर माइनस ऑफ एरिया ऑफ डाउन कमर तो यहां से हमको मिल जाता है एरिया ओके अब सिंपली हमने लिखा था मास फ्लोरेट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी अब यहां से देखिए ये था मास फ्लोरेट हम मोलार फ्लोरेट लिख सकते हैं मोलार फ्लोरेट मोलार फ्लोरेट इज इक्वल टू मास फ्लोरेट इज डिवाइड बाय द मोलिकुलर वेट एम यहां पर क्या है मोलिकुलर वेट है और मोलिकुलर वेट जो है मोलिकुलर वेट हम लिखते हैं के जी पर किलोमोल या फिर ग्राम पर मोल तो यहां पर सिंपली देखिए अब हम लिख सकते हैं कि जो फ्लोरेट वो हमको मिलता है देखिए मास फ्लोरेट अपॉन ऑफ द मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी इज डिवाइडेड एम यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे जो एरिया है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे तो एरिया बेसिकली क्या होगा देखिए पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वेर तो यहां पर ये यह इक्वेशन हमको मिल जाता है मास फ्लोरेट मास फ्लोरेट इज डिड बाई मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू रो इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वे मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन ऑफ अपोन ऑफ एम तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली बिकॉज क्वेश्चन में आपको होता क्या है ये ये मास फ्लोरेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ये आपको गिवन रहता है मास फ्लोरेट मतलब कि आपको क्या गिवन रहता है क्वेश्चन में मोलार फ्लोरेट आपको गिवन रहता है तो सिंपली आपको जो मोलार फ्लोरेट गिवन रहेगा उसके अलावा यहां पर डायमीटर लाइक कॉलम का है वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट है कंडीशन ये कि यह फाइ बाई फोर इंटू डी स्क्वेयर हमने लिखा है इसमें से आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा कर डाउन कमर का एरिया अगर क्वेश्चन में डाउन कमर एरिया आपको गिवन है देन इस एरिया में से आपको वो एरिया सबट्रैक्ट करना है इज आपको ने, नेग्लेक्ट मतलब कंसिडर करना है ओके गाइज सो नेक्स्ट देखिए ये था हमारा कंप्लीट डिस्टिलेशन का डिस्कशन यहां पर उसके अलावा देखिए लाइक कुछ थो, थो, थोरटिकल टाइम भी है लाइक डिस्टिलेशन दिस, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया फिर उसके अलावा वैक्यूम डिस्टिलेशन हो गया एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन हो गया एक्सटेक्टिव डिस्टिलेशन हो गया है ना ये सब टाइम आप देख सकते हो ना इसमें कुछ मतलब फॉर्मुला बेस्ड कुछ भी नहीं है ना उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रे एफिशियंसी उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो हम डिस्कस करते हैं ट्रे एफिशिएंसी ट्रे एफिशिएंसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं ट्रे एफिशियंसी तो सबसे पहले हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं पॉइंट और लोकल एफिशिएंसी, पॉइंट और लोकल एफिशिएंसी हम इसको बोलते हैं पॉइंट एफिशिएंसी को तो सिंपल देखिए लोकल जो एफिशिएंसी है हम लोग डिफाइन करते हैं एक्चुअल सेपरेशन एक्चुअल सेपरेशन अपॉन ऑफ आइडियल सेपरेशन एक्चुअल सेपरेशन अपॉन ऑफ आइडियल सेपरेशन हम लोग लिखते हैं Then इसको हम सिंपल लिख सकते हैं एन लोकल एन लोकल इज इक्वल टू वाई एन माइनस ऑफ वाई एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई वाई स्टार वाई एन स्टार माइनस ऑफ वाई एन प्लस वन ये चीज क्लियर है

अपऑन ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस ऑफ एक्स स्टार यहां पर हो जाएगा इस तरीके से मैं यहाँ पर पहले ये नंबरिंग लिख देता हूँ ना देख ये लाइक एन एथ ट्रे आपका तो एन एथ ट्रे में देखिए जो वेपर जो लिविंग स्टीम होगा वो वाई एन होगा यहां पर जो इनलेट स्टीम होगा वेपर काई एन प्लस वन होगा है ना देन इसके बाद में लिक्विड यहां पर एक्स एन माइनस वन होगा इसके बाद यहां पर जो आउटलेट कंसंट्रेशन होगा वो होगा एक्स एन

ये तो बात हो गया सिंपल ये वाला पार्ट सिंपल एक्चुअल सेपरेशन का उसके बाद आइडियल सेपरेशन वाला जो है है पर हम लोग सेकंड जो ट्रे है, उसको देखिए आइडियल ट्रे कंसीडर कर रहे हैं सेम ट्रे ट्रे को हम लोग अगर आइडियल कंसीडर करें जो कि एनट ट्रे है आपकी तो इसमें देखिए यहां पर इंट्रोड्यूस मतलब कि अगर ये एन ट्रे है तो यहां पर आ, मतलब कि गैस का कम्पोजिशन क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन और यहां पर जो आउटलेट कंपोजिशन होगा वो वाई स्टार होगा देखिए नॉर्मल ट्रेम में हमने वाई एन लिखा और यहाँ पर ये वाई स्टार हो गया बिकॉज ये इक्विबेरियम इक्विबेरियम कंपोजिशन हमको मिलेगा देन यहाँ पर इनलेट कंपोजिशन देखिए एक्स एन माइनस वन और उसके अलावा आउटलेट में यहाँ पर एक्स एन ये भी इक्विबेरियम कंपोजिशन है तो ये दोनों बेसिकली क्या होता है यहाँ पर जो मतलब कि आइडियल ट्रे होती है उसके जो लिविंग स्ट्रीम्स होती है वो ऑलवेज इक्विबेरियम में होती है है ना तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमको बेसिकली मतलब वाई स्टार जब हम तब यूज करते हैं वाई स्टार मतलब ये वाला जो डिफरेंस है मतलब जो आपको सेपरेशन मिल रहा है y of Yn one, ये हमको देता है आइडियल सेपरेशन और यहां पर हमको देखिए ये ये जो सेपरेशन मिल रहा था Yn of Yn one, ये आपका एक्चुअल सेपरेशन था ये था एक्चुअल सेपरेशन तो जनरली जो पॉइंट एफिशिएंसी लोकल एफिशिएंसी एफ होता है वो आपका मतलब लेस देन मतलब कि लेस देन वन रहता है ना परसेंटेज में अगर बोलो तो आप लेस देन हंड्रेड परसेंट रहता है देन उसके बाद में सेकंड टाइप का जो एफिशिएंसी है वो होता है मरफरी एफिशियंसी मरफरी एफिसियंसी

Ideal so, देखे, मतलब एक सिंगल ट्रे के लिए अगर हम लोग बात हैं तो एफिशिएंसी की तो यहां पर बेसिकली क्या होता है जो कंसंट्रेशन होता है आपका उस पर्टिकुलर ट्रे पे वो एवरेज कंसंट्रेशन होता है वो लाइक किसी पर्टिकुलर उस ट्रे के किसी पॉइंट पे कंसंट्रेशन मतलब लोकल पॉइंट पे मतलब हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं करें ये वहां पर एवरेज एवरेज बेसिकली होता है तो कहीं पर आपका कंसेंट्रेशन मतलब हाई हो सकता है कहीं पर लो सकता है तो ओवरऑल जो मतलब की कभी कभी ऐसा है कि जो मतलब की जो सेपरेशन uh, जो आपको एक्चुअल सेपरेशन मिलता है वो आइडियल सेपरेशन से भी ग्रेटर देन मिल सकता है तो उस केस में आपका जो मर्फरी एफिशिएंसी है वो ग्रेटर देन वन मतलब ग्रेटर देन वन या फिर ग्रेटर देन मतलब अगर परसेंटेज में आप बोलो तो हंड्रेड परसेंट से ग्रेटर देन भी आपको मिल सकती है मर्फरी efficiency. ये चीज क्लियर है तो अगर हम लोग स्मॉल कॉलम डायमीटर की बात करते हैं तो वहां पर मतलब आपका एवरेज एफिशिएंसी या फिर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जो एफिशेंसी वो आपको मतलब जो कंसेंट्रेशन वो इक्वली मिलता है ऑलमोस्ट तो उस केस में हम बोलेंगे कि मर्फरी एफिशिएंसी जो है वो पॉइंट एफिशिएंसी के इक्वल होगा

तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हैं चीज? ना उसके अलावा का भी आपको बता देता हूं रिबॉयलर जो हम यूज करते हैं मैं रिबॉयलर पार्शियल रिबॉयलर वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार तो रिबॉयलर का बेसिकली टाइप होता है एक होता है आपका केटल, केटल टाइप रिबॉयलर और एक होता है थर्मोसाइफोन रिबॉयलर तो जो केटल टाइप रिबॉयलर होता है बेसिकली केटल टाइप रिवोल्वर जो होता है वो पार्शियल रिबोलर के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग एक ट्रे कंसिडर करते हैं लेकिन सेकंड जो थर्मोसाइफोन है थर्मोसाइफोन रिवोल्वर जो होता है वो टोटल रिबोयलर के लिए यूज रिबोलिंग के लिए यूज किया जाता है तो थर्मोसाइफोन रिवोल्वर अगर यूज हो रहा है तो इनडायरेक्टली मतलब हम बोल सकते हैं कि वहां पर उसको नंबर ऑफ ट्रेज हम कंसिडर नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर मतलब रिबॉयलर को हम लोग ट्रे कंसिडर नहीं करेंगे तो केटल टाइप रिवोल्वर जो होता है उसको हम लोग एक थियोरटिकल स्टेज कंसिडर करते हैं एक थोरिटिकल स्टेज हम इसको

है ना मतलब आ, काफी आ, 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 आपको मतलब कैलकुलेशन पार्ट रहता है उसमें मोस्टली अगर हम देखते हैं तो सो एक्सट्रैक्शन टॉपिक अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा है ना एक एक रिडक्शन रेशो होता है यह सबका फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अच्छे से फॉर्मुले पता है देन इजीली मतलब लाइक मटेरियल बैलेंस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एक्सट्रेक्शन पे ना तो देखिए इससे हम बोल रहे हैं लिक्विड लिक्विड एक्सटेक्शन हम जो बात कर रहे हैं वो होगा लिक्विड लिक्विड एक्सटेक्शन लिक्विड लिक्विड एक्सटेक्शन सो so, एक्सटेक्शन को हम लिखते हैं देखिए लिक्विड लिक्विड एक्सटेक्शन अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं एक्सटेक्शन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखानेक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू सो यहां पर नंबर ऑफ कॉम्पोनेट जो है वो थ्री होते हैं नंबर ऑफ कॉम्पोनेट थ्री होते हैं और नंबर ऑफ फेसिस टू रहेंगे देन प्लस ऑफ टू तो यहां से हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है थ्री देखिए अब मैंने यहां पर जो थ्री कॉम्पोनेट कंसिडर किया देखिए कैसे किया है सिंपल मैं यहां पर बता रहा हूं देखिए ये एक मिक्सचर आपके पास डिवाइस है एक मिक्सचर आपके पास डिवाइस है है ना तो इसमें देखिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा फीड तो फीड जो है उसमें बेसिकली क्या है देखिए ए प्लस सी तो ए लाइक like आप अगर uh, कैरियर uh, मतलब कैरियर लिक्विड कंसिडर करते हो तो सी इसमें सोल्यूट है लो को एक हमारे पास है बी और उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो प्योर सोलवेंट है उसमें भी सी जो सोल्यूट है उसका कंपोजिशन पॉसिबल है तो यहां पर देखिए हम देख रहे हैं कि ए और सी एक यहाँ पर हमारे पास में फेस बना रहा है और बी और सी जो हमारे पास में बेसिकली मतलब हमारे पास यहाँ पर फीड है और ये इसे हम लोग बोलेंगे सोल्वेंट ठीक फाइनली जो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेज बनाता है थ्री फेज हम बोलते हैं इसको वो आगे देखिए जब हम लोग यहां पर एक्सट्रेक्शन कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है फाइनली यहां पर एक स्ट्रीम बन रहा है जिसमें ए बी और सी रहेगा और एक स्ट्रीम यहां पर बन रहा है जिसमें ए बी और सी रहेगा लेकिन एक जो स्ट्रीम है देखिए उसमें मतलब कि वो रहेगा सोलवेंट रिच फेस लाइक यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सोलवेंट रिच फेस रहेगा मतलब इसमें बी का कंपोजिशन ज्यादा रहेगा और अनदर वन जो रहेगा वो सोल्वेंट लीन फेस इसमें मतलब सोलवेंट कम रहेगा और सी का जो कम्पोजिशन है वो ज्यादा रहेगा तो एक वहां पर हो जाता है सोलवेंट रिच फेस और एक हो जाता है सोलवेंट लीन फेस तो यहां पर जो एक्सटेक्ट होगा बेसिकली एक्सटेक्ट जो होगा उसे हम बोलेंगे सोलवेंट रिच फेस और अनदर वन जो रहेगा वो रहेगा लीन मतलब कि ये हो गया और वो वो वन जो होगा होगा रेफिनेट फेसिनेट फेस एक एक होता है, और एक होता है है फेस 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 और तो जो है वो आपका होगा सोलवेंट लीन फेस मतलब कि उसमें सोलवेंट का अमाउंट बहुत कम रहने वाला है मोस्टली जो उसमें रहेगा वो रहेगा सोल्यूट है ना एक्सटेक्ट फेस हो गया और एक हो गया सोल्वेंट फेस Now, यहाँ पर कंपोजिशन देखिए फॉर्म होता है उसको यहां पर हम इसकी हेल्प सेट करते हैं एक्सटेक्ट और रेफिनेट को मतलब हम करते हैं, of, uh, that, uh, that settler, ना सो देखिए सिंपली अगर हम लिखे एक्सट्रेक्शन को तो लाइक ये आपका कोई एक्सट्रेक्शन डिवाइस है इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फीड और

बी और मतलब सोलवेंट को बी से लिख रहे हैं और उसमें सी सोल्यूट प्रेजेंट है तो सिंपली देखिए जो जो है 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 यहां पर किसको डिनोट डिनोट कर कर रहा रहा कैरियर कैरियर लिक्विड लिक्विड को को वो और बी जो है यहां पर सोल्युट हो जाएगा और सी जो है सोल्यूट हो जाएगा नाउ अब देखिए ये वाई जो हमने डिफाइन किया ये क्या है यहां पर वाई ये कंसंट्रेशन है किसके लिए सोल्यूट के लिए द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द एक्सटेक्ट फेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द एक्सटेक्ट फेस कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द एक्सट्रेक्ट फेस एंड जो यहां पर एक्स आर लिखा है हमने वो क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द रेफिनेट फेस इन द रेफिनेट

ओके सो द सेपरेशन जो बेसिकली होता है वो किसकी वजह से होता है डिफरेंस की वजह से ना अब देखिए एक्सट्रेक्शन में मतलब आ, मतलब कि देखिए मतलब ओनली बाइनरी मतलब ए बी सी हम यहां पर तीन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं सो so यहां पर जो फेस है बेसिकली मतलब तर, मतलब इसको हम टर्सरी फिनोमिना बोलते हैं बिकॉज यहां पर आ, जो आ, मतलब कि जो आ, हमारा एक्सट्रेक्ट फेज है उसमें भी ए बी सी तीनों कॉम्पोनेंट परजेंट और जो फेस है उसमें भी हमारा ए बी सी तीनों कॉम्पोनेंट परजेंट रहते हैं ओके तो यहां पर सिंपली मैं लिख रहा हूँ कि जो एक्सट्रक्शन प्रोसेस है वो एक टर्नरी फिनोमिना है क्लियर है ये चीज

तो सिंपली हम क्या करते हैं लाइक like हमने इक्वल इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया ना टोटल फाइव फाइव पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया नाउ अब देखिए सिंपल इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं नाउ अब इसके बाद देखिए लाइक मतलब हमने क्या किया मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट के गेप में हम इसको डिवाइड कर दिया लाइक ये ट्वेंटी परसेंट हो गया उसके बाद ये फोर्टी परसेंट ये सिक्सटी परसेंट ये एट्टी परसेंट उसके बाद ये हंड्रेड परसेंट मतलब अगर हम लोग यहां पर बी बी का कंसंट्रेशन देखें तो लाइक यहाँ पर प्योर हंड्रेड परसेंट है देन इससे पहले वाले या, इस पॉइंट पर एटी परसेंट होगा इस पर सिक्सटी परसेंट इस पर फोर्टी परसेंट इस पर ट्वेंटी परसेंट मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंगली लाइन उस लाइन uh,

है ना तो पी पॉइंट के देखिए कंपोजिशन देखिए पर क्या हो जाएगा पी पॉइंट का यहाँ पर ए A, A मतलब देखिए ये जो पहली लाइन है बेसिकली ये 80 परसेंट यह, यहां पर 100 परसेंट है उसके बाद यहां पर 80 परसेंट रहेगा यहां पर 60 परसेंट रहेगा यहां पर 40 परसेंट रहेगा देन यहां पर 20 परसेंट तो ए काम्पोजिशन कितना हो जाएगा यहां पर 20 परसेंट ऑफ ए देन उसके बाद में बी बी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे जस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट लाइन बेसिकली रहेगी वो रहेगी एट्टी के लिए देन ठीक है देन सेकंड लाइन जो रहेगी देन सेकंड लाइन जो रहेगी वो रहेगी सिक्सी परसेंट के लिए देन थर्ड लाइन ये थर्ड लाइन पे बेसिकली देखिए फर, ये फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन ये थर्ड लाइन थर्ड लाइन पे पी है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट बी उसके बाद में सिमिलरली सी सी हम देख रहे हैं पर हंड्रेड परसेंट का पॉइंट है देन उसके बाद एट्टी परसेंट उसके बाद में सिक्सटी परसेंट सिम्पली आप लिख सकते हो कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है ना मतलब कोई भी पॉइंट का कॉर्डिनेट कैलकुलेट करना ओके okay, गाइस तो यहाँ पर जो वर्टिक्स है बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो प्योर आ, प्योर कॉम्पोनेंट को डिनोट कर रहा है उसके बाद में जो साइड है।, मतलब है।, है और इस साइड मेंजेंट है यहां तक क्लियर गाइस तो गाइस देखिए हम सिंपल इक्विबीरियम कव की बात करते हम लोग इक्विबरियम कव की बात कर रहे हैं इक्विलीबीरियम का जिसे हम लोग सोलिबिलिटी कव भी बोलते हैं इक्विबीरियम और सोलिबिलिटी कव सो सोलिबिलिटी का जैसा हमने सेम ये जो ट्रेंगुलर कोऑर्डिनेट बनाया इसी पे हम लोग यहाँ पर देखिए बनाने वाले हैं तो इसमें यहाँ पर देखिए ये होता है आपका कंप्लीट इसमें देखिए ये जो मतलब हमने जो अंदर में जो रीजन बनाया बेसिकली ये होता है टू फेस रीजन ये जो रीजन होता है ये होता है टू फेस रीजन इसमें देखिए सिंपली यहां पर ए परसेंट है प्योर हंड्रेड परसेंट ए यहां पर प्योर हंड्रेड परसेंट बी यहाँ पर प्योर हंड्रेड परसेंट सी नाउ देखिए अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं लाइक like यहां पर बाइंदरी मिक्सर प्रेजेंट है लाइक like ए और सी प्रेजेंट है यहां पर यहां पर सी और बी प्रेजेंट है और यहां पर ए और बी प्रेजेंट है तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं यहां पर देखिए इस इस बाइंदरी मिक्सचर में लाइक like हम लोग सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो उसके इसमें सॉल्यूट का कम्पोजिशन मतलब सॉल्यूट लाइक हमारा बी यहां पर सॉल्यूट है तो इसमें सॉल्यूट का कम्पोजिशन इंक्रीज होना इंक्रीज स्टार्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इनिशियली देखिए इनिशियली बाइंदरी मिक्सचर है उसमें जब हम लोग बी uh, मतलब जब सोल्यूट का अमाउंट उसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियली मतलब वो फेस चेंज नहीं होता मतलब सिंगल फेस रहता है बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब मतलब कि बी उसमें सोल्यूबल नहीं रहेगा ए और सी में तो वो एक अपना सेपरेट फेस वहां पर बनाएगा तब हम लोग क्या करते हैं टू फेस जो टू टू फेस रीजन है उसमें हम लोग एंटर कर जाते हैं मतलब जस्ट एक एक्जाम्प के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा है ना तो सिंपल बाइंड्री मिक्सचर ए और सी है उसमें हम लोग सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर आपका आपको डिफरेंट uh, फेस मिलता है मतलब टू फेस रीजन फॉर्म करता है तो हम लोग फाइनली टू फेस रीजन में आ जाते हैं सिमिलरली देखिए लाइक यहाँ पर प्योर ए है उसमें हम लोग यहाँ पर देखिए ए और बी मिक्सचर है तो यहाँ पर हमने बी uh, जो है उसमें मिक्स करना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट तक देखिए

यहां पर देखिए मतलब ये एक एक, एक इसका इसका होता एक एक होता है है दोनों को जब ऐड करते हैं हम लोग तो हमको फाइनली बाइनोडल कव इक्लिबेरियम कव यहां पर मिलता है और ये जो टू फेस रीजन है बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे हिटोजीनियस हिट्रोजीनियस रीजन बोलेंगे या तो हिट्रोजिनियस फेस रीजन इसको बोल सकते हो आप या फिर इसको बोल सकते हो आप टू फेस रीजन टू फेस रीजन ये है ओके So, इसमें सिंपली आपको बस इतना ही पता होना चाहिए देखिए कि ये आपका सिंगल फेस होमोजेनियस रीजन होता है उसके बाद जब यहां पर लाइक हम थर्ड मतलब कि लाइक जो कंपोनेंट बी है वो उसमें जब मिक्स कर रहे हैं तो फाइनली वहां पर डिफरेंट फेस बना लेता है तो हम लोग टू फेस फेस में एंटर करते हैं अब आगे का डिस्कशन हम बेसिकली यहां पर करते हैं देखिए मतलब हमको मतलब हमको

आर सोल्यूबल इन सोल्यूबल इन ऑल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि वो ऑलवेज सोल्यूबल होगा है ना वो ऑलवेज सोल्यूबल होगा इसका मतलब हो गया कि कंप्लीट 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 मिसेबल हम इसको बोलेंगे लाइक like ए और सी जो है वो सोल्यूबल है किसी भी कंडीशन में है ना देन उसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं कि बी और सी है वो भी सोल्यूबल है इन ऑल प्रॉपर्टीज तो ये मिक्सचर तो आपका क्या हो गया कंप्लीट मिसेबल का एग्जाम्पल हो गया ये तो इसको मैं देखिए भी डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप वन सिस्टम टाइप सिस्टम देखिए कौन से होते हैं मोस्टली जो सिस्टम रहते हैं हैं वो टाइप सिस्टम होते इसमें आपका पार्शियल मिसिबल का केस होता है पार्शियल होता है देखिए हम यहां पर सिंपली कर रहे हैं कि एक पेयर ए और सी या फिर बी और सी कोई एक पेयर होगा वो आपका मतलब ऑलवेज सोल्यूबल होगा लेकिन जो अनदर पेयर है बेसिकली मतलब वो आपका पार्शियल सोल्यूबल रहेगा वहां पर तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं टाइप वन सिस्टम है पार, 1 system, ना पार्शियल मिसिबल सिस्टम तो इसमें हम बोलते हैं सिंपली कि जो एक पेयर है वो आपका सिंपली यहां, यहां पर मैं एक बार फिर सेव ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर देखिए इक्विबिर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ये आपका टू फेस रीजन हो गया यहां पर बी यह पॉइंट हो गया ये सी पॉइंट हो गया नाउ देखिए अब जो मैं यहां पर पॉइंट बोल रहा हूं कि कौन सा इसमें एक्ट्रेक्ट आम रहेगा कौन सा इसमें रेफिनेट आम रहेगा बेसिकली ये जो पॉइंट है यहां पर देखिए हमने के डिफाइन किया था और यहां पर हमने एल डिफाइन किया था तो जो के से इस पॉइंट को हम लोग मतलब जो जहां पर हम लोग मर्ज करते हैं दोनों पॉइंट को तो वो पॉइंट बेसिकली ओ हम डिफाइन कर रहे हैं ना पॉइंट ओ ये हो गया तो इस पॉइंट मतलब कि के से ओ तक जो बेसिकली ये वाला जो कव होता है बेसिकली ये आपका होता है रेफिनेट कव ये आपका होता है रेफिनेट आम इसे हम बोलते हैं

तो सिंपली यहां पर ये यह कव आप फॉलो करोगे आप फीड लाइन के लिए ये कव हो गया यहां पर no. अब यहां पर देखिए एक पॉइंट एम हम डिफाइन कर रहे हैं ये आपका मतलब कि मिक्सिंग पॉइंट पॉइंट होता है बेसिकली तो इस से देखिए हम लोग एक एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन जो बेसिकली होती है उसे हम बोलते हैं टाई लाइन लाइक मैंने यहां पर आर और ई e, इस पॉइंट के बीच में कि ये लाइन ड्रॉ कर दिए है ना ये बेसिकली मेरा होता है टाई लाइन होता है और जो पॉइंट ओ जहां पर आपका एक्सट्रेक्ट आर्म एंड बेसिकली मैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली प्लेट पॉइंट बोलते हैं प्लेट पॉइंट जहां पर आपका आर्म और रेफिनेट आम बेसिकली करता है उसको हम बोलते हैं प्लेट पॉइंट यहां तक चीज क्लियर so, है सो सिंपली देखिए टाई हम यहां पर टाई लाइन डिफाइन कर रहे हैं अभी जो पॉइंट जहां पर है बेसिकली वहां से जो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आर ई वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा टाई लाइन हो जाएगा सिंपली हम इसको एक बार फिर से यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियरली समझ आ जाए आपको ना तो यहां पर ए हो गया यहां पर सी है यहां पर बी है Now, यहाँ पर हम फीड में कंसिडर कर रहे हैं कि ए और सी प्रेजेंट है तो हमारा फीड कहीं इस पॉइंट पर प्रेजेंट है फाइनली हम यहाँ पर देखिए इसमें सोलवेंट मिक्स कर रहे हैं तो हम टू फेस रीजन में एंटर करते हैं ये पॉइंट हमारा प्लेट पॉइंट हो गया यहाँ पर और उसके अलावा जस्ट जल्दी से आपका रेफिनेट आम हो गया और इसके बाद हम यहां पर एक मिक्सिंग पॉइंट जो है उसके ऊपर जो ये हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यह बेसिकली हमारी होती है टाई लाइन क्लियर है so सो देखिए मतलब ये जो पर्टिकुलर मिक्सिंग पॉइंट है बेसिकली इसको यहाँ पर जो लाइन लाइन पास कर रही है वो है वो हमारी टाई अब जो टाइप वन सिस्टम है उसमें देखिए कंडीशन ये है कि जो एक्सटेक्ट है बेसिकली देखिए मतलब आपका सोल्यूट का कंपोजिशन जो एक्सटेक्ट में है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे रेफिनेट फेज से सोल्यूट का जो कंपोजिशन है एक्सटेक्ट में मतलब सोलवेंट बेसिकली क्या करता है फीड से एक्सट्रेक्ट करके लेके चला जाता है सोल्यूट को

टू फेस रीजन का जो है जो आपका सेपरेशन बेसिकली होता है वो इसी रीजन में वन फेस अगर सिंगल फेस है तो आप वहां पर सेपरेट नहीं कर पाओगे एक्सट्रैक्शन में टू फेस फॉर्म होगा तभी आप सेपरेट कर पाओगे मतलब जो एज एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट फेस आप सेपरेट कर पाओगे फेसिस को तो टू फेस रीजन में होना जरूरी है लाइक आपका लाइक कोई ऐसा फीड है लाइक देखिए यहां पर आपने, आपका कोई फीड है तो आपने उसमें सोल्यूट कर सोल्यूट मिक्स करना स्टार्ट किया तो फाइनली वो इस इस कव को फॉलो कर रहा है ना ये देखिए मतलब नहीं कर पाओगे सिंगल ही फेस रहेगा आपने वहां पर फीड में सोलवेंट uh, sol, uh, जो है वो मिक्स कर दिया लेकिन वो एक सिंगल फेस बना लिया तो आप वहां पर सेपरेट नहीं कर पाओगे क्लियर है so, अब हम यहां पर देखते हैं कि मतलब ये जो आपका टू फेस रीजन जो ये जो जोन होता है बेसिकली यहां पर मतलब देखिए सिंपल एक्सट्रेक्शन में होता क्या है पहले आपका टू फेस जोन बनता है ना उसके बाद एक हम आद, आ, मतलब आ, मतलब हम हम मतलब मतलब कि कि अनदर डिवाइस यूज यूज करते हैं हैं लाइक सेटलर कर रहे सेटलर की हेल्प से हम लोग और रेफिनेट फेस को आ, सेपरेट करते हैं ओके तो अब यहां पर हम लोग इफेक्ट देखते हैं कि क्या प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट मतलब टेम्परेचर पहले हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट देखते हैं कि हमारा जो एक्सट्रक्शन है बेसिकली उस पर टेपरेचर का क्या इंपैक्ट आता है सो हम देख रहे हैं यहां पर कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइप वन सिस्टम देखिए गाइस टाइप मतलब अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की तो सोलिबिलिटी हमारे यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या फोर्सिबिलिटी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोलिबिलिटी क्या होता है इंक्रीज होता है है ना सिंपल सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगा तो सिंपल है कि टू फेस रीजन जो आपका बन रहा है बेसिकली वो एरिया मतलब कि आपने पहले लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट जब बी का आपने मिक्स किया फीड में तब आपका टू फेस रीजन आ गया लेकिन जब सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आप और मतलब कि उस पॉइंट तक हो सकता है कि आपका फेस ना बने मतलब टू फेस ना फॉर्म हो ना तो उस, मतलब कि अल्टीमेटली ये ये जो एरिया है बेसिकली टू फेस रीजन वाला ये एरिया रिड्यूस हो जाता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो लाइक like, मैं सिंपल यहां पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं देखिए लाइक like, पहले आपका ऐसा था कोई पर्टिकुलर एक टीवन टेम्परेचर मैं कंडीशन अज्यूम uh, कर रहा हूं कि लाइक टी थ्री ग्रेटर देन देन इज ग्रेटर है ना T1 आपका लाइक सबसे लोअर टेम्परेचर उस पर ऐसा कव बन रहा है सेकंड जब आप आपने टी टू क्या टेपरेचर थोड़ा इंक्रीज कर दिया तो ये जो कव

एक्सटेक्शन प्रोसेस इज ऑलवेज कैरिड आउट एक्सट्रेक्शन प्रोसेस एक्सटेक्शन प्रोसेस आर ऑलवेज ओके सुदीप कुमार बेहरा इसके बाद में वशिष निषाद गुड गुड ठीक है देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रेट एक्सटेक्ट एक्सटेक्शन प्रोसेस के लिए देख रहे हैं कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए मैं नोट बता रहा हूं आपको एक्सट्रेक्शन प्रोसेस एक्सटेक्शन प्रोसेस आर ऑलवेज एक्सटेक्शन प्रोसेस कैरिड आउट ऑलवेज कैरिड आउट एट ए लो टेम्परेचर बिकॉज हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इंपेक्ट होता है तो हम लोग लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर बात करते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं एक्सटेक्शन मतलब रूम टेम्परेचर पे आ, हम लोग ये फोन बेसिकली करते हैं इसके साथ डील है ना एक्सटेक्शन प्रोसेस इज प्रोसेस आर ऑलवेज कैरीड आउट एट ए लो, लो टेम्परेचर लाइक रूम टेम्परेचर बिकॉज इट अलाउस बिकॉज इट अलाउ एस टू सेपरेट बिकॉज इट अलाउ एस टू सेपरेट ए हाइयर रेंज ऑफ ए हाइयर रेंज ऑफ फीड कंपोजिशन ए हाइयर रेंज ऑफ फीड कंपोजिशन ओके एट यूजिंग एट यूजिंग द सेम सोल्वेंट मतलब सेम सोलवेंट का यूज करके हम लोग हाइयर रेंज uh, मतलब की जो फीड के कंपोजिशन है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना यह हो गया टाइप वन सिस्टम अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टाइप टू सिस्टम देखिए टाइप टू सिस्टम जिसमें टाइप टू सिस्टम में बेसिकली क्या हो रहा है देखिए ए और ए और बी जो है बेसिकली और बी और सी जो है दोनों मतलब क्या है पार्शियली पार्शियली मिसेबल है 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 ना पार्शियली ए मतलब मतलब कि जो आपका सोल्यूट बी है ना तो वो ए के साथ कंप्लीटली सोल्यूबल है ना ही वो सी uh, के साथ कंप्लीटली सोल्यूबल है मतलब ए uh, okay. और बी की यहां पर हम बात कर रहे हैं और यहां पर बी और सी की बात कर रहे हैं ठीक है तो ए तो हमारा हो गया कैरियर लिक्विड बी हमारा हो गया सोलवेंट एंड सी हो गया सोल्यूट तो हम यहाँ पर बात करें सोलवेंट जो है देखिए ए के साथ भी कंप्लीटली वो सोल्यूबल नहीं है और बी के साथ भी कंप्लीट सी uh, के साथ भी कंप्लीटली नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि आर पार्शियली मिसेबल दोनों जो फेसिस है वो मतलब पार्शियली मतलब तो दो पेयर जो है यहाँ पर पार्शियली मिसेबल है देन इसके अलावा ए और सी जो है ए और सी वो कंप्लीटली मिसेबल है कंप्लीटली मिसेबल है यहां पर ए और सी मतलब जो हमारा सी मतलब फीड में प्रेजेंट है अब इसको हमको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ सोल्वेंट तो देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक पेयर ऐसा होता है जहां पर कंप्लीटली मिसेबल लाइक ए और सी जो है यहां पर कंप्लीटली मिसेबल वाला केस हो गया सो नेक्स्ट देखिए मैं यहां पर टू uh, मतलब इक्विबीम का जो ड्रॉ uh, कर रहा हूं इसके लिए जो सेकंड टाइप टू सिस्टम है टाइप टू सिस्टम में देखिए इतने सॉल्यूशन नहीं आते हैं के मतलब 85 परसेंट जो मिक्सर होता है वो टाइप वन सिस्टम में आता है लेकिन रिमेनिंग जो 15 परसेंट है वो टाइप टू सिस्टम में आता है और टाइप टू सिस्टम में देखिए क्या होता है आपका जो एक्सटेक्शन में सोल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो लेस देन रहेगा किससे जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन रेफिनेट में है एक्सट्रेक्शन का एक, मतलब कि जो वाई है बेसिकली वो लेस देन रहता है एक्स आर से हैं, और ये कौन से सिस्टम में होता है टाइप टू सिस्टम में टाइप टू सिस्टम में ऐसा होता है सेम सेम देखिए यहाँ पर ए बी सी हम ड्रॉ कर रहे हैं देन इसके बाद में देखिए यहां पर हमने देखिए इसमें कोई प्लेट पॉइंट नहीं आता है सेकंड टाइप जो सिस्टम है उसमें कोई प्लेट पॉइंट नहीं हमको मिलता है सिंपली इसमें क्या होता है देखिए एक यहाँ यहाँ पर लाइक रेफिनेट आम आपको मिला ना उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्सटेक्ट आर्म डिफरेंट डिफ्रेंट आम यहाँ पर मिल रहा है ये आपका हो गया रेफिनेट आर्म और ये हो जाता है एक्सटेक्ट आर्म लेकिन अब इसके इसमें जो टाई लाइन ड्रॉ करते हैं बेसिकली मतलब वो इस तरीके से हमको टाईलाइन मिलती है इन दोनों पॉइंट के बीच में टाईलाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप टू सिस्टम और टाइप टू सिस्टम को वही मतलब हम लोग क्या करते हैं मतलब मतलब कि पैरामीटर्स चेंज करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं टाइप वन सिस्टम में तो टाइप वन सिस्टम जो हमने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है वहां पर हम लोग बात करते हैं प्लेट पॉइंट की उसके अलावा रेफिनेट सारी चीज हमने डिस्कस की है इसके लिए सो तो नेक्स्ट देखिए अब यहां पर तो कोई भी प्लेट पॉइंट नहीं आ रहा है है ना प्लेट पॉइंट की अगर बात करें तो ओनली जो टाइप वन सिस्टम है उसी में हमको प्लेट पॉइंट बेसिकली मिलता है अब गाइज नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टाइम जहां से गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग जो डिस्कस करेंगे देखिए वो टाइप वन सिस्टम भी डिस्कस करेंगे तो टाइप टू सिस्टम है अगर हम लोग टेंपरेचर इंक्रीज कर देते हैं तो फाइनली टाइप टू सिस्टम जो है वो आपका टाइप वन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है नाउ अब मैं लिख रहा हूं यहां पर सिलेक्शन ऑफ द सोलवेंट फॉर एक्सट्रेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सोल्वेंट फॉर एक्सट्रेक्शन सो देखिए यहां पर दो टाइम अभी हम लोग डिफाइन करेंगे एक होता है सिलेक्टिविटी जिसे हम लोग बीटा से लिखते हैं और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियन जिसे हम के से लिखेंगे तो सबसे सब पहले हम लोग बात करते हैं देखिए विच मतलब कि सोलवेंट इंपॉर्टेंट होता है मतलब सॉल्वेंट uh, का मतलब चूज uh, करने के लिए दो क्राइटेरिया हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक तो कि सिलेक्टिविटी कितनी है सोलवेंट की और एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशन कितना है सो देखिए फर्स्ट यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिलेक्टिविटी की सेलेक्टिविटी

तो ये जो रेशियो बेसिकली होता है ओवरऑल ये होता है सेलेक्टिविटी

तो ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया भी तो तो आपको सारे वहां पर लिखने थे कि जो भी टाइम्स पूछी गई थी वो इक्वल रहेगी प्लेट पॉइंट पे नाउ अब नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियन की बात करते हैं सेकंड जो टेम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉफिशियंट है उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियन हमको क्या देता है

ये इसका कोई कंडीशन रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका ये मतलब हाई रहेगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो बेसिकली सेपरेशन है वो इजी हो गए ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशन के रिगार्डिंग क्लियर गैस उसके बाद अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं देखिए हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ सोलवेंट फॉर एक्सट्रक्शन तो देखिए पहला पैरामीटर इसमें यह हो जाता है कि जो वो सोल्वेंट हमारे लिए बेटर होगा जो हमको हाईर हाइड्रोजीनियस एरिया मतलब टू फेस रीजन जो ज्यादा प्रोवाइड करेगा वो सोलवेंट हमारे लिए बेटर रहेगा सेकंड कंडीशन हम सिलेक्टिविटी देखते हैं सिलेक्टिविटी अगर हमको हाइर मिल रही है तो देन हमारा जो सोलवेंट है वो बेटर रहेगा देन थर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यून कॉफिशन वाई अपन आर यहां पर मतलब इसका कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशन की वैल्यू बहुत ग्रेटर देन होनी चाहिए बट अगर ये मतलब कि बेसिकली uh, अब के की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन वन है देन हमारे लिए वो डिजाइड कंडीशन है मतलब मतलब कि सेपरेशन के लिए ड्यू टू एक्सटेंशन ना उसके बाद में नेक्स्ट है इनसोलिबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट इनसोलिबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट मतलब कि इसमें हो रहा है कि जो था, मतलब कि जो आपका सोलवेंट है सेलेक्ट करने के लिए जो थर्ड uh, पैरामीटर हमारा पहला हो गया सिंपल एरिया हम देखेंगे सेकंड सेलेक्टिविटी देखेंगे थर्ड हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे फोर्थ फोर्थ हम देखेंगे इन सोलिबिटी ऑफ द सोलवेंट इट इज डिजायर डेट द सोलवेंट बी शुड बी इमेसिबल विथ कैरियर लिक्विड तो वो सोलवेंट हमारे लिए बेटर है जो कैरियर लिक्विड कैरियर लिक्विड के साथ में लेस सोल्यूबल रहेगा वो हमारे लिए डिजायर्ड डिजायर्ड सोल्यूशन मतलब कि सोलवेंट रहेगा ओके okay, गाइस उसके बाद डेंसिटी डिफरेंस की बात करते हैं तो डेंसिटी डिफरेंस अगर हाइयर है तो हमारे लिए अच्छा है वो तो ये तो हो गया यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट मतलब कि एक्सटेक्शन रिगार्डिंग अब पर हम बात करने वाले हैं मल्टी मल्टी स्टेज कास्केट देखिए मल्टी स्टेज कास्केट बेसिकली क्या होता है मल्टी स्टेज मल्टी स्टेज का स्केट हम डिस्कस कर रहे हैं ओके मल्टी स्टेज कास्केट हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो सिंपली देखिए हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस करंट एक्सटेक्शन क्रॉस करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं पहले क्रॉस करंट एक्सट्रैक्शन तो यहां पर देखिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सोल्यूट सी जो है हम अज्यूम यहां पर कर रहे हैं कि सोल्यूट सी जो है वो इमिसिबल है सोल्यूट सी इज इमिसिबल विथ ए एंड बी सोल्यूट सी इज इमिसिबल विथ ए एंड बी वाइल वाइल ए इज कंप्लीटली वाइल ए इज कंप्लीटली कंप्लीटली इमिसिबल थ बी ये वाला केस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं तो सिंपली देखिए यहां पर हम लोग इक्विबीरियम प्लॉट ड्रो करेंगे उसके अलावा हम लोग ऑपरेटिंग लाइन ड्रो करेंगे है ना तो देखिए सॉरी ओके ठीक है तो सिंपली यहां पर हम x x डिफाइन कर रहे हैं देखिए x क्या है कंसंट्रेशन ऑफ C इन द रेफिनेट फेस इन द रेफिनेट फेज कंसंट्रेशन ऑफ सी इन द रेफिनेट फेस ऑन सोल्यूट फ्री बेसिस

मतलब हम x कैसे डिफाइन करेंगे x आपको लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ c इन द डेफिनेट फेज तो सिंपल हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a देन सिमिलरली अगर आपको y डिफाइन करना है तो y कैसे uh, हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सट्रैक्ट फेज के लिए nc अपॉन ऑफ nb इस तरीके से हम लोग uh, मतलब कि सॉल्यूट फ्री बेसिस कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं तो देखिए हम लोग मल्टी स्टेज का डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्रॉस करंट एक्सट्रैक्शन पहले हम लोग सिंगल स्टेज डिस्कस करेंगे उसके बाद में हम लोग मल्टी स्टेज के लिए डिस्कस करेंगे तो हम लोग यहां पर सिंपल लिख रहे हैं सिंगल स्टेज क्रॉस करंट के लिए देखिए कैसे मल्टी uh, मतलब हम लोग मटेरियल uh, बैलेंस अप्लाई करेंगे सिंगल स्टेज क्रॉस करंट एक्सटेक्शन की हम यहां पर बात कर रहे हैं सिंगल स्टेज क्रॉस करंट एक्सटेक्शन देखिए यहां पर लाइक ये आपका एक आइडियल स्टेज है ना लाइक सिंपल इसको जैसे हम लोग ट्रे कंसिडर करते हैं वैसे ही ट्रेक कंसिडर कर लीजिए सिंपल यहां पर हम लोग फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसका कंपोजिशन एक्सएफ हो गया उसके बाद हम यहां पर सोलवेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना इसका कंपोजिशन जो है वो वाई हो गया नौ इसके बाद देखिए यहां पर हमको एक्सट्रेक्ट फेस मिलेगा जो सोलवेंट मतलब सोल्यूट को यहां से फीड में से सोल्यूट को एक्सट्रेक्ट करके लेके जाता है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सट्रेक्ट फेस तो ये हो गया हमारा ई इसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं तो ये मतलब इसको ट्रे नंबर वन हम लिख रहे हैं लाइक सिंपली जैसे ट्रे लिखते हैं वै, वैसे हमने इसको एक सिंगल स्टेज कंसिडर कर लिया तो ये मेरा एक स्टेज हो गया तो इसका आउटलेट जो है ई वन में लिख रहा हूँ वाई ई वन हो गया सिमिलरली पर सिमिलरलीफिनेट फेज जो है वो आर वन हो जाएगा और इसमें एक्स आर वन हो जाएगा ये हमने यहां पर डिफाइन कर दिया अगर इसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेम सिमिलरली देखिए ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ कर सकते हो इसके लिए इस तरीके से आपको मिल जाएगा ओके यहां पर लाइक आपका फीड है यहां पर ए सी बी देन इसके बाद में यहां पर एक मिक्सिंग uh, कंपोनेंट आपको मिलेगा ये m बेसिकली उसके बाद यहां पर हम लोग लिख रहे हैं r1 एंड e1 ये मतलब टाई लाइन बेसिकली हो जाता है अब देखिए यहां पर मैं सिंपल मटेरियल बैलेंस लिखो इस 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 स्टेज के अकॉर्डिंग तो मटेरियल बैलेंस देखिए क्या हो जाएगा f plus s फीट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू e1 plus r1 वन प्लस आर वन और इस प्लस आर वन को हम लिखते हैं कैपिटल एम एम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं देन अलावा देखिए अगर ये तो हो गया ओवरऑल मास बैलेंस उसके अलावा अगर कंपोनेंट बैलेंस आपको लिखना है तो सिंपल जो कंसन मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से हम लोग यहां पर कॉम्पोनेट बैलेंस और आ, मतलब कि ओवरऑल बैलेंस हम लिखते हैं चीज क्लियर है अब यहां पर एक और चीज में यहां पर ओके ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया देखिए लाइक आपका जो फीड है ये जो फीड लाइन बेसिकली इस इस पॉइंट बी पे रहेगा इस पॉइंट बी पे किस केस में रहेगा जब आप ये जो जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो अगर ये प्योर सॉल्वेंट है अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये लाइन ऐसी रहेगी अदरवाइज ये जो लाइन है मतलब इस पॉइंट पे किसी अनदर पॉइंट पे रहेगी एस जहां पर सॉल्वेंट ये बेसिकली सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है मतलब कि जो सॉल्वेंट है आपका प्योर नहीं है ना अगर आपका सोल्वेंट नॉट प्योर रहेगा उस केस में ये पॉइंट हमारी मतलब ये जो फीड लाइन है बेसिकली ऐसे मिलेगी आपको फीड एम उसके बाद में ये नहीं, मतलब यहाँ पर आपका भी नहीं मेरा फीड लाइन है वो बी पे नहीं आ रहा है मतलब कि जो मैं सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ वो प्योर सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहा हूँ ओके गाइस अब अगर मैं सेम जैसे हमने सिंगल स्टेज लिखा उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर मल्टी स्टेज की बात करें तो देखिए मल्टी स्टेज में मतलब ये जो हम लोग एक हमने यहाँ पर टाइल ड्रॉ किया है तो मल्टी स्टेज में कैसे हम लोग टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें ये जो, ये जो जो बेसिकली लाइन है मतलब ओके okay, मैं यहां से एक काम करता हूं ठीक है डायरेक्टली मैं मल्टी स्टेज के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम की से समझाता हूं आपको मल्टी स्टेज क्रॉस करंट एक्सटेक्शन के लिए मल्टी स्टेज क्रॉस करंट एक्सटेक्शन में देखिए क्या होगा मतलब एक से ज्यादा ट्रेस एक से ज्यादा स्टेज रहने वाला है

टू एंड वाई टू एंड उसके अलावा यहां पर देखिए सेकंड स्टेज का जो रेफिनेट होगा वो बेसिकली थर्ड स्टेज का क्या होगा फीड होगा इसी तरीके से लाइक हम लोग तीन स्टेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो ये हो गया ई थ्री

ओके डायग्राम यहां पर हो गया इसके बाद देखिए यहां पर ये कंपोजिशन ए यहां पर बी इसके बाद यहां पर सी यहां पर सी उसके बाद ये हो गया बी तो यहां पर मेरा फीड लाइन जो है पहला मेरे को फीड लाइन की इक्वेशन यहां पर मिल गई ये मैं पॉइंट एस डिफाइन कर रहा हूँ कि प्योर सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पर ये यह मेरा फीड लाइन का इक्वेशन हो गया और कहीं पे हमको यहाँ पर हमको यहां पर ये पॉइंट एम वन मिलता है मिक्सिंग वाला और इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो लाइन है वो वो हमारे लिए टाई लाइन है ये हो गया आर्बन पॉइंट रेफिट आम पे और ये हो गया एक्स्ट्रेक्ट आम पे ई वन अब देखिए हम लोग उसके बाद में क्या करते हैं मतलब ये जो वन पॉइंट है इसको हम लोग S से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर फिर एक हम जो मिक्सिंग पॉइंट आता है बेसिकली वो M2 टू पॉइंट हमको यहां से मिलता है उसके बाद फिर से यहां पर हम लोग एक नाइन लाइन हमको मिल जाती है E2 एंड ये हमारे लिए न्यू टाइन लाइन हो जाएगी फिर जो हमको ये जो बेसिकली आर मिलता है ये यहां पर जो मिल रहा है ना बेसिकली आर टू इस आर टू को बेसिकली हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एस से फिर एक हमको यहां पर अनदर एक न्यू पॉइंट मिलेगा तो इस तरीके से हम लोग जितनी स्टेज लिखेंगे उतने स्टेज के लिए हम लोग इस तरीके से टाइलाइन ड्रॉ करते रहते हैं यहां पर नेक्स्ट so मैं पर सोल्यूट फ्री बेसिस पे बात करूंगा एक्सट्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन की देखिए सोल्यूट फ्री सोल्यूट फ्री रिप्रेजेंटेशन सोल्यूट फ्री रिप्रेजेंटेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं देखिए हम अज्यूम कर रहे हैं यहां पर वी आर अज्यूमिंग दैट ए एंड बी एंड बी आर कंप्लीटली एंड बी आर कंप्लीटली एंड बी आर कंप्लीटली इमिसबल क्लियर है एंड बी जो है वो कंप्लीटली इमिसेबल है सिंपल देखिए यहां पर हम लोग एक स्टेज डिफाइन कर रहे हैं एक स्टेज इसमें देखिए हम लोग फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अब सेम हम सोल्यूड फ्री बेसिस पे जब हम बात करेंगे तो देखिए हम लोग जो कैरियर लिक्विड हमारा है ए कैरियर लिक्विड जो रहेगा फीड में उसको हम लोग आर आरसे आर एस से डिनोट करेंगे तो आर एस बेसिकली क्या हो गया अमाउंट ऑफ कैरियर लिक्विड अमाउंट ऑफ कैरियर लिक्विड अमाउंट ऑफ कैरियर लिक्विड और एफ बेसिकली क्या हो गया टोटल अमाउंट ऑफ फीड एफ इज द टोटल अमाउंट ऑफ फीड

Of और इसके अलावा हम लोग यहां पर देखिए अमाउंट ऑफ प्योर सोलवेंट बी जो प्योर सोलवेंट बी है यह बेसिकली यहाँ पर आपको में मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ प्योर बी उसके अलावा इसका जो कंपोजिशन कर रहे क्या हो जाएगा मोल ऑफ सी इन मोल ऑफ सी इन एक्सट्रेक्ट फेस इज डिड बाई मोल ऑफ बी उसके बाद यहां पर सेम चीज हम लोग रेफिनेट फेस के लिए डिफाइन करेंगे देखिए रेफिनेट फेज के लिए आर वन जो है यह हो गया टोटल अमाउंट ऑफ रेफिनेट टोटल अमाउंट ऑफ रेफिनेट टोटल अमाउंट ऑफ रेफिनेट उसके अलावा आर एस यहां पर कैरियर लिक्विड वो रेफिनेट फेस में भी रहेगा तो यहां पर हम लिख रहे हैं आर एस आर एस हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैरियर लिक्विड अमाउंट ऑफ कैरियर लिक्विड ये सेम रहेगा फीड में और यहां पर बिकॉज हम कंसिडर यहां पर कर रहे हैं देखिए ए और बी जो है वो कंप्लीटली इमिसेबल है

देन इसके अलावा अगर कॉम्पोनेंट बैलेंस लिखे अगर सोल्यूट फ्री बेसिस पे हम लोग कॉम्पोनेट बैलेंस लिखे देखिए हम सिंपल अगर ओवरऑल मास बैलेंस की बात करें तो ओवरऑल मास बैलेंस से हमको मिलता है एफ प्लस एस इज इक्वल टू ई वन प्लस ऑफ आर वन नौ उसके अलावा अगर हम लोग सोल्यूट फ्री बेसिस पे कॉम्पोनेंट बैलेंस लिखे सोल्यूट फ्री बेसिस पे हम लोग कॉम्पोनेंट मास बैलेंस लिखे तो कॉम्पोनेंट मास बैलेंस से देखिए हमको क्या मिलेगा आर एस आर एस बेसिकली क्या है

तो होगी सिंपल वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहां पर जो स्लोप है बेसिकली माइनस आर एस अपॉन ऑफ ई एस तो यहां पर ये स्लोप हो जाएगी इस लाइन की है ना सिंपल हमको ये मिल गई इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन यहां पर हमने लिखा है ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन और इसके लिए जो स्लोप है वो है माइनस आर एस अपॉन ई एस तो आर एस हो गया यहां पर कैरियर लिक्विड जो बेसिकली हमारा है ना आर एस बेसिकली अमाउंट ऑफ द कैरियर लिक्विड और ई एस बेसिकली क्या है प्योर अमाउंट ऑफ सोलवेंड नाउ इसके बाद देखिए अब अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा देखिए डायग्राम हम यहां पर बनाते हैं ओके ठीक है यहां पर वाई है यहां पर एक्स है तो सिंपली सबसे पहले तो क्या करना है करनी है लाइन लाइन करनी देन इसके बाद में देखिए अब हमको स्लोप बेसिकली क्या मिल रहा है ऑपरेटिंग लाइन के लिए स्लोप मिल रहा है हमको माइनस आर एस अपॉन ई एस मतलब कि नेगेटिव स्लोप वाली इक्वेशन रहेगी मतलब लाइन बेसिकली रहेगी तो यहां पर देखिए मैं सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये पॉइंट मेरा हो गया एक्स वन कोमा वाई वन ये पॉइंट मेरा हो गया यहां पर देखिए ये वाई वन होगा इसके कोरोस्पॉली ये हो गया एक्स वन देन इसके बाद देखिए ये 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 जो पॉइंट बेसिकली है ये मेरा है फीड का पॉइंट मतलब फीड का कंपोजिशन हो गया और वाई एस जो बेसिकली है वो सोलवेंट का कंपोजिशन हो गया तो यहां पर देखिए यहां पर यह हो जाएगा वाई एस उसके अलावा ये पॉइंट यहां पर बेसिकली एक्स नॉट नॉट यहां पर हो जाएगा क्लियर है अगर गाइस देखिए ये हमको पॉइंट मिल रहा है अगर ये ये प्योर सोलवेंट होता है हमको ये लाइन बेसिकली

देखिए मल्टी स्टेज में मैं आपको यही बता देता हूं लाइक एक्स एक्स एक्सनोट हमारा फीड का कंपोजिशन हुआ लेकिन ये लाइक like मेरा यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेज हुआ फर्स्ट स्टेज के केस में हमको मिल रहा है फीड का कंपोजिशन एक्सनोट देन यहां पर फीड में आर है देन इसके बाद में यहां पर जो आउटलेट हमको मिल रहा है आरएस फिक्स हमने रखा है देन इसका कंपोजिशन जो है एक्स ये डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर देखिए एक्स एक्सनोट कुछ ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स पॉइंट ओके यहां पर तो देखिए हम लोग सोलवेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देन यहां पर हमको एक्सट्रैक्ट फेस मिल जाएगा उसकी हम बात नहीं कर रहे तो जो फर्स्ट स्टेज में जो रेफिनेट होगा उसका जो कम्पोजिशन होगा वही सेकंड फेज के लिए फीड होगा मतलब सेकंड स्टेज के लिए फीड होगा ना यहां पर अगेन हम लोग सोलवेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर एक्सट्रेक्ट मिल जाएगा यहां पर आर और यहाँ पर एक्स हो जाएगा बिकॉज हम लोग सोल्वेंट फ्री बेसिस पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये कंपोजिशन कितना हो गया एक्स हो गया और यहाँ पर हम लोग ये वाई का जो कंपोजिशन मतलब सोलवेंट वाला हम लोग कर रहे हैं कि वो फिक्स है तो ये पॉइंट हमको एक मिल गया यहाँ पर ओके अब इस पॉइंट को हम लोग किसके साथ देखिए कनेक्ट करेंगे नया जो पॉइंट हमको मिलने वाला आउटलेट में आउटलेट में मतलब कि देखिए यहां पर लाइक वाई वन मिल गया हम वाई वन यहां पर था ओके तो यहां पर सेकंड स्टेज के लिए एक्सट्रेक्ट का जो कंपोजिशन है वो हमको मिल गया वाई टू और उसके बाद रेफिनेट का जो है ये हमको मिल गया यहां पर एक्स एक्स तो सेम यहां पर हम लोग डिनोट करेंगे देखिए ये हो जाएगा आपका ये यह यहां पर हो जाएगा ओके मैं एक बार थोड़ा मतलब इसको अच्छे से मतलब मैंने पहले सिंगल स्टेज के लिए ड्रॉ किया था तो अभी मतलब मल्टी स्टेज में थोड़ा बिकॉज ये जो एक्स वन पॉइंट है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा अच्छे से इसको मल्टी स्टेज के लिए ड्रॉ करता हूँ मैं देखिए सबसे पहले कर्व हमने ड्रॉ किया इक्विबिरियम लाइन उसके बाद हमने देखा देखिए सिंगल स्टेज के लिए ये हमने सिंगल स्टेज के लिए ये पॉइंट हमको मिला एक्स नोट कोमा वाई एस और ये पॉइंट यहाँ पर हमको मिल रहा है एक्स वन कोमा वाई वन अब देखिए मल्टी स्टेज में बेसिकली क्या हो रहा है ये जो एक्स वन है ये यहाँ पर फीट का कंपोजिशन हो जाएगा सेकंड स्टेज के लिए तो सेकंड जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट होगा एक्स वन कोमा वाई एस तो इसके बाद यहां से हमको ऐसे लाइन मिल जाएगी तो ये आपकी सेकंड लाइन बेसिकली हो जाएगी ऑपरेटिंग लाइन सेकंड स्टेज के लिए तो यहां पर फिर आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा एक्स टू कोमा वाई टू फिर नेक्स्ट अगर आप लाइक थ्री स्टेज हुआ तो नेक्स्ट स्टेज आपको यहां से मिलेगा एक्स टू जो कंपोजिशन है वो थर्ड स्टेज के लिए फीट का काम करेगा उसके बाद यहां पर वाई एस सोलवेन का कंपोजिशन उसके कोरोस्पॉली फिर हमको यहां पर फिर से पॉइंट यहां पर मिल जाएगा देखिए फाइनल पॉइंट बिकॉज़ ये देखिए आपको ये मिल रहा है, है और रेफिनेट होगा वो कोई भी स्टेज के लिए पॉइंट देखिए जो ऑपरेटिंग लाइन के पॉइंट है हमको इक्विबरियम लाइन पे रहा है तो सेम यहां से आप नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक्स थ्री कोमा वाई थ्री के लिए इस तरीके से हम लोग मल्टी स्टेज के लिए डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्लियर है ओके okay, ठीक uh, है सॉरी uh, गाइज मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कमेंट सेक्शन पे हाँ तो यहां पर देखिए uh, पूछा है कि स्लोप किसके है ये सर स्लोप मतलब ऑपरेटिंग लाइन जैसे हम लोग देखिए इसको आप ऑब्जॉप्शन से कोरिलेट कर सकते हो ऑब्जॉप्शन में जैसे हम लोग लाइन बेसिकली ड्रॉ करते हैं वैसे यहां पर ऑपरेटिंग लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्सटेक्शन के लिए जो ऑपरेटिंग लाइन है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका बेसिकली स्लोप है, है जो मैंने यहाँ पर स्लोप लिखा है माइनस आर एस अपॉन ई एस होप सो क्लियर है ऑपरेटिंग लाइन यहां पर मैं लिख भी देता हूं तो so, यहां तक क्लियर uh, है अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टाइम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रेशो जिसे बोलते हैं रिडक्शन रेसो पर देखिए गाइस गेट में टू मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इवन एक बार तो टू मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया था है ना फॉर्मुले को थोड़ा सा रीअरेंज किया गया था और वो फॉर्मूला हमको पूछ लिया था तो हम ये रिडक्शन रेशो एक बार फिर से देख लेते हैं देखिए रिडक्शन रेशो रिडक्शन रेशो हम लिख रहे हैं यहां पर रिडक्शन रेशो जो है क्रॉस करंट के लिए हम बात कर रहे हैं क्रॉस करंट फ्लो के लिए क्रॉस करंट फ्लो के लिए हम बात कर रहे हैं सो so देखिए यहां पर कुछ मतलब अजम्पन भी रहते हैं कि इक्विबिरियम लाइन है वो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा वह इक्वल टू एम एस उसके अलावा जो सॉल्वेंट है हम प्योर सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं कुछ एजम्शन रिडक्शन रेशियो का जो डेरिवेशन होता है उसके लिए कुछ एजम्पन रहते हैं यहां पर मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं डायरेक्ट फॉर्मुला बताऊंगा बट स्टिल जो एजम्पन है वो आपको पता होना चाहिए कि देखिए पहला जो एजम्पन है वो है कि इक्विबीम लाइन जो है वो स्टेट लाइन होगी इक्विबीरियम लाइन ज स्ट्रेट लाइन देन सेकेंड देखिए सोलवेंट जो है वो प्योर सोल्वेंट हम यूज करेंगे प्योर सोल्वेंट मतलब जो कंपोजिशन है मतलब सोलवेंट का जो कंपोजिशन है वहां पर वो जीरो रहेगा देन उसके बाद में थर्ड फ्लो जो है वो कौन सा है अरेंजमेंट मतलब फ्लो कॉन्फिगुरेशन वो क्या है क्रॉस करंट ओके तो यहां पर देखिए रिडक्शन रेशियो रिडक्शन रेशियो में डायरेक्टली लिख रहा हूं रिडक्शन रेशियो जो है वह होता है आपका

आउटलेट कंपोजिशन रेफिनेट का आउटलेट कंपोजिशन क्या हो जाएगा एक्सन हो जाएगा मतलब अगर N use का, N stage use कर रहे हो तो जो outlet, मतलब कि जो फाइनल एन स्टेज होगी उसमें जो refinate, उसके जो में जो kompo, solute का जो उसके में का होगा, होगा वो हो Xn. Okay? तो ये हो गया एक, X not upon इसका जो रेशो होता है मतलब concentration का feed concentration का का में जो solute का concentration है, उसके साथ जो रेशो होता है हम लोग रिडक्शन रेशो बोलते हैं और ये हमको मिलता है तो पर मैं लिख देता हूं जो एन है बेसिकली वो क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टेज एन इज द टोटल नंबर ऑफ गाइस सो गाइस अब देखिए हमने यहां पर रिडक्शन रेशो लिखा है पर इसका whole power हमने लिख दिया एन ये आपको रिडक्शन रेशो मिल गया नाउ अगर आपको टोटल अमाउंट ऑफ सोलमेंट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है देखिए यहां पर ये ES किसको डिनोट कर रहा है ई एस बेसिकली यहां पर डिनोट कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट एन जो आर एस है बेसिकली वो किसको डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ द कैरियर लिक्विड लेकिन ये जो ई एस है क्या ये टोटल अमाउंट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर्ड है नहीं ये एक सिंगल स्टेज के लिए जो सोल्वेंट रिक्वायर्ड है ये ई एस उसको डिनोट करेगा सो so अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल अमाउंट ऑफ सोल्वेंट टोटल अमाउंट ऑफ सोलवेंट टोटल अमाउंट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड अगर आपको पूछा जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर्ड जो है इन एन स्टेज उसको हम लोग क्या लिखेंगे N is by ES. मतलब एक स्टेज में हम लोग ई एस अमाउंट ऑफ सोल्वेंट यूज कर रहे हैं तो एन स्टेज में आपको हम हम तो लिखना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए एन इज इक्वल मतलब ई एस हम कैलकुलेट कर रहे हैं आना? तो यह हो जाएगा एन इंटू आर एस अपॉन ऑफ एम इन टू एक्स नोट अपॉन एक्स एन पावर

हमने रिडक्शन रेशो लिखा एक्स नॉट अपॉन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू वन प्लस एम इन टू ई एस ऑफ आर एस होल पावर ऑफ एन ये रिडक्शन रेशो को डिनोट कर रहा है जैसा कि मैंने बोला कि ये ई एस यहाँ पर

ई ई मैं अपॉन e एन लिख रहा हूं ई अपॉन एन ना ई अपॉन एन हो गया इन टू आर एस और पावर में एन रहेगा तो ये मेरा रिडक्शन का फॉर्मूला चेंज हो गया सिंपल इसमें जो ई e है वो किसको डिनोट कर रहा है द द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड ये सिंपल सा मैंने चेंजेस यहां पर किया है ओके गाइस सिंपल मतलब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है और कुछ भी नहीं किया है हमने ना सो so नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं काउंटर करंट अभी हमने क्रॉस करंट एक्सट्रैक्शन के लिए डिस्कस किया नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन के लिए काउंटर करंट एक्सटेक्शन काउंटर करंट एक्सटेक्शन की हम यहां पर बात कर रहे हैं देखिए काउंटर करंट एक्सटेक्शन में अगर हम लोग सिंगल स्टेज की बात करें सिंगल स्टेज काउंटर करंट काउंटर करंट एक्सटेक्शन के लिए हम लोग पहले सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम कंडीशन हमारे पास है ए और बी जो है वो इमिसियबल है ए एंड बी आर इमिशियबल एंड हम कंसिडर कर रहे हैं कि ओनली जो सोल्यूट है बेसिकली सोल्यूट जो है वो सोल्यूट uh, सी जो है ओनली ट्रांसफर होगा है ना ए और बी इमिसेबल है सेम मतलब अभी तक जो हम कंडीशन कंसिडर uh, करके चल रहे हैं ओनली जो सी है वो सिर्फ ट्रांसफर होता है किससे फीड से फीड से सोलवेंट में वो ट्रांसफर होता है तो देखिए मैं यहां पर uh, अभी तक हम लोग काउंटर करंट एक्सट्रेक्शन ड्रॉ कर रहे थे तो अब यहां पर देखिए मैं ओके काउंटर करंट हो गया देन इसके बाद में uh, काउंटर करंट एक्सटेंशन ठीक है अभी तक हम लोग क्रॉस क्रॉस करंट एक्सटेंशन कंसिडर कर रहे थे अब मैं काउंटर करंट एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं देखिए सिंपली क्या हो रहा है यहां पर लेकिन ये एक सिंगल स्टेज की बात करें पहले तो ये मेरा एक सिंगल स्टेज हो गया यहाँ पर हमने फीड इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर मेरा फीड इंट्रोड्यूस किया ना इसका कंपोजिशन जो है एक्स एक्सनोट हो गया उसके बाद में आउटलेट में आपको यहां पर क्या मिलेगा रेफिनेट बिकॉज जो फीड होता है वो रेफिनेट बनता है और जो सोलवेंट होता है काउंटर करंट है तो अपोजिट साइड से हम लोग हम लोग सोलवेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और आउटलेट में हमको क्या मिलेगा यहां पर

तो वो सेकंड स्टेज से बेसिकली सोल्वमेंट हमको मिल रहा है ये मैं एक सिंगल स्टेज के लिए डिनोट कर रहा हूं अभी जैसे हम आगे मतलब एंड uh, स्टेज अगर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर नेक्स्ट सेकंड स्टेज आएगा इसलिए मैंने इस y, इसको कंपोजिशन को वाई टू लिखा है ये चीज क्लियर है और यहां पर फर्स्ट स्टेज का आउटलेट ये वाई वन हो गया और यहां पर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब ये जो है फीड का कंपोजिशन हो गया नाउ अब यहां पर देखिए यहां पर ओके uh, okay, x1 और कैपिटल y2 ये सब बेसिकली है जो मतलब कि कंसंट्रेशन हम लोग मतलब uh, हम यहां पर देखिए और y2 है एक्स वन एंड वाई वा, एक वन एक्स वन एंड वाई टू किसको डिनोट कर रहा है बेसिकली को डिनोट कर रहा है है ना एक आपका में हो हो गया गया वो के के लिए लिए अब जब जब हम लोग काउंटर करंट के लिए सिंगल स्टेज इक्वेशन एक, ऑफ़ ऑपरेटिंग लाइन लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है y

है ना तो ये जस्ट यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद वहां जिस जिस पॉइंट पे पर ये हम, आ, मतलब इंटरसेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम लाइन इक्विलिब्रियम लाइन को वहां पर हमको पॉइंट मिल जाएगा X1, Y1. फिर वहां से हम लोग ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके ये फर्स्ट स्टेज हो गया तो यहां पर फिर ये कंपोजिशन आपको मिल गया एक्स वन कोमा वाई टू है ना सिमिलरली फिर यहां पर आपको मिल जाएगा देखिए एक्स टू कोमा वाई टू तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ स्टेसिस नंबर ऑफ स्टेसिस कैलकुलेट करते हैं काउंटर करंट अरेंजमेंट के लिए तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ देखिए फॉर मल्टी स्टेज फॉर मल्टी स्टेज काउंटर करंट फॉर मल्टी स्टेज काउंटर करंट ऑपरेशन ठीक है तो यहां पर देखिए सेम जैसे हम लोग मिनिमम सॉल्वेंट की बात करते थे के केस में सिमिलरली यहां पर भी हम लोग मिनिमम सोल्वेंट की बात करेंगे तो हमको मिनिमम सोल्वेंट कैलकुलेट करना यहां पर आना चाहिए ओके okay, तो सेम चीज जैसा हम लोग ऑब्जॉप में क्रमशन uh, इक्वेशन यूज करते थे वो क्रमशन इक्वेशन हम यहां पर भी नंबर ऑफ स्टेजेस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं ओके okay, गाइस तो एक से ज्यादा स्टेज के लिए सर ड्राइंग uh, कंप्लीट हो गया क्या ओके uh, okay, संकल्प मिश्रा पूछ रहा है ड्राइंग नहीं ड्राइंग जस्ट इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ना एक्सटेक्शन जस्ट कंप्लीट होने वाला है एक्सटेंशन के बाद में हम करेंगे और हम करेंगे और करेंगे तो हम करेंगे 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 और लोग थोड़ा सा पर देख रहे हैं यहां पर तो देखिए एक से ज़्यादा अगर न, stages है पर अगर काउंटर करंट अरेंजमेंट में तो देखिए यहां पर फीड एंड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स नोट उसके बाद यहां पर देखिए जो फर्स्ट का रेफिनेट होगा वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेकंड स्टेज में एज ए फीड तो ये स्टेज गया उसके बाद में थर्ड थर्ड स्टेज ओके इस तरीके से जस्ट आप लिख सकते हो और उसके अलावा इंट्रोड्यूस कर रहे वाई तो नोट और उसके बाद में यहां पर देखिए ये हो जाएगा वाई थ्री है ना उसके बाद में यहां से आउटलेट बेसिकली ये देन इसका आउटलेट फर्स्ट का आउटलेट जो है वाई वन हो जाएगा देन यहां पर देखिए जो आउटलेट कंपोजिशन है लाइक like, इस फर्स्ट स्टेज का आउटलेट कंपोजिशन क्या है एक्स वन ये आपका रेफिनेट का कंसंट्रेशन और ये आपका X, X का, का मतलब कि कंसंट्रेशन। तो ये दोनों बेसिकली क्या होंगे मतलब एक्स वन एंड वाई वन जो है वो इक्विबीरियम इक्विबरियम रिलेशनशिप को मतलब फॉलो करेंगे ना? मतलब कि ये Uh, और उसके अलावा बट बिकॉज आउटलेट कंसंट्रेशन मैंने बोला था कि एक्सटेक्शन में ऑलवेज आउटलेट कंसंट्रेशन एक्सटेक्शन और रे, रेफिनेट जो है इसके आउटलेट कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्लिबीरियम में होती है तो वो इक्विबेम लाइन पे प्रेजेंट होगी देख सकते हो आप एक्स वन एंड वाई वन इक्विबीम पे प्रेजेंट है उसके बाद में एक्स टू एंड वाई टू जो है वो भी पॉइंट इक्विरियम लाइन पे प्रेजेंट है तो ये बेसिकली इक्लिबरियम इक्विबियम लाइन से रिलेटेड है और आप एक स्टेज के सेम साइड की कंपोजिशन अगर देखोगे लाइक आप देखोगे तो ये ऑपरेटिंग लाइन पे प्रेजेंट होंगे क्लियर तो है सो नेक्स्ट देखिए हम यहां पर सेम ये जो कव मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर हम बात करेंगे मिनिमम सोलवेंट की मतलब ई एस जो हमारा सोलवेंट है वो मिनिमम सोल्वेंट हम यूज करने वाली कंडीशन देखेंगे देखिए ये हो गया हो गया इक्म लाइन ये हो गया वाई हैं और हमने देखा यहां पर कि क्रॉस करंट के लिए जो स्लोप है वो हमको मिलती है आर एस अपॉन ई एस मतलब पॉजिटिव स्लोप बेसिकली मिल रही है ऑपरेटिंग लाइन की तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी ना अब देखिए लाइक कहीं पे तो ये इस इक्बिरियम लाइन पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा बेसिकली ऑपरेटिंग लाइन जो है ओके अब ये हमारा पॉइंट हो गया इनिशियल ये पॉइंट हो जाएगा लाइक कुछ एक्सन कॉमा ये हो गया वाई नॉट और यहां पर ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है जस्ट फाइनल पॉइंट यहां पर ओके आई थिंक मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है जस्ट इसी पॉइंट पे नहीं यहां पर अगर ये देखिए हमने ये फिक्स कर दिया एक्सनोट है ना एक्सनोट और एक्सन फिक्स है तो सेम ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो कैसे पता चल रहा है इसका स्लोप जो है आर एस एपोन एस लाइक ई एस अगर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं है ई एस जो है सोलवेंट फ्लोरेट अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो उसकी वजह से स्लोप जो है क्या होगा आर एस एपोनस ये इंक्रीज होने वाला है तो ये स्लोप बेसिकली क्या है इंक्रीज होती जाती है

Y1, उसके बाद हमने यहां पर वाई वन डेस लिख दिया तो देखिए सिंपली हम यहां पर जैसे हम लोग स्टिपिंग के सेक्शन में स्टिपिंग केस के में हम लोग डिस्कस करते थे आ, मतलब कि ये एस में में वहां पर हम हम लोग के केस क्या कैलकुलेट कैलकुलेट करते करते थे थे गैस का फ्लोरेट जीएस जो है वो हम करते थे, तो सिमिलरली यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई एस मिनिमम तो सेम चीज आप स्टिपिंग में जो अप्लाई करते हो वो चीज यहां पर अप्लाई कर सकते हो पहले मैंने वर्ड बोला था है ना वो मैंने गलत यूज किया था तो काउंटर करंट के केस में देखिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं फोर काउंटर करंट उंड काउंटरकरंट फॉर काउंटरकंट एक्सट्रेक्शन हम लिख सकते हैं कि जो हम लोग क्रमशन इक्वेशन स्टिपिंग में पढ़ते हैं वो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर पाएंगे क्रमशन इक्वेशन फॉर स्टिपिंग तो स्टिपिंग के लिए क्रमशन इक्वेशन आपको याद है जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी है ना तो क्रमशन इक्वेशन में आप लिख देता हूं एनपी लाइक फॉर ऑब्जॉप फैक्टर इज नॉट इक्वल टू वन अगर ऑब्जॉप फैक्टर और जो आपका सिमिलर जैसे फैक्टर करते हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे और एक्सटेक्शन फैक्टर टू आर एस अपन ऑफ ई एस इज डिडेड बाई एम मतलब ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप डिड बाईम लाइन स्लो एक्लो क्या मिल गया आर एस अपन ऑफ ई एस इन टू एम है ना तो क्रमसन इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी देखिए एन पी इक्वल टू एल एन

स्टिपिंग तो आ, मतलब जो स्टिपिंग था उसी को हमने यहां पर कन्वर्ट कर दिया एक्सटेक्शन के लिए सिंपल देखिए आपको याद रखने के लिए सिंपल क्या करना है सेम काउंटर करंट अरेंजमेंट आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले देखिए यहां पर वाई वन जीवन हो जाएगा ये यहां पर ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन ये हो जाएगा ई एस उसके अलावा यहां पर लिक्विड जो कंसनट्रेशन वो ये देखिए यहां पर हो जाएगा ये हो गया आर एस एक्स और उसके अलावा यहां पर ये हो जाएगा लक्स एक्सएन सिमिलरली मतलब जैसे हमने वहां पर लिखा था उसी तरीके से यहां पर ये अरेंजमेंट काउंटर करंट का लिख के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ स्टेजेस यहां पर जो एनपीएम को नंबर ऑफ ट्रे ना ट्रे नहीं देगा हमको क्या देगा नंबर ऑफ स्टेजेस ही हमको देने वाला है ओके okay, गाइस लेकिन अगर आपका जो एक्सटेक्शन फैक्टर है अगर वो वन हो जाए अगर एक्सटेक्शन फैक्टर वन हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे सिंपल एनपी नंबर ऑफ स्टेजेस इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ऑफ एक्स एन इज डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस ऑफ एक्स स्टार तो यह बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है एंट्री कंडीशन एंट्री कंसंट्रेशन माइनस ऑफ द कंसंट्रेशन ये जस्ट में याद करने मतलब इजी वे में आप याद रख सको इसलिए ये बता रहा हूं एग्जिट कंसंट्रेशन माइनस ऑफ द एग्जिट एंट्री कंसंट्रेशन माइनस ऑफ द एग्जिट कंसंट्रेशन इज डिवाइडेड बाय द एग्जिट कंसंट्रेशन माइनस ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इस तरीके से आप याद रख सकते हो क्लियर है ओके गाइस तो यहां पर भी आपको वही सेम ईएस मिनिमम मिलता है लेकिन ऑपरेटिंग जो आपका मिनिमम सॉल्वेंट होता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सॉल्वेंट जो रहता है बेसिकली वो ऑलवेज मतलब लाइक 1.5 टाइम्स रहता है जनरली लेकिन आपको क्वेश्चन में वही टाइम यूज करनी है जो आपको एग्जाम में दी हुई है ना मतलब बाई डिफॉल्ट वाली टाइम आपको यूज नहीं करनी होती एग्जाम में ओके okay गाइस तो ये था हमारा कंप्लीट यहां पर एक्सटेक्शन इसके बाद जस्ट एक और टॉपिक हम डिस्कस करते हैं लास्ट में देखिए काउंटर करंट एक्सटेक्शन की हम यहां पर बात कर रहे हैं काउंटर करंट एक्सटेक्शन काउंटर करंट एक्सटेक्शन देखिए सिंपल यहां पर मैं ये अगर बोलता हूं कंडीशन की ए और बी जो है अगर वो पार्शियली ए एंड बी आर पार्शियली मिसियबल अगर ए और बी अगर पार्शियली मिसियबल है देन उस केस में हम यहां पर लिख रहे हैं सिंपल देखिए टाइंगुलर कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं तो मल्टी स्टेज की मैं बात कर रहा हूं देखिए लाइक स्टेज वन हो गया इसमें हमने यहां पर ईवन यह मतलब कि ओके जस्ट फीड इंट्रोड्यूस किया लाइक मैं फीड को यहां पर डिनोट कर रहा हूं ठीक है यहां पर हमने फीड इंट्रोड्यूस किया उसके बाद में जो आउटलेट होगा वो रेफिनेट होगा वो सेकंड स्टेज के लिए फीड होगा है ना जस्ट जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देते हैं हम यहां पर देन इसके बाद में यहां पर देखिए सेम यहां पर कोई थर्ड ट्रे है उससे बेसिकली आ रहा होगा यहां पर सोलवेंट उसके बाद में ये सेकंड सेकंड स्टेज से जो सोलवेंट है वो आपका फर्स्ट स्टेज के लिए सोलवेंट होगा है ना उसके बाद यहां पर आउटलेट में आपको मिल गया इवन इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लाइक ये एन एन ट्रे मैंने कंसिडर कर लिया यहां पर एन स्टेज है मतलब बार बार ट्रे वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज ट्रे कॉलम अभी बढ़ाया था जस्ट लास्ट लेक्चर में तो सिंपल देखिए यहां पर यह हम लिख रहे हैं एन प्लस वन इसको लिख सकते हैं मतलब स्टेज यहां पर है तो स्टेज N, N से बेसिकली यहां पर सॉल्वेंट आ रहा है या फिर सिंपल उसको हम लोग F से भी डिनोट करते हैं और फाइनली यहां पर जो आउटलेट मिल रहा है देखिए वो होगा स्टेज N, N, N से जो मिल रहा है अब गाइज देखिए यहां पर हम लोग एक टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिंपल देखिए एफ जो है मतलब इसमें अगर हम लोग ऑरल बेंच लिखे लाइक एफ एफ प्लस यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोल्वेंट एफ प्लस ई एन एफ एफ प्लस ई एन प्लस वन है ना जैसे ये तो मतलब

इसको हम लोग एक डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली अब ये डेल्टा बेसिकली क्या होता है? ये होता है 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 ये डिफरेंस 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 पॉइंट पॉइंट सिंपल को 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 डिनोट डिनोट कर कर रहा है ना? Rs 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 कर रहा ना माइनस माइनस हम इसे बोल रहे हैं सिंपल यहां पर हो गया, F -E1 S अब यहां पर देखिए एक तो मैंने लिखा। हम यहां पर लिख सकते हैं ओके okay, अमन खुराना अमन खुराना यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 2020 थाउजेंड की तैयारी कब से स्टार्ट होगी वो तो आफ्टर गेट ही स्टार्ट होगी है ना मिड मिड फेब ना फेब लास्ट से या फिर मार्च मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर गेट के लिए प्रिपरेशन सो आर वन माइनस ऑफ ई टू इक्वल टू आर वन माइनस ऑफ ई टू इक्वल टू आर टू माइनस ऑफ ई थ्री इज इक्वल टू डेल्टा देन इसके मतलब ये जस्ट डिफरेंस है मतलब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब ये डिफरेंस से रिगार्डिंग तो वो क्वेश्चन आप जब करोगे तो बेटर होगा आप ये चीज कर पाओगे है ना वहां पर जो डेल्टा मतलब गिवन रहता है वो बेसिकली डिफरेंस को डिनोट करता है एफ माइनस ई वन एफ यहाँ पर देखिए एफ बेसिकली क्या है इस फर्स्ट स्टेज के लिए फीड का अमाउंट है और इवन बेसिकली क्या है यहां पर इसका आउटलेट मतलब सेम साइड में इवन बेसिकली क्या है यहाँ पर जो आउटलेट सोलवेंट मिल रहा है देन उसके बाद में सेकंड देखिए सिमिलरली हमने लिखा कि आर वन माइनस ऑफ ई टू तो क्वेश्चन okay तो पूछा गया है वो आप मतलब उस क्वेश्चन को करोगे तो इतना टफ नहीं है इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे उसको नाउ गाइस देखिए ये डेल्टा अभी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर ग्राफ की फॉर्म में हम देखें मतलब ये जो ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट है एक्सट्रैक्शन के लिए तो सिंपल देखिए यहां पर ठीक है, सो नेक्स्ट so हम यहां पर लिख रहे हैं देखिए हमने डेल्टा लिखा कि डेल्टा बेसिकली क्या है यहां पर चेंज को डिनोट करता है डेल्टा जो है बेसिकली चेंज को डिनोट करता है और देखिए कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी हम यहां पर यूज करते हैं लाइक ए ए बी के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो हम इसके लिए देखिए हम लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी ए प्लस बीवल टू सी लिखते हैं बेसिकली मतलब, है है, मतलब ये जो लाइन ए और बी जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके बीच में इसके, उसके बीच में डिनोट होगा सिमिलरली लाइक like, अगर हम यहां पर लिखे ए माइनस बी इक्वल टू सी तो इसका मतलब हुआ कि लाइक like, कोई लाइन है ए और मतलब लाइन ए और बी है उसके जो सी पॉइंट है बेसिकली वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा मतलब ए और बी का जो लाइन है अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वहां पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो सिमिलरली देखिए हम यहाँ पर ये ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं ए बी एंड सी तो सिंपल यहां पर देखिए अगर मैं देखू कि लाइक ये मेरा फीड लाइन हो गया इसके बाद मतलब हम लोग सिंपल अगर टाई लाइन ड्रॉ करें लाइक टाई लाइन मेरा पहला टाई लाइन हो गया यहां पर ई वन एंड आर वन ठीक है अब मुझे नेक्स्ट टाई लाइन मतलब यहां पर देखिए डेल्टा जो है इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ यहां पर ये जो फीड लाइन है लाइक like इस पॉइंट पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर f माइनस ईवन एफ मैंने जो इवन है अगर इस एक्सटेंड अगर करूंगा तो ये किसी पॉइंट पे यहाँ पर मिल रहा है इस लाइन को हम लोग जब एड करेंगे तो उसके आउटसाइड ये एग्जिस्ट करेगा क्लियर है तो अब देखिए लाइक like मुझे सेकंड जो मेरी टाइल लाइन होगी वो कैसे मैं ड्रॉ करूंगा ये पॉइंट जब मुझे मिल जाएगा जब इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ पर तो जब ये आर से होते हुए वापिस ये इस पॉइंट पे जब ये आ, मतलब कि एक्सट्रैक्ट एक्सट्रेक्ट आर्म जो हमारा है बेसिकली इस पॉइंट पे एक्जिस्ट करेगा जब यहां पर हमको मतलब कि मतलब हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो टाई लाइन हमको यहां से मिल जाएगा उसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट फिर से क्या करूंगा यहां पर फिर से ई टू पॉइंट से बेसिकली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से ये लाइन ये हमको मिल गया देखिए ई वन एंड आर वन उसके बाद ई टू एंड आर टू तो सिमिलरली ये मतलब ये कंसेप्ट मतलब इस कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग टाइल ड्रॉ कर लेते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मतलब देख सकते हो एक बार ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया ये डेल्टा से डेल्टा uh, के रिगार्डिंग तो आपको ये समझ आना चाहिए बेसिकली और ये डेल्टा ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा कहो कि ये राइट right साइड में भी हो सकता है है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आप किसी भी साइड में इसको ड्रॉ कर सकते हो लेकिन ये मतलब डिफरेंस जो है इवन वन माइनस आर वन मतलब ये उस लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे तो उसके बाहर में एग्जिस्ट करेगा ये चीज डिनोट करता है तो guys, जो गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने बोला था कि प्लेट पॉइंट की जो कंडीशन होती है देखिए प्लेट पॉइंट वाली कंडीशन में आपको बता रहा हूं प्लेट पॉइंट प्लेट पॉइंट की कंडीशन देखिए प्लेट पॉइंट पे बेसिकली क्या है कोई भी प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर रहे हो लाइक like डेंसिटी हो गया लाइक like डेंसिटी हो गया या कंपोजिशन आप डिफाइन कर रहे हो डेंसिटी हो गया कंपोजिशन हो गया है ना उसके बाद में इंटरफेशियल इंटरफेशियल कंसंट्रेशन इंटरफेशियल टेंशन आप डिफाइन कर रहे हो या फिर सरफेस टेंशन मतलब कोई भी टर्म जो डिफाइन करते हैं हम लोग प्लेट uh, पॉइंट पे तो प्लेट पॉइंट पे हमको सिंपल पता है कंपोजिशन जैसे सेम हो जाता है वैसे ही सारी प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो सेम रहेगी मतलब इनका जो डिफरेंस है इनका जो डिफरेंस रहेगा बेसिकली वो क्या आएगा डेल्टा लाइक like, मतलब जो डिफरेंस में डायरेक्टली लिख रहा है पर डिफरेंस जो होगा बेसिकली वो क्या होगा जीरो होगा मतलब प्लेट पॉइंट पे सभी प्रॉपर्टीज का अगर आप चेंज लिखो उन प्रॉपर्टीज में तो वो क्या होगा जीरो होगा जीरो फॉर ऑल प्रॉपर्टीज तो यही वन मार्क्स का क्वेश्चन गेट में एक बार पूछा गया है तो उसका आंसर जो था मतलब की जो डिफरेंस होगा बेसिकली वो जीरो होगा कोई भी प्रॉपर्टीज मतलब चेंज मतलब की डिफरेंट डिफरेंट नहीं रहती है एट प्लेट पॉइंट ओके गाइस तो ये था हमारा एक्सटेक्शन का कंप्लीट पार्ट अगर इतना आपको एक्सटेक्शन पता है और अगर अच्छे से क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखी है देन आप इजीली क्वेश्चन अटैम कर पाओगे एक्सट्रेक्शन से सो so, एक बार ह्यूमिडिफिकेशन भी हम आप रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से ह्यूमिडिफिकेशन देखिए ह्यूमिडिफिकेशन मतलब यहां पर ह्यूमिडिटी के साथ हम बेसिकली डील करते हैं मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी से तो पहली जो टाइम है ह्यूमिडिटी देखिए पहली जो टाइम है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी

जी ऑफ एस टू अपॉन ऑफ के जी ऑफ ड्राई एयर हो जाएगा एप्सोल्यूटिडिटी ना नेक्स्ट अब हम डिफाइन कर रहे हैं मोलाल एब्सुल्यूट ह्यूमिडिटी देखिए मोलाल एब्सोलूट ह्यूमिडिटी कैसे डिफाइन करेंगे कैपिटल वाइज से हम डिनोट करते हैं मोलाल एप्सोट ह्यूमिडिटी को और मोलाल एप्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगा देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई एयर आप इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस टू ओ इस डिडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस टू प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब जस्ट इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लस नंबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई एयर इस तरीके से लिख सकते हैं सो so, ये हो जाएगा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई एयर इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस टू ओ प्लस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई एयर तो यहां पर अब ये बेसिकली क्या बन जाएगा न्यूमेटर में फ्रैक्शन बन जाएगा

पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ अपन ऑफ टोटल प्रेशर इज पी. ओके तो यहां से बेसिकली हम लिख रहे हैं देखिए वाई इज इक्वल टू पी एच टू ओ वाई इज इक्वल टू पी एच टू ओ अपॉन ऑफ सिंपल जस्ट यहां पर देखिए हम इसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं लाइक पार्सियल प्रेशर ऑफ एच टू अपॉन ऑफ पी अपन पार्सल प्रेशर ऑफ ड्राई डिवाइडेड बाई पी है सो so, ओके okay, अंकित पूछा है पर सर एक्सट्रैक्शन फैक्टर इज एनोगस टू स्टिंग फैक्टर एक्सट्रैक्शन फैक्टर जो है वो analogous यहां पर है स्टिपिंग उस, उसके साथ ही तो सेम हम लोग यहां पर काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में uh, जो इक्वेशन यूज होता है इक्वेशन uh, जो यूज होता है एक्जेक्टली वही इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं ओके okay? सो so, यहां पर हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ अपन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ अपन ऑफ पार्शियल टोटल प्रेशर माइनस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू अगर हम लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर मिल जाएगा

उ अब हम नेक्स्ट डिफाइन कर रहे रिलेशन बिटवीन द एब्सुलट ह्यूमिटी जो सबसे पहले हमने देखा द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ में ठीक है रिलेशन रिलेशन बिटवीन एब्सुल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेशन बिटवीन एब्सुल्यूट ह्यूमिडिटी एंड मोलाल मोलार एप्सुल्यूट ह्यूमिडिटी देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिख रहे हैं मोलाल एप्सोलूट ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई बाय सिंपल इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर है ना वो डिपेंड करेगा कि आपके पास सिस्टम क्या गिवन है ना मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास वाटर वेपर गिवन है तो मैंने मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर लिख दिया और जो एयर फेस है वो मतलब एयर गिवन है मेरे को तो यहाँ पर मैंने मोलिकुलर वेट ऑफ एयर सिंपल जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ एयर तो ये बन जाएगा से इज डिवाइडेड तो इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं और अगर हमको लाइक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता है तो हम लोग मोलाल ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मोलाल ह्यूमिडिटी हमें पता है तो हम लोग यहाँ पर

पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर माइनस ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होगा ना यहां पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं पार्शियल ये जो कंडीशन लिखेंगे हम वाई डेज इज इक्वल टू वाई की जगह हम ये पुट करेंगे लेकिन पार्शियल प्रेशर को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं वेपर प्रेशर से तो ये डायरेक्टली बन जाएगा वाई डेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन ऑफ टोटल प्रेशर माइनस ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इज डिवाइडेड बाई द एटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन ये हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट द सेचुरेशन नाउ फाइव हम फिफ्थ टाइप का जो ह्यूमिडिटी हम डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं परसेंटेज ह्यूमिडिटी परसेंटेज ह्यूमिडिटी देखिए परसेंटेज ह्यूमिडिटी को हम सिंपल लिखते हैं परसेंटेज ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई एस इन टू हंड्रेड इंदरजीत सिंह हेलो हाँ हेलो इंदरजीत सो देखिए परसेंटेज ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं परसेंटेज ह्यूमिडिटी सिंपल क्या हो जाएगा वाई अपॉन वाई एस वाई तो एस किसको डिनोट कर रहा है बेसिकली मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाई किसको डिनोट कर रहा है देखिए वाई तो यहां पर हो गया मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड वाई एस किसको डिनोट कर रहा है मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन एट सेचुरेशन

आप परसेंटेज ह्यूमिडिटी डिफाइन करो अगर सेचुएशन कंडीशन पे आपको अगर परसेंटेज ह्यूमिडिटी अगर पूछे आपको तो सिंपल क्या हो जाएगा परसेंटेज ह्यूमिडिटी पर ये सब परसेंटिटी कैंसिल हो जाएगा 100 परसेंट आपको मिल जाएगी है ना सेचुएशन कंडीशन के केस में जहां पर हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो वेपर प्रेशर के इक्वल होगा तो वहां पर आपको ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज ह्यूमिडिटी जो है कितना मिल जाएगा हंड्रेड मिल जाएगा नौ नेक्स्ट देखिए सिक्स टाइप यहां पर मैं लिख रहा हूं ह्यूमिडिटी का रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लिखते हैं परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी लिखते हैं परसेंट परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओके सो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूमिडिटी आरएस को हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में ये आपका सिंपल क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से तो ये परसेंटेज में हमको मिल जाएगा ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ओके गाइस सेम चीज पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है अगर आप मतलब पार्स, मतलब कि पॉइंट पे लिखते हो देन उस केस में ये 100 आपको मिल जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सो नेक्स्ट देखिए अभी अगर हम डिफाइन करें रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड परसेंटेज ह्यूमिडिटी है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी और परसेंटेज ह्यूमिडिटी में अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन करें देखिए क्या हमको मिलेगा

तो अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं देखिए सेचुरेशन कंडीशन में हमने देखा कि रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो परसेंटेज ह्यूमिडिटी के इक्वल होगा बट अनसेचुरेशन अनसेचुरेटेड कंडीशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अनसेचुरेटेड कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो परसेंटेज ह्यूमिडिटी है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ऑलवेज ग्रेटर देन होगी बिकॉज यहाँ पर देखिए पी माइनस पी वेपर प्रेशर एंड अपॉन ऑफ पी माइनस पी वाटर पी एच मतलब पार्शियल प्रेशर यहां पर है तो ये ऑलवेज वेपर प्रेशर जो यहां पर पार्शियल प्रेशर से जब ओके मतलब uh, okay, यहां पर लेस देन रहेगा वेपर प्रेशर तो ये जो रेशियो बेसिकली

और जो वाई ह्यूमिडिटी हम लोग मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली क्या होगा डिक्रीज होगा लेकिन कंडीशन इसके साथ कंडीशन क्या है कि वो जब ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेगा उसके बाद में अगर आप टेम्परेचर रिड्यूज करोगे देन उस केस में ये बेसिकली मतलब कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ये रिड्यूज होगा है ना उस पॉइंट तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा बट तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बट ओनली आफ्टर बट ओनली आफ्टर बट ओनली आफ्टर रीचिंग बट ओनली आफ्टर रीचिंग द ड्यू पॉइंट So, इसको इसका कब हम ड्रॉ करते हैं देखिए मतलब सिंपली इस पॉइंट से पहले की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर चाहे आप अचीव मतलब कि इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उस टाइम उस, उस पॉइंट पर आपका जो वाई है, एपसुलूट, मतलब एपसुलूट वो बेसिकली क्या होगी कॉन्स्टेंट रहेगी तो सिंपल यहां पर देखिए एक ये ग्राफ समझिए ओके ठीक है यहां पर ये, ये ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग

हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन कंडीशन के लिए हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन कंडीशन के लिए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट सेचुर के लिए लाइन है और ये जो है एक्सरसाइज इस पर बेसिकली हम लोग लिख रहे हैं एप्सुल्यूट ह्यूमिडिटी वाई डेस एप्सुल्यूट ह्यूमिडिटी तो अब यहां पर देखिए लाइक ये इस मतलब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलरली लाइक कोई एबसोल्यूट ह्यूमिडिटी हमने ले लिया यहां पर लाइक like हमारे पास पॉइंट टू किसी मिक्सचर के लिए एप्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है तो अब यहां पर देखिए सिंपल जो यहां पर हमको टेम्परेचर मिलता है जब 100 परसेंट सेचुरशन को आ, मतलब कि इस पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं तो हमको क्या मिलता है इसके कोरस्पोर्डिंगली जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है और यहां पर कहीं यहां पर पर्टिकुलरली कहीं टेंपरेचर अगर हम देखें तो वो ड्राई बल्ब टेपरेचर होता है ना ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेंपरेचर ये जस्ट हम आगे थोड़ा देखेंगे बट अभी अगर मैं इतना बताऊं आपको कि देखिए जो 100% परसेंट सेचुएशन करने वा वाली लाइन है इस पॉइंट पे बेसिकली पर्टिकुलरली किसी भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के कॉरस्पॉन्डिंगली जब यहां पर हम इस लाइन को फॉलो करते हैं और यहां पर पहुंचेंगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा और पर्टिकुलरली यहां पर कहीं आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ओके अब यहां पर देखिए अगर इस पॉइंट इस ड्यू पॉइंट से पहले इस ड्यू पॉइंट से पहले अगर आप चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका जो एब्सोट इमिडिटी वो कॉन्स्टेंट ए पॉइंट टू रहेगा बट अगर आपने टेम्परेच रिड्यूस करना स्टार्ट किया टेम्परेचर रिड्यूस करना स्टार्ट किया और आप ड्यू पॉइंट के नीचे चले गए जब ड्यू पॉइंट को जब फॉलो करेगा तो देखिए इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा चेंज हो जाएगा है ना तो जब तक जब ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है उसके बाद में अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो देन आपका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होगा तो ये स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू है अरवाइज यहां पर हमने हमने देखा कि ड्यू पॉइंट से पहले डायवलप टेम्परेचर की यहाँ, जो डायवलप टेम्परेचर से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर वहां पर ऑलवेज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है क्लियर है सो so, अब यहां पर आप देख सकते हो और ये जो लाइन है बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ये लाइन जो है ये होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन बोलते हैं ना तो टेंचर वर्सेस यहां पर हमने देखा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के साथ रिलेशन पर जस्ट वीएच की हमने कोई अभी बात नहीं की है आगे हम देखेंगे ह्यूमिड वॉल्यूम जो है और यहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की की अगर पर, अगर यूनिट हम बात करें तो क्या हो जाएगा के जी ऑफ वाटर अपॉन के जी ऑफ ड्राई एयर इसके ऊपर हम लोग एंथेल्पी भी ड्रॉ करते हैं सो so नेक्स्ट देखिए मैं यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की फिर से एक बार बात कर रहा हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी so, को आर से हम डिनोट करते हैं तो रिलेटिव का क्या मतलब मोस्टली uh, स्टूडेंट का रिलेटिव कंपोजिशन मतलब मॉइस्चर like है रिलेटिव तो आपको परसेंटेज नहीं देती है ना परसेंटेज बेसिकली मॉइस्चर आपका प्रेजेंट है ऐसा नहीं है ना सो इट डज नॉट गिव क्लियरली लिख सकते हो आप है ना इट डज नॉट गिव इज नॉट गिव इस गिव्स द मॉइस्चर कंटेंट It does not give the moisture content of the gas it does not give the moisture content of the gas it only give it only gives the degree of it only gives the degree of saturation it only gives the degree of is degree of saturation degree of saturation of the gas of the gas at the given temperature Matlab, kya deta hai? degree of saturation बेसिकली देता है इट ओनली गिव्स द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द गैस एट द गिवन टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मतलब उतना उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है है ना मतलब 60 परसेंट uh, मतलब उसमें मॉइस्चर का कंपोजिशन नहीं होता है ना ओके okay, अगर 100 परसेंट है तो मतलब आपका वहां पर सेचुरेशन हो गया अब उसके बाद में आप उसका मॉइस्चर जो कंपोजिशन है वो आप इंक्रीज नहीं कर सकते वो इस चीज़ का नोटेशन होता है तो सिंपल देखिए हम लिख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें अगर हम टेंचर इंक्रीज करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होगा डिक्रीज होगा बिकॉज देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं रिलेटिव इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को तो सिंपली देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बेसिकली यहां पर क्या होगा वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पर ये यह ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या होगा डिक्रीज होगा

ओके okay, डिमोडिफिकेशन में हम क्या करते हैं रिमूव ऑफ द मोशन नाउ नेक्स्ट देखिए अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बेसिकलीम्परेचर होता है मतलब कोई भी गैस मिक्सचर आपके पास में है, है ना वेपर मतलब वेपर गैस मिक्सचर आपके पास में है. तो उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो बेसिकली होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ गैस ऑफ गैस मतलब गैस मिक्सचर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो एक्चुअल जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है ना उसके बाद देखिए मैं ड्यू पॉइंट की बात कर रहा हूं ड्यू पॉइंट ठीक है ड्यू पॉइंट ये सब चीज तो आपको पता है ना बेसिकली सो ड्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है बेसिकली ड्यू पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ड्यू पॉइंट का मतलब हुआ इफ इफ ए वेपर गैस मिक्सचर इज ग्रेज मतलब अगर कोई वेपर गैस मिक्सचर है अगर आप उसको coal, अ, मतलब कि उसको कूल cool कर रहे हो एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर तो सिंपली मतलब क्या होगा कि उस टेम्परेचर पे मतलब जो आपका मतलब सेचुरेशन uh, पॉइंट का मतलब क्या देखिए हम मैं लिख देता हूं यहाँ एक काम करता हूँ देखिए

इट जस्ट बिकम सेचुरेटेड इट जस्ट बिकम सेचुरेटेड इट इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट मतलब uh, uh, सिंपली मैगजिम मतलब मॉइस्टर कंटेंट इंक्रीज कर सकते हो वहां पर वो मतलब इज ग्रेजुअली कूल एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच एट विच इट जस्ट बिकम इट जस्ट बिकम इट जस्ट बिकम सेचुरेटेड इट जस्ट बिकम सेचुरेटेड इट कॉल्ड द ड्यू पॉइंट अब इंपॉर्टेंट टाइम देखिए यहां पर ह्यूमिड वॉल्यूम हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मूला होता है तो ह्यूमिड वॉल्यूम पे बेस्ट क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाएगा देखिए ह्यूमिड वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं यहां पर देखिए ह्यूमिड वॉल्यूम सॉरी ह्यूमिड वॉल्यूम से पहले हम लोग ह्यूमिट हीट की बात करते हैं ह्यूमिड हीट के है ना ह्यूमिड हीट को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं सी बेसिकली क्या हमको देता है मतलब लाइक like आपको एक यूनिट मास का टेम्परेचर इंक्रीज करना है मतलब आपके पास में ड्राई गैस है उसका यूनिट मास आपके पास में उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है वन डिग्री ओके तो उसके लिए कितना हीट आपको रिक्वायर्ड होगा उसे हम बोलते हैं ह्यूमिड हीट ओके आपके पास में एक ड्राई गैस का यूनिट मास आपके पास में है, उसका टेम्परेचर आपको वन डिग्री इंक्रीज करना है उसके लिए आपको जितना हीट रिक्वायर्ड है उसको आप बोलोगे ह्यूमिड मतलब हीट मैं ड्राई एयर कंसिडर करूँ तो ड्राई एयर के लिए देखिए यहाँ पर ये हम डिफाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट सो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर प्लस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर प्लस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मल्टीप्लाई बाई डेस अब पर्टिकुलरली जो एयर आपके पास गिवन है उसका यहां पर आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी गिवन होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपको गिवन होगा क्लियर है तो अब यहां पर देखिए ये जो फॉर्मूला है सी एच हम यहां पर लिख देता हूं मैं सी एयर जो है बेसिकली ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर एंड इसके अलावा यहां पर मैं लिख रहा हूं सी एच टू बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को डिनोट कर रहा है देन इसके बाद में ओके okay, यहां पर हम लोग सी एच सी एस कैलकुलेट करते हैं इस इस फॉर्मूले की हेल्प से ह्यूमिट अदरवाइज देखिए गाइस आप अगर सिंपल यूनिट बैलेंस पे ध्यान करो ध्यान दोगे तो आपको एक्जैक्टली exactly, मतलब आंसर इजीली ह्यूमिडेट मतलब ह्यूमिडेट के लिए आपको आंसर मिल जाएगा ना क्वेश्चन में क्या आपको स्पेसिफिकिटी दी हुई है क्या आपको स्पेसिफिकिट मतलब एयर के लिए दी हुई है क्या आपको वाटर के लिए दी हुई है और क्या वहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सिंपल यूनिट बैलेंस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा ओके okay, गाइस तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सी एच इक्वल टू सी एयर प्लस ऑफ सी एच टू ओ इन वाई डेज़ नाउ नेक्स्ट मैं यहां पर बात कर रहा हूं ह्यूमिड वॉल्यूम की ह्यूमिड वॉल्यूम तो ह्यूमिड वॉल्यूम को हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं वी एच से ओके okay, ह्यूमिड वॉल्यूम बेसिकली क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर द वॉल्यूम ऑफ मतलब आपके पास कोई मतलब ड्राई एयर है ना उसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई करेगी मतलब उसका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगी बेसिकली ओके okay, एक ड्राई एयर The volume of the unit mass of dry air with accompanying water vapor at a given temperature and pressure. Simple. amper what will Humid volume. The volume of unit. The volume of unit mass. The volume of unit mass of dry air. The volume of unit mass of dry air with with accompanying water vapor. With accompanying water vapor at the given. एट द गिवन जो भी टेम्परेचर प्रेशर आपको गिवन होगा उस पर बेसिकली उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ह्यूमिड वॉल्यूम तो ह्यूमिड वॉल्यूम के लिए देखिए सिंपल अगर हम लिखे फॉर्मूला तो ह्यूमिड वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मिलता है हमको वी एच इज इक्वल टू वन बिकॉज हम यहां पर देखिए मतलब एयर वाटर मिक्सर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सिंपल हम लिख रहे हैं देखिए मोलिकुलर वेट ऑफ ए ट्वेंटी हो गया देन वाइड एस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ऑफ एटीन इज मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज डिड बाई टू ये आपको देता है, volume, बेटर है कि अगर आपको याद रखना है देखिए ये बेसिकली uh, मतलब ह्यूमिड वॉल्यूम के लिए रिलेशन तो आप ये याद रख सकते हो देखिये वन अपॉन मतलब स्टैंडर्ड वन अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी प्लस वाइड एस अपॉन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ मॉइस्र इन मतलब वाटर देन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इन

एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट uh, यहां पर है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्लक्स होता है जो फ्लक्स होता है बेसिकली उसका रिलेटिव वॉलिटिलिटी के साथ रिलेटिव uh, ह्यूमिडिटी के साथ में रिलेशन हम लिख रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में उसका एक रिलेशन आता है वो चीज आप लिख लीजिए कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली परपोर्शनल होता है वन माइनस रिलेटिव ह्यमिडिटी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपको दो डिफरेंट फ्लक्स दे रखा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमिडी के लिए आपको लाइक फ्लक्स दे रखा है एक पे और डिफरेंट मतलब एक अनदर ह्यूमिडिटी पे आपको क्या निकालना फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या हो जाएगा एन ए वन अपॉन ऑफ एन ए टू इज इक्वल टू वन माइनस रिलेटिव ह्यूमिडिटी फोर फ्लक्स वन इज डिडेड बाई वन माइनस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट फ्लक्स टू तो ये आपको याद रखना है रिलेटिव हिमिडिटी का फ्लक्स के साथ में रिलेशन इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन एक बार तो पूछा गया गेट में ना और भी पूछा जा सकता है ओके okay गाइस उसके बाद हम बात कर रहे हैं पर वेट बल्ब टेम्परेचर सो so, वेट बल्ब टेम्परेचर की हम यहां पर बात कर रहे हैं देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर सो so, देखिए मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन पे हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर डिफाइन करते हैं अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ड्राई बल्ब टेम्परेचर से तो ऑलवेज वेट बल्ब जो टेम्परेचर है वो आपका ड्राई ब्लब टेम्परेचर से लोअर रहता है ना ड्राई ब्लब टेपरेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर है गैस मिक्सर का लेकिन इसमें वेट बल्लब टेम्पचर में आ, हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था जब मास ट्रांसफर का कोर्स हमने डिस्कस जब आ, हमने देखा था वहां पर इमेश का टॉपिक तो सिंपल इसमें आपका एक जो जो इसका बल्ब रहता है बेसिकली वहां पर मतलब वेट वेट कंडीशन में हम लोग डिफाइन करते तो जो मतलब होता है कि इसमें कि जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है उससे आपको थोड़ा लोअर टेम्परेचर मिलता है इसमें वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है तो सिंपली देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर से अगर हम उसको कंपेयर करें तो ऑलवेज लोअर मिलेगा ये वेट बल्ब टेम्परेचर के कंपेरिजन में

मल्टीप्लाई ड्राई ड्राइ बेचर माइनस ऑफ वेट बलबरेचर ये रिलेशन आपको बोलते हैं यह जो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस होता है वेट बल्ब टेम्परेचर यहां पर, यहाँ पर यहाँ हो गया वेट ब्लब डेप्रेशन इसको बोल रहे हैं टाइम हम डिफाइन करते हैं देखिए साइक्रोमेट्रिक रेशो एच अपॉन ऑफ एच अपॉन ऑफ के एम जो है एच अपॉन ऑफ के एम इसे हम बोलते हैं एच अपॉन ऑफ के एम इज इक्वल टू साइक्रोमेट्रिक रेशो साइक्रोमेट्रिक रेशो ओके ना उसके बाद देखिए अगर आपका मतलब एयर सिस्टम जीवन है तो यह जो रेशो होता है ना एच अपॉन लेमडा इंटू के एम इन टू डेंसिटी जो है इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं अप्रोक्सिमेटली वन फॉर एयर वाटर मिक्सर फॉर एयर वाटर मिक्सर फॉर एयर वाटर मिक्सर या सिस्टम हम सिंपली डिफाइन करते हैं ये जो बेसिकली एच अपॉन के एम के एम इन टू रो हम लोग माइनस ऑफ वाइव ये, 5, uh, dash, ये हमको क्या मिल जाता है ड्राई बेलब टेम्परेचर माइनस ऑफ वेट बेलब टेम्परेचर इस डिवाइडेड बाई यहाँ पर लेमडा नहीं कंसिडर होता है ना लेमडा को छोड़ के जो एच अपॉन के एम रो ए मतलब ये इसमें जस्ट रोए को भी हम कंसिडर कर लेते हैं अदरवाइज है एच अपॉन के एम इक्वल टू वन रहता है तो तो डेंसिटी हमको हमको पर पर करना पड़ेगा तो फाइनली ये फॉर्मूला मिल जाता है फॉर एयर वाटर सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है और यहां पर देखिए वाइडेस जो है बेसिकली वो क्या हैचर ओके सो नेक्स्ट एक टाइम हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर देखिए एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर यहाँ पर काउ की हेल्प हम देखेंगे कि एडियाबेटिक सेचुरेशन और ड्राई ब्लड टेम्परेचर ये सब मतलब अलग अलग रहता है बेसिकली देखिए एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सो so यहाँ पर देखिए एडियाबेटिक सेचुरेशन बेसिकली क्या होता है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें देखिए ह्यूमिडिटी जो है बेसिकली अगर ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होता है गैस का ना ह्यूमिडिटी ऑफ द गैस इंक्रीज एंड इट्स टेमपेचर डिक्रीजेजे तो उस केस में जो इक्विबेम टेम्परेचर पर बेसिकली मतलब इक्विबेम टेम्परेचर पे जो ह्यूमिडिटी हमको मिलता है uh, जो uh, मतलब uh, जो टेम्परेचर हमको बेसिकली मिलता है वो वहाँ पर uh, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज अ रिजल्ट एज रिजल्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द गैस इंक्रीजे द टेम्परेचर ऑल्सो इक्रीजेस हमने ये देखा है कि ह्यूमिडिटी जो है सॉरी oh, यहां पर मैं ह्यूमिडिटी हाँ, लिख रहा हूं मतलब वाई से डिनोट करते हैं ना कि एस से डिनोट करते हैं सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है बेसिकली गैस के लिए वो इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं ये मैंने आ, मैंने बताया वेट ड्यू ड्यूब्लब टेम्परेचर से नीचे की हम बात कर रहे हैं सो so, ड्यू ड्यूबल टेम्परेचर से नीचे अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करें तो जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो बेसिकली इंक्रीज होता है तो इक्लिबीरियम केस में बेसिकली देखिए हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं एडियाबेटिक एडियोटिकेशन टेम्परेचर तो यहां पर

एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ गैस होता है एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ गैस है ना सिंपली मतलब जब टेपरेचर रिड्यूस करते हैं जब टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो ह्यूमिडिटी ऑफ जो गैस है बेसिकली क्या होता है इंक्रीज होता है ह्यूमिडिटी ऑफ गैस जो है इंक्रीज होता है एडियाबेटिक मैं आपको बताता देखिए पर ये आपका हो गया कव देखिए यहां पर ये 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन वाला कम हो गया कव हो गया यहां पर नौ इसके बाद यहां पर देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है यहां पर टेम्परेचर होता है तो सबसे पहले देखिए हमें यहां पर मिलता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेपरेचर मिल गया यहां पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर उसके बाद में जिस इस पॉइंट पर जब ये टच करता है तो यहां पर हमको ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलता है point temperature मिलता है है ना ड्यू पॉइंट मिलता अब देखिए यहां पर जो एडियाबेटिक कूलिंग वाली जो लाइन है देखिए वो कौन सी है सिंपल इस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए लाइक कोई भी इनिशियल कंडीशन है वहां से अगर हम लोग एडियाबेटिक कूलिंग लाइन को अगर फॉलो करें एडियाबेटिक कूलिंग लाइन को मतलब सिंपली देखिए जब हम लोग इस साइड में ट्रेवल करेंगे जो एडियाबेटिक कूलिंग जब होगा तो यहां पर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है हम इस किसी भी पॉइंट पे देखें तो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है और इसके कोरोस्पॉली जो है ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, decrease, हो रहा है। हम किस में बात कर रहे हैं फॉलो करें तो फाइनली तो देखिए हम जिस पॉइंट पे पहुंचते हैं जब 100% परसेंट सेचुरेशन पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे मतलब उसको हम लोग बात कर रहा था तो उस इक्विबिरियम कंडीशन पर फाइनली जो टेपरेचर अचीव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एडियाबेटिक सेचुरेशन टेपरेचर तो इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं तो देखिए एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर आपका ड्राई ब्लड टेम्परेचर से तो लोअर रहेगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है उससे वो ग्रेटर देन रहेगा है ना वेट ब्लड टेम्परेचर से पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसको सिंपली ये ये चीज ये चीज क्लियर है एडियाबेटिक कूलिंग कव जो है इसको जब हम फॉलो करते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है और फाइनली जब हम लोग 100 परसेंट आरएच जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला जो कव है जब हम लोग उस, उसको अचीव कर लेते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर हो, होगा वो क्या होगा एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर होगा तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देखिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वेट बल्ब बलबरेचर वेट बल्ब टेम्परेचर वो लोअर देन होगा किससेबेटिक सेच्युरेशन टेम्परेचर जो है ये किससे लोअर देन होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है मिक्सर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये रिलेशन है बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर और चर में नाउ अब यहां पर देखिये हम ऑलरेडी okay, सारी टेम्स कर चुके हैं अगर मैं यहां पर लिखू देखिए वाई डे माइनस वाई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी एच अपोन ऑफ लेमडा इन टू टी माइनस टी एस ये हम लिखतेबेटिक सिचुएशन टेम्परेचर के लिए सिंपली so, यहां पर देखिये ये जो टेम है बेसिकली वाई 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 डे एस माइनस ऑफ वाई ये हमको देता है के जी ऑफ वाटर के जी ऑफ वाटर और उसके अलावा सी एच बेसिकली है ये क्या है ह्यूमिड हीट है ह्यूमिड हीट के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था ह्यूमिड हीट ऑफ गैस उसके अलावा यहां पर ले, लेमडा किसको डिनोट कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट सेचुरेशन टेम्परेचर एस ओके

तो आपको वहां पर करेक्ट मतलब जो आंसर है वो मिल जाएगा ना मतलब डेंसिटी ये आपका मतलब यूनिट के अंदर में आ जाता है बेसिकली ये जो हम लोग फैक्टर लिखते हैं एच अपॉन लेमडा इंटू केएम इंटू डेले तो ऐसा हो सकता है आपको अगर आपने कहीं और से मतलब देखा हो तो वहां पर हो सकता है डेंसिटी टाइम मेंशन नहीं की गई हो ना तो ऐसा कोई भी नहीं है कि कंफ्यूजन क्रिएट करना है सिंपल आपको इन दोनों में देखिए डिफरेंस यहां पर एच अपॉन लेमडा इंटू के एम इंटू डे वाला टाइम आ रहा है और यहां पर बेसिकली क्या आ रहा है सी एच अपॉन ऑफ लेमडा वाला टाइम आ रहा है तो इन इस, मतलब इन दोनों को इस तरीके से आप याद रख सकते हो और वहां पर मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो वेट ब्लड टेम्परेचर मतलब ड्राई ब्लड टेम्परेचर डिफरेंस माइनस ऑफ द वेट ब्लड टेम्परेचर आ रहा है यहां पर टी माइनस टी माइनस सेचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है ओके सो so, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइंग मैं बात कर रहा था कि ह्यूमिडिफिकेशन अगर ह्यूमिडिफिकेशन में इतनी चीजें पता है तो मैं बता रहा था कि जो मतलब ट्रेंड है मतलब अगर आप क्वेश्चन देखोगे ह्यूमिडिफिकेशन से तो मतलब कोई मतलब न्यूमेरिक मतलब बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है ऑलवेज कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपके मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप इजीली वहां से क्वेश्चन कर सकते हो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है मोलल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है परसेंटेज ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब कौन सी ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है कैसे टेपरेचर के साथ डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है अगर ये सब चीज आपको पता है देन आप इजिली ह्यूमिडिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो ओके गाइज तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ड्राइं। so, ड्राइंग सो ड्राइंग देखिए ड्राइंग में सिंपली क्या होता है हम लोग मॉइस्चर रिमूव करते हैं तो so, ड्राइंग के लिए हम लिख देते हैं यहां पर देखिए रिमूवल ऑफ मॉइस्चर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वेट सॉलिड रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वेट सॉलिड बाय इवोपरेशन, रिमूवल ओके रिमू ठीक है रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द वेट सॉलिड बाय इवपोरेशन बाय इवपोरेशन इन सॉलिड्स हां यहां पर जयस गग पूछ रहे हैं अगर सर कोई और भी रिविजन सब्जेक्ट आ रहा है क्या हाँ डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ मैं अभी मार्च ट्रांसफर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अभी देन uh, कल कल मॉर्निंग सिफ्ट में कल मतलब मॉर्निंग आप में कोई एक सब्जेक्ट में लेके आऊँगा और तो मॉर्निंग में बेसिकली उसके लिए बता दूंगा मैं कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ तो डेली मतलब एक या दो सब्जेक्ट डेली डिस्कस करने वाला हूँ जिससे कि आपका फाइनल यहाँ पर रिविजन हो जाए आई नो कि वन वीक लास्ट रहे गेट एग्जाम में तो जितना भी हो सकता है मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का एक बार यहाँ पर आपको रिवाइज करा दूंगा जिससे कि फाइनल आपको यहाँ पर हेल्प हो अपने एग्जाम एग्जाम uh, में ओके गाइस तो ड्राइंग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देखिए इसमें सिंपल रिमूव रिमूव करते हैं मॉइस्चर मॉइस्चर फ्रॉम द वेट सॉलिड आपके पास में सॉलिड uh, है मतलब वेट सॉलिड है मतलब कि उसमें मॉइस्चर प्रजेंट है तो मॉइस्चर रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ हीट क्लियर गाइज अब उसके अलावा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है मॉइस्चर डिफाइन करते हैं ना लाइक एक होता है मतलब बाउंड मॉइस्चर एक होता है इक्बिरियम मॉइस्चर उसके अलावा होता है एक अनबाउंड मॉइस्चर है ना उसके अलावा एक होता है फ्री मॉइस्चर और उसके अलावा लाइक ओके हाँ इतना उसको मैं डायरेक्टली जो आपका ड्राइंग कव होता है उसकी हेल्प से समझाता हूँ देखिए ड्राइंग कव आपको पता होना चाहिए देखिए ड्राइंग कव जो है वो हम लिखते हैं इस तरीके से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये आपका ड्राइंग कव होता है तो यहाँ पर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सिस पे हम लिखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर देन एक्स एक्सिस पे यहां पर अपॉन ऑफ के जी बोन ड्राई मतलब ड्राई uh, uh, यहां, मतलब यहां पर मतलब बोन ड्राई कंडीशन पर मैं लिख रहा हूँ बोन ड्राई सॉलिड के जी बोन ड्राई सॉलिड ओके

जितना आप जो मॉइस्चर रिमूव कर सकते मतलब कि 100% परसेंट आर एस पे जो मॉइस्चर रहेगा जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते वो मॉइस्चर क्या रहेगा बाउंड मॉइस्चर रहेगा हंड्रेड लेकिन रिलेटिव इमिडिटी वहां पर हंड्रेड हो जाएगा ना ये जीरो से हंड्रेड परसेंट रिलेटिव इमिटी यहां पर है. तो ये हो गया बेसिकली बाउंड मॉइस्चर और उसके अलावा जो हंड्रेड परसेंट रिलेटिव इमिडिटी पे यहां पर जिस मॉइस्चर को हम लोग रिमूव कर पा रहे वो बेसिकली क्या होगा अनबाउंड मॉइस्र अनबाउंड मॉइस्चर अनबाउंड मॉइस्चर और यहां पर जो इक्विबरियम मॉइस्चर फ्री मॉइस्चर हम मॉस्चर हमें पर्टिकुलरली किसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहां पर 100, मतलब बेसिकली यहां पर हंड्रेड uh, परसेंट हम रिलेटिव uh, ह्यूमिडिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं तो सिंपल देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं बाउंड मॉइस्चर तो बाउंड मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है द मॉइस्चर द मॉइस्चर द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉलिड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉलिड दैट एक्जेक्ट

जो मतलब कि सोलिड में प्रजेंट जो मॉइस्चर है मतलब द मॉइस्चर परजेंट इन द सोलड दैट एग्जिस्ट द वेपर प्रेशर लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सो वाटर से वाटर से वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा उससे लेस देन वेपर प्रेशर जिस मॉइस्चर का बेसिकली है, उस मॉइस्चर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बाउंड मॉइस्चर है ना बाउंड मॉइस्चर मतलब बेसिकली सॉलिड में जो मॉइस्चर प्रजेंट है उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं क्यों बाउंड मॉइस्चर है ना नौ इसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं मतलब इग्जाम्पल की इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगी वैसे कैपिलरी ऑफ सोलिड का एक्जाम्पल मैं दे सकता हूँ सो देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इक्विबियम मॉइस्चर तो इक्लिबियम मॉइस्चर क्या होता है ये आपका लिमिटिंग मॉइस्चर कंटेंट है टू विच ए गिवन मटेरियल कैन सॉलिड को बेसिकली उसको आप रिमूव उस कर सकते हो equilibrium, equilibrium कर सकते उस एक्सटेंट तक उसको आप ड्राई कर सकते हो पर्टिकुलरली जो ह्यूमिडिटी आपको मतलब गिवन है केस में तो आपका इक्विबेरियम मॉइस्चर वो हो जाता है इक्विबेरियम मॉइस्चर देन उसके बाद में है नेक्स्ट अनबाउंड मॉइस्चर देखिए अनबाउंड मॉइस्चर क्या होता है अनबाउंड मॉइस्चर अनबाउंड मॉइस्चर बेसिकली वो होता है जहां पर आपका जो जो मॉइस्चर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है uh, solid, uh, मतलब सॉलिड में वो बेसिकली कितना वेपर प्रेशर uh, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है जितना आपका वाटर का वेपर प्रेशर है उसके इक्वल जो वेपर प्रेशर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड मॉइस्चर और उसके अलावा एक होता है फ्री मॉइस्चर एक होता है फ्री मॉइस्चर जो मैंने बोला है कि इक्यूबीरियम एक्सटेंड तक हम जो मॉइस्चर रिमूव कर पा रहे हैं वो सारा आपका फ्री मॉइस्चर होता है उसमें आपका अनबाउंड मॉइस्चर भी आता है और आपका बाउंड मॉइस्चर भी आता है ना उसमें दोनों पार्ट रहता है द मॉइस्चर इन ए सॉलिड विच इज रिमूव विच इज ए रिमूवेबल फॉर ए गिवन ह्यूमिडिटी एंड ए टेम्परेचर ऑफ एयर है ना जिस जिस मॉइस्चर को आप रिमूव कर सकते हो पर्टिकुलरली गिवन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे है ना इसमें आपका बाउंड मॉइस्चर का भी पार्ट रहता है आप ग्राफ से देख सकते हो यहाँ पर जो ड्राइंग कव होता है इस फ्री मॉइस्चर में आपका यहाँ पर देखिए बाउंड मॉइस्चर का पार्ट भी आ रहा है और अनबाउंड मॉइस्चर का भी पार्ट इसमें आता है तो so, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए ड्राइंग वाले टॉपिक में ड्राइंग ड्राइव ड्राइंग रेट कर्व अगर ड्राइंग रेट कर्व आपको अच्छे से से आता है है और फाइनली जो फ्लक्स का है न, फ्लक्स जो का होता ना के फॉर्मूले की हेल्प हम लोग टोटल ड्राइंग टाइम होता है वो कैलकुलेट करते हैं अगर वो आपको पता है तो इस टॉपिक में तो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाओगे देखिए अभी मैं नेक्स्ट दो तीन फॉर्मुले आपको बताऊंगा आफ्टर ड्राइंग रेट करो तो वो फॉर्मुला अच्छे से याद कर लीजिए इजिल आप ड्राइंग का जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व कर पाओगे देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिख रहे हैं ड्राइंग रेट कर्व ड्राइंग रेट कर्व खिये ड्राइंग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं देखिए तो अगर हम ठीक है सबसे पहले ये ये वाला कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं सिंपली देखिए सबसे पहले एक कांस्टेंट कांस्टेंट रेट पीरियड जो आता है कांस्टेंट रेट पीरियड देखिए मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्लक्स है ना ये आपका हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वेर पर ओवर है ना मास फ्लक्स यहां पर लिख रहे हैं और यहां पर मेरा रहेगा मॉइस्चर कंटेंट है ना यहाँ पर मेरा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा इस पे एक्स एक्सिस पे तो सिंपल देखिए लाइक इनिशियली हम मतलब इनिशियली इसमें देखिए आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉलिड में वो रिड्यूस होगा तो हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे मतलब इनिशियल हमारे केस में मैक्सिमम मॉइस्चर होगा लाइक like हम किसी पॉइंट पे प्रेजेंट है अभी यहां पर ओके इनिशियली ओके तो इनिशियली लाइक like हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर तेंपर, लाइक हम बोल रहे हैं कि लाइक अगर इंक्रीज करते हैं हमारे सिस्टम का तो वहां पर मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा थोड़ी देर के लिए सो so फाइनली एक पॉइंट आएगा देखिए जहां पर आपका मॉइस्चर रिमूव होना स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर देखिए ट कॉन्स्टेंट रेट पीरियड कॉन्स्टेंट रेट पीरियड यहां पर आपका मॉइस्चर देखिए फाइनली यहां पर लाइक कोई मॉइस्चर मॉइस्चर मतलब कि इनिशियल मॉइस्चर था उसको आपने यहां तक विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट ड्राइंग कॉन्स्टेंट रेट पीरियड जो है आपने उसको रिमूव कर दिया टिल द एक्सी मतलब इक्विबीरियम इक्लिबेरियम जो कंसेंट इक्लिबीरियम जो मॉइस्चर है बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर मतलब इक्लिबेरियम मॉइस्चर से जो अपर आपका जो मॉइस्चर होता है बेसिकली वो आप कांस्टेंट रेट पीरियड की हेल्प से रिमूव कर देते हो ना मतलब आपका जो आ, जो रेट है बेसिकली मॉइस्चर का रिमूव होने का वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है देन उसके बाद में क्या होता है देखिए सेकेंड जो पार्ट आता है वो होता है फॉलिंग रेट फॉलिंग रेट पीरियड मतलब आपका जो आ, मतलब मॉइस्चर रिमूव हो रहा है बट विद टाइम क्या हो रहा है कि जो फ्लेक्स है बेसिकली उसका रेट रिड्यूस हो रहा है ना तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सेकंड जो पीरियड आता है वो है फॉलिंग रेट पीरियड तो यहां पर हम लोग रिमूव कर पाते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर से एक पर्टिकुलर मॉइस्चर तक, ओके फाइनल मॉइस्चर जिसे हम बोलेंगे ओके okay, अब उसके बाद एक सेकंड फोलिंग रेट पीरियड भी बोलते हैं मतलब या तो देखिए आपको यहां पर ये फाइनल मतलब ये फाइनल मॉस्चर यहां पर यहां पर गिवन है उसके अलावा देखिए फाइनल सेकंड सेकंड फोलिंग पीरियड रेट पीरियड पीरियड ये पिरेट भी हम लिखते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली फोलिंग रेट पीरियड बोल सकते हैं तो ये जो कंसंट्रेशन फाइनली अचीव होगी देखिए ये एक्स स्टार अगर इस पे है मतलब इस पॉइंट पर अगर आ जाता है अगर ये इस पॉइंट पे आ जाता है बेसिकली मतलब कि फाइनल मॉइस्चर कंटेंट अगर जीरो हो जाता है तो वो बेसिकली ओके okay, कौन सा केस होगा बेसिकली हमारा देखिए वहां पर ये रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है बेसिकली वहां पर जीरो उसी केस में आप कंप्लीट मॉइस्चर जो है उसको रिमूव जीरो कर सकते हो अदरवाइज कुछ ना कुछ मॉइस्चर आपका फाइनल ये यहां पर रहने वाला है फाइनल मॉइस्चर आपका कुछ ना कुछ रहने वाला है तो फाइनली देखिए मैंने एक्स स्टार यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए अभी फॉलिंग रेट पीरियड के केस में और कांस्टेंट रेट पीरियड के केस में हम यहां पर डिफाइन करेंगे कि जो रेट ऑफ ड्राइंग होता है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है मोस्टली वो एरिया पे डिपेंड करता है देखिए यहां पर अगर हम लिखे कि मॉइस्चर कंटेंट अगर टाइम के साथ हम देखें कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो तो रिड्यूस ही होने वाला है फाइनली आपको कुछ इस तरीके का, का मिलेगा है ना फाइनली कुछ इस तरीके का, का मिलता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना इक्लिबीरियम मॉइस्चर फाइनली अचीव हो जाती है यहां पर इक्विबीरियम मॉइस्चर नेक्स्ट so देखिए मैं यहां पर इस इस पूरे काउ को मतलब सिंपल फॉर्म में यहां पर डिनोट कर देता हूं कि दो टाइम है देखिए एक है फॉलिंग रेट पीरियड एक है कांस्टेंट रेट पीरियड है ना फ्लक्स लिख रहे हैं तो इस एनसी वाले पॉइंट जहां पर आपका ये जो मतलब कॉन्स्टेंट रेट पीरियड है बेसिकली तो यहां पर एनसी हमने डिफाइन कर दिया जो रेट है बेसिकली वो कॉन्स्टेंट है उसके अलावा ये फॉलिंग रेट पीरियड है और यहां पर देखिए कुछ इक्विबीरियम था इनिशियल इक्विबियर इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट तो एक्स हो गया फाइनल कि कंसेंट्रेशन तक आपने रिमूव किया उसके बाद में फाइनल यहां पर आता है एक्स स्टार वो है मॉइस्चर कंसंट्रेशन है ना, फाइनल जो है ओके सॉरी एक वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं आपका एक्सी जो है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है इसे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट में मतलब रेट रेट पीरियड जो आपका कॉन्स्टेंट रेट पीरियड जहां तक रहता है उस पॉइंट तक जो कंसंटेशनू करता है वो आपका क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट होता है फाइनली ये इक्लिबीरियम आई थिंक मैंने सेम वर्ड यूज कर दिया था मॉइस्चर कंटेंट होता है फाइनली जो हम जितना मतलब की, आ, आ, उस इक्विबीरियम मॉइस्चर के ऊपर का जो आ, जो मॉइस्चर कंटेंट है बेसिकली उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं ओके तो अब यहां पर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं देखिए फोलिंग रेट पीरियड के लिए फॉर फोलिंग रेट पीरियड फॉर फोलिंग रेट पीरियड फॉलिंग रेट पीरियड के लिए हम लोग लिखते हैं कि जो रेट ऑफ ड्राइंग है रेट ऑफ ड्राइंग जो होगा वो इनवर्सली परपोर्सनल होगा किसके थिकनेस ऑफ द मटेरियल थिकनेस ऑफ द मटेरियल की इनवर्सली होता है सो so, अब okay, यहाँ पर यहां पर देखिए नेक्स्ट देखिए थिकनेस और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस कॉन्स्टेंट रेट पीरियड में तो वहां तो जो रेट ऑफ ड्राइंग है मतलब रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो कॉन्स्टेंट है और तो यहां पर देखिए जो रेट ऑफ ड्राइंग है डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ ड्राइंग

मॉइस्चर ग्रेडियंट होगा ना के होगा तो यहां से मतलब और और, मतलब ओवरऑल इफेक्ट हम लिखते हैं देखिए तो तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि टोटल ड्राँ, टोटल ड्राइंग टोटल ड्राइंग पीरियड है ना टोटल ड्राइंग पीरियड मतलब टोटल कितना टाइम आपको लग रहा है यहां पर फाइनल ियम मोस्चर अचीव करने के लिए तो टी एफ टी एफ यहां पर टी टी टोटल टोटल टाइम हम लिख रहे हैं देखिए टी सी प्लस ऑफ टी एफ तो एक आपका ये जो एफ बेसिकली फॉलिंग फॉलिंग रेट पीरियड को डिनोट कर रहा है और यहां पर जो सी है बेसिकली वो कांस्टेंट ड्राइंग रेट जो है बेसिकली उसको उसको मतलब डिनोट uh, कर रहा है उसमें जो टाइम लगा और ये फॉलिंग रेट पीरियड के ड्यूरेशन uh, में जो टाइम लगा वो टी एफ हो गया तो फाइनली यहां पर हमको इक्वेशन मिलती है देखिए टी सी या टी टी है ना मतलब टोटल टाइम टोटल टाइम जो ड्राइंग में लग रहा है उसको हम लिख रहे हैं यहां पर डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए इंटू एन सी इंटू एक्स आई माइनस ऑफ एक्स सी ये हो गया इंटीग्रेशन uh, जो है लिमिट जो पुट कर रहे हैं फाइनल फाइनल मोशन कंटेंट गिवन है और ये कहां तक रहेगा एक्स सी तक है ना मतलब की क्रिटिकल से फाइनल मॉइस्चर कंटेंट जहा तक हम लोग रिमूव कर सकते हैं ये ये इसका लिमिट हो गया तो फाइनल हमारा है टोटल ड्राइंग टोटल ड्राइंग पीरियड के लिए टोटल ड्राइंग पीरियड टोटल ड्राइंग पीरियड टोटल ड्राइंग पीरियड टी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए इंटू एन सी इंटू एक्स आई इंटू एक्स सी प्लस ऑफ डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए इंटू इंडिकेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ऑफ एन और यहां पर इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं फाइनल फाइनल मोशन कंटेंट से क्रिटिकल कंटेंट के बीच तो ये वाला जो पार्ट है टाइम लग रहा है उसको हम लोग T, से डिनोट करेंगे और यहां पर फॉलिंग रेट पीरियड के ड्यूरेशन में जो टाइम लग रहा है वो यहां पर वेरिएबल रेट और इसको हम लोग बोल रहे फॉलिंग रेट पीरियड फॉलिंग रेट फॉलिंग रेट ड्राइंग पीरियड के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग यहां पर लिख है। रहे हैं टी एफ क्लियर है सो तो यहां पर देखिए अगर हम हम अगर ये एज्यूम कर ले कि जो हमारा फ्लैक्स है बेसिकली वो लीनियरली वेरी कर रहा है विद मोशन है ना ये हम अगर एज्यूम कर ले नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में इसको मैं बताता हूं देखिए तो ये टोटल ड्राइंग पीरियड के लिए आपको यह टाइम रखना अब ये ये आपको कैलकुलेट करना है बट गाइज मोस्टली क्वेश्चन में अगर आप ड्राइंग के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो फोलोइंग रेट पीरियड से पहले ही मतलब जो वो जो फाइनल कंसेंट्रेशन देता है वो आपको क्रिटिकल मोस्चर कंटेंट से आ, हा, मतलब हाइयर दे देता है तो मोस्टली क्वेश्चन में तो आप फॉलिंग रेट पीरियड में एंटर ही नहीं करते हो आपका जो टोटल टाइम होता है वो किसके इक्वल हो जाता है जो आपका कॉन्टेंट रेट ड्राइंग पीरियड के लिए जो टाइम लग रहा है वही आपका टोटल टाइम हो जाता है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन में बेसिकली मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट गिवन है वो आपका ड्राई बेसिस पे गिवन है या फिर वेट बेसिस पे गिवन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो मॉइस्चर कंटेंट हम जो यूज करते हैं मॉइस्चर मॉइस्चर के लिए टाइम एक्साई एक्सी ये सब आपका बेसिकली ड्राई बेसिस पे होता है ना तो ये चीज आपको ध्यान रखना वेट बेसिस पे गिवन हो तो उसको ड्राई बेसिस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो देखिए अगर फोलिंग रेट पीरियड में अगर जो एन है हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो लीनियर linear, वो लीनियरली वेरी कर रहा है वी अज्यूम कि एन जो है वो वेरी कर रहा है लीनियरली वेरी इज लीनियरली इज लीनियरली विद एक्स तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं देखिए टी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए इंटू एनसी प्लस ऑफ डब्ल्यू एस ये वाला तो सेम ठीक है फोलिंग रेट पीरियड के लिए देखिए डब्ल्यू एस इंटू एक्स सी माइनस ऑफ एक्स स्टार इज डिवाइडेड बाई ए इंटू एन सी इज मल्टीप्लाई बाई एल एन ऑफ

ना उसके बाद भी गाइस देखिए इसको हम लोग और डिटेल में मतलब फॉलिंग रेट पीरियड में आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल क्रिटिकल जो क्रिटिकल मॉइस्चर है उसे ग्रेटर देन है या फिर उसे लेस देन है उसके अकॉर्डिंग मतलब ये फॉर्मुला चेंज हो जाता है ना और डायरेक्टली अगर आपको लाइक ये कव गिवन हो देखिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये वाला फॉलिंग रेट पीरियड का मतलब डिफरेंट मॉइस्चर पे अगर डिफरेंट आपको फ्लक्स गिवन हो तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो इससे ज्यादा लाइक आपको फ्लक्स हो तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो देखिए टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए आप, आप सोल्व कर लोगे इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन करके आप इजिली सोल्व कर पाओगे ओके गाइज यहां पर एक्स वन इनिशियल मोइचर कंटेंट है एक्स टू जो है वो फाइनल मोस्चर कंटेंट है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली अगर आपको फ्लैक्स गिवन है तो उस केस में ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं फॉलोइंग ग्रेड पीरियड के लिए

लिक्विड हो सकता है है ना यूजिंग यूजिंग ए सोलिड मीडियम बाई यूजिंग बाई यूजिंग ए सोलिड मीडियम और मीडियम को हम क्या बोलते हैं ये था और उसको हम बोलते हैं अडजोर ओके सो इसमें मतलब इसमें भी आप देखिए मतलब कि लाइक सिलिका जेल आपके पास में सिलिका जेल में मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है वो सोल्यूड आपका मॉइस्चर हो गया और सिलिका जेल मतलब आ, ओके okay, जेल मतलब लिक्विड लिक्विड फॉर्म में ना उसमें अगर मॉइस्चर परजेंट है तो वहां पर हम लोग सॉरी लाइक एयर में अगर मॉइस्चर परजेंट है ना एयर में अगर मॉइस्चर परजेंट है तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको देखिए लाइक सिलिका जेल ना सिलिका जेल हमने सिलिका जेल हमने हम यूज, हम यूज करेंगे एज ए एब्जॉर्बर ना सॉलिड मीडियम तो हमारे पास क्या एयर में मॉइस्चर परजेंट है एयर में मॉइस्चर परजेंट है तो सिलिका जेल का देखिए टेंडेंसी होता है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है तो एयर में से मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिलिका जेल तो इसके बेसिस पे देखिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं दो आइसोथैम पहला रहेगा लेंग, लेंगुमर आइसोथैम एंड सेकेंड रहेगा फ्रेंडली तो फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं आइसोथैम इसके लिए देखिए स्टेटमेंट हमारे पास में है मतलब फाइनल जो फॉर्मुला रहता है इससे पहले मैं टाइम डिफाइन कर रहा हूं देखिए यहां पर हम लोग थीटा टाइम डिफाइन कर रहे हैं थीटा बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है थीटा है फ्रेक्शन ऑफ सरफेस फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय फ्रैक्शन ऑफ सर्फेस कवर्ड बाई एडजोरबेड मोलिक्यूल्स और रिमेनिंग जो रहेगी अवेलेबल है ना एड्जॉर्न आड़। के लिए जो अवेलेबल सर्फेस रहेगी उसमें क्या लिखेंगे वन माइनस टीटा सो वन माइनस टीटा क्या हो जाएगा ओके okay, ये आपका था फ्रैक्शन ऑफ सर्फेस कव बाई द एडजोर्बेंट तो रिमेनिंग वन माइनस टीटा क्या हो, होगा फ्रेक्शन ऑफ बेयर सरफेस मतलब की जो एवेलेबल है एडजॉर्पन के लिए तो यहां पर देखिए

और उसके अलावा यहां पर जो के डी है बेसिकली ये किसको डिनोट कर रहा है डिजॉप्शन रेट कॉन्स्टेंट को और यहां पर पी जो है वो क्या है प्रेशर है जहां पर एप्शन हो, हो रहा है वो प्रेशर एक बार फिर से लिखता जो है, इसमें हम लिखते हैं प्लस के इंटू पी नाउ यहां पर जो थीटा है बेसिकली वो हम इस तरीके से लिखते हैं क्यू अपॉन ऑफ क्यू एम अब क्यू और क्यू एम बेसिकली क्या है बेसिकली है कंसंट्रेशन ऑफ सोलिड कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोलिड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोलिड एंड इसके अलावा हम यहां पर लिख रहे हैं क्यू एम क्यू एम बेसिकली क्या होता है मैगजिम मैक्मम पॉसिबल कंसंट्रेशन मैक्म पॉसिबल कंसंट्रेशन मैगजिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोलिड मैक्मम पॉसिबल कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोलिड ओके okay. सो so, इसको भी देखिए हम लोग मतलब कंडीशन अप्लाई करके कि एक अगर हम लोग लो प्रेशर पे बात करें तो लो प्रेशर पे बेसिकली एट लो प्रेशर हम यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कि जो यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में ये जो के के इंटू पी है लो अगर प्रेशर आपका लो प्रेशर है तो के इंटू पी आपका लेस लेस देन वन होगा तो उस केस में थीटा इक्वल टू तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है केपी मिल जाता है है ना उसके अलावा देखिए हम लोग यहां पर इसको रियरेंज करके है ना मतलब यहां पर हम लोग इसको रियरेंज करके इसमें थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया हमने क्यू क्यू अपॉन क्यू अपॉन क्यू एम उसके बाद हम फाइनली लिखते हैं देखिए इक्वेशन हमको मिलता है यहाँ पर q अपॉन ऑफ uh, q ओके uh, okay, p अपॉन ऑफ q इज इक्वल टू वन अपॉन ऑफ क्यू एम इंटू के प्लस ऑफ पी अपॉन ऑफ क्यू एम सारी टाइम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कुछ भी नहीं है ना यही सब यहां पर रिअरेंज uh, करके कर हमने यहाँ पर p बाई क्यू कैलकुलेट किया p बाई क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू इन टू के प्लस ऑफ पी अपन ऑफ क्यू एन हमको मिल रहा है तो यहां पर हम एक मतलब कब भी बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं ओके पी अपॉन क्यू क्यू एम पी अपॉन ऑफ क्यू एंड पी अपॉन अपॉन ऑफ क्यू एंड पी अपॉन ऑफ क्यू एम के बीच में ये रिमेनिंग टाइम जो इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा देन सेकंड जो यहां पर आइसोथेम है वो होता है फ्रेंडली आइसोथेम तो फ्रेंडली आइसोथेम जो है बेसिकली इसका स्टेटमेंट देखिए इसमें जो क्यू है बेसिकली वो मतलब पावर लॉ को फॉलो करता है क्यू जो है वो k इन टू पी पावर वन बाई एन के परपोर्शनल होता है और यहां पर जो k और n बेसिकली है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट होता है k एंड जो n है बेसिकली ये कॉन्स्टेंट है ये हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा और ये जो कॉन्स्टेंट है बेसिकली ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट तो एडजॉप्शन में ये दो टाइम अगर आपको पता है लेंगुमर आइसोथम एंड फ्रेंडली आइसोथम तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इतना ही पार्ट मतलब गेट केमिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जाता है एडजोप्शन से ओके